तोड़ मैन क्या भाई तुम तो गायब ही हो गए भाई तू और तेरा पंडा तो गायब ही हो गए <laughs> वर्चुअल में <को> आना है <laughs> मेरे को तो कह दिखे हाँ कल का कल पूछेंगे अपन आज नहीं आज मेरा फेमा गया आज थोड़ा सा ये आज वो मेरे टेस्ट थे कल वो इस दिन आ... क्या बोलते हैं दशहरा के दिन जा ही रहे हो ना मुंबई तो डॉक्टर का मेरा प्रोसेस हो जाएगा ऐसा तो टेस्ट करने थे तो रात को फिर मेरे को समझ आया वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर इसके लिए फिर मैं बोला आज जो कर लेते हैं कल परसों में वो रिकवरी अपनी रिकवरी कर लेंगे तोड़ मालिक ओके इज मालिक तो भारत माता की जय मालिक गुड मॉर्निंग होप फुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि तोड़ कर रहे होंगे आप तोड़ कर रहे होंगे ओके तो भारत माता की जय मालिक मालिक जो कल का पॉइंट था उसको अपन कल वाले इसमें शिफ्ट करते हैं okay, ओके जो शेयर कैपिटल वगैरह का पॉइंट ओके okay, वो कल वाले इसमें शिफ्ट करते हैं मालिक कल और परसों दोनों में से कोई ना एक दिन में कर लेंगे थोड़ा कल करते हैं थोड़ा परसों कर लेते हैं ओके अभी वाले कॉन्सेप्ट में मैं डायरेक्टली फेमा पे आ रहा हूँ ओकेज okay, मैंने क्योंकि अपन फेमा का क्लोज कर लेते कॉन्सेप्ट फेमा वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फेमा के अंदर अच्छा फेमा का एक बैकग्राउंड मैंने तैयार किया था जिसमें मैंने आपको बताया के फेमा के पहले एक्ट नहीं था ऐसा नहीं है फेमा के पहले जो एक्ट था वो था फेरा पर फेरा और फेमा में बेसिक डिफरेंस ये है कि फेरा में बैंक आर अपने को पूरा एक्सचेंज रेट तक रेगुलेट करता था अभी आरबीआई को ये पावर दी गई है फेमा के अंदर कि आप ट्रांजेक्शन रेगुलेट करिए आप एक्सचेंज रेट और ये वगैरह में आप इन्वॉल्व मत होइए इनको डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कैलकुलेशन होने दीजिए तो तीन एलिमेंट आपको वैसे कवर करने हैं वैसे फेमा मैंने बताया आपको बहुत बड़ा है ओके आप सी में जाओगे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे यहाँ के सिलेबस में अप्रोप्रिएटली तीन चीजें कवर की है सर वो कौन सी कौन सी तीन चीजें कवर की है पहला कवर किया है उन्होंने कवरेज दिया है दैट इज वॉट अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस इन फेमा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अबाउट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड द थर्ड इज अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन Now to be very precise, when we are discussing about this all three concepts, को समझ लेंगे, मालिक. तो पहले एक है जो आपने बुक में पढ़ना है और बुक के स्ट्रक्चर में करना है बट uh, एक थोड़ा साइलेंट फीचर्स वाले फेमा के आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि साइलेंट फीचर क्या बोल रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ फेमा आपके पेज नंबर इनिशियल पे आ जाइए सर क्या इसको रटने की जरूरत है नहीं एक बार रीड मारिए बट इसके कुछ है जो अपने को काम आने चाहिए बेस बोलते ना एक बेस रहेगा तो उस बेस को अपने को समझना है इसके लिए अपने को इसको याद रखना है मालिक पहला पॉइंट अगर आप देखोगे साइलेंट फीचर्स ऑफ फेमा ओके साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट कौन सा एक्ट बोल रहे हैं अपन अभी फेमा फेमा ईयर कौन सा 1999 ओके okay, याद रखना पड़ेगा

तो कभी अगर आपको इस चैप्टर में एक्सटांट वर्ड मिला तो आप ये मत समझना प्रिंटिंग एरर है और इसको एक्सटेंड मत कर देना ओके okay, पढ़ते वक्त नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि स्पेलिंग एरर होगा हम एक्सटेंड कर देते ये चैप्टर में बोल रहा हूं ये चैप्टर में वर्ड क्या मिलेगा आपको एक्सटांड एक्सटांट रेगुलेशन व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंट रेगुलेशन करंट रेगुलेशन एक चैप्टर है जो अपने आर में आपको चेंजेस मिल सकते हैं सी फाइनल में इसमें इतने चेंजेस मैंने देखे हुए हैं मैंने वैसे बहुत सी फाइनल वैसे लॉ मैंने जस्ट चालू किया था अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी जब इसका निकला 2018 से मैंने चालू किया 2018, ट्वेंटी 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 21 में मुझे मालूम पड़ा नवंबर में नवंबर 21 में मुझे मालूम पड़ा कि लॉ निकल रहा है ई निकल रहा है तब से दोनों बंद कर दिए ओके okay, दोनों बंद कर दिए मतलब ई तो चला रहा था और लॉ के पुराने लेक्चर चल रहे थे ओके okay, तो so तब तक है क्योंकि वो अटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट जैसे ये पॉइंट एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो जाता तो उसके बाद लॉ पे पॉइंट है लेकिन वो चार साल के साढ़े तीन चार साल के जो सी एफ आईनल का लॉ का कैरियर था ओके आई वाज ओनली इन कंपनी जो भी फेमा मैंने पढ़ाया होगा मैंने उस चार साल के कैरियर में लॉ के सी फाइनल आईनल केस में इतने चेंजेस फेमा में देखे आप इमेजिम करो मतलब मैं अगर आपको YouTube का एक थोड़ा सा अपना YouTube मेरा YouTube लिंक देखोगे या प्ले लिस्ट देखोगे फेमा के ऊपर इतना एमेंडमेंट की लिस्ट मिल जाएगी आपको आप इमा, मतलब इमेजिनेशन के बारे में तो आप ये एक चीज समझ लीजिए कि फेमा में शेड्यूल्स या रेगुलेशन में चेंजेस आ सकते हैं यानी आप कल वाले आज वाले लेक्चर में चेंजेस कुछ नहीं हुए आज वाला लेक्चर आपके लिए एज इट इज ही रहेगा इसमें चेंज नहीं होगा कल और डे आफ्टर टुमारो वाले लेक्चर में आपको चेंजेस आ सकते हैं सर कब मालूम पड़ेंगे ओके okay, हमको मालूम पड़ेगा आर के बाद उसके पहले नहीं मालूम पड़ेगा हमें आर आती है ओके okay, रेगुलेशन बहुत चेंज होते हैं वैसे अपने को मालूम पड़ सकता है सर कौन सी साइट है फेमा की साइट है ओके okay, आरबीआई की साइट है उस पर ऑल टुगेदर आपको मालूम पड़ेगा फेमा के लिए रिलेवेंट रेगुलेशन कौन से है लेकिन वो हो गए सत्रह लेकिन सत्रह सो अपने को एप्लीकेबल नहीं होते है. तो फिर सर इंस्टीट्यूट जो बताती है वो एप्लीकेबल होती है तो सर क्या है ये ये है रेगुलेशंस क्या है रेगुलेश एक्जाम्पल बता रहा हूं ओके okay, एक्साम्पल अगर आज मैं कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं okay, अपना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो लेकिन आपको मेरा अप्रूवल लगेगा दूसरा आरबीआई बोलती है दूसरा और एक ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन आपको मोदी जी से पूछना पड़ेगा तीसरा ओके okay, आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो पांच लाख तक अपनी मर्जी से करो पांच लाख के ऊपर करना है तो हमसे पूछो चौथा आपको ये करना है दो करोड़ तक आप कर सकते हो दो करोड़ के ऊपर रहा तो कर नहीं सकते

मतलब मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं मालिक और ये, ये कोई डराने वाला पॉइंट नहीं है आ, आप मत बोलना सर डरा रहे हो डरा नहीं रहे ये देखो ये अभी एग्जाम्पल फेमा का ये सी फाइनल का फेमा का पॉइंट है मतलब ये क्या हो गया इसको ये दिखी नहीं रही है शीट आई लव कुछ होगा ये इधर शीट है वो शीट नहीं दिख रही है पता नहीं कुछ होगा कारण इधर कुछ कॉपीराइट राइट इशू होगा पता नहीं जाने दो शीटे पर फेमा का पॉइंट है मैं आपको ये बताना चाहता कि फेमा का अगर आप पुराना देखोगे तो उसके अंदर इतने इतने सारे कंडीशन है इतने सारे परमिशन कॉम्बिनेशन है सब याद रखना पड़ेगा सर एम ओके okay, पहला सीन ओके थियोरिटिकल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर इवन आप अभी जो क्लास नोट्स है उसमें आप एमसीक्यू देखोगे आपको फेमा का एमसीक्यू देखो आपको एमसीक्यू पढ़ने को अगर 10 मिनट के ऊपर नहीं लगा 10 मिनट नहीं लगा तो नाम बता देना एक एक क्वेश्चन फेमा के ऊपर का फेमा का क्वेश्चन ऐसा बेस है ही नहीं कि दो सेकंड में खत्म हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा फेमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फेमा का प्रॉब्लम ये है फेमा का आउटकम आराम से आ जाएगा रटना आराम से हो जाएगा बट फेमा के इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंटली ध्यान रखना पड़ेगा ओके okay, ये रेगुलेशन है आरटीपी आने के बाद हो सकता है कुछ फिगर्स मैंने जो आपको बताया है जो आपको मॉड्यूल ने दिए हुए वो फिगर्स में चेंजेस आए मालिक तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इन शॉर्ट आपको याद रखना होगा ओके okay, जब आर टीपी आ जाए उसके बाद का जो आर टीपी का लेक्चर है वो आपको देखना है पुराने आर टीपी के लेक्चर्स मत देखना क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको एप्लीकेबल है कुछ कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं है तो रिलेवेंट वाले कंटेंट मैं निकाल के दूंगा उस पॉइंट पर ही आपको वर्क करना है इज दैट पॉइंट क्लियर ओके आप सारा का सारा कंपाइल मत करते बैठना क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल बताया अगर आप बोलोगे पुराना आर टी वाले क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ ओके अब मेरे को बताओ पुराने वाले आर टीपी में क्या इस सॉप के रूल थे क्या आंसर इज यस मैंने बताया पुराने वाले आर टीवी में आपको ऐसे कौन कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं है ओके जो पुराने वाले में थे और ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है जो पुराने वाले में नहीं थे आपको है तो पुराना पूरा एज इट इज उठाना बेवकूफ़ी होगी आपके लिए ओके सर नॉलेज नॉलेज के लिए कर लिया तो कर लिया पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी देखो नॉलेज कब रहेगा जब सामने वाला कोई दे रहा होगा तो ओके जब तुम लेने की कोशिश करते हो वो नॉलेज नहीं होता है ओके वो कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम क्या होगा मान में क्या जितना अपने को अच्छे से आ रहा है ना वो सारी कहानी खत्म कर दोगे आप

अरे मेरे भाई मैं आपको वही समझा रहा हूँ ये एक्ट है लेकिन इधर इसमें कितने सेक्शन है तीन सेक्शन जो अपन पढ़ने वाले थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब एक्चुअली एक एक एडिशनल पॉइंट में थ्री फोर फाइव सिक्स वाला ओके okay, एक्ट है ये सेक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस से में सेक्शन नहीं है अपने सिलेबस में अपने रेगुलेशन एक्सटान रेगुलेशन कौन एक सा रेगुलेशन एक्सर और ये एक्सटेंट रेगुलेशन जो है वो उसमें फिगर्स रेगुलेशन आर भी आएगा आज कुछ अभी भाई यार इसराइल का युद्ध हो रहा है आज कुछ रेगुलेशन चेंज हो गए होंगे आप वहां के उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते वहां का बंदा यहां पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता पॉसिबिलिटी है जिनके साथ अभी एग्जाम्पल किनके कोई कंट्री के साथ है ओके okay, एग्जाम्पल है कोई कंट्री के साथ अपने कैसे रिश्ते हैं अगर रिश्तों में कोई दरार आ जाती है फेमा आरबीआई चेंज कर देता उसको ओके okay, जो कि आज के डेट में ये बहुत ऐसे ही ये सिनारे होता है अच्छा नेपाल है आप नेपाल में जाओगे नेपाल की करेंसी लोगे प्रोहिबिटेड है आपको नेपाल की करेंसी नहीं लेनी है आप जो लेते हो हवाला में लेते हो आप आरबीआई के पास जाओगे और बोलोगे मेरा कैश रुपीज लो और नेपाल की करेंसी दो आरबीआई बोलेगा चल मंगी गेट आउट पॉसिबल नॉट भूटान भी नहीं भूटान नेपाल वहां पर यह बोला जाता है अपने पैसे यूज करो आप उधर रुपीज दो रूपीज को बढ़ावा मत लो अपन नहीं ले सकते ऐसा नहीं बोल रहा मैं जाऊंगा नीचे कैश दूंगा ना कैश में मिल जाएगी लेकिन बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा नहीं मिलेगी क्यों प्रोहिबिटेड है सर भूटान नेपाल प्रोहिबिटेड किस कंटेक्स में प्रोहिबिटेड है रीजनसेबल है अरे उधर की करेंसी लोग के सामने अपना पैसा बढ़ा है तो अपना पैसा जितना तुम वो बाय करोगे उसका डिमांड बढ़ेगा देखो डिमांड किसका बड़ा समझ में आ रहा है वो कंटेक्स है तो वैसी कंट्रीज करते हैं तो कौन से ट्रांजेक्शन के लिए लेकिन अगर मुझे उधर प्रॉपर्टी लेनी है कि नेपाल में. नेपाल में अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे परमिशन है ओके अब मेरे को बताओ उधर तो मेरे को फॉरन कंसी लगी क्योंकि उधर वाला जो पर्सन है वो तो रुपीज में नहीं लेगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का पॉइंट तो उसके इसके लिए क्या परमिशन अलाउड है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलाउड है करंट अकाउंट के लिए नहीं अलाउड है अब कैपिटल कौन से होते करंट कौन से होते इसका डेफिनेशन अलग है इसको क्राइटेरिया करना है आपके हिसाब से कौन सा होगा अंदाज में ऐसे ही जस्ट कैजुअल डिस्कशन में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होगा ऐसा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वैसा कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट जो आपकी बैलेंस शीट हिलाता है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एकदम सिंपल टर्म में बोलू मतलब इतना आसान भी नहीं है और मल्टीपल चीजें आपकी बैलेंस शीट हिलाता है वो कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल यानी आपके एसेट्स हिला रहा है

जब एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट और इधर और एक उसे ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे हैं एक है रेसिडेंट एक है नॉन रेसिडेंट जिसको नाम ऐसा नहीं देते इधर नाम लिखते वक्त बोलते हैं पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया लिखते वक्त यही लिखना पड़ेगा अगर आपने रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट लिख लिया आपने बोला भाई मेरा कॉन्सेप्ट तो सही है डेज का भी बराबर कैलकुलेशन रख लिया तो भी कॉन्सेप्ट गलत है क्योंकि फेमा वैसे वर्डिंग नहीं बोलता इसीलिए है इसीलिए मैं क्लियर हूं मैं इनकम टैक्स जैसा नहीं हूं ओके फेमा पहले क्लियरली बता देता है मैं इनकम टैक्स जैसा नहीं हूं भाई इनकम टैक्स में कहानी अलग है इनकम टैक्स में आप टैक्स लास्ट ईयर के लिए भरते हो मैं लास्ट ईयर का नहीं देखता मैं ट्रांजेक्शन करना है ना तो आज मेरी स्टेटस क्या है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन कर सकता हूं कर सकता इसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा ओके तो कुछ साइलेंट फीचर्स की कहानी एक बार देख लो आपको आइडिया आ जाएगा जो आपने डिस्कस किया है ओके खाली की को हाईलाइट करते जाइए ओके okay, सर ये मैथ जो मैं आपको बता रहा हूँ अदर लॉ का मेथड क्या रखोगे ओके okay, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट आ रहे हो मैं कीवर्ड वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट करते जाइए पहली चीज दूसरा पॉइंट अगर मैं दो दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ लिखने के लिए या तो स्टिक नोट रख लीजिए या आपके नोट्स में ओके okay, फेमा करके चैप्टर चालू कर लीजिए और उसमें लिख लीजिए और अपना जो फिफ्टी सिक्स बचा हुआ है तो एक हाथ पे छोड़ दीजिए वो आज मेरा हो जाएगा वो आज मैं भेज देता फिफ्टी सिक्स वाला जो बचा हुआ है एक पेज के ऊपर नहीं रहेगा वो उससे ज्यादा नहीं रहेगा ओके तो अपना चैप्टर फोर्थ का कंटेक्स वहां पर खत्म हो जाएगा

ओके okay, आप कितना कर सकते थे ये तो था ही लेकिन एक्सचेंज रेट भी था दूसरा इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बाय हुम नॉन रेसिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट झेप रहा नहीं याद है, याद है क्या अरे कल बताया था ना मैंने अच्छा मेरे को बताओ बाहर वाला इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो फेमा आएगा इधर वाला बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा तो फेमा आएगा इधर वाला इधर इन्वेस्टमेंट करेगा तो फेमा आएगा क्या पाएगा गया ले कर वाला बाहर तो वाला कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा अरे वो भाई लात मारेगा

CG. ये दो जन अब ये सीजी कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स वाले यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं होता है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वर्क नहीं करता है एमसी मत बोलना गलती से भी यहां पर कौन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज जी थे अगर मालूम है और अभी कौन है जयशंकर ओके जयशंकर है ना ओके उन, उनके परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो इधर मैं जब मैं सी बोलूंगा तो इधर कौन आता है मिनिस्ट्री पर कौन सी वाली मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन एक्सचेंज वाली पॉइंट उनके अंदर ही काम करने वाली मिनिस्ट्री जो भी रहेगी जो एक्सटर्नल के डील okay, अगला point, है मालिक? तो और किसको कंट्रोल करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ट्रांजेक्शन है तो किससे पूछना पड़ेगा RBI, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन क्या नहीं बताया जाएगा और मैं आपको एक जानकारी दूंगा हूँ okay, एकदम क्लियर कट है ही नहीं सकते दुनिया की कोई ताकत नहीं ना आरबीआई ना सीजी है वो हा भी बोलते तो भी नहीं कर सकते फार्म okay, लैंड लेने नहीं देंगे हम ओके नॉन रेसिडेंट को हम इधर कौन सी लैंड लेने देंगे अरे फार्म लैंड एग्रीकल्चर लैंड अरे भाई भाई ब्रिटिशर को भूले नहीं अपन अपने मालूम है साले आए थे सलाके मालूम है ना इसीलिए प्रोहिबिटेड तो इधर इंडिया में जमीन जो ले सकता है वो कौन ले सकता है Resident ही ले सकता है याद रखिए कौन सी जमीन टाउनशिप okay, बना सकता है भाई, हमें टाउनशिप बना सकता है लेकिन लैंड बना किया हुआ कैपिटल ट्रांजेक्शन है okay, so, अच्छा एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हैं अपन एक्सपोर्ट्स में क्या आते हमें फॉरन एक्सचेंज आता है ओके फॉरन एक्सचेंज मेरे को बताओ एक्सपोर्ट में एकदम डायरेक्टली कैश में देते क्रेडिट में देते हैं क्रेडिट में अब मेरे को बताओ क्रेडिट में तो पैसा डूब भी सकता है ओके इसीलिए इंश्योर करवाती है फेमा ओ भाई ओके okay, एक्सपोर्ट में पैसा मिलना चाहिए पहली कंडीशन नहीं तो वो माल वापस मंगा कंडीशन है पर अपना सिलेबस नहीं है तुम्हारा सिलेबस फाइनल में रहेगा सर अगर पैसा आ गया अब क्वेश्चन है मेरे को पैसा मिला किस में मिला डॉलर में अब मेरे को बताओ क्या एच बैंक में डॉलर में रखूंगा क्या नहीं तो डॉलर में उधर यूएस युए, का कोई अकाउंट होगा ओके okay, अपनी इंडिया बोलती है फेमा बोलता है आरबीआई बोलता है पैसा उधर नहीं रखने का कन्वर्ट करके इंडिया में लाने का या तो लेके आओ हमसे कन्वर्ट करके तुम्हारे अकाउंट में डालो तुम डॉलर में एक भी रुपया नहीं रखोगे पॉसिबल नहीं है रेसिडेंट को डॉलर में रखना परमिशन नहीं है ओके okay, तो आपको रिपेट्रिएट करना पड़ता है क्या करना पड़ता है रिपेट्रिएट एक्सपोर्ट का पैसा मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट का अभी ऐसा भी हो सकता है कोई उधर का गिफ्ट दिया मेरे को किसी ने

ओके बढ़िया झेप रहेगा और ट्रांजेक्शन किससे कर सकते हो आप अगला पॉइंट डीलिंग इन फॉरन एक्सचेंज थ्रू ऑथोराइज पर्सन लाइक ऑथोराइज डीलर होते हैं मनी चेंजर होते हैं ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट होती है आपको मालूम है बहुत जगह लगाया जाता है एक्सचेंज पर्सन बहुत अगर कोई दुकान रहेगा कोई गोल्ड वाला शॉप रहेगा उसके बाहर लिखा रहता है एक्सचेंज अवेलेबल वो पर्सन है सर उनको क्या करना पड़ता है आरबीआई से लाइसेंस ये लाइसेंस लेते हैं कि हम लोग डील कर सकते हैं ओके बैंक्स के पास ये लाइसेंस ऑटोमेटेड होता है

और अगर कैश देके कैश लिया तो वो अकाउंट में होना चाहिए आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए समझ में आ रहा है अपन लोग ऐसे कैश चेंज करते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है भले बैलेंस शीट में ड्राइंग दिखाया हुआ है लेकिन वो दिखाते नहीं अपन एक्सचेंज किया हुआ है ओके okay, so, वो हवाला ट्रांजेक्शन माना जा जाता है फेमा में इट इज लाइक एन हवाला ट्रांजेक्शन विच इज नॉट परमिटेड एट ऑल अब बेटर रेट के लिए सामने वाला बोल रहे बेटर रेट क्योंकि वो भी कैश रहेगा वो कैश लेके क्या करने वाला वो थोड़ा ना दिखाने वाला है कि भाई कैश लिया है ये सब हवाला ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स में आता है हवाला ट्रांजेक्शन मतलब एक्साम्पल मैंने कुछ दिया होगा उसने वो पैसे किसी को दिए होंगे कैश दिए होंगे और वो सामने वाले ने डॉलर दिए होंगे इसको ये इस तरह से जो ऑन पेपर नहीं होता है थ्रू आरबीआई अपना लॉजिक क्या है फेमा जब पढ़ रहे हैं अपना लॉजिक है सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करने किसके थ्रू बैंक मतलब कौन आरबीआई पर आरबीआई बोलता है मेरे पास बार बार सब लोग आएंगे तो मेरे पर लोड आ जाएगा तो आरबीआई बोलता है मैंने किसी को दे दिया डेजिग्नेशन दे दिया किसको ऑथराइज पर्सन तो आरबीआई बोलता है ऑथराइज पर्सन से तुम डील करो ऑथराइज पर्सन से काम करो उसके पास ही काम करो आत्मा क्लियर है ओके okay. आपने ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था तो आरबीआई से पूछना चाहिए था या करना चाहिए था तो सीजी से पूछना चाहिए था बिना आपने पूछे ट्रांजेक्शन किया क्या आपको पेनल्टी लगने वाली है यस yes. मैं आपको बता रहा आपने जितना ट्रांजेक्शन किया ना पूरा अमाउंट आरबीआई को देना पड़ता है ये लेवल पे पेनल्टी है आपको फॉरेन एक्सचेंज कितना रखना उसकी लिमिट है क्षमता है ऐसे आंधा धुंधी नहीं रख सकते आप उसकी क्षमता है तो उसके ऊपर क्या होगा

Settlement, settlement उंडलमेंट सेटलमेंटल इनको नाम बोला जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट लेकिन इनके कौन होते हैं डायरेक्टर आत्मा क्लियर एंड अपील कर सकते अपन? Answer is yes. किसको कर सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील एंड ट्रिब्यूनल अभी आपने सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके पास फाइनल में जाने के बाद आपको मिलेंगे अपील कैसे होते हैं कितने दिन में होते हैं किसको कर सकते हैं और आपके दो नाम मिल रहे हैं ना अपील के दो नाम कौन से मिल रहे हैं अपील के स्पेशल डायरेक्टर अपील एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल मैं आपको बता रहा हूँ ओके यानी अच्छा ये किसके अगेंस्ट अपील होगा ये किसके अगेंस्ट अपील होगा कुछ ऑर्डर हुआ रहेगा वो ऑर्डर किसने पास किया हाँ आर नहीं 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 डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट यानी आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करने वाला कौन डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसने जो भी ऑर्डर पास किया होगा ओके okay, वो डिस्कशन किया जाएगा किसके अगेंस्ट एजुटिकेटिंग अथॉरिटी किसके अगेंस्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी ओके यानी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट प्लस एजुकेटिंग अथॉरिटी ये लोग कुछ ऑर्डर पास करते हैं इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपन किसके पास जाते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील्स ये पहला पास है पहला पार्ट है ये पहला है और इससे सर्टिफाइड नहीं हुए तो किसके पास जाते हैं अपेले ट्रिब्यूनल बस मैं आपको जानकारी देता हूं ऐसा हो सकता है क्या सर मैं एजुकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ने मुझे कुछ ऑर्डर पास किया और मैं डायरेक्टली अपेले ट्रिब्यूनल के पास जाऊ यस पॉसिबल है ओके okay, यानी आपके पास ऑप्शन है इसके पास जाओ किसके पास ये बंदे के पास जाओ नहीं तो आगे वाले के पास जाओ ये आपके पास ऑप्शन है ये आपके पास ऑप्शन होता है सर साइलेंट फीचर आपने क्यों पढ़ा है या क्या है क्या याद रखना है रटने की जरूरत नहीं है लेकिन एमसीक्यू एमसीक्यू क्यू एम में ध्यान रखना एमसीक्यू एम कंटेक्स में कुछ आ सकता है सर इसमें मेनली डिस्कशन क्या क्या है अपना सिलेबस का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिसमें बता दिया पर्सन रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट और अदर एलिमेंट आत्मा क्लियर तो साइलेंट फीचर अगर देखोगे तो ऑल टुगेदर अगर मैं मैं अगर थियोरी निकालना चाहता हूं थियरी एक क्वेश्चन किस्मत तुम्हारी रही पहला आइटम रहा और इंस्टीट्यूट को लगा नहीं भाई बहुत इजी क्वेश्चन पूछने चाहिए और उनको लगा अच्छा क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ एमा मानो बड़ा वही नहीं आ रहा अपने को तो साइलेंट फीचर्स ऑफ एमा ओके वर्ड याद रख लीजिए सबसे पहला फीचर आपके लिए रहेगा रेगुलेशन करना क्या करना रेगुलेशन दूसरा क्या करना इन्वेस्टमेंट तीसरा कौन सा कैट कैट का फुल फॉर्म करंट अकाउंट पॉइंट होगा करंट अकाउंट आत्मा क्लियर ये सब पूछने के लिए किसके पास जाना पड़ता आरबीआई एंड सीजी आत्मा क्लियर पांचवा पॉइंट एक्सपोर्ट का पैसा वापस मंगाओ एक्सपोर्ट याद रखिए एक्सपोर्ट के ऊपर अगला पॉइंट किसके ट्रांजेक्शन करो ऑथोराइज आत्मा क्लियर तो इसको अपन ऑथराइज पर्सन की बात करेंगे ऑथराइज पर्सन उसके बाद अगर आपने बरबर ना नह नहीं काम किया ऑफेंस होगा ऑफेंस का क्या होगा एजुडकेशन

ओके पहला पॉइंट क्या रेगुलेशन किसका किसका ट्रांजेक्शन का सेकेंड इन्वेस्टमेंट तीसरा पॉइंट नहीं ठीक नहीं, प्री, है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट 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 करंट कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर किया अब इन्वेस्टमेंट खाली इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी मत समझो ओके इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी इन्वेस्टमेंट इन बैंक इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल अकाउंट हुआ समझा क्या तो आर वॉटस आते फीचर्स क्या क्या हुआ पहला पॉइंट रेगुलेशन ऑफ पहलाउंट कौन से कैपिटल अकाउंट कौन से करंट अकाउंट किससे पूछो आरबीआई और सीजी से ओके okay. सारे ट्रांजेक्शन किससे करो ऑथोराइज पर्सन ले अरे उसके पहले किससे बाहर आपने क्या दिया होगा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा मंगाओ तो अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन किससे करो ऑथोराइज पर्सन ओके मोस्ट इंपोर्टेंट अगर नहीं किया तो ऑफेंसिस होगा की इन्वेस्टिगेटिंग कौन करेगा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट और इसके अगेंस्ट अपील होगा होगा किसके पास स्पेशल डायरेक्टर अपील्स और अथॉरिटी ओके एवरीबॉडी क्लियर ये पॉइंट ध्यान रखो खाली बस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को नाम क्या दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को नाम क्या दिया है इन्वेस्टमेंट झेपा के मालिक एवरीबॉडी ओके सर एनफोर्समेंट ऑफ फेमा एनफोर्समेंट ऑफ फेमा तोड़े मालिक दो आरबीआई एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस

आरबीआई बताएगा एक्सट्रनल रेगुलेशन क्या है ओके okay, लेकिन अल्टीमेटली फेमा का एनफोर्समेंट कौन करेगा अगर आरबीआई okay, ने बोला है उधर इन्वेस्ट करना है ना मुझसे पूछो फिर करो मुझे अप्रूवल लेके जाओ मुझे फॉर्म भर के दो मुझे डॉक्यूमेंट दो इन्वेस्टमेंट ओके okay, आपने ये नहीं किया क्या आरबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं ये पॉइंट रेगुलेशन कौन करेगा आरबीआई

टू थर्टी फाइव ओके डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट क्या कर सकता है उसके पावर्स क्या उसकी ड्यूटीज क्या ओके okay, ओत मंगा सकता है क्या ये वाले पॉइंट ओके एंड लास्ट पॉइंट है मतलब क्या अपील करना वो अपील के अगेंस्ट भी अपील करना ये सब मिसलेनियस में जाता है तो अल्टीमेटली कितने फेमा में चैप्टर्स है सेवन सेवन चैप्टर्स के लॉजिक है जिसमें से आपने को कौन सा चैप्टर कवर करना है चैप्टर चैप्टर और में भी सारे सेक्शन नहीं है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सर कौन से सेक्शन अच्छा से चैप्टर टू के सेक्शन नंबर बताओ थ्री टू नाइन है लेकिन अपने पास थ्री टू नाइन नहीं कवर है थ्री वाले थ्री फोर फाइव सिक्स ये कवर है सर आगे वाले जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एट नाइन वाले कौन से सेक्शन में जाते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो अपना सिलेबस पॉइंट में कवर नहीं होता है आत्मा क्लियर तो अपना अगर आप देखोगे तो अपने इस पार्ट का चैप्टर टू का कुछ पोर्शन कवर है दैट्स इट बड़े आगे मालिक तो ठीक है तो अभी तक मोटा मोटी मेरे को बताओ क्या क्या समझ में आया मेरे ख्याल बैकग्राउंड समझ में आ गया है और कल, मतलब लिंक हो रहा है वो क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं मतलब अल्टीमेटली अपन किधर कवर कर रहे हैं रेसिडेंट 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 बिटवीन बिटवीन नहीं नॉन नॉन यस लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर और कौन है तो ये डेफिनेशन पे बात करते हैं तो अब यहां पर बहुत सारे डेफिनेशन है जिसको अपन कल देखेंगे अपन ज्यादा हेडेक नहीं करेंगे अच्छा आप पहले प्रीमियम्बल परिमियम्बल प्रीमियबल प्रीएम्बल बोलते हैं इसको प्रीएम्बल हाँ मेरा मेरा प्रोनाउंसिएशन अपना प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना अपना ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश है भाई मैं यह प्रियम्बल बोलने वाले प्रियम्बल बोलते हैं इंडिया वाले हम बोलते हैं <coughs> स्पेलिंग ध्यान रखना बस हाँ गड़बड़ मत करना बाकी ठीक है प्रियम्बल क्या बोलता है दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड एमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विथ ऑब्जेक्टिव पहले ये लाइन को पढ़ो वापस प्रियम्बल क्या बोलता है दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड एमेंड ओकेज एमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरन एक्सचेंज ओके आगे ऑब्जेक्टिव छोड़ दो यानी कोई लॉ है जो फॉरन एक्सचेंज रिलेटेड है यह एक्ट का मोटिव क्या है यह एक्ट का मोटिव है उसको क्या करना कंसोलिडेट यानी वैसा हो सकता है बहुत सारे लॉ होंगे हमने उसको सबको कंसोलिडेट करने का सोचा एंड उसको क्या करने का सोचा एमेंड और मकसद क्या है मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है ओके फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स अगर आपको कल याद होगा मैंने आपको बताया था दो चीज याद है ना अरे सब बंद हो जाता रेगुलेशन आया था तब सब बंद हो गया था भाव बढ़ा हुआ था लेकिन या, याद आया ओके साला डॉलर रेट अस्सी रुपया था लेकिन चालीस रुपया अपन ने बोला बाहर वाला ट्रेड नहीं कर रहा और जब वो चालीस रुपया था और आप बीस रुपया एक्चुअली मिल रहा है तो अंदर वाला नहीं कर रहा क्योंकि यार उसके लिए नुकसान है तो ट्रेड कब हो रहा था जब चालीस रुपया हो रहा था तब तो दिस वॉज वेरी बिग चैलेंजिंग तो पर इसको पॉइंट है तो ये अभी आज के डेट में फेमस बहुत आसान हो गया ये वाला पॉइंट एंड प्रोमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझ में आया मालिक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसलिए भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है तो उसका डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करना होता है आत्मा क्लियर एवरीबडी पक्का तो प्रियम की कहानी पक्का क्लियर किसी को दिक्कत नहीं ना ठीक है एक्सटेंड एप्लीकेशन देखिए एक्सटेंडेड एप्लीकेशन सेक्शन वन फेमा एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया ओके ये तो लॉजिक क्लियर ही है इन एडिशन तोड़ ध्यान दरख इट शेड ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस ऑफिस एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओल्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडिया यानी अगर विनोद सर ने कोई ब्रांच दुबई में खोली है और विनोद सर कौन है अभी अपना इंडियन रेसिडेंट मतलब पीआरआई पीआरआई या पी आर आए पी है तो वो भी कवर होगा ओके okay, समझ में कुछ आया वो अगर पीआरआई है तो वो भी कवर होगा भारत माता के में के मालिक एवरीबडी आगे बढ़ी आगे बढ़ी उल्ट मतलब ये देखिए एंड टू एनी कॉन्ट्रोवेंशन आर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाई जिसको यह एक्ट अप्लाई है और उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है कॉन्ट्रोवेंशन कहा पर किया? इंडिया में नहीं

क्यों हो रहा है मालूम नहीं हो रहा है ना अच्छा पहला पॉइंट है मतलब उधर पैसा लगा है मेरा समझा और और पैसा नहीं लगा है लेकिन उधर मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर रहा हूं मैं बोल रहा रहा हूं हूं वो कर कंट्रोल समझ में इट मे हैपन दैट ब्रांच मे नॉट बी ओन्ड बाय यू ब्रांच इज नॉट ओन्ड बाय यू बट यू आर कंट्रोलिंग दैट ब्रांच ओके इवन दैट इज टेकन केयर इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फेमा भारत माता की जय के मालिक therefore or, owned or control contravention of FEMA committed outside India by a person to whom this act उटसाइड इंडिया बाई पर्सन टू हूम दिसम ये theory लिखी है समझ में आया क्या मालिक ये बस समझा सर ये मतलब अपन इसपे क्यों टाइम डाल रहे इसका लॉजिक सिंपल है क्योंकि जब मैं अभी आपको कल बोलूंगा इसने कांड किया ये कांड कवर होगा कि नहीं एक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए पहला तो एप्लीकेबल है पहला पॉइंट एक्ट किसको है? होल ऑफ इंडिया यानी मेरे को बताओ इंडिया में जो भी रहेंगे उसको एप्लीकेबल है

यह एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या राम को यस yes. यानी किसी ने कॉन्ट्रोवेंशन किया और जिसको एक्ट एप्लीकेबल है जिसको एक्ट एप्लीकेबल है और वो इधर नहीं है इंडिया में नहीं है देखो आपने क्या बोला इंडिया एप्लीकेबल है अब राम बोलेगा मैं तो यूएस में हूं लेकिन एक्ट एप्लीकेबल है ना राम को ओके okay, क्योंकि वो पीआरआई पीआरआई है पी का फुल फॉर्म पर्सन आर इन है कि वो आउटसाइड इंडिया फिर भी एक्ट एप्लीकेबल समझ में आ रहा मालिक ये फेमा का है, okay, और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है, ये को धीरे धीरे सॉर्ट आउट रहा है घुसोगे कैसे, कैसे तो अभी तक वॉज ओनली ए जानकारी जानकारी मतलब बस यूज करना था फेमा केस में। अब घुसते हैं अपन मेन क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया सर बहुत सारे डेफिनेशन है कैसे पढ़ने हैं यस yes, क्योंकि भाई यार ये चैप्टर में है क्या फिर अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर में पढ़ोगे क्या तो वो पढ़ने हैं लेकिन मेरे को अभी नहीं पढ़ाने है उसको मेरे को जो जब जब पढ़ाने है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए तो अपन सबसे पहले अपने को सारे डेफिनेशन करने हैं याद रखना मैं वापस आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर में से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है चार कम से कम आप लिख के ले लो भले आपका थियरी जा रहा हो गया दस मार्क का ही आएगा सर तीस मार्क का है दस 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 आएगा मैं आपको बता रहा हूं गलत आपको मिनिमम बोल रहा हूँ कम से कम पंद्रह मार्क मिलेगा फैमान से कम से कम पंद्रह मार्क ये मैंने आपको कल बताया था आप लिख के ले लीजिए और मैंने आपको पैटर्न का लॉजिक भी बताया करंट सिलेबस का भी मैंने आपको लिंक बताया कैसे वर्क हो रहा है TGCA और इंटरप्रिटेशन आप ये, आप ये मतलब एक, एक, okay, में okay, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा वो कौन प्ले करेगा फेमा ओके करंट पैटर्न के बेस पे इसका मतलब मैं बोल नहीं रहा दूसरा कुछ पढ़ना कम ज्यादा अपन पढ़ना सब रीजनेबली वैलिड ही है लेकिन फेमा अच्छे से मतलब एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए तो अपन को सारे डेफिनेशन करने हैं पर सारे बाद में देखेंगे तो सर पहले कौन डिफिनेशन पहले इसना सीधा आगे सा समझा तो अपन पढ़ रहे ओके, टू से आगे बढ़िए इलेवन की तरफ इलेवन पे आ जाइए और पर्सन को इंक्लूड करते हैं पहले बात हैं पर्सन पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे किसको बोल रहे हैं पर्सन

ओके okay, लेकिन यहां पर ब्रांच को भी पर्सन माना गया है अगर आप इनकम टैक्स देखोगे मेरे को बताओ ब्रांच पर्सन था क्या नहीं यहां पर आपका ब्रांच एजेंसी ये भी पर्सन माना जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या वही चीज है इधर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है इनकम टैक्स देखिए यहां पर एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन यानी ऊपर के जो पर्सन है उन्होंने जो किया है एजेंसी या उनका कोई ऑफिस है या उनका कोई ब्रांच है उसको भी हम क्या मान रहे पर्सन सर ऐसा कैसा मतलब ये क्या पॉइंट है आराम से समझ में आएगा देखो एक टेक्निकल पॉइंट मेरे को बताओ ओके अपन ने एक थोड़ी देर पहले बात किया था एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है लेकिन इसको कौन कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल कौन कर रहा है इंडिया वाला अच्छा अपन अपना वर्डिंग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट यूज करेंगे लेकिन आपका वर्डिंग क्या होगा पी आर आई P -R -O -I. तो जो कंट्रोल करने वाला बंदा रेसिडेंट इन इंडिया है ओके. Okay, वो, वो, वो जो ब्रांच है क्या वो भी पर्सन माना जाएगा देखो आप समझना छोड़ो अमित इज अ पर्सन ओके बट तातेड़ इज कंट्रोलिंग ब्रांच इन स्विट्जरलैंड ओके माई क्वेश्चन इज दैट ब्रांच इज ऑल्सो ए पर्सन यस बिकॉज दैट ब्रांच विल है रेसिडेंशियल स्टेटस आप मुझे रेसिडेंशियल तो इसमें भी रोके नहीं समझा समझा क्या यानी यहां पर ब्रांच को प्रॉब्लम क्या इसको पर्सन में क्यों इंक्लूड किया समझ में आया क्योंकि उस ब्रांच उस ऑफिस को उस एजेंसी को हमको क्या देना है रेसिडेंशियल स्टेटस अब मेरे को बताओ ब्रांच किधर है वो आउटसाइड इंडिया वो ब्रांच किधर है और उसको कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है तो रेसिडेंट इंडिया में होगी लेकिन उसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे बात खत्म इज आउटसाइड इंडिया पर कंट्रोल बाय इंडिया आत्मा क्लियर भारत जेपा के मालिक तो फिर उल्टा करो ब्रांच इन इंडिया कंट्रोल बाय

अपने को वो वो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा आपको समझा प्रॉब्लम किधर पर पर्सन में कौन कौन आता है इनकम टैक्स का डेफिनेशन फटाफट बोल दीजिए खाली एक लाइन ऐड करनी है बस क्या है सबसे पहला कौन कौन आता है इंडिविजुअल एच यूएफ कंपनी फर्म एओपी बॉडी कॉर्पोरेट वेदर अबाउट रजिस्टर्ड और नॉट एंड में एक एडिशनल क्या लिखोगे

क्योंकि यही सबसे घोची है और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा दिया हुआ है मटेरियल अच्छा खासा है मतलब मैं आपको बता रहा हूं मतलब एटलीस्ट अदर लॉ में मतलब अदर लॉ के मटेरियल में मतलब उन्होंने सारे एलिमेंट्स कवर कर दिए जो फाइनल वाला कवर करता है क्योंकि सोर्स कौन सा फाइल था इनका okay, इन्होंने फेमा उठाया कहां से फाइनल से तो उन्होंने सब फाइनल का पूरा उठा दिया तो तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है तुम्हारे पास सब है क्योंकि उनके पास पास सालों से पड़ा है ना फाइनल में तो ऐसा तो है नहीं कि उनको नया एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा सब कुछ कवर किया बहुत अच्छे से कवर किया लेकिन अपने इंस्टीट्यूट का एक इंटरप्रिटेशन जाते हैं और वही पड़ता है और, अपने को है। और इसमें आपको आरबीआई के एक पर अपने, मतलब ने उसमें बोला है, जो जैसा इंटरप्रेशन करना चाहता है वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है, तो इसलिए अपनी ने उसका एक किया है। और उसका लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग भी है बुक में नहीं दिया है पर गाइडलाइंस में दिया हुआ है अगर इंस्टीट्यूट के जो गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे अभी शांति से देखो आपको डेफिनेशन में बहुत मजा आएगा और मैं वापस बोल रहा हूं आप डेफिनेशन पे तोड़ पंचायती करो क्योंकि ये डेफिनेशन जो तुम्हें एक क्वेश्चन चार मार्क तो देगा ही देगा नहीं दिया दे, मतलब हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन नहीं आया नाम बदल देना के के ऊपर ऊपर या जो भी है स्टेटस गारंटी बोल रहा मतलब गारंटी बढ़ते हैं सबसे पहले पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन करते हैं किसका डेफिनेशन बेटा बढ़िया मालिक भारत माता की जाए बढ़िया आगे पहली लाइन पढ़ी है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन है A person residing in India for more than 182, 182 खत्म होना चाहिए इधर 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 अटक 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 पहले. आगे का बाद में देखते हैं यानी पहला पॉइंट पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए पहली कंडीशन क्या है वो यहां पर इंडिया में पिछले साल में और पिछला कौन सा साल फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर नहीं कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर कितने दिन उसने इंडिया में रह रुकना चाहिए ठहरना चाहिए 182 या उससे ज्यादा ओके याद रखना टू यानी वन एटी टू से ज्यादा इवन वन एटी टू वन एटी टू डे क्वालिफाई नहीं होगा यानी इसमें कौन सा क्वालिफाई होगा वन एटी थ्री वन एटी थ्री डे हुआ

यानी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया खाली पिछले साल के बेसिस पे काम नहीं आता क्योंकि तुम्हारा इनकम के बेस इनकम टैक्स नहीं है ये तो तुम पिछले साल में एक पहली कंडीशन तुम्हारी ये है कि पिछले साल साल में रुके हो कितने कितने दिन 182 ज्यादा ये तो कंडीशन है लेकिन हम दूसरी और कंडीशन भी चेक करेंगे जो करंट ईयर की होगी यानी आपको कंडीशन दो देखनी है एक पिछले साल की और जिस दिन आप चेक कर रहे हो स्टेटस उस दिन की आज आज क्या क्या है? देट है डेट 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 अक्टूबर मेरे को आज का स्टेटस देखना तो मेरे को बताओ पहले मैं क्या दिखूंगा? 22, 23 का ज़्यादा रुका इंडिया में? पक्का क्लियर? और अभी अभी अभी, अभी वाले इसमें तो अभी के इसमें क्या करना है बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट बट नॉट इंक्लूड यानी मतलब कंडीशन इस इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे

और करंट ईयर का इंटेंशन समझना होगा क्या समझना होगा इंटेंशन सर इंटेंशन मतलब क्या 21 तारीख सर अब मेरे को बताओ मैं अभी इंडिया में तो ही हूं तो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करो ना प्रॉब्लम कब होगी जब मैं बाहर जा रहा हूं अब क्वेश्चन है सर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया जा, हू? जा रहे हो काय के लिए जा रहे हो यह सवाल फेमा बोलता है क्या ऑस्ट्रेलिया आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो मैं बोला नहीं क्या ऑस्ट्रेलिया आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो मैं बोला नहीं क्या ऑस्ट्रेलिया ऐसी पॉइंट के लिए जा रहे हो जिसमें आपका रहना उधर अनसर्टन है मैं बोला नहीं तो फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूं करो ओके पहली कंडीशन क्या हो गई मेरी पिछले साल देख लिया तुमने पिछले साल में एक सौ अस्सी दिन तीन सौ पैंसठ दिन इधर था अब मैं किधर जा रहा हूं आज किधर जा रहा हूं मैं अच्छा मैं पूरे साल इस साल में भी इधर ही था अबे तू सबसे बड़ा ये देखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो फिर तो तू कौन है

अब दूसरा बोलते हैं दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट अभी तक पहले उस पे ही हूं मैं मेरे पास रहो ओके मैं सर ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं अब मुझसे सवाल पूछो आप पूछोगे सर आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो मैं बोला एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं खत्म ओके जिस दिन एम्प्लॉयमेंट में गया पिछले साल तुम कितना भी कितने भी दिन इंडिया में रहे थे अभी क्या के लिए जा रहे हो तुम इक्कीस तारीख से तुम पी आर ओ आए गए आज मैं क्यों जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लिया वो मैटर नहीं करता मैं ऑस्ट्रेलिया जाना मैटर करता है समझ में आया आज मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं आज मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं इंडिया से बाहर जाने का इंटेंशन क्या मेरा पहला पॉइंट मेरा इंटेंशन है मैं उधर नौकरी कर रहा हूं काम खत्म उस दिन से तुम क्या बन गए डे एक एक दिन में, एक दिन दिन में में स्टेटस चेंज हो सकता है मैं मैं आपको बता रहा हूं ओके मैं गया लॉजिक लगा सात दिन सात दिन गया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं ठीक है पी आर आई पी आर ओ आए हो गए तुम सर ठीक है एम्प्लॉयमेंट दूसरा सवाल पूछ क्या तुम बिजनेस के लिए जा रहे हो मैं बोला यस बिजनेस के लिए जा रहा हूं धंधा करने जा रहा हो उधर उधर बिजनेस करूंगा मैं ओके आए हो 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 गए सर आप आप के लिए जा रहे एम्प्लॉयमेंट नहीं बिजनस? नहीं हो? नहीं बिजनेस कब आने वाले गारंटी सकता है दो साल हो सकता है चार साल मेरे को मालूम ही नहीं कितना टाइम लगेगा मालिक मेरे को मालूम ही नहीं कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगने वाला मालूम नहीं अगर मैं बोल रहा हूं तेरे को दो साल के बाद आ रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी हम आपको क्या मानेंगे पी आर आई मानेंगे लेकिन आपको अगले साल प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगले साल वन एटी टू इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा डिस्कशन में रहेगा लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है अभी की पोजिशन क्या होगी मेरी पियाारा क्योंकि मेरे को मालूम है ना दो साल के बाद आ रहा हूं मैं तो मेरी आज की पोजिशन क्या होगी प्यारा है इस साल में जब तक मेरा साल एंड होता तब तक है ही है क्योंकि मैं उधर गया हूं दो साल के लिए खाली जब तक अनसर्टन पीरियड अनसर्टन मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं कितने साल में वापस आऊंगा ओके तो ये क्या बन गया प्यारा है वापस बोल रहा हूं समझ में आया क्या मालिक आराम से ज्यादा है सबसे पहला को बताओ पीआरए के लिए स्टेटस क्या है पी चेक क्या कर रहा है मेरे को बताओ पीर एल क्या करना है Okay, प्यारे लेके क्या करना है ओकेज okay, प्यारे लेके पहले पॉइंट पिछला साल देखो पिछला साल का क्या देखो एक सेकेंड है एक सेकेंड ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दो पिछले साल में कितना टाइम रुका था इधर पिछले साल पिछले टाइम में कितना रुका था इधर मोर देन वन ये हो गया आपका

ओके okay, पिछला साल भी इधर भी इतने ही दिन आत्मा क्लियर लेकिन 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 आज मैं ऑस्ट्रेलिया निकल रहा हूं अभी फ्लाइट में बैठने वाला हूं सवाल आप पूछोगे क्या काय के लिए फ्लाइट में बैठ रहा है तो अगर मैंने वो तीन कारण बताए तो फ्लाइट में बैठते ही मैं क्या हो गया स्टेटस खत्म जिस दिन रवाना हो रहा हूं उस दिन से मैं प्यार हो है पॉइंट क्लियर इंटेंशन उस दिन से माना जाएगा यानी उस दिन से तुम्हारे सुबह के ट्रांजेक्शन भी कंट्रोल में आ जाएंगे क्योंकि तुम पी आर ओ आई हो पी आर ओ आई हुआ तेरे ट्रांजेक्शन पे नजर चालू हो जाएगी क्योंकि तू बाहर काम कर रहा है भाई, तुम पैसे में कमाने वाला है कमाने के लिए। मतलब तीन चीजें कौन सी कौन सी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस अनसर्टेन पीरियड मैं हूं अनसर्टेन को समझ में आया सर अगर मैं तीन साल के लिए जा रहा हूं तीन साल में आने वाला हूं या सर्टन है सर्टन है, है ना तो मैं आज क्या रहूंगा पी आर आई रहूंगा और जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया आगे भी मैं रहूंगा पी आर आई ओके जैसे ही मार्च खत्म हुआ अगले साल आप देखोगे वापस पिछले साल भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में हुआ अभी भी लेकिन पिछले साल में अगर दादा रहा तो अगले साल भी मेरे को स्टेटस कौन स्टेटसर पी आर आई लेकिन आपको समझ में आ रहा है उसके अगले साल तो मिलने वाला ही नहीं है ना क्योंकि मैं क्या हो गया पी आर ओ आए क्योंकि पी आर ओ क्यू हुआ पिछले साल कुछ भी नहीं था ना मैं इधर नहीं समझ में समझ में आया क्या मालिक एवरीबडी क्या मालिक वाह आराम से जाइए ओके रीड करने के पॉइंट में पहले लॉजिक बैठाइए मेरा क्वेश्चन है ओके पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन बताइए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन बताइए पिछले साल वन एट डेज और करंटली आप बाहर जा रहे हो कहां पर जा रहे हो आउटसाइड इंडिया अगर आउटसाइड इंडिया तीन कारण से जा रहे हो तो पी आर ओ आए तीन कारण के अलावा जा रहे हो तो पी आर ओ आए ओके सर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो क्या यस सर क्या के लिए कंगारू देखने कंगारू देख के मैं आ जाऊंगा सर मेरे को बताओ कौन सा पी आर आई मैं टूरिस्ट वीजा पे जा रहा हूं समझ में आया यानी जो घूमने वाले जा रहे हैं या कुछ पॉइंट लिए टाइम पास करने जा रहे हैं कुछ ट्रिप पे जा रहे हैं मैच देखने जाना जा है मैं क्या हूं पी आर ही हूं मैं पी आर ओ आई नहीं हूंगा आत्मा क्लियर एवरीबडी तो मैं बस आ रहा हूं वापस अभी तक डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ भाई ये तो शुरुआत है अभी तो आगे और बढ़ने वाला है यानी पहली पहला लिंब देखा आपने देर आर थ्री लिम्स फर्स्ट लिंब इज प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर में कितने साल वन हम मोर देन ओके दूसरी लिंब जो मैंने डिस्कस की तुम बाहर नहीं गए एवरीबडी क्लियर और तीसरी लिंब ओके okay, अब अदर वे लाउंड कैलकुलेट करना है बट बिफोर दैट इधर तक क्लियर है मालिक ओके okay, अब टे टेक्निकली सोचिए सोचा थोड़ा इसमें सोचिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा पॉइंट मेरे को बताइए आप गए ओके okay, आप गए थे बाहर बिजनेस के लिए किसके लिए बिजनेस के लिए गए थे बिजनेस के लिए गए अब जिस दिन बिजनेस के लिए गए उस दिन क्या बन गए पी आरो आए क्योंकि आपको मैंने कंडीशन समझा दी ठीक है आज कौन सी तारीख है इक्कीस इक्कीस तारीख को आप आप बिजनेस के लिए गए तारीख से आप कौन प्यार आए। ओके तो मैं गया इक्कीस अक्टूबर को ओके अक्टूबर को गया इक्कीस नवंबर को मेरे को माना पड़ा उधर दिवाला निकल गया मेरा दिवाली थी दिवाला निकल गया नहीं चला 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से मेरे को समझ समझना 21 नवंबर तक मैं पी आई हूं लेकिन 21 नवंबर को मैंने डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस बंद करता और वापस इंडिया में आके बिजनेस करता मेरा क्वेश्चन है ओके 21 नवंबर को मैं इंडिया के लिए निकल गया काई के लिए बिजनेस आने के बिजनेस करने के लिए ओके okay, बिजनेस करने के लिए अब मेरे को बताओ 21 नवंबर के बाद मेरा स्टेटस क्या होगा PRI या PRI दोगे यह तीसरी कंडीशन अगर कोई इंडिया में ये तीन पर्पज के लिए आता है नहीं आत्मा समझा लॉजिक बेटा ओके इस फेमा क्या बोलता है अगर इंडिया से बाहर तुम ये तीन पर्पज के लिए जा रहे हो तुम पी हो आए। लेकिन अगर इंडिया में तुम ये तीन पर्पज के लिए आ रहे हो पी आर हो जाओगे नहीं समझा समझा नहीं समझा समझा छोड़ो आराम से आराम से जाओ ओके इट्स कॉम्प्लिकेटेड है आ, मैं मैं बोल रहा हूं सबसे टेक्निकल डेफिनेशन और सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन यही है और इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो यह होने के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा तुमको मानना पड़ेगा आंसर उल्टा है क्योंकि उसका गाइडलाइंस प्रॉब्लम है मैं और रीजन भी बताता हूं। और एक बार यह बैठ गया यू आर डन मतलब आज का टारगेट खत्म ही ऑलमोस्ट समझ लो डेफिनेशन बहुत तोड़ करना है पहला पॉइंट मेरे को बताओ ओके okay, मेरे को बताओ कौन बंदा पी आर आई है पहला पहली कंडीशन पिछला साल वनडो दूसरा पॉइंट जो बाहर गया गया है कितने के लिए तीन वो नहीं है डेफिनेशन कैसा लेगा वो

और फॉर एनी अदर पर्पस इन सच इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया पीरियड तो मेरा क्वेश्चन इंक्लूडे या एक्सक्लूड है एक्सक्लूड है, है, है? है ना मालिक यानी इनके अलावा इंक्लूड है समझा समझा इनके अलावा इंक्लूड है तो मेरे को बताओ मैं इंडिया के बाहर गया टूरिस्ट के लिए प्यार आए ओके मैं इंडिया के बाहर गया खाली देखने के लिए कुछ ग्रीनरी मैं इंडिया के बाहर गया मेडिकल के लिए लेकिन मेरे को मालूम है पंद्रह दिन में आऊंगा मैं प्यार है आई एम अवेयर मेडिकल है पर सर्टन पीरियड है ना सर्टन पीरियड मैं भले ही दो साल बोला पर सर्टन है वो सर्ट, अनसर्टन कब होता है यू आर नॉट श्योर वेन यू विल कम बैक यू डोंट हैव ए डेट इन माइंड तो आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आते हैं मालिक ये याद रखिए इधर पॉइंट क्लियर मालिक पक्का तो मेरे को बताओ ये जो लाल पैराग्राफ बताया इंक्लूड करना है एक्सक्लूड है एक्सक्लूड इधर लिखा है ये तीन, और आगे की तीन भी इंक्लूड नहीं करना है तो क्योंकि डज नॉट इंक्लूड तो स्टार्टिंग का पॉइंट है तो आगे के, अच्छा इसको इंक्लूड नहीं करना है इसके अलावा को इंक्लूड करना है एवरीबडी तो मेरे को बताओ इनको भी तो इंक्लूड नहीं करना है इसके अलावा को इंक्लूड करना है पर ये डेफिनेशन और ट्विस्ट करता है ये डेफिनेशन क्यों ट्विस्ट करता है ये पहली लाइन पढ़िए मां कसम तुमको समझेगा पहली लाइन पढ़िए इसकी पहली लाइन पढ़िए ए पर्सन कम्स टू कम्स टू इंडिया स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन कसम नहीं समझा अदरवाइज देन

ओके okay, आराम से पहला सीन मेरे को बताइए ये नॉट इंक्लूड तो तो स्टार्टिंग के 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 मेन मेन डेफिनेशन डेफिनेशन को को लग लग है ना रे तो कितनी कंडीशन दी गई है दो जिसमें से पहली कंडीशन मैंने आपको समझाई मेरे को बताओ जब ये मैंने आपको क्या बोला इनको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है पक्का तो इसका मतलब इनके अलावा इंक्लूड हो गए तो अब ये मैं जो लिख रहा हूं इधर जो लिख रहा हूं इधर जो लिख रहा हूं यानी मैं जो इधर मार्क कर रहा हूं इनको क्या करना इंक्लूड या एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना है लेकिन इसके डेफिनेशन में लिखा अदरवाइज देन यानी पॉइंट टू बी नोटेड डेफिनेशन में लिखा है पर्सन हु हैज कम कम टू कम टू और स्टे इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन यानी अदरवाइज देन ये तीन के अलावा कोई पर्पज के लिए आया तो उसको इंक्लूड नहीं करना है यह तीन पर्पज के अलावा कोई आया तो उसको इंक्लूड नहीं करना है समझ में आया क्या वो तीन पर्पज पढ़ो एक बार क्या है वो तीन पर्पज क्या है अगर कोई इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है ओके कोई वो बिजनेस वोकेशन के लिए आ रहा है या कोई ऐसे पर्पज के लिए जो अनसर्टन पीरियड है झेपा गया मालिक ओके इनको छोड़कर किसी और काम से आएगा तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। नहीं समझा समझा गया अदरवाइज देन अदरवाइज ऑनलाइन पटर लोग समझ में आया क्या Otherwise otherwise तो कोई okay, को को इंडिया में आ रहा है इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए ओके okay, मेरे को बताओ इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है इंक्लूड क्योंकि डेफिनेशन में आ रहा है कि भाई इंडिया में अदरवाइज अच्छा को, कोई इंडिया में आ रहा है टूरिस्ट पे आ रहा है ओके, कोई यूएस वाला बंदा है, टूरिस्ट पे आ रहा है, तो कौन सा बंदा पीआर कोई बंदा आ रहा है मेडिकल के लिए बंदा ऐसे अवार्ड देने के लिए चार दिन में निकलेगा लेकिन कोई बंदा धंधा करने के लिए आ रहा है क्योंकि डेफिनेशन समझ में आया मेरे को बताइए पक्का समझा गया डेफिनेशन एवरीबॉडी

ओके okay, तो so अब स्टार्टिंग करें एक बार डिफेन्शन बताओ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन माना जाएगा अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया इन प्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन वन एट डेज बट डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड ए एनी पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर फॉलोइंग थ्री पर्पज ए बी सी ओके एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और अनसर्टन समझे मालिक ओके एंड बी वाला पॉइंट और एक है पर्सन कमिंग टू इंडिया अदरवाइज तीन वही पॉइंट समझ में आया एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और अनसर्टन भारत माता समझा क्या मालिक एवरीबडी तो मेरे कुछ सवाल है, okay, है फटाफट करते हैं लॉजिक बैठाते हैं और उसके बाद और एक क्लैरिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं मालिक तो मेरी बात मेरी बात आप लोग हो रही है मेरे ख्याल से आपका <coughs> सबका सिस्टम एक्टिव है ओके okay, मेरा पहला सवाल सपोज राम आ, पिछले साल बने था ओके okay, और अब वो इंडिया से बाहर जाना चाहता है क्यों सर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आज राम का स्टेटस क्या है The 21 तारीख को राम का स्टेटस क्या है आज ही जा रहा है पी आर आई 20 तारीख को क्या था पी आर आई समझ में एक-एक दिन में स्टेटस चेंज हो रहा है ये समझा क्या ओके okay, ओके okay, अगला न्या ओके okay, आउटसाइड इंडिया जाना चाहती है सर कब 21 अपन 21 ही भेज देते अभी 21 अक्टूबर को ओके okay, तो पिछले साल नेहा इधर ही थी अभी भी थी तारीख को ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है फॉर बिजनेस पर्पस 21 को कौन सा नेहा का स्टेटस बी आर ओ आई और 20 को क्या थी ओके okay, निया गई दिवाली तक उधर रही दिवाला निकला 21 नवंबर को अब मेरे को बताओ नेहा उधर बिजनेस बंद करके इंडिया में बिजनेस करने को आ रही है समझा 21 नवंबर को पी आर हो जाएगा क्यों पी हो गया क्योंकि कमिंग इन इंडिया अगर अदरवाइज देन पर वो अदरवाइज के लिए उसने वो में में था तो otherwise then, तो coming in India for business. तो उसको किस में में डालने का प्यारीडेट क्यों है? है तो निकाल okay, नहीं निकालना है कहां से प्रॉब्लम आ रही है की? Otherwise. Otherwise then, तो, समझ में आएगा, मालिक। तो अब मेरे को बताओ 21 तारीख को नेहा इंडिया में आई 21 नवंबर को क्या है प्यारा है मां का समझ समझ में आया पच्चीस नवंबर को उसका मन किया इंडिया में मजा नहीं आ रहा है चलो यूएस जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में मजा नहीं आया अब एक, पच्चीस नवंबर को सवाल का आंसर ऐसा ही रहेगा बात खत्म इमेजिन करो जो फ्लाइट में काम कर रहा होगा उसका क्या स्टेटस यही तो पॉइंट है यही तो यही तो पॉइंट है यही तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ओके अब ये खाली कुछ कंक्लूजन करना है जो अपने को बहुत टेक्निकली समझना है बट बिफोर दैट मेरे को ये बताओ ये समझा नहीं और दो चार एग्जांपल है उसके बाद क्लैरिटी आएगी अपने को ओके okay, गौरी गौरी आ, आज डिसाइड करती है कि घूम के, के आएगी ऑस्ट्रेलिया और वो पंद्रह दिन घूमने गई ऑस्ट्रेलिया पी है पक्का वो चार महीना जा रही है घूमने ऑस्ट्रेलिया चार महीना जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता ओके सर्टन है ना और काय के लिए जा रही है तीन बैठ ओके okay, गौरी ऑस्ट्रेलिया जा रही है लेकिन उसको पता नहीं वो वापस कब आएगी ओके पी आर ओ आई हम मेरे को ऐसा तो जो जाने वाला है वो माइग्रेंट्स होते हैं वापस कब आएंगे कुछ गारंटी नहीं होती ये लोग कौन होते हैं माइग्रेट मालूम ना माइग्रेट करते हैं फिर देखते उधर है कि नहीं है नहीं हुआ तो फिर वापस आते हैं आत्मा झेपा क्या एवरीबडी ओके किरण किरण ओके इंडिया में है ओके okay, पिछले साल भी इंडिया में था इस साल इंडिया में ही है अभी भी इंडिया में है ओके okay, और किरण एक जून को इंडिया से बाहर जाता है एक जून को एक जून को इंडिया से बाहर जाता है कहां पर सर ऑस्ट्रेलिया सर काय के लिए ओके okay, घूमने के लिए सर कब तक घूम के आया वो घुमा गुम, वो घूमा पूरा थर्टियथ मार्च तक थर्टियथ मार्च को वापस आया गया कब था फर्स्ट जून को गया था फर्स्ट जून को गया था आया कब थर्टियथ मार्च फर्स्ट जून ट्वेंटी थ्री को गया था 24 को वापस आया उसके पहले वो इंडिया में ही था हमको फाइनेंशियल ईयर 22-23 ओके तब यहां पर एक 182 एटी डेज से ज्यादा रह चुका है ये समझा मालिक हमको 23-24 में उसका स्टेटस बताओ 23-24 का स्टेटस बताओ पी आर पक्का पी आर आई एवरीबडी क्लियर क्यों पी आर आई सडन पीरियड है, है वापस आ भी गया और कोई ऑब्जेक्ट था क्या उसका बिजनेस बिजनेस नहीं तो पी आर क्लियर तो अब मेरा क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नहीं था तो उसको स्टेटस क्या दोगे आप एवरीबडी एग्री पक्का अब इमेजिन करो यानी किरण रे इंडिया में रहा है लेकिन उसका स्टेटस ट्रांजेक्शन पे तो बंद आ जाएगी उसके अब अगर उसके ट्रांजेक्शन पर बंदी आई तो इसके साथ जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं उनकी भी तो ठुकेगी बहुत ओके इसके अलावा और अब इमेजिन करो थोड़ा ओके मिस्टर मस्क जो रहा रह रहा है रह, उधर ही रहा है अपनी जिंदगी इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है बिजनेस करने के लिए सर कब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया 21 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम आया काई के लिए मालिक बिजनेस करने के लिए अब मेरा क्वेश्चन है इक्कीस अक्टूबर के पहले का स्टेटस तो पी आर ओ आई था इक्कीस अक्टूबर को स्टेटस क्या होगा पी आर आई या पी आर ओ आई पी आर आई इक्कीस अक्टूबर को स्टेटस क्या होगा कुछ समझ में आया सवाल समझ में आ रहा है प्रॉब्लम किधर आई है क्या ये प्रॉब्लम क्या ये पी आर ओ आई माना जाना चाहिए या पी आर आई माना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम किधर आ रही है ओके okay, कोई बोलेगा सर ये पी आर आई माना जाना चाहिए तो मैं बताऊंगा पिछले साल की वन एटी टू डेज की कंडीशन कितने फुलफिल हुई ओके okay, और कोई पी आर आई बोलेगा सर वो कंडीशन केस में लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली कंडीशन समझोगे तो मेरे को बताओ क्या ये मतलब इसका मतलब मैंने आपको बताया तीन लिंब है लिंब मतलब स्टैंड होने के लिए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा पर पहला वाला बेस लिंब है ना यार

क्योंकि पिछले साल वो वन डेज नहीं था एवरीबडी एग्री पर दिक्कत ये है कि अभी इलोन मस्क के ऊपर अगर आपने ये स्टेटस दिया तो मस्क ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा इंडिया में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा इंडिया में आया काई के लिए वो मेरे पास बिजनेस करना तो ट्रांजेक्शन तो फ्रीली होना चाहिए ना बिजनेस बिजनेस इधर ही कर रहा है बिजनेस जब इधर कर रहा है तो ट्रांजेक्शन तो फ्री होना चाहिए उसके लिए ट्रांजेक्शन में रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए ज्यादा या कम रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए अरे नहीं तो भाग जाएगा अगले दिन ही तो ये अपने आईसीआई ने गाइड किया है आईसीआई का कहना है कि अगर कोई बंदा ये तीन कंडीशन के लिए आ रहा है इंडिया में कुछ समझ में आ रहा है ये तीन चीजों के लिए अगर इंडिया में आ रहा है ओके जिसमें से मोर प्रिसाइजली वो बिजनेस के लिए आ रहा है मोर प्रिसाइजली वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है किसके लिए आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस के लिए आ रहा है, रहा है। ओके, तीन कंडीशन समझ में आई मालिक ओके okay, तो so भाई बेटर ऑप्शन है उसको क्या ट्रीट करना चाहिए आपने पी आर आई उस टाइम पे आप पिछले साल की कंडीशन मत देखिए अगर आपने उसको पी स्टेटस स्टेटसा तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी आपको दिक्कत क्या आएगी ट्रांजेक्शन कैसे होंगे इसके मेरे ख्याल से समझा मालिक तो मेरे को बताओ अगर ऐसे केस करे तो अब मेरे को बताओ नेहा का, का क्या कॉन्सेप्ट होगा अब नेहा का कॉन्सेप्ट क्या होगा ओके जो मैंने आपको बताया नेहा का कॉन्सेप्ट है कि अगर उसको पी दे दिया था आपने क्योंकि पिछले साल वन टू लेकिन पर पिछले साल वो पूरा ऑस्ट्रेलिया रही है लेकिन थर्टीएथ मार्च को जब इधर आई क्योंकि घूमने गई थी ना उधर तो आपने उसको पी आर आई दिया तभी लेकिन थर्टीए मार्च को आई तो प्रॉब्लम आ रही है मार्च के बाद जब अप्रैल चालू हो रहा है वो के पिछले साल में तो डेज ही नहीं लेकिन वो इंडिया में है पर अगर वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए है तो स्टेटस ऐसा है तो आप इंडिया में क्या रह रहे हो क्या नहीं रह रहे हो इसके इंटेंशन बहुत देखे जाते हैं यानी केस टू समझा क्या प्रॉब्लम किधर है

तो आप मेरे, मेरे को बताओ ओके यानी अगर मेरे मेरे को को बताओ तीन लिंक, तीन अच्छा पी आर की, की।, की, की तीन कंडीशन पहला पिछले साल में वन एट से ज्यादा दूसरा फॉर थ्री पर्पज थ्री पर्पज अभी रट गया है ठीक है दूसरा डज नॉट इंक्लूड पर्सन कमिंग टू इंडिया अदरवाइज देन थ्री पर्पज लिखते आएगा ना अभी अदरवाइज एंड तीन पर बस झेपा क्या मालिक पक्का ओके okay, ये पॉइंट क्लियर है मालिक ठीक है चलो और एक सवाल और एक सवाल और एक सवाल और एक सवाल लेते हैं और एक सवाल ओके okay, और एक सवाल लेते हैं जय भाई साहब जय भाई साहब जो अभी रिसेंटली अपने को ज्वाइन किया है मतलब पहले आए थे फिर बाद में वापस ऐसे गायब हुए फिर आए अपने पास वैसे है बहुत सारे जन ऐसे हैं अपने एक, -एक को लेंगे अभी फेमा के ट्रांजेक्शन में जय साहब जय भाई साहब अभी ये लॉ पढ़ रहे हैं उसके बाद ग्रुप वन कर रहे हैं और ग्रुप वन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है जय को जय को लग रहा है क्या रखा है यार सीए में क्या रखा है इंडिया में अभी अपन डिबेट करेंगे कि इंडिया इज माय कंट्री ये पॉइंट ये सब चीजें है ऐसा ठीक है पर वो उसको ऐसा लग रहा है यार ठीक है यार इंडिया इज माई कंट्री में डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ इंडिया इज माई कंट्री ओनली बट आई एम नॉट एंजॉइंग एजुकेशन हिस्सर

जय इज गोइंग आउटसाइड एजुकेशन आउटसाइड इंडिया कहां पर जाना चाहता है भाई है. <laughs> नहीं मतलब अरे मैं एजुकेशन सिस्टम बोल रहा हूँ भाई तुम लोग क्या समझ रहे भगवान जाने भाई मैं तो अच्छा नहीं मैं तुमको बता रहा हूं तुम हंस रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ लेकिन भाई साहब जय जा जाना चाहता है किधर रशिया <laughs> जाना चाहते रहे यूएस मा कसम देखो ओके okay, तो भाई जय साहब जय भाई साहब बोल रहे हम यूएस जाना चाहते हैं कहीं के लिए पढ़ने के लिए अब यूएस की यूनिवर्सिटी में उसका जो कोर्स है वो रजिस्टर्ड हो गया उसको उसको वीजा मिल गया सब कुछ मिल गया रजिशन हो गया और वो तीन साल के लिए यूएस जा रहा है पर के लिए एजुकेशन एजुकेशन बताइए इसका स्टेटस ओके okay, अब इमेजिन करो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में अच्छा इसमें थोड़ा सा टेक्निकली सोचना

एक ही लेते हैं मैं बोल रहा हूं मेरे को इसका मत बताओ ये तो उस टाइम पे से ज्यादा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में इक्कीस अक्टूबर के पहले तो पी आ रहा था इक्कीस अक्टूबर के बाद पी आ रहा है क्यों पी आ रहा है सर्टन है सर्टन क्यों है तीन साल है और पर्पज क्या है एजुकेशन यानी बिजनेस नहीं है वोकेशन नहीं है ना एम्प्लॉयमेंट है आत्मा क्लियर तो ये क्या होगा प्यार आये एवरीबडी क्लियर अच्छा 24 25 24 25 प्यार आये या प्यारो आये कैसे प्यार आये 182 तो से ज़्यादा रह गया है समझा ना मालिक छे में ना हो गया ना तो सितंबर हो गया ना तो ये भी प्यार आये रहेगा 25 26 प्रो आये सबको समझा क्या एवरीबडी पक्का ओके लेकिन आरबीआई का आएगा आरबीआई किया, है। ने किया कि जो एजुकेशन के लिए जाते हैं लेकिन जो एजुकेशन के लिए जाते हैं नॉर्मली मतलब उधर काम करते क्योंकि अपना खर्चा निकालना होता है बाहर okay, जाता है वो यूजली उधर जॉब करता है बहुत रेयर सिनारे होंगे जो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए जाते हैं

p r o y तो इसको इधर दोनों सालों में क्या ट्रीट किया जाएगा p r o y पर कारण समझा क्या कारण क्या है एजुकेशन कारण नहीं है एजुकेशन कारण नहीं है नहीं समझा क्या कारण है जय एजुकेशन कारण है क्या रे एजुकेशन नहीं कारण है जय समझा क्या को आंसर अरे मेरे को बताओ तुम लोगों ने आंसर समझा क्या ओए पंटर लोग पक्का मलेरिया डेंगू मतलब सब सब जो भी समझा क्या भाई अरे तुमको समझा क्या? तो एजुकेशन अगर क्वेश्चन ऐसा आया एजुकेशन वाला तो क्या करोगे पी आर दे दोगे. क्या लिखोगे? पहले तो डेफिनेशन लिखोगे पहले क्या लिखोगे क्लैरिफिकेशन गिवन बाय आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया है उसके लिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है और आरबीआई के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई भी बाहर जाता है के लिए यूजुअली दे अप द लिखा हुआ, हुआ है आगे लिखा हुआ है कोई टेंशन नहीं है यूजुअली दे टेक अप द एम्प्लॉयमेंट, समझ में में आएगा तो तो इस केस में उसको क्या क्या ट्रीट करना चाहिए? तो जय हो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ भयंकर ट्रीटमेंट तीन साल का कुछ तो ओके okay, मेरा स्टेटस है 21 अक्टूबर को क्या स्टेटस होगा

कमा लिया ना वो यूनिवर्सिटी यूएस पढ़ने गया था तभी सीए से उतना कमाया नहीं उसने यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ गया क्या कभी खुशी, कभी खुशी से इंस्पायर है वो अभी उसके बच्चे को भी उधर ही भेजेगा वो बच्चे फिर दो बच्चे होंगे उसके एक को भेजेगा फिर दूसरे को जबरती जाना पड़ेगा उधर दूसरे को इसलिए जाना पड़ेगा दूसरे को पढ़ना नहीं है उसका उधर दूसरा वाला रहेगा वो खतरनाक रहेगा लेकिन उसको पढ़ना नहीं रहेगा लेकिन ये बोलेगा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन अभी आप बोलोगे सर ये मोहब्बत पिक्चर का है अरे छोड़ ना पर अमिताभ तो उधर भी है ना अमिताभ तो उधर ही है ना अमिताभ बच्चन तो उधर भी है ना भाई बात खत्म तो जय बोलेगा लव मैरिज करके आएगा ये जय बोलेगा ए क्या भेजा मैं कह के लिए भेजा था ये भी वैसे ही करके आएगा <laughs> नहीं 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 इसमें अपन अच्छा मतलब एकदम अच्छे से नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है जय जय अच्छा आदमी है तो नेवरtheless मेरे कहते लॉजिक इज लॉजिक समझा क्या इसका बेस समझा क्या आत्मा क्लियर अरे हां या ना अब मेरे को बताओ ओके okay, सर अब ये पीआरआई तो हो गया समझ में आ चुका आपको लॉजिक बैठा एचयूएफ को क्या दोगे एचयूएफ हमेशा पीआरआई होगी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वो तो हमेशा पीआरआई होगी उसका डायरेक्टर किधर मरवा रहा है क्या कर रहा है उसे कोई लेना देना है क्या डायरेक्टर का स्टेटस अपना अलग होगा पर कंपनी का स्टेटस क्या है पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का स्टेटस क्या होगा पी आ रहा है भारत माता की जय समझ में आ रहा है तो यानी भाई ये डिस्कशन जो किया अपन ने ये जो डिस्कशन किया ये काई के लिए था इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल का पॉइंट है रे झेपा क्या नहीं झेपा झेपा मालिक एवरीबेडी क्लियर ओके तो आगे बढ़ो डेफिनेशन में थोड़ा सा पढ़ो एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जब पर्सन लिया मतलब पर्सन में ऊपर वाले साहब पर्सन मालूम है ना पर्सन सब ले लिए अब देख अगला पॉइंट पढ़ कसम तोड़ अगले दो पॉइंट कर दो पॉइंट कर ऑफिस वाला ब्रांच वाला समझा क्या मालिक याद होगा आपको मैंने ये डिस्कस किया था तो कोई ब्रांच है जो कहां पर है इंडिया में है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे पी आर आई पी आर आई मानेंगे किसको उस पर्सन को नहीं ब्रांच को पी आर आई मानेंगे समझा भले वो ब्रांच कोई नॉन रेजिडेंट कंट्रोल कर रहा होगा तो भी हम ब्रांच को पी वो पर्सन को हम क्या मान रहे पी आर ओ आई लेकिन ब्रांच को क्या मानेंगे तो अब ब्रांच और उस पर्सन के ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा ना वो पर्सन मतलब कौन योर मस्क इंडिया में ब्रांच खोलता है ओके वो वो इंडिया की जो ब्रांच ब्रांच है वो कौन है? और मस्क कौन है? है। है कौन कौन और पीआरओ 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 अब इनके इन्वेस्टमेंट भेजेगा तो प्यार आएं आएं ना। तो बिटवीन एंड ना? को को भी भी ध्यान ध्यान रखना रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो समझ और और आ ओके इमेजिन कर भाई द तो लास्ट नाम रौनक रोहन रोहन भाई इंडिया में बैठे हैं सीए कर लिए सी सीए हो गए इसको ऐसे यूएस का मन नहीं किया रशिया का जाएगा रशिया वशिया जाएगा ओके जा, उधर वॉर में साथ देगा रशिया से वो भेजा जाएगा किधर तो फिर उधर वो <laughs> अब रोहन भाई को ऐसा लगा कि रशिया में एक ब्रांच खोलनी चाहिए जिसमें से वो ब्रांच से बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सके तो रशिया में उसने ब्रांच खोली तो आप सवाल है वो जो रशिया की ब्रांच है <laughs> हंस क्या रहा है मेरे को समझ नहीं रहा तुम लोग हंस क्यों रहे हो कुछ है क्या रशिया में तो खास रहे, खास रहे, रशिया में पोल्यूशन है नहीं ना फ्रेंड <laughs> अच्छा, 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 है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी एक रशियन आई इसीलिए ना अपने को अपने जो इमोशन है ना कंट्रोल रखा करो सालो एक रशियन दिल्ली की स्ट्रीट पे चल रही थी और एक पीछे से आदमी आया बोले आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विथ यू कल का परसों का वायरल वीडियो है दो चार दिन में आपको बताऊंगा वो आदमी अरेस्ट होगा देख लेना ओके okay, भाई वो उसके पीछे जा रहा था रशियन के पीछे बोले वो रशियन यूट्यूबर है वो तो बोले आई वॉन्ट टू मेक ए फ्रेंड विथ यू बोले आई डोंट टू मेक ए फ्रेंड ओके रशियन यूट्यूबर ने बोला बोले आई डोंट डोट टू मेक ए फ्रेंड तो बोले I बोले आई आई नो यू बोले नो नो बट आई नो यू ना <laughs> तो वो वो, वो बोले बोली भाई टू मेक ए फ्रेंडशिप विद मी बोले आई एम मैं आई एम पक गया मैं इंडिया से इंडिया में मजा ही नहीं है रशिया में मजा आया में वो थोड़े से रिमार्क गलत थे और वो यूट्यूब पे वायरल हो रहा है अभी मतलब इंस्टाग्राम पे सब जगह वायरल हो रहा है और अब उसके अगेंस्ट होगा ऐसा अगर आपको मालूम होगा इंडिया में मुंबई में भी हुआ था मुंबई में एक जन ने ऐसे कांड किए थे गया जेल में जेल में जाना प्रॉब्लम नहीं है देखो मजेदार काम है <laughs> अरे नहीं रेफरेंस बनते ना रही अरे पहचान बनती ना प्रॉब्लम यह उसके बाद आने के बाद ना प्रॉब्लम है भरा प्रॉब्लम है मेंबरशिप को लेकर प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजों को लेकर डायरेक्टरशिप को लेकर वो प्रॉब्लम है तो भाई तो अगर कोई रशिया वशिया मिले रास्ता में तो देखना भाई ओके दोस्ती वस्ती करना लेकिन एंशर करो वीडियो ना बनावे ओके दोस्ती वस्ती हेलो हाय यो इंडिया नो नो यो रशिया आई इंडिया इंडिया रशिया भाई नो भाई भाई नवर जोक्स जो ओके अब मेरे को बताओ रशिया में ब्रांच खोली हुई है टेक्निकली स्पीकिंग वो रशिया की ब्रांच कौन कंट्रोल कर रहा है पी आर आई ये पी आर आई है क्वेश्चन समझो क्वेश्चन समझो पी आर आई है ये पी आर आई है प्लीज इसको समझो अच्छे से इसका स्टेटस पी आर आई है उस ब्रांच का स्टेटस पी आर ओ आएगा पी आर आई लिखा ना बने उस ब्रांच का स्टेटस पी आर आई रहेगा अभी ओके समझ में आया पक्का पक्का ओके okay, देखो आप पक्का बोल रहे हो दो दिन के बाद ये निकलता है रशिया फॉर डूइंग बिजनेस देयर इन ब्रांच। दो दिन के बाद रशिया निकलता है तेईस अक्टूबर को रशिया निकल रहा है धंधा करने के लिए कहां पर रशिया में बिजनेस मतलब रे वो ऑफिस ब्रांच तुमने मेरे को करप मत करो तुमको जो रहना रहो यार वो बिजनेस करने के लिए निकलता है किसके लिए करने निकलता है बिजनेस कहा पर रशिया <laughs> चेंज द लोकेशन फ्रांस नहीं फ्रांस नहीं रशिया रशिया ठीक है ओके तो ओके रोहन रोहन ना रोहन इज डूइंग बिजनेस इन रशिया नाउ ही इन हिज इंटेंशन वाज गोइंग आउटसाइड इंडिया विद अ इंटेंशन टू डू द बिजनेस नाउ रोहन इज पीआरओआई, आर नाउ दैट ब्रांच इज पीआरओआई, इट इज नॉट पी देख लो आप समझो इसी इंटेंशन को समझो देखो इंडियन ब्रांच आप एक टेक्निकली समझो अगर कोई ब्रांच इंडिया में है सपोज ऑफिस पुणे में है ओके उसको अगर राम गवन करता है जो पी है कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर वाला कोई गवन करता है सपोज राम पी आर बन जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसका स्टेटस इंडिया पी ही रहेगा ब्रांच का मैं बोल रहा हूं राम का स्टेटस बार बार चेंज हो रहा है ना लेकिन कोई ब्रांच बार की है तो उसका स्टेटस है ना उसको जो कंट्रोल वाला करने वाला बंदा है ना उसके साथ चेंज होता है ये मेरे को समझाना नहीं समझा समझा क्योंकि बाहर की ब्रांच कौन कंट्रोल करे तो वो पी आर होगी अगर बाहर की ब्रांच कौन कंट्रोल करे तो वो पी होगी बाहर की ब्रांच रेसिडेंट वाला पर वो अगर अगले दिन पीआरओ तो चेंज तो तो हो सकता है लेकिन इंडिया की ब्रांच का स्टेटस एंड टेक्निकली लॉजिक बेटर है ना इंडिया की ब्रांच तो इंडिया में है भाई बाहर की ब्रांच को प्यारे बना रहे कसम लेकिन कब क्योंकि चलाने वाला बंदा पी आ रहा है तो उसके भी ट्रांजेक्शन वैसे ही होना चाहिए जैसे हम गवन कर रहे हैं भारत जेपा मालिक झेपा okay, मालिक ओके आई थिंक आत्मा क्लियर फटाफट डेफिनेशन बताइए इज़ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेक्शन टू बताता है क्या बता in कौन है पर्सन रेसिडेंट इन लास्ट इन फाइनेंशियल ईयर कितने दिन मोर देन डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया

उटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड पूरा होगा अगर डेफिनेशन पूछा, आप तो okay, पूछा तो मैंने डेफिनेशन पूछा लेकिन अगर क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था ऐसे, निहाँ निहाँ गई है या जय गया हुआ है okay, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो इसके अंदर समझा अभी एक क्वेश्चन है जैसे पने अभी एक उस के का। ओके, का आपका प्यारा है उस ऑफिस का स्टेटस क्या है प्यारा है ओके, पर उसको कैसे लिखोगे फिर उसको डेफिनेशन वाइज लिखोगे पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा फिर पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आत्मा क्लियर डेफिनेशन पक्का समझा मेरे को नहीं लगता अगला डेफिनेशन दिक्कत आएगी अगला डेफिनेशन पढ़ो सबसे आसान डेफिनेशन जिंदगी में कुछ है तो वो है ओके हु इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ओके पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया आत्मा क्लियर एवरीबॉडी तो मेरे ख्याल से मेरे को बताओ ओके okay, तीन चीजें मैंने अभी कवर की है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इसको ही ओके okay, यहां पर बहुत अच्छे से समझाया है जो मैंने आपको लास्ट आधे घंटे में टाइम आधे घंटे में अपन ने टाइम डाला है वो ये पेज थ्री पॉइंट फाइव का पेज फोर्थ वाला पैराग्राफ ये वाला पेज इसके पीछे वाला पेज और इसके पीछे वाला पेज और इसके पीछे वाला पेज यहां तक यहां तक है समझ में आया सर क्या ये पढ़ना जरूरी है मुझे ने? ये सारा पॉइंट ये चार्ट, ये सब कुछ जो लिखा है आपने Okay, अगर तेरे को अभी मैंने जो आधे घंटे में नहीं समझाया मतलब समझाया और वो नहीं समझा तो ये पढ़ ले और समझ गया कंप्लीटली इग्नोर कौन सा पेज बोला मैंने फोर्थ वाला पॉइंट चालू किया थ्री पॉइंट फाइव पेज मिल रहा है फोर्थ वाला पॉइंट चालू किया उसका पेज मिला ना मालिक पे पूरा ओके ये वाला पेज इसके बाद वाला फ्लो चार्ट वाला पेज उसके बाद वाला ये आधा पेज फर्स्ट लिम और इसके बाद एक्जाम्पल है भले ही सेकंड लिम आगे डिस्कस किया हुआ है लेकिन एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स अपने देखने चाहिए समझ में आ रहा है मालिक तो आगे पूरे एग्जाम्पल्स दिया अगर आगे आप देखोगे चार पेज ओके एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं इलेस्ट्रेशन ही दिए हुए हैं एग्जाम्पल देखने के एक बार खत्म करने के मैं आपको बताऊंगा तो बारह पेज तक अपनी कहानी ऑलमोस्ट डन है मालिक बारह पेज तक की कहानी डन है ओके बस क्वेश्चन है इसके अभी इलेस्ट्रेशन है इलेस्ट्रेशन देखने के हाँ अभी वही देखने के अपने को ओके उसी पे देखने का है ओके अभी अपना काम क्या बचा हुआ समझ में आ रहा है अभी अपने इलस्ट्रेशन पे आ रहा है ओके

इलस्ट्रेशन में जैसा आंसर लिखा है वैसा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है वो इलस्ट्रेशन वाला आंसर आपके मॉड्यूल का रखा हुआ है सर मॉड्यूल में आंसर ऐसा है ना होने दो आप फॉर्मेट चेंज मत करो अपना फॉर्मेट सेम रखो फिक्स रखो तीन पार्ट में डिवाइड करो पहले प्रोविजन लिखो फैक्ट लिखो कंक्लूजन अब तरीका यही रखो इलस्ट्रेशन के आंसर जो भी रहेंगे या आगे जो भी आंसर रहेंगे उसको जब भी आप मॉड्यूल कंपेयर करते हो प्लीज डू अंडरस्टैंड वट यू कंपेयर डजेंट मैटर बट मेक श्योर योर आंसर फॉर्मेट स्टैंड फिक्स लाइक दिस ओके आंसर का तरीका ऐसा ही रखना है इधर पॉइंट क्लियर ओके okay, तो so बढ़ते हैं की तरह, तरफ ओके okay, आपका आ जाता है पेज नंबर थ्री पॉइंट टेन पे अच्छा उसके पहले वाले एग्जाम्पल देख लो फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं फटा फटाफट और ये एग्जाम्पल आधे आधे हैं टुकड़ों टुकड़ों में तुकड़ो में तो टुकड़ों में एक बार गो थ्रू कर लेने के फटाफट एग्जाम्पल तो पेज नंबर एग्जाम्पल कौन सा पेज नंबर पहला थ्री पॉइंट सेवन तो अगर आपने देखे ओके सर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ पर्सन रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन एटी टू डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन

पक्का क्लियर ना साहिल ठीक है एवरीबडी ठीक है सेकेंड लिम एक्सेप्शन करते जाइए देखते जाइए ओके okay. तो अब आगे एग्जाम्पल में आइए दस इन एग्जाम्पल ओके मिल रहा है क्या मैं मार्क कर रहा हूँ उसके बीच का पोर्शन सर आपको पढ़ना है पढ़ लेना दस इन एग्जाम्पल मैं ऑपोज बोल रहा हूँ सर ये पढ़ने की जरूरत है क्या अगर आपको लास्ट आधे घंटे का लेक्चर समझ में आ गया ना कंप्लीटली इग्नोर नहीं समझ में आया या आपको लग रहा है और मेरे को रीडिंग चाहिए तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा ये लास्ट आधे घंटे का समझा हुआ कॉन्सेप्ट है इन गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट लिव अबाउ इसन लिव इंडिया ऑन फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर ट्वेंटी वॉज मोर देन इट डेज फॉर फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके तो फर्स्ट को लीव करना है सेकंड से उसको ट्रीट करना है फर्स्ट से नहीं करना है कौन से दिन से करना है सेकंड नेक्स्ट दिन अगर मैं आज इंडिया छोड़ रहा हूं अगले दिन से वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ठीक है लेकिन कंडीशन क्या थी इसकी? ये जा के 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 लिए इंडिया बाहर? वो तीन कंडीशन इफ पर्सन गोज इंडिया फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू पर्सन विल बी पी आर ए टर्स्ट नवंबर तो जब तक फर्स्ट नवंबर तक है तब तक है ही। फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी टू The person will be भी to be बी पी आरोस as इज टी स्टे stay outside india for क्योंकि वो बाहर bahar के लिए रुक रहा है ना तो पिछले साल का ka status है क्या पिछले अगर वो बाहर bahar के लिए आया तो पिछले साल एटी 182 days था, 183 था वो tha wo 184 tha कुछ करना है क्या Ignore kar lijiye यानी अगर first April को मैं बोल रहा हूँ first April को कोई बंदा बाहर है इंडिया के बाहर है इंडिया के बाहर है और एम्प्लॉयमेंट के लिए है या बिजनेस के लिए है तो मेरे को बताओ पिछले साल कितने दिन इधर रुका है गया लेने ओके okay, उसको क्या करना होगा आपको पी आर ओ आई क्योंकि वो तीन कंडीशन के लिए बाहर गया ना रे ठीक है ये एक एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया हुआ है एक एग्जांपल और एक दिया हुआ है आगे एग्जांपल पढ़िए और एक एक छोटा सा एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है ग्रीन कार्ड के लिए मालूम है जाते हैं ग्रीन कार्ड के लिए शादी भी करते हैं उधर डुप्लीकेट शादी मालूम है क्या ये यूएस में जो ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं अब ग्रीन कार्ड तो ईजीली मिलता नहीं है तो उधर के टाइप होते हैं एक किसी के साथ शादी कर लेने का ओके उनका अरेंजमेंट होता है और शादी होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है शादी तोड़ देने का ओके okay, ये ऐसा है और अगर ये नहीं मालूम है तो पिक्चर ही बोलता हूँ पिक्चर है देखो उसमें मालूम पड़ जाएंगे ओके okay, आ अब लॉट चले बेस्ट एग्जाम्पल किसी को मालूम भी नहीं होगी ये पिक्चर है आ अब लॉट चले और बहुत भारी पिक्चर है ओके okay, ऐसा नहीं कुछ नहीं वो जाता है इंडिया से बाहर छोड़ के जाता है माँ बाप मम्मी को जो हाँ ग्रीन कार्ड क्या होता है उधर का सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मतलब कंडीशन ग्रीन कार्ड क्या होता है कंडीशन अब मेरे को बताओ वो ग्रीन कार्ड के लिए गया तो उसको क्या ट्रीट करना है ऐसा है सही है ओके अरे भाई साहब मैं मैं जिस कंटेक्ट से बोल रहा था ऐसा है तो ऐसे जब शादी होती है उस केस में क्या ट्रीट करना है उस केस में क्या ट्रीट करना है उस केस में क्या ट्रीट करना है तो अब मेरे को बताओ क्या 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 ट्रीट करना है ग्रीन कार्ड के लिए गया तो नहीं नहीं ओके ग्रीन कार्ड के लिए गया तो इसका मतलब क्या शादी वादी तो ठीक है वो एग्जाम्पल बता रहे मैंने ग्रीन कार्ड में सर्टेनिटी नहीं है। ग्रीन कार्ड में क्या नहीं है ऐसा नहीं कि आप एक साल रुकोगे तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। आपको उधर काम करना पड़ेगा एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो लेने के लिए कोई जा रहा है, उसको सर्टेनिटी नहीं है तो सर्टेनिटी नहीं है तो फिर उसको क्या ट्रीट करोगे पी आर ओ आई अगर ग्रीन कार्ड ये हुआ तो है

नहीं। क्लियर है आगे आएगा आपको आगे आएगा वो. ओके फिर थर्ड लिम तो कॉन्सेप्टी वन फॉर विजिटिंग इंडिया टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू वो आया था फर्स्ट जून ट्वेंटी वन को और रुकने वाला था इंडिया में कुछ टाइम के लिए जब तक उसके पापा मम्मी भी ठीक ना हो जाए लेकिन उसे पापा मम्मी ठीक नहीं हुए और थर्टी फर्स्ट मार्च तक वो इंडिया में ही रुका इवेंचुअली ओके इवेंचुअलीकेर आफ्टर ही कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया इट इज हाउ यूर सर्टन दैट ही विल लीव इंडिया इन नेक्स्ट सिक्स मैं परमानेंट रहने के लिए आया क्या नहीं मैं वापस जाने ही वाला हूँ मैं वापस क्या करने वाला हूँ जाने ही वाला हूं पेरेंट्स रिकवर ही स्टे इन इंडिया इज ना इधर फॉर एम्प्लॉयमेंट नॉर फॉर बिजनेस नॉर फॉर सर्कल्स विच शो दैट ही विल स्टे इन इंडिया फॉर एन पीरियड अब ये शुरू। अभी आप सर, आप आप बोलोगे सर आए आए थे थे जून को महीने के लिए आपको तो है अरे ठीक है वो दो चार दिन आगे पीछे दो चार महीने आगे पीछे ठीक है लेकिन जाने ही वाला हूं ना मैं दे रहा हूं सर्टेनिटी मैं कब जाने वाला हूं इसके एग्जाम्पल में कब जाने वाला था ठीक होने के बाद मैं कब जाने वाला था ठीक होने के बाद तो सर्टेनिटी है तो आपको सर्टेनिटी में खाली ये नहीं देखना है क्वेश्चन में कि भाई तीन साल चार साल

स इवन इफ ई रिसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन डेज इन प्रीवियस इयर इन ही उसका इंटेंशन जाने का है तो आप मेरे को बताओ जिसका इंटेंशन वापस जाने का है तो उसको हम पीआरओ आई ट्रीट करेंगे या पी आर आई ट्रीट करेंगे बिजनेस के लिए थोड़ा आया okay, वो वोकेशन के लिए थोड़ा आया इधर एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ना आया मालिक समझ में कुछ आया

जिस दिन वो आया उसका इंटेंशन अगर ये तीन चीजें खत्म उसको क्या ट्रीट करो ओके okay, अगला वाला पैराग्राफ तो आपने मेरे ख्याल से पंचायती के लिए पढ़ना चाहिए रेसिडेंट स्टेटस इज नॉट फॉर ईयर जो मैंने आपको समझा दिया इट इज फॉर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट इस डेट से डेट है इनकम टैक्स लॉ ठीक है ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना ओके ये वाला पॉइंट आप पढ़ो एक बार इट इज अंडरस्टूड दिस कंडीशन ओनली टू इंडिविजुअल्स जो मैं आपको मैंने आपको समझाया ये भी समझाया मैंने आपको

थ्री पॉइंट नाइन वाला पेज खत्म हो जाता एवरीबॉडी क्लियर मेरे को बताओ झेपा क्या ठीक है पक्का झेपा अच्छा ये एक हाईलाइट करो एक अच्छे से। थ्री पॉइंट सेवन पे थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन पे आओ, आओ टॉप में देखो एकदम टॉप इनकेस ऑफ इंडिविजुअल मिल रहा है उसमें देखो ये डार्क में लिखा हुआ वो लाइन हाईलाइट कर लो क्या समझा इसे एमसीक्यू 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 आ सकता है तो पर्सन रेसिडेंशियल और नॉट इंडिया सिटीजनशिप मैटर भले वो अगर यूएस सिटीजन होगा क्या वो पीआरआई भी बन सकता है ये yes, फेमा के अंदर इनकम टैक्स के अंदर नहीं फेमा के अंदर आप ये सिर्फ ट्रीट किसमें करोगे फेमा में आत्मा क्लियर ठीक है ओके ओकेस्ट्रेशन वन पे बड़े मालिक ठीक है कल करते हैं फिर इसको ठीक है मालिक बट मेरे को बताओ टेक्निकली समझा क्या सी यू टुमारो अच्छा एक खाली आपको पढ़ना मेरे को बुक देना एक खाली आपको पढ़ना है घर पे जाके ये नहीं ये नहीं प्रियम्बल आज पढ़ा okay. ना प्रियम्बल पढ़ा ओके पेज नंबर एक मिनट वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मिला क्या पेज नंबर वन पॉइंट फाइव क्या वन पॉइंट फाइव पे उसमें अगर देखो ये पैरा नंबर फोर पैरा नंबर फोर मिला उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन मिल रहा है, है, है? प्रियम्बल ओके वो प्रियम्बल आपको करने का है तो उसके अंदर फोर्थ वाला प्रियम्बल है प्रियंबल वाला। कौन सा चैप्टर बोला मैंने टीजीसी है महाब्स बोल रहा हूँ टीजीसी अपना जाते जाते तक चोड़ जाना चाहिए भाई ये पॉइंट पे आ जाओ पेज नंबर फोर ये मिला आप प्रियम्बल का मतलब क्या होता है प्रियम्बल क्या यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल इधर तक करोगे और उसके बाद तक ओके एग्जाम्पल एट तक एग्जाम्पल फोर से तो प्रियम्बल और डेफिनेशन क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ में उसको आप कल अपडेट करके लाओगे ठीक है मालिक कल अपन अपनेंजर डिटेल्स क्लोज करेंगे कौन सा करना है कल कैपिटल करंट जो आप बोलोगे बैलेंस शीट हिलानी है या नॉर्मल कुछ कैपिटल बैलेंस शीट कल तो कल बैलेंस शीट है कल का टाइमिंग अपना नॉर्मल है आज वो मेरे को कल रात को टेस्ट है इसके लिए कल का अपना आठ बजे कल है ना भाई कल है क्योंकि दशहरे की छुट्टी हो रही है ना दशहरे की तो छुट्टी है दशहरे में मैं भी हूं नहीं हाँ मैं एक, एक, दो तीन इनका इज गॉड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक तोड़ मालिक भारत माता की जय मालिक तोड़ मालिक बढ़िया मालिक बहुत अच्छा लगा ऐसा जय सुन के भारत माता की जय मालिक ओके भारत माता की जय के साथ में हम भारत माता दूसरे के साथ कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है ओके भारत देश अपना ट्रांजेक्शन कैसे करता है दूसरे देशों के साथ में वो देख लेते हैं ओके भाई बहन के चारों में कैसे मतलब ये विचारों में कैसे रहते हैं देख लेते हैं फेमा के अंदर अपने पहला शुरुआत की थी साइलेंट फीचर्स अगर आपको याद होगा तो साइलेंट फीचर्स के अंदर अपने कुछ ट्रांजेक्शन पढ़े सर क्या क्या करता है सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो ये रेगुलेट करता है किसको ट्रांजेक्शन को सेकेंड और थर्ड को मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बस कैपिटल अकाउंट को नाम क्या दिया उसके बाद मैंने आपको बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट क्या है ओके आरबीआई कंट्रोल करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर अपन आर चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीड okay, उसको यहां पर आपको रियलाइज करना चाहिए और रिपेट्रिएट करना चाहिए ऑथराइज पर्सन के अलावा अपने ट्रांजेक्शन करना

डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज एट पॉइंट क्लियर मालिक ओके okay, उसके बाद अपन ने ब्रॉड स्ट्रक्चर देखा उसके बाद अपन ने ये पहला प्रियम्बल देखा और एक्सटेंड देखा क्या आपने कल वो प्रियम्बल और डेफिनेशन पढ़ने बोला था पढ़ा मालिक नहीं पढ़ा माँ कसम पढ़ा कितने जन ने पढ़ा एक दो नेहा ने भी नहीं पढ़ा एक या, याद ही नहीं था ओ माँ कसम ये तो एक अलग ही कहानी है याद ही नहीं था अच्छा मतलब मैंने रात को रोज याद भी ये भी याद दिलाना चाहिए कि बस क्या क्या ये भी ये भी करना चाहिए ये 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 भी ठीक है ठीक है सर आज से मैं वो भी काम कर लूंगा अभी जो बचे हुए जो बचे हुए और एक uh, मैं वो वो भी कर लूंगा सर मैं 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 चाहिए तो आपके घर पे आ जाता सर पढ़ाने एक एक के आप बता दीजिए सर मतलब मैं मैं वो भी कर लेता सर ओके सर नव प्रियम्बल क्या होता है ओके okay, तो अगर आपने देखा होगा वो पढ़ा होगा और उसके साथ में आपने देखा होगा डेफिनेशन यानी प्रियम्बल का महत्व क्या होता है एक्चुअली प्रियम्बल को किस वे से लिया जाता है ये डालते क्यों है नहीं तो प्रियम्बल डालने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली ये उड़ा सकते हैं आप ओके डायरेक्टली सेक्शन चालू कर ना पर प्रियम्बल क्यों डाला जाता है तो कभी कोई केस होता है तो प्रियम्बल बेस लिया जाता है प्रियम्बल स्कोप को डिफाइन करता है मतलब आइडिया लेता है कि भाई ये एक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो बताया जाता है डेफिनेशन क्यों दिए जाते हैं क्योंकि हर जन का अपना अपना इंटरप्रेशन होता है तो इंटरप्रिटेशन को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए दिया जाता है दैट इज वॉट कवर्ड ठीक है आज के एंड में वो अपन एंड उसी से करेंगे एंड वो दोनों करेंगे और और दो होमवर्क आपको मिलेगा ऐसे कैसे याद रखना एटलीस्ट ये हफ्ते तक आपको ऐसे ही मिलने वाला है ओके okay, नवरात्रि हो गई है ओके okay, जब तक पूर्णिमा नहीं आती ओके okay, कोजागिरी पूर्णिमा तो कोजागिरी मतलब ना सुना है कभी कोजागिरी पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा ये इस नवरात्रि की जो पूर्णिमा होती है फिर वो चांद को देखकर अपन दूध पीते मतलब अपन मतलब ऐसा बोला जाता है मेरे घर पे मेरे को पापा ने जो सिखाया है वैसे बता रहा हूँ तो चांद को देखकर वो ऊपर जाने का दूध पीते मतलब चांद की रोशनी उसमें आनी चाहिए दूध में तो बहुत ऐसे बहुत भारी होता है तो बड़ी है तो ऐसी पूर्णिमा है तो पूर्णिमा तक अपन टी जी सी ए को बहुत हद तक ओके अपन पूर्णिमा के साथ में ही ओके पूर्णिमा लेके जाएंगे फिर अमावस्या की शुरुआत होगी मतलब वो अगले पंद्रह दिन और फिर तो क्या है दिवाली तो है अमावस्या मतलब दिवाली अपनी तो नेट सी कैसे क्या काम होता है बट प्रियम्बल और डेफिनेशन ये दो बात में देखते हैं मालिक लेकिन याद रखो भाई बा मतलब वो खाली टीजी से पढ़ के आया करो एटलीस्ट नहीं समझा गया तो लेने समझाने का काम मेरा रहेगा लेकिन पढ़ के आ जाओ पढ़ने के बाद क्या होता है जब मैं समझाता हूँ ना तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आता है कि भाई फायदा हुआ अपने को ओके क्योंकि आपने पढ़ा आपको समझ में अच्छा अच्छा ये आपका इंटरप्रेशन था फिर मैं बताऊंगा तो उसके बाद इंटरप्रेशन और क्लियर होगा

तो बढ़िया से फिर आपने डेफिनेशन चालू किया मेरा पहला डेफिनेशन कल अपने खत्म किया था वो था पर्सन याद आया मालिक पर्सन के बाद खत्म किया पर्सन इन इंडिया मेरे को बताओ पर्सन क्लियर है पर्सन में कौन कौन आता है इंडिविजुअल आता है एच आता है कंपनी आता है फॉर्म आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है डुण डुण दुण डुण डुण। दुण डुण डुण बस ये एक लास्ट वाला लाइन आपके लिए नया था एजेंसी ऑफिस एंड ब्रांचेस कौन कंट्रोल करता है वो कंट्रोल बाय सच पर्सन ओके okay, जब आप मैं आपको पी आर ओ आई लेके जा पी आर आई लेके जा रहा हूं और पीआर ओ आई समझा रहा हूँ कल मैंने जो समझाया था ठीक है उस डे उस पर चर्चा वापस करते हैं लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये जो पी आर आई और पी आर ओ आई है ये चर्चा किसके लिए मैं सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, लिए। खासकर अगर इंडिविजुअल एच यू एफ की बात करें कंपनी की बात करें फॉर्म की बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें आर्टिकल ड्यूटी पर्सन की बात करें मेरे को बताओ ये क्या माने जाएंगे पी आर आई या टेनिकॉस्ट पी आर आई माने जाएंगे हा एजेंसी ब्रांच ऑफिस ये अगर इंडिया में है तो ये कंफर्म पी आर आई है लेकिन आउटसाइड इंडिया वाला भी पी आर आ सकता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है अगर आपको याद होगा तो तो ये एक है बाकी अदर देन दैट इंडिविजुअल का आपको ध्यान ध्यान रखना होगा दैट इज कॉल्ड ओके ये पॉइंट आप रखिए तो अगर अगर अपन देखें तो अब बढ़ते हैं पीआरआई की तरफ जो अपन ने कल डिस्कशन किया पीआरआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है पीआरआई और पीआरओआई पहला पॉइंट है पीआरआई मालिक पीआरआई का फुल फॉर्म पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बताइए कौन रहेगा जो पिछले साल पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या बोला मालिक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितने कितने दिन इंडिया में रहा है okay, मोर बताए थे बट डज नॉट इंक्लूड कौन नहीं इंक्लूड करता है द पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर फॉलोइंग थ्री पर्पज यानी ओके तीन पर्पज के लिए कोई बाहर जा रहा है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन इन तीन के अलावा कोई बाहर जा रहा होगा तो उसको हम इंक्लूड करेंगे तो कौन से? अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है अनसर्टेन पीरियड मतलब कब तक आने वाला है ओके और दूसरा एरिया अगर आपको याद होगा दूसरा एकदम टेक्निकल पॉइंट था जहां पर आपने बोला एक पर्सन मतलब बट डज नॉट इंक्लूड लो वापस बट डज नॉट इंक्लूड ओके द पर्सन कमिंग टू इंडिया अदरवाइज ओके तो पर्सन कमिंग टू इंडिया अदरवाइज अदरवाइज देन देन का समझा मालिक यानी वाला जो आ रहा है डिस्कशन इनको इंक्लूड करना है ओके okay, इनको इंक्लूड करना है बाकी सबको इंक्लूड नहीं करना है तो इनको इंक्लूड करना है ये कौन है मालिक ओके okay, जो आ रहे तीन पर्पज सेम पर्पज आप लिख सकोगे एम्प्लॉयमेंट है बिजनेस और वोकेशन है एंड अनसर्टन पीरियड है आपका सेम क्राइटर बैठ जाता है मालिक ओके okay, ये होने के बाद आपको याद होगा इसके बाद आपने कुछ चर्चा की ओके okay, okay, भाई ये कौन है ये पर्सन कौन है इंडिविजुअल कौन है ये सबका मैंने आपको अभी बताया कि पी का स्टेटस पी आर का स्टेटस ही दोगे खाली एजेंसी ऑफिस ब्रांच कौन कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर निर्भर होगा जिसमें मैंने आपको स्टेटस ये भी बताया कि अगर आग, देखो इंडिया की एजेंसी कोई रही मैं एजेंसी वर्ड यूज कर रहा हूं तो तीन वर्ड होंगे उसके एजेंसी ऑफिसेस ब्रांच अगर इंडिया की कोई है तो हंड्रेड परसेंट पी है लेकिन वो बाहर की है तो वहां पर आपको स्टेटस देखना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है अगर उसको तो कंट्रोल करने वाला बंदा पी है तो आपको उसको स्टेटस देना होगा पी है अगर कंट्रोल करने वाला बंदा अगर उसका पी है, तो उसको स्टेटस मालिक, मालिक, आप में खास बात क्या लगी होगी? खास बात ये है साला स्टेटस एक दिन में चेंज हो सकता है ओके okay, स्टेटस ऐसे पूरे साल के लिए होता है टर्म के लिए होता है ऐसा नहीं है मंथ के लिए होता है ऐसा नहीं है इवन मैं आपको बता रहा हूं आज एक दो दिन के अंदर स्टेटस चेंज कर सकते हो एंड दैट इज वॉट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एज सच ओके okay, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टेटस वाला जो पैरा नंबर फोर्थ है ये आपको पढ़ना है तो ये आप घर पे पढ़ सकते हो मैंने बताया कि इसका भाई यही चीज है जो मैंने आपको कल समझाई थी इफ रिमेंबर फ्लो चार्ट का वगैरह पॉइंट है इसके बाद वाले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एग्जाम्पल को कैसे लिए गए और एग्जाम्पल का क्या पॉइंट है और अपन थे इलेस्ट्रेशन पे तो पहले इलेस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं इलेस्ट्रेशन के सारे एलिमेंट समझ देते उसके बाद अपन बढ़ते हैं ओके आज अपना एजेंडा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्लोज करना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मैंने आपको वही बताया आज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखेंगे कल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन देखेंगे और मैं आपको बता रहा हूं पूरा होने के बाद आपको रटने की प्रक्रिया आनी चाहिए ओके देखो एक है भाई एप्लीकेबिलिटी कैसी होगी ताकि क्वेश्चन आए तो मेरे को कैसे देखना कैसा पड़े वो मैं आपको समझाते जाऊंगा ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ये तो भाई बताते जाऊंगा लेकिन उसके बाद वो लिस्ट को जो रहता है ना वो याद रखना पड़ता है इधर क्योंकि लिस्ट है क्योंकि कौन रेगुलेट कर रहा है आरबीआई वो लिस्ट को याद रखना पड़ता है क्योंकि इसी के बेस पे है जिसमें कैपिटल अकाउंट की लिस्ट जो आज आप करोगे वो बेटर है यानी कल वाला आंसर था उससे थोड़ा कॉम्प्लीकेट है लेकिन कल वाले आंसर से कॉम्प्लिकेट कम है समझा क्या कुछ यानी कल जो आपने पढ़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है आज ओके और जो कल पढ़ोगे उससे कॉम्प्लिकेशन कम है ओके और कल जो रहेगा वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड रहेगा हाईली कॉम्प्लीकेट मतलब तुम्हारे लेवल की बात कर रहा है ओके फाइनल के जाने बाद आपको समझेगा कॉम्प्लिकेशन होता क्या है अगर मतलब वो फेमा का पॉइंट पढ़ोगे तो ओके बट बेटर पॉइंट ये पॉइंट याद रखना फेमा के कॉन्टेक्स्ट में आज अपन देखेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो अपना आज एजेंडा रहेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं उसके बाद मैं चैप्टर फोर्थ के क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद टी सी का मैंने आपको जो बताया था वो मैं उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ टी सी के मैंने दो पॉइंट अच्छा, है अच्छा आप क्लास बुक नहीं लेके आए अच्छा लेके ही नहीं आए क्या ओके तो ठीक है नहीं लेके आया तो ठीक है देखते हैं अपन कैसे क्या करते हैं फिर अपन इसके और एक एजेंडा में चले जाएंगे इसके कुछ पॉइंट पर क्लोज कर लेंगे ओके और टी वाले पॉइंट में अपन डिस्कशन पॉइंट कर लेंगे क्योंकि आज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आज ही बता दूंगा तो आपका दिमाग ऐसा मिक्सचर हो जाएगा तो आज उसको एडेप्ट कर दो आज आप घर पे जाके उसको पढ़ो याद रखो कल फिर वापस करो फिर दशहरा के दिन याद करो और उसके बाद अगले दिन मतलब कल तो चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा फिर बाद में यार मतलब यार फेमा को कंट्रोल में लेके आओ बस यानी मैं आपको लिख के देता हूँ अगर आपका ये सब सही रहा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल में से आपको दो सवाल आ सकते हैं करंट में से दो सवाल आएंगे कैपिटल में से एक सवाल की संभावना रेसिडेंसल स्टेटस में से एक सवाल की संभावना और एक क्वेश्चन इधर उधर से इर्द किस में से आ सकता है वो एडिशनल मालूम है यानी आप प्रोबेबिलिटी देख लो इज टू ये गारंटी आप लिख के ले लेना ओके आपका भविष्य क्या है मे ट्वेंटी फोर लेकिन उस दिन के पेपर की कहानी मैं आज बता रहा हूँ तू लिख के ले ले अगर ये प्रोविजन में नहीं आया नाम बदल देना क्योंकि इसका प्रोपोशन वही है और ये कॉन्टेक्स रहेगा ही रहेगा बस ये पॉइंट है वो किसी के साथ में ऑप्शन में किसके साथ आता है वो क्वेश्चन पॉइंट है तो चर्चा का विषय ये है कि सर पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पड़े क्या आंसर इन दो सबसे पहले रेसिडेंशन स्टेटस का इलस्ट्रेशन खत्म कर लो तो आ जाइए स्टेटस के इलस्ट्रेशन पे ओके रेसिडेंशियल स्टेटस के इलेस्ट्रेशन पे आ जाएगी कौन से पिच पे है मालिक सब लोग 3.10 पॉइंट टेन आगे का मालिक ये जो इलेस्ट्रेशन है ये क्वेश्चन बैंक का बेस है आपका इसे समझो आप धीरे धीरे ओके मिस्टर एक्स चालू करें मालिक ठीक है मिस्टर एक्स हैड रेसिडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फॉर लेस देन वन डेज ओके ठीक है तो पिछले साल में वन एटी से कम था वो ओके okay,

अब सवाल है 2021 के लिए क्या मेरे लिए 1920 का नंबर ऑफ डेज देखना जरूरी होता है टेक्निकली आंसर इज यस लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको मैंने बताया था कभी आप अगर कोई बंदा इंडिया में बिजनेस करने आता है तो उसका प्रीवियस ईयर ओके इंपैक्ट रहेगा क्योंकि अगर आपने उसको देखो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप क्या दोगे इसको स्टेटस अगर आप अगर, अगर अभी मेरे को बताओ वो क्या रहा है लेस देन वन डेज रहा है ना मालिक तो उसको स्टेटस क्या देना है अगर टेक्निकली बात करें तो पी आर ओ आई देना है लेकिन मेरे को बताओ अगर वो बिजनेस करने आए इधर ओके और बिजनेस वो आम आदमी के साथ करेगा और अगर वो पी आर ओ आए हर टाइम रेगुलेट किया जाएगा हर टाइम आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा हर टाइम रेस्ट्रिक्शन रहेंगे काम करना आसान होगा या नॉर्मल लोगों को उसके साथ काम करना आसान होगा क्या ये दिक्कत है बहुत बड़ी बात ये पॉइंट आपके लिए आ जाता है एजेंडा ऑफ फेमा और ये चीज मैं आपको बता नहीं लिखा है फेमा का आरबीआई के सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि भाई आप केस टू केस देखो ओके okay, तो अपनी इंस्टीट्यूट ने इसका स्टैंड क्या लिया वो मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट का, का स्टैंड को क्या स्टेटस देने का आंसर को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा मैं जो स्टैंड इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी सर पर जबकि वो कम होने आया ना सर पिछले साल में तो कम दिन रहा ना तुम समझे क्या मैं क्या बता रहा हूं ओके okay, कल का जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था ऐसा लिखा था क्या ओके okay, वो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन और तीसरा आंसर अलग पहली कंडीशन के साथ ही तो दो चल रहे थे ना तो ये चीज आप समझिए यानी डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकली ये नहीं रहने वाला है लेकिन ये क्यों हो रहा है क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट ने इलेट्रेशन में समझा दिया है तो अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूट बेस बताओ हमको इंस्टीट्यूट का मतलब इंस्टीट्यूट का कुछ बेस रहता ना

एज रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अगले साल अगले साल का समझ में कुछ आया मालिक ओके ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्या है वो पियर है क्योंकि इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वन ये तो लॉजिक क्लियर है क्योंकि बिजनेस कर रहा है आत्मा क्लियर इफ ही लीव इंडिया फॉर पर्पज ऑफ टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर एनी अदर पर्प एस वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया इट मे बी नोटेड इवन इफ मिस्टर एक्स इज एन सिटीजन ही समझ में आया धंधा बन गया उससे कोई लेना तो नहीं वो बाहर बाहर गया, गया क्या वो बाहर जब जाएगा और बाहर जाने का इंटेंशन बताओ वापस

ओके okay, तो so इसका इंटरप्रेशन क्या निकला फर्स्ट जुलाई को जब वो इंडिया छोड़ा क्वेश्चन ने बताया अच्छा फर्स्ट जुलाई क्यों लिया क्योंकि इंडिया छोड़ा मैंने कल बताया इंटरप्रेशन करते वक्त मैंने बोला इंडिया छोड़ा जून आपको उसको स्टेटस अगले दिन से देखना है तो फर्स्ट जुलाई तो से वो पी आर ओ आई हो सकता था लेकिन क्वेश्चन में क्या देना चाहिए था इंटेंशन क्वेश्चन अगर इंटेंशन देता कि भाई ऐसा ऐसा है तो पी और इंटेंशन नहीं है तो आपका साइलेंटली क्या लेना पी वापस जा के आएगा आप बोलोगे सर धंधा तो बंद किया ना अरे तो आदमी हर दिन धंधा बंद करता है हर दिन नया कुछ चालू करता है अरे जिंदगी है बहुत अच्छा आदमी है वो जिंदगी जी रहा है वो एक एक साल में नया नया कुछ कर रहा है चला कुछ काम करके करेगा प्रेस्तीज में तो नहीं रहता <laughs> अरे जो अरे इसका मतलब तुम ये समझ लेना मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ ऐसा नहीं है भाई हाँ नहीं तो तुमको लगे वहां कसम ऐसा ठीक है भाई थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा ये है बट एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मालिक तो मैं अरे भाई को अच्छा है यार साल साल में बंधन चेंज कर रहा है सर लॉस हो रहा होगा उसको फायदा हो रहा है क्या हो रहा है, अरे तेरे को क्या करना है? उसको उसकी ऐसा लिखा अपना का कैसा चाहिए अपना का पहले रहेगा प्रोविजन ओके आत्मा क्लियर अब मेरे को प्रोविजन में क्या लिखेगा डेफिनेशन पूरा डेफिनेशन लिखेगा समझ में आया आपको डेफिनेशन नहीं लिखना ये सीधा जो इन्होंने लिखा वो कंक्लूजन है कंक्लूजन है ये डेफिनेशन प्रोविजन लिखने का प्रोविजन में क्या लिखने का इसमें डेफिनेशन डेफिनेशन अब मेरे मेरे को को बताओ क्या है? ये में पर्सन ब्रांच इसके बारे में लिखने की जरूरत है नहीं खाली किसका लिखने का रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से वाले डेफिनेशन पहला लाइन फिर तीन लाइन फिर तीन लाइन ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट ऑफ द केस जिसमें आप मोटा मोटी यही स्ट्रक्चर बताओगे एक्स लिमिटेड एक्स ये इधर आया हुआ है और ये वापस जाने इंडिया में आया है

इफ ई दर्सन इज कमिंग टू इंडिया फॉर ए बिजनेस वॉट इज वीवियस नॉट कंसिडर्ड ओके आपको चाहिए तो लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है okay, कंसिडर नहीं करना है और उसका लॉजिक अगर आपको और लिखना है नहीं बहुत अच्छा आंसर दिखना चाहिए तो बस इपर ये सीए फाइनल में दिखा हुआ है तो आपको बस मैं आपको बता रहा हूँ और बेहतर लिखना चाहिए सर प्रॉब्लम ये है कि इफ हीज कंसिडर पी आर ओ आई प्रॉब्लम क्या होगा ही कैनोट डू ट्रांजेक्शन देर विलशन इन इंडिया है तो जो अभी एग्जाम्पल मैं और वो आया धंधा करने और मैं उसके साथ कैसे करेगा क्लियर बेवड़े लगा आया ना चरसी गांजे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फिर आप बोलोगे इसका क्योंकि बाहर जाने का रीजन नहीं पता है तो फर्स्ट अप्रैल से तो वैसे क्या है वो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वन से तो पी आर आई है okay, July, because intention is is not mentioned in his question, he he will be deemed as PR and he is going outside India other than that उटसाइड इंडियाबडी क्लियर ओके कंक्लूजन वाला कॉन्टेक्ट समझा मालिक मैं बोल रहा हूँ इसमें इसको answer मत पकड़ो और even अगर institute ने answer ऐसे दिए मैंने आपको बोला है अपना answer का format वही रखना तो अगर बायचानस आपने मॉडल लिखा और मॉडल के आंसर के फॉर्मेट भी ऐसे मिल रहे गए तेरे तेरे को लिखना कैसे वो समझा दिया मैंने वैसे ही रखना मैं बता रहा हूँ मालिक और तू जितना सिंक्रोनाइज रखेगा सामने वाला एग्जामिनर आपके लिए वो उतना तो आसान देखो उसका काम आसान करो यार और उसका काम आसान करना होता है स्ट्रक्चर तरीके से जाना उसको एक दो चार क्वेश्चन के बाद मालूम पड़ना चाहिए तू लिखने के हाला है वो तेरे को प्रेडिक्ट करना चाहिए ओके उसके माइंड से तेरे आंसर्स के मार्क्स मिल जाने चाहिए रे ओके और टेक्निकली मैंने देखा हुआ मेरा भाई जब चेक करता है एग्जामिनेशन के पेपर और ही ही मेरा भाई है उसके दोस्त है वो चेक करते हैं तो उनके फॉर्मेट होता है स्ट्रक्चर वो अपने अपने इंडिविजुअल में जाते हैं और ऊपर से अभी क्या ऑनलाइन चेकिंग जो लास्ट इसमें तो मतलब मैंने जो द फीडबैक इज बिकॉज इट रिक्वायर्स ए कॉन्सेंट्रेशन रे कितना भी रात तू मेरे को बता ऑनलाइन स्क्रीन पे तू देखता है ऑनलाइन स्क्रीन पे जो जब दिखता है तेरे को ही मानू पड़ता है उसको कितना कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है कितनी चीजों को और अभी ये ऑनलाइन में आंसर पढ़ना होता है भाई मेरे और जिसमें तूने लिखा होगा ओ माय गॉड मतलब मैंने मानूम मैं कितने जन तो पंचायती लिख के आएंगे जो अपने वो एक वीडियो बनाया वो लिख के आएंगे हाउ डिड दिस क्वेश्चन हैपन्स ऐसा कुछ लिखा तो वो फ्रस्ट्रेशन उसका काम आसान करो मालिक उसके काम आसान दो तरीके से एक तो स्ट्रक्चर तरीके से आंसर दो नहीं तो ब्लैंक रखो ब्लैंक रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका काम आसान होगा आपका काम भी आसान होगा अगला टाइम इजी है ओके okay, समझ में आ रहा है मालिक तो भाई समझा क्या अमित समझा तेरे को नहीं समझा क्या बात कर रहे तेरे को नहीं समझा अमित मैं इतना बता रहा तेरे को हाँ मतलब ये समझा की मेरे को ऐसे ऐसे लिखना है बस तो यही तो बता रहा अक्कल नहीं कर को

उनके जैसे सुस्तर तो जिंदगी में नहीं देखे कभी एक रिस्पॉन्स नहीं करते भले ही नहीं दिखता मैं उतर के जाता भाई पैरों को कष्ट देता मैं भी लेकिन एक बार भी हाँ ना एक तोड़ कभी कभी आंसर नहीं आता भाई मतलब मोटिवेशन नहीं रहता भाई सुबह साढ़े आठ बजे, बजे ये पॉइंट पे आया आप देख पर लेकिन फिर भी फिर भी फिर भी उधर वो देखो उसके बाजू वाला स्क्रीन देखो कितना अच्छे से आदमी काम कर रहा हो देखो पर्पल टी पर्पल सेट वाला उसके ऊपर तो कुछ बना है ऐसे रेडियो वीडियो बनाया टोपी भी बनी है उसके ऊपर देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है वो ए आदमी ये ये इंसान है जो बात कर रहा है मेरे से इससे बात करेगा खाली मैं अभी मिस्टर जेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 आई शाबाश समझा समझा ही लेफ्ट इंडिया ऑन फर्स्ट ऑगस्ट पागल साला फर्स्ट ऑगस्ट 2020 को इंडिया निकला कास्ट इंडिया छोड़कर निकल गया कहां पर गया यूनाइटेड स्टेट फॉर परसुइंग फॉर हाउ मेनीय जय का भाई मिस्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ट्वेंटी टू ओके टेक्निकली स्पीकिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के लिए स्टेटस बताना है अब प्रॉब्लम अगर आपको याद होगा यह कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको समझाया था मैंने आपको बताया था पहली बात देखो दो प्रॉब्लम है सबसे पहला पॉइंट जा रहा है स्टडीज के लिए स्टडीज ओके लिस्ट में नहीं है तो अगर कोई तीन चीज के लिए जा रहा है तो उसको आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड के अलावा उसको तो in तो, तो क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि आगे और एक आंसर दिया है थ्री यानी अपना बैठ ही नहीं रहा है पर आपको मैंने क्या बताया था आरबीआई क्या नोटिफिकेशन है सर्कुलर है कि आरबीआई क्या बोलती है जब आप जाते हो पढ़ाई के लिए वहां पर आप क्या लेते हो जॉब लेते हो और वो जॉब की वजह से ओके एम्प्लॉयमेंट किया जाता है इस पर्सन को कौन सा स्टेटस देने का देखो अच्छा मेरे को ये बता दो इतना तो दिमाग चलाओ चलाओके अमित इतना तो दिमाग चला, अमित तो दिमाग, चला। दिमाग चाहिए तेरा इधर दिमाग चाहिए अमित ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में वैसे भी पी ओ आई होने वाला था क्यों क्योंकि पिछले साल में तो रुका ही नहीं है ना अगले साल तो उसको ऐसे पी आर ओ आई देना था आपको ओके प्रॉब्लम कौन से की है 2021 जब वो गया ओके okay, जाते हैं लोग हायर स्टडीज के लिए इधर सीए की डिग्री छोड़ के जाते okay, सीए की डिग्री करके ठीक है बट बड़े लोग पैसे वाले लोग अपने बच्चे को भी परंपरा अनुशासन प्रतिष्ठा ओके okay, ये है और उसमें से दूसरा बच्चा निकलता है जो प्रतिष्ठा को तोड़ के आता है बड़ा तो बेचारा उसका लॉयल बच्चा रहेगा ओके okay, बड़े को प्यार करेगा ऐसा जो है ओके तो okay, अभी नहीं है ना भाई

ओके okay, तो so ये पॉइंट है जिधर जिधर याद रखना होगा डेट मैं बता दूंगा कुछ कुछ प्रॉब्लम है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए प्रॉब्लम है अरे तोड़ मैडम किधर थे कल यार कब तो, नहीं अच्छा सुबह सुबह उठने को ठीक है चले थोड़े भाई नहीं सुबह उठना दिक्कत की हाँ अच्छा लेट हो गया अरे वही मैं बोल रहा हूँ सुबह उठना यही तो चैलेंज है लाइफ का बढ़िया दैट स्टूडेंट विल बी कंसिडर एज भी? तो तो वैसे भी है। इंडिया में भी जब आएगा तो उसका इंटेंशन देखना है अगर वो खाली पापा मम्मी से मिलने आ रहा है तो पी आर ओ आए बात खत्म ओके लेकिन वो बिजनेस करने आ रहा है एम्प्लॉयमेंट लेने आ रहा है तो भी है समझ में आया इंटेंशन मैटर करता है ओके okay, ये याद रखना इलेस्ट्रेशन अगला पॉइंट अब ये तो एकदम क्लियर है तोड़ इजी आंसर होना चाहिए ओके okay, मतलब आप देखो आंसर आंसर देखे बिना मेरे को बताओ इसका क्या इंटरप्रेशन होगा मेरे ख्याल से पहले दोनों वाले से कॉन्सेप्ट पूरा झेप रहा है कैसे हो रहा है ओके okay, टॉय लिमिटेड इज ए जैपनीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है ज ए रोबोटिक यूनिट विथ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड हैज ए ब्रांच इन सिग्ना सिंगापुर यानी एक रोबोटिक यूनिट है उसका हेडक्वार्टर कि मुंबई में और उस मुंबई का ब्रांच किधर है सिंगापुर में देडक्वार मुंबई कंट्रोल द सिंगापुर ब्रांच ओके वॉट वुड वी रेसिशियल स्टेटस ऑफ द रोबोटिक यूनिट मुंबई एंड सिंगापुर ब्रांच पक्का ओके मुंबई का क्यों पी आ रहे होगा नहीं मुंबई की बात कर रहा हो रोबोटिक यूनिट का बोल रहा हो Because it is in India. Everybody clear? भले वो आउटसाइड कंट्रोल कर रहा होगा याद होगा इफ एनी थिंग इज कंट्रोल इन इंडिया कंट्रोल बाय इवन पी आर ओ आए इट इज पी आर आद आया क्या मालिक ठीक है अपडेट मान लीजिए फटाफट मान दीजिए मालिक हाँ <laughs> साकिब बोलता है सर आप इतना अच्छा समझाते हो रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिलता अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाहता है आप इतना अच्छा समझा रहे रहे हो हो या भगा इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है मेरा मतलब आप इतना अच्छा समझा रहे हो कि वो बोल रहा है रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है यार रिप्लाई कर देखो यार्डो वर्ड्स को यार लॉ लिख रहे हो और वर्ड्स की वाट लगा रहे हो ओके क्या मतलब रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है आ? फिर आया चलो देख लेते हैं अभी क्या है देख दो सर ध्यान लगता है ये लॉ या ये लॉ या इंपैक्ट है ओके लॉ इंपैक्ट को कुछ मेरे को भी नहीं समझा जाके देख ले बट <laughs> नेवर मेरे क्या मालिक क्लियर है आंसर तो दोनों को आप कौन सा ट्रीट करोगे पी आर आए ओके मुंबई वाले को क्यू पी आर आई ट्रीट किया जब भली वो पी आर ओ आई कंट्रोल कर रहा होगा लेकिन इंडिया में है और इंडिया वाला कंट्रोल कर रहा है सिंगापुर वाले को इसलिए वो सिंगापुर वाला पे क्या बन गया पक्का क्लियर लास्ट ओके और ये थोड़ा सा टेक्निकली समझने लायक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको तो उसको इंटरप्रेशन क्लियर करना पड़ेगा मिस आलिया मिस नहीं मिसेस होना चाहिए था ओके मिस आलिया इज एन एयर ऑस्ट्रेस विद ब्रिटिश एयरवेज

अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक 2019-2020 में उसका फाइनेंशियल टेबल वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुकी है ओके okay, अब मेरे को बताओ 2021 में क्या वो पीआरआई बन जाएगी क्या वो पीआरआई बन जाएगी मेरे को बताओ खाली 180 दिन 183 डेज रुकना इधर यही एक ग्राउंड है आप क्या साथ? आप टेक्निकली समझो ओके okay, ये ये आपको ये समझाता है ये दर्शाता है भले ही इंडिया में आप 200 300 दिन भी रुक जाओ लेकिन अगर आपका इंटेंशन इंडिया में बिजनेस करने का नहीं है एम्प्लॉयमेंट करने का नहीं है या अनसर्टन पीरियड का नहीं है तो आपका कोई लॉजिक बैठता नहीं इसमें सर अभी इसका इसका एक टेक्निकल पॉइंट बताता दो मेरे को बताओ आलिया किधर अपॉइंटेड है ब्रिटिश एयरवे ब्रिटिश एयरवे क्या किधर है यूके तो इसका मतलब इंडिया में तो है नहीं तो उसका एम्प्लॉयमेंट किधर है यूके में अब मेरे को बताओ यूजुअली उसको किधर बेस में रुकाया जाता है जिधर हेडक्वार्टर है

एवरीबडी ओके okay, so, वो अगर रहता तो है पर वैसा कोई लिखा है तो इसको क्या ट्रीट करोगे पक्का एवरीबडी समझ में आया क्या पक्का लॉजिक समझा गया कैसे कि वो बाहर अपॉइंटेड है ब्रिटिश एयरवे वे अब पॉइंट कोई इधर में से डिबेट करेगा सर ब्रिटिश एयरवे तो इधर भी मुंबई में भी हो सकती है ओके ऐसा ये पॉइंट है तो ये इंटरप्रेशन कर सकता है तो देख ले भाई तेरे हिसाब से है पर मैं आपको बता रहा हूँ जो एयरवेज है ये थोड़ा सा टेक्निकली फाइनल में जब क्वेश्चन मैंने देखे हुए जो मैंने आपको बताया वो ये एयरवेज ये नाम देते थे बाहर का देते थे फ्रेंच एयरवेज तो इसका मतलब बाहर ही लेने का इधर का नहीं है ओके इधर का होता तो वो इंडिया के कुछ नाम देते या इंडिया के एयरवेज के पॉइंट डिस्कशन करते इन, इन इन इंडिया आत्मा क्लियर मेरे ख्याल से समझा गया आंसर तो मेरे को बताओ खाली वन एटी टू डेज रुक गया इंडिया में तो क्या काम खत्म है मेरा क्या देखना जरूरी है इंटेंशन यानी आप इमेजिन करो एक इंटेंशन के ऊपर आंसर कितना चेंज हो सकता है अगर इधर उस मालिया का इंटेंशन है कि इंडिया में ही जॉब करना है तो प्यारा है उसका इंटेंशन है ही नहीं इंडिया में जॉब करने का अभी उधर ही जॉब कर रही है प्यारो है एक दिन मन किया नहीं नहीं इंडिया में प्यारा है अगले दिन नहीं नहीं वापस जा रहा प्यारो है क्या टाइम पास चल रहा तो मेरे को बताओ ये प्रूव कैसे होता है ये थोड़ा सा मेरा अलग से हटके क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपका आंसर समझ गया अच्छा एक बार आंसर देख लो और मेरे को बताओ ये इंटेंशन कैसे प्रूव करूंगा मेरा क्वेश्चन ये आएगा आपसे वीजा ओके मन में सोचा हुआ कंटेक्स नहीं होता है समझ समझवेश करो ओके मैंने सोचा था जॉब करने के लिए जा रही हो ओके जॉब करने के लिए जा रहा हो ऐसा मैंने सोचा मैंने मन में सोचा खाली मैंने मन में अभी सोचा चल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं यार कंगारू कंगारू उधर जॉब करेंगे मत से इधर क्या है यार इधर क्या है जॉब है इधर कंगारू किधर है नहीं मिलता कंगारू 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 देखने के लिए कंगारू देखने में बहुत मजा आता है एक कंगारू का किस्सा एक है, मतलब आई फर्स्ट टाइम आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया इन 2015 फर्स्ट टाइम 2015 2016 का ईयर फाइनेंशियल ईयर ओके और तब शायद मैंने फेमा मतलब तब तो सी ए फाइनल लॉ पढ़ाता भी नहीं था सी ए फाइनल लॉ मैंने बताया सत्रह अठारह में चालू किया था तब तो पर सी ए फेमा इसीलिए पढ़ा था क्योंकि अपने को एक्सचेंज चाहिए थे और मेरा मेडिकल टर्म्स थे कुछ तो मेडिकल टर्म्स में अपने बस लिमिट से खर्चा करने के लिए क्या पॉइंट क्या कुछ क्या डिस्कशन देखना था सब पता करना था तो हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम तो पहले तो मेलबर्न गए मेलबर्न का तो डॉक्टर वॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद अभी मैं बोला उधर तक गया है तो घूम के आते हैं और इसीलिए मैं मनाली को और रितिका को भी लेके गया था मतलब ऐसा कि अपन चलते हैं वैसे तो खाली मेरे अकेले का ही पॉइंट था ओके तो मिलना था तो मनाली और रितिका आए थे तो हम लोग फिर आ, ब्रिस्बेन मेलबर्न ओके जो और एक क्या है सिडनी ये ये तीन चार सिटी और एक उसका एक ग्रेट बैरियर रीफ करके है ओके बहुत ज़बरदस्त है ओके okay, जहां पर वैली है वो अंडमान निकोबार जैसा ओके okay, टॉप वो टॉप में आता है ग्रेट बैरियर रीफ मस्त मतलब उधर स्नॉर्कलिंग और वाटर क्लीन मतलब जबरदस्त अंडमान अलग कॉन्सेप्ट है पर वो ग्रेट बैरियर रीफ अलग कॉन्सेप्ट है उधर कन्वर्जेशन मतलब वो जो कंजर्व करते हैं ना वो ओके okay, रिसोर्स को वो बहुत अलग है अपने इंडिया में कंजर्व मतलब अंडमान निकोबार है बहुत अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अंडमान निकोबार में स्नॉर्कलिंग किया बाई चांस या तो आपने स्कूबा किया या सी किया तो आपको ऐसे एनिमल्स को टच करने मिलेगा

हो सकता है कोई एकदम एक्सट्रीम पर लॉजिक ऐसा था तो ये डिफरेंट था तो ऐसे सब गए थे तो हम जब मैं हम लोग ब्रिस्बेन गए थे तो ब्रिस्बेन का एक जू में गए थे पहले मतलब ब्रिस्बेन के एक जंगल में भी गए सफारी में भी गए पर जू में गया था मैं पहली बार सबसे पहली बार और हमको क्यूरियोसिटी किसकी थी कंगारू की बचपन से मैंने कंगारू कंगारू सुना था देखा तो कभी नहीं क्योंकि अपने इंडिया के बहुत जू घूमे पर कंगारू मिला नहीं कभी और कंगारू में सबसे खास बात क्या थी पाउच का मालूम है ना पाउस क्या कॉन्टेट वो वैसे बचपन में रहता ना यार बैग लेके घूमता है कंगारू बैग लेके घूमता है कंगारू ओके अरे बहुत अरे मतलब था क्यों क्यूरसिटी रे ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे अपन तो यार वो तो देख के आवे तो फिर पहले मतलब मैं बोल रहा हूँ वो अपॉइंटमेंट खत्म हुआ ब्रिस्बिन पहुंचे सबसे पहले कंगारू देखने पहुंचे और उधर पहुंचे और उधर का कैसे मालूम है इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया में क्या रहता है मानो मैं आपको पता नहीं मेरे को आपका आइडिया नहीं पर राजस्थान में ऐसा होता है चना वना लेते हैं बंदर वंदर रहते झुंड में अब चना लेके बैठे हो बंदर पकड़ता है हाथ फिर एक एक खाता है फिर ऐसा काम करना ऐसे बंदर को फिर अपन देखते हैं इस तरह से ही कार्यक्रम है वैसे उधर ही कार्यक्रम है कंगारू का जब आप जू में जाओगे उधर किधर भी कोई भी सिटी में जाओ आप सिडनी में जाओ मेलबर्न में जाओ आप ब्रिस्बेन में जाओ कहीं पर भी सिटी में जाओ आपको जू मिलेगा और जू के अंदर कंगारू कंफर्म मिलेंगे और बाहर वो बेचते ठेले वाले रहते हैं ना वैसे वैसे बेचने वाले रहते हैं और वो सिंगदाना नहीं बेचते वो कुछ तो उनका कुछ खाने का कांडी वांडी जैसा आता है कुछ ओके okay, कुछ तो है वो कुछ खाते कांडी का कुछ तो वो लकड़ी वकड़ी जैसी लकड़ी रहती है वैसे छोटी छोटी वैसे लकड़ी का कुछ बनाया हुआ रहता है कंगारू खाते हैं तो वो आप खरीदो वो नहीं मतलब एक पाँच डॉलर के ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब पा मतलब वो ढाई सौ रुपये के वो मिल जाते हैं वो एक ऐसे छोटा सा पैकेट मिलता फिर जाने का फिर ऐसे पकड़ने का फिर कंगारू हाथ पकड़ता और खाता है ऐसे कंगारू रहता है तो फिर मैं मना मैं मना हम तो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हम बच हर तो इमेजिन करना बचपन का सामना सामने कंगारू और भाई तू देखे और कंगारू तेरा हाथ पकड़ के और क्या फील होगा रे मतलब अरे बहुत बहुत, बहुत ऐसा, ऐसा बहुत, हाथ पकड़ के खड़ा है और कंगारू खा रहा है मना लिया अपना उधर कर है। अरे का रही है घूम रही है भी भी उसको भी दे दिया था हाथ में हमने पकड़ लिया ले, ले, ले। उसने भी किया तो उसने किसके पकड़े बच्चे कंगारू तो वो रहते वो, वो, आप मतलब इट्स लाइक ए जू और कंगारू बहुत ऐसे बहुत एनिमल है मतलब जबरदस्त है वो फैमिलियर है ह्यूमन से बहुत वो उधर वैसे ही वो ट्रीट किए गए तो आ, मतलब उस ब्रिजबन में तो रितिका ने खिला दिया ऐसा हुआ फिर हम सिडनी में गए सिडनी के जू में गए तो, तो सिडनी तो के जू में, तो में रितिका खिला हम लोग ने फिर अभी कम्फर्ट आ गया था और रितिका मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब चार साल की धीरे चार साढ़े चार साल मतलब आधी जितना अभी है तो रितिका खिला रही थी वो कर रहा था तो दूसरा कोई कंगारू आया और वो खाने लगा रितिका ने उसको हट करके किया क्योंकि वो उसको बच्चे को खिलाना था तो कोई बड़ा आता ना वो अरे बच्चे को इसमें से ढापने का तो वो बड़ा तो वो वो रहा रितिका ने हौं हौं किया हाथ ऐसे उधर छक करके दिया <laughs> रितिका को आ गया वो। <laughs> हम लोग देख रहे फिर वो कब कव... उसने उसके बाद जिंदा भी कंगारू पे सिर्फ हमारे पीछे रही वो वो <laughs> नहीं कंगारू के बाद

आउटसाइड है तो मैं पूछ रहा था और ये मेरे को मेरे जीजाजी ने बोला था जीजाजी मतलब एक बुआ के वो बुआ के लड़की के हस्बैंड वो वो जब गए थे तो वो वो ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़े तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई तू जाएगा तो ये करना ये वो करवाता है वो बच्चे को सबके बच्चे को करवाता है ऐसा कुछ और इलिगल नहीं है वो उधर के उधर के इसमें वो प्रोसेस है तो बस उतना है कि वो ऑफिशियली नहीं है ओके तो सर पर फोटो वोटू खिंचवाते हैं शेयर करते हैं सब लोग करते हैं तो रितिका को जब बिठा मतलब बोला था मैं अभी अपने को तो बिठाएगा नहीं तो फिट भी नहीं नया <laughs> तो नया तो, तो गई नहीं रितिका इतना ये हुआ था कंगारू का भाई तो आज भी याद है मतलब वो याद आ गया भाई मतलब और मतलब उसके इसमें ना वो जू का फोबिया बैठ गया फोबिया रहता उसके बाद उसको जू में किधर भी लेके गया उसके बाद मैं मतलब मैं जिधर भी लेके गया उसके बाद ना वो जाती नहीं है मतलब वो नजदीक ही नहीं जाती है उसके बाद वो कुत्ते से भी डरने लगे पहले मोंटी मोंटी मेरा जो मॉन्टी था उसके साथ वो जितना चाहिए उतना खेलती थी उसके बाद तो उससे भी डरने लग गए वो एक प्रोसेस हो वो, वो होने के बाद उसको लगा क्या भाई हर जन हम गया अभी तो वो हर जगह हर जगह ऐसे दूर भागती है ऐसे तो टच करने को भी डर लगता है उसको किसी को भी ठीक है अभी ठीक है अभी क्या मैं बोला मार खाइए तो खाइए भाई मैं बोला उसको बोला तेरा पिछले जन्म का कुछ बाकी रहेगा तूने उसको मारा होगा जिस जना में उसने चुकता कर लिया मैं बोला तेरी मार खिलाने के लिए मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा मैं बोला खर्चा कर उसको अभी छेड़ता हूँ ना तो वैसे ही बोलता हूँ तेरा मार खिलाने के लिए मैं गया ऑस्ट्रेलिया ऐसा फिर मेरी बेटी डायलॉग मारती है ओके डायलॉग मारती है कि पापा मेरे को ये बताओ आप सी ए बने तब कितना कमाते थे फिर मैं एक अमाउंट बोलता हूँ मतलब ऐसा था बारह चौबीस लाख के रेंज में फिर बोले आपकी शादी हुई तो आप कितना कमाते थे तो मैं बोला बारह चौबीस लाख के बीच में ही था ऐसा हुआ ओके फिर मैं आई उसके बाद कितना हुआ तो बोले जो एडिशनल पैसा है ना वो मेरा है ऐसा है बारह साल के मतलब अभी अभी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से जब से वो कोविड कुवे, कोविड के बाद वाला डिस्कशन और वो डिस्कशन यूजुअली होता है ना कैजुअली उसने वो पकड़ लिया और यूजुअली ऐसा ही होता है ना क्योंकि जब तक मैं कमा रहा था तो मेरे जितना पैसा मतलब मेरे को आ रहा था फिर मना लिया ही कुछ बड़ा नहीं खर्ची हुआ पर ठीक है <laughs> पर वो लाजिक रहा और ऋतिकाई उसके बाद तो भाई वो स्केल बहुत भयंकर स्केल अप हो गया क्योंकि अगर स्केल अप होना होता तो अपने साथ जब थे अपन तब तभी स्केल अप हो जाता मतलब ये मेरा मानना है अभी वो हर जन अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है 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 मेरा मानना होता है कि नसीब उसके? उसके <laughs> तो अगर आप ये डिबेट करोगे सर, मैं इसको मानता ही नहीं कि ब्रिटिश एयरवे मैं इंडिया एज्यूम करके मैं आंसर लिखू तो, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उनका इंटेंशन अगर ये बता रहे बेस में रुके हुए हैं नॉर्मली सिक्योरिटी है ये सब लिखना है ना तो ये बहुत दिक्कत वाला है तो जब उनका इंटेंशन ये रहेगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना एम्प्लॉयमेंट तो, okay, okay, तो ब्रिटिश एयरवे में ही है ना ओके इंटेंशन आत्मा क्लियर अच्छा बताओ चारो में क्या समझा आंसर कैसे लिखोगे आप पहले प्रोविजन प्रोविजन में जो भी लिखोगे क्या लिखोगे डेफिनेशन ओके okay, अब मेरे को खाली इतना बताओ जो मैं एक पॉइंट रह गया टॉय इंडिया नहीं अरे टॉय लिमिटेड में काफिनेशन का मैटर का? का करेगा तो, तो, तो इसमें क्या लिखना होगा इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन माना जाएगा तो उसके अंदर आप लिखोगे कंपनी इन इंडिया एनी ब्रांच और ऑफिस और एजेंसी कंट्रोल्ड इंडिया, एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी कंट्रोल्ड बाय पी आर आउटसाइड इंडिया दे आर पी आर आई ना बस खत्म, और उसके बाद फिर आपका आंसर कंट्रोल समझ आया इसमें लिखते बस बैठना कोई रिलेवेंस नहीं बनेगा ओकेजेपन मालिक ओके ध्यान रखिए दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड विदिटेंट स्टेट मेरे ख्याल से रेजिटेंट एटेस क्लियर है क्या ऐसा हो सकता है एग्जामिनेशन में लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बताया फर्स्ट okay, दिसंबर को वापस इंडिया से बाहर गया ओके okay, जो बिजनेस था मेरा बाहर ही है और फर्स्ट जनवरी को ओके okay, बाहर का बिजनेस बंद करके मैं वापस इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए समझे तो आपको चार अलग अलग डेट है फर्स्ट अप्रिल को पी आर ओ आए फर्स्ट ऑगस्ट को भले वापस आया तो आए समझ में फर्स्ट जनवरी तो में, में जब वापस इंडिया में आया पी आर आई दे देंगे क्यों इंटेंशन वापस बोल रहा हूं इंटेंशन याद रखना है इंटेंशन और आपको मैंने अभी बताया मतलब रितिका की स्टोरी के पहले मैंने डिस्कशन किया मैंने आपको क्लियर बताया इंटेंशन कैसे मानू पड़ता है

वीजा लग गया पर मेरा तो भी है, मालिक एवरीबडी ठीक है को तोड़ बढ़ाते okay, सेक्शन में नहीं करवा रहा हूं अभी हाल फिलहाल ओके okay, मेरा okay, three, four, अभी इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर ओके दैट इज विद रिस्पेक्ट टू थ्री फोर इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है थ्री और फोर वाला पॉइंट ये अपन बाद में देखेंगे थ्री और फोर को ठीक है अपन थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में देख रहा है तो बस इतना आइडिया दे दू

ऑनलाइन पर्टर लोग सबका एजेंडा क्लियर अभी वापस बोल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में घुस रहे हो अच्छे से घुसी मालिक और अच्छे से ध्यान रखिए ओके सारी आत्मा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के डेफिनेशन को पढ़ेगी सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन पे आ जाइए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है ओके कहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन पे आइए डेफिनेशन पेज नंबर क्या है थ्री पॉइंट टू ओके ऊपर थ्री पॉइंट टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़िए मालिक तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जब भी आपने अभी रीड किया मेरे ख्याल तो अगर आप पी आर आई के कंटेक्ट में देखोगे और पी आर आई कंटेक्स में देखोगे तो आपको कैपिटल अकाउंट अकाउंटेक्शन डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क मिलेगा अगर पी आर आई के कंटेक्स में देखोगे तो पी आर आई के तो कंटेक्स में उस बंदे का एसेट्स लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिन्यूट लाइबिलिटी अगर ये चेंज करता है पर कहा पर आउटसाइड इंडिया उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर कोई बंदा पी आर ओ आई है और उसके एसेट्स और ओके देखना लाइबिलिटीजन लाइबिलिटीज नहीं है उधर ओके ओके आप पढ़िए पढ़ते एसेट्स और ओके, वो किसके चेंज होते हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट इन इंडिया उसको हम बोलेंगे कौन से ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बहुत मैटर करता है मालिक क्योंकि याद यार मालिक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माने जाएंगे

ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया और लाइबिलिटी ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया बैठे इसको ऐसे ट्रांजेक्शन को यानी एग्जांपल मेरे को बताओ अगर मैं पीआरआई आर हूं और आपको पीआरआई और पीआरआई कौन है ये आपको समझ में आ चुका है इवन कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा वो क्या बन जाएगा रहेगा तो उसका उसका अलग कॉन्सेप्ट रहेगा और अगर मैं पी आर आई की बात कर रहा हूं उसका अलग रहेगा मालिक मेरे को तो बताओ अगर पी आर आई हूं मैं अगर कौन हूं और मैं इंडिया में कुछ कर रहा हूं ओके okay, क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम है आरबीआई को कोई लेना देना नहीं क्योंकि आप तुम क्या कर, कर रहे हो रुपीज में कर रहे हो रुपीज में ट्रांजेक्शन कर रहे हो रुपीज में और रुपीज में ट्रांजेक्शन कर रहे हो बात खत्म ओके अब मेरे को बताओ बाहर कुछ ट्रांजेक्शन कोई बाहर वाला बाहर कर रहा है कोई लेना देना है कह रहे ओके ओके okay, कोई कोई लेना देना नहीं है, okay, बोलते है मैं क्यों इसमें करूं okay, कर कर रेगुलेट क्यों करना चाहिए क्योंकि देखिए इंडियन रुपीज अभी तक फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है जिस दिन इंडियन रुपीज फ्रीली कन्वर्टेबल हो जाएगा उसका अच्छा फ्रीली कन्वर्टेबल मतलब क्या मतलब इसका इंटरप्रेशन बहुत अच्छे से रखना मालिक नहीं तो बहुत जन मेरे को इधर ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं कोई इधर मन में कर रहा होगा सर मैं अगर मैं कोई भी कंट्री में जाऊ और उधर रुपीज दू तो मेरे को डॉलर मिल जाएंगे ना या उधर की करेंसी भी तो मिली जाएगी इसको कन्वर्टेबल नहीं बोलते कन्वर्जन बोलते हैं okay, ओके जो मैं फ्रीली कन्वर्टेबल फुल्ली फुल्ली कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल जो मैं बोल रहा कन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या है मैं रुपीज दूंगा उधर के कोई सब्जी मंडी में वो रुपीज मिलेगा मेरे को बताओ अक्रॉस वर्ल्ड कौन सी करेंसी तोड़ चलती है बात खत्म दैट इज फुल्ली कन्वर्टेबल फुल्ली कन्वर्टेबल डॉलर इज फुल्ली डॉलर लेने को रेडी है कोई दिक्कत नहीं है अपना रुपीज दिया वो रुपीस नहीं रुपीस को क्या करेगा मुझे क्या दो या तो उधर की करेंसी दो लोकल या तो डॉलर दो दब तक इंडिया की पोजिशन ऐसी नहीं आती तब तक आपको यह रेगुलेशन करने होंगे जिस दिन इंडिया की पोजिशन ऐसी आ गई हर जगह रुपीज चलने लगा ओके okay, मैं बता रहा हूं आधे रेगुलेशन खत्म है क्योंकि आप फिर तो रुपीज दे, आ, कमाओ इधर एग्जाम्पल मैंने ये बैच ली बैच के बाद मैं दुबई में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करूं क्योंकि उधर क्या देने वाला हूं मैं धीरम नहीं अगर मैं रुपीज फुली कन्वर्टेबल हो गया तो रुपीज देने वाला हूं ना तो मेरे को रेगुलेट क्यों करेगी फिर देखो मेरे को बताओ ओके okay, मेरे को एक चीज बताओ मैं इधर का इधर कोई ट्रांजेक्शन करता हूं ओके okay, इधर नीचे जाता हूं कुछ ट्रांजेक्शन करता हूं या इधर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूं मेरे को बताओ फेमा आ रहा है क्या आरबीआई आ रहा है क्या क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रांजेक्शन में दे रहा हूँ रुपीज में वो ले रहा है तो भी वो रुपीज नहीं लेगा वो क्या करेगा कन्वर्ट अभी आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट रुपीज दूंगा वो खुद कन्वर्ट कर रहा है ये चोमू पर मत कर तुम समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं इंटरप्रिटेशन ओके पॉइंट याद रखो उधर मेरे को डॉलर देना पड़ेगा ना तो मैं किसके पास जाऊंगा मेरे को बताओ आरबीआई चाहिए

Oh, वो पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट है मेरा एक दो साल है उसमें से दूसरा साल अपना सी है जो मैं बताता हूँ हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ और एक साल है बड़ा साल मतलब बड़ा साल मतलब मेरी वाइफ से छोटा है मेरी वाइफ सबसे बड़ी है तो बड़ा साल मतलब उन दोनों के कंटेक्ट में रिलेटिव टर्म लेना तो मेरा बड़ा साल जर्मनी जा रहा है जो जर्मनी में जर्मनी में जॉब लग गई है ऑल टुगेदर वो रिसर्च में है यानी जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ओके okay, वो मतलब वो मशीस बनती है सॉफ्टवेयर बनता है सॉफ्टवेयर कैसे काम करना चाहिए क्या करना चाहिए ओके okay, कैसे एंगेजमेंट बना सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है उसका पीएचडी का कोर्स है पीएचडी का कॉन्सेप्ट है कि भाई ये कैसे वर्क करना चाहिए उसका बैकग्राउंड कैसा है एग्जाम्पल एक्सरे मशीन होती है स्कैन मशीन होती है उसका रिसर्च वाला बंदा है वो ओके okay, इंडिया मतलब वो उसको वो डिग्री करके किया क्या मेरे को सब, मतलब इंडिया में तो कुछ हो गया ना होने वाला नहीं उसका तो अब वो जर्मनी गया ओके okay, जर्मनी अब वो जा रहा है कब जा रहा है दसरे के दिन जाएगा वो ओके okay, दसरे के दिन जा रहा है वो जर्मनी अब मेरा बताओ उसका इंटेंशन भी वो पीआर आए है उसने वीजा ले लिया है लेकिन जर, दसरे के दिन जिस दिन जा रहा है उसके अगले दिन से वो क्या बन गया पी आर ओके अब उधर जाके वो किसमें कमाएगा जर्मनी में क्या होता है जर्मनी फ्रेंच यूरोस यूरोज ही होता ना यूरोज ही समझते जर्मनी का कुछ होगा उनका करेंसी अपने को क्या लेना देना हिटलर गया था ओके okay, लेकिन भाई यूरोज ही समझते अपन तो अब मेरे को बताओ यूरोज में कमाएगा ओके अब मेरे को बताओ वो यूरोज में उधर कमा रहा है और उधर के उधर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है अच्छा उसको स्टेटस पसंद दिया मेरे को ये बताओ पहले पीआरआई दे दिया तो अब मेरे लिए रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अगर यूरो में कमा रहा है और उधर ही यूरो में डाल रहा है कोई प्रॉपर्टी में आरबीआई को क्या लेना देना क्योंकि आरबीआई के लिए वो कौन है आरबीआई को कब प्रॉब्लम होगी जब वो पी बनेगा इंटरनेशन समझ में आ रहा है तो बाहर वाला बाहर वाला डाल रहा है वो डॉलर का लेगा डॉलर में डालेगा कोई लेना देना नहीं है लेकिन लेकिन आप इमेजिन करो वो डॉलर में डॉलर है उसके पास

और इसी लॉजिक को तो अपने को बैठाना है ओके जब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है नंबर ज्यादा मतलब लिमिट्स अमाउंट सब जगह याद रखना पड़ेगा ओके ऐसे तीन लिस्ट रहेगी जिसकी बड़ी बड़ी लिस्ट उसके कुछ एक्सेप्शन रहेंगे उसके कुछ अमाउंट रहेंगे और तीन लिस्ट के बाद और एक चौथा पॉइंट है मतलब ऐसे चार लिस्ट बनेगी और चौथी लिस्ट में ओके एक कुछ अमाउंट का क्राइटेरिया रहेगा ऐसा मतलब वो लिस्ट बहुत बड़ी है पहली लिस्ट बहुत आसान है पहली लिस्ट कल सुबह चालू करेंगे पांच मिनट के अंदर तू तूसे रट लेगा दूसरी लिस्ट में आएगा तेरा दर्द दर्द होगा सीना ओ भाई साहब सर की तो लग गई फिर तो स्ट्रोक ही आता चौथी देश के बाद ओके ये याद रखना अरे फाइनल को आता तो तू तो इंटर है भाई ओके अपने को ये है और उसमें मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है खाली अपने को अमाउंट टर्म्स ईयर कौन से साल के लिए ये सब है और ये सब सिलेबस तो अब इसका इंटरवेक्शन ऐसा मत करना मतलब मा, मा कसम कल नहीं आने का कल आने का आराम से होगा टेंशन मतलब अरे सामने है ना मैं तोड़े ना फिर क्यों टेंशन रहा है Okay. क्या? कल क्या कल छुट्टी है नहीं छुट्टी ले सकते अपन कभी भी आपको बस उठना नहीं है सुबह नहीं आप सुबह अलार्म मत लगाइए बस छुट्टी छुट्टी अपने ऊपर ही है ना यार ओके okay. मेरे को बताओ मैंने कभी तुमको ऐसे दर्द दिया है अरे बहुत अच्छा अच्छा प्रोफेसर है अपन ऐसे कभी कुछ नहीं करता क्या नहीं सीरियसली नहीं, नहीं करता पर बस जिस दिन बजाता उस दिन तोड़ बजाता पर वो अभी तक टाइम नहीं आया आपके मैच में ठीक है अच्छी किस्मत है हाँ मतलब सटकी नहीं अभी तक वो सटकने वाली पोजिशन आई नहीं अभी तक है यार हाँ अच्छे बच्चे <laughs> <laughs> अच्छे बच्चे <laughs> कभी कोई नहीं आता कभी कोई नहीं आता कभी कोई नहीं आता तुम लोग एंसर करते हो कि तुम सब साथ में ना हो ताकि ये ऐसा सर को मौका ना मिले ऐसा है। <laughs> कोई ऑनलाइन बैठ जाता है कोई इसमें बैठ जाता है ओके okay, रोहन भी चला गया रोहन तो बीच में आधे टाइम तो बीमारी था अभी वापस <laughs> रशिया चला गया ओके <laughs> okay, तो अब सीन ये है मेरे को बताओ कौन से ट्रांजेक्शन अपने को कंसर्न कर रहे समझ में आया ओके okay, देखो जिस दिन मेरा साला वापस इंडिया में आएगा ओके okay, वो मम्मी से मिलने आया उसके मतलब मेरी सासू जी से ओके okay, उसका स्टेटस पक्का क्यों इंटेंशन ओके okay, वापस मिल के निकल गया ओके खत्म पी आर ओ आई ही चल रहा है वो जिस दिन अभी अभी वो पी आर ओ ही रहेगा फेमा के लिए इनकम टैक्स के लिए नहीं का मत करो फेमा के लिए कौन रहेगा ये पी आर ओ आई तो अब ये जिंदगी में फेमा के लिए पी आर आई कब बनेगा जब वो इंडिया में बिजनेस करने के का समझा मालिक और अगर वो पी आर ओ आई है तो मैं आपको बताऊँ वो जमीन नहीं खरीद सकता एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता निधि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता चिट फंड नहीं बना सकता चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता चिट फंड वाले इंटरेस्ट मतलब ये कर नहीं सकता ओके तो फार्म हाउस में नहीं इन्वेस्ट कर सकता ओके एग्रीकल्चर तो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन इसमें नहीं कर सकता एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्लांटेशन मालूम है ना वो रबर वो पहाड़ी वाली चाहिए पानी फ्लो होना चाहिए टी वाले कॉन्सेप्ट प्लांटेशन बोलते उसको इसमें नहीं कर सकता अभी वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता कर ही नहीं प्रोहिबिटेड है आरबीआई से पूछ के करना ऐसा नहीं है प्रोहिबिटेड है तो सर बाकी कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं फिर आरबीआई से पूछना क्या नहीं करना यही तो डिस्कशन अपने को करना है अभी तो अपना एजेंडा क्या है इसी लिस्ट को याद रखना आत्मा क्लियर तो आपको लिस्ट पे जाने के पहले मैं बता सेक्शन है ओके देखो थ्री फोर फाइव सिक्स ये तीन चार सेक्शन याद रखो तीन चार पांच सेक्शन तक अपने सिलेबस में है। अपना है है कैपिटल अकाउंट अपना फिर कौन सा होगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आज कौन सा कर रहे हैं सिक्स लेकिन मैंने आपको कल बताया था सिक्स में ओके okay, सेक्शन से ज्यादा एक्सटांड रेगुलेशन मैटर करते हैं और रेगुलेशन की लिस्ट आपको याद रखनी होगी तो बढ़िया से ओके okay, बढ़ते हैं मालिक मेरे ख्याल टेक्निकली पॉइंट बता रहा हूं ओके अब इसको आप ये शीट्स में आ, कौन से पेज पे कैपिटल अकाउंट थ्री पॉइंट टू टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अब कुछ भी मत करो चाहिए तो आप लिखना चाहते हो आप लिखते रहिए नोट्स को बाद में देखिए नोट्स को एक बार गो थ्रू बाद में कर लेना फटफट -फट हो जाएगा बस अगर आपने यहां पर ध्यान अच्छे से दिया तो तोड़ रट जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ झेप जाएगा सबसे पहले मैं बता देता हूं सेक्शन सिक्स कौन सा ट्रांजेक्शन डील कर रहा है सारी आत्मा मेरे साथ सेक्शन सिक्स कौन सा ट्रांजेक्शन डील कर रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का भी शॉर्ट फॉर्म लिखते अपन लेकिन सेक्शन सिक्स बोला मतलब कैपिटल फाइव बोला तो करंट फाइव और सिक्स में डिफरेंस याद रखना एवरीबॉडी क्लियर

लेकिन यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहता है वो ऑथोराइज पर्सन के अलावा कर ही नहीं सकता लेकिन जब वो ऑथोराइज पर्सन से करेगा उसको सिक्स टू का ध्यान में रखना पड़ेगा वो जब ऑथोराइज पर्सन से करेगा उसको किसका ध्यान रखना पड़ेगा तो मेरा पहला पॉइंट ओके वन क्या बोलता सब्जेक्ट टू क्या बोला मैंने सब्जेक्ट टू क्या सिक्स टू पहला पॉइंट सब्जेक्ट टू सिक्स टू ओके अगर पर्सन कोई भी पर्सन है कोई भी पर्सन है ओके ही मे

Through ऑथराइज पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिक्स वन क्लियर है मालिक तो सिक्स वन क्या बोल रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है आराम से देखिए सिक्स वन बोलता है सब्जेक्ट टू सिक्स टू यानी सिक्स टू में तो कुछ प्रोविजन होंगे कंडीशन होंगी उसको ध्यान में रखते हुए ओके okay, आपको यह ध्यान रखना होगा कोई भी पर्सन है ओके okay, अगर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहता है और वो उसके लिए फॉरेन करेंसी या तो सेल करना चाहता है सेल मतलब बाहर वाला सेल करेगा ओके okay,

आराम से जाइए आराम से जाइए बस आराम से क्लोज करिए इसको मैं वापस बोल रहा हूँ मेरे को इसमें टाइम पास नहीं किया वापस ओके मैंने आपको ये पहले दिन भी बताया था अगर आपको याद होगा डे वन पे ओके अपना कंपनी एक्ट तो है ही अपना प्रोसेस लेकिन अगर आप देखोगे अदर लॉ में आप क्लास के क्लास में खत्म करने की संभावना रख सकते हो तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे तो ध्यान रखिए मेरे ख्याल से पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत अगर आप साथ साथ में लिखना चाहते हो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लिखना है नहीं लिखना है तो शीट तो वैसे ही शेयर करूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं है ओके तुम्हारे ऊपर है नींद आ रही होगी तो लिखो क्योंकि ऐसा होता है कि नींद आती है खाली मैं बड़बड़ बड़ करते रहता हूँ तो इट में पॉसिबिलिटी नींद आने की संभावना हो सकती है क्योंकि आपका ऐसा है कि फिर बाद में मैं कुछ वर्ड बोलूंगा और सारा उड़ जाएगा तो भाई नींद आने की संभावना है तो आप ऐसा लिखिए तो भाई सिक्स वन क्या बोलता है सब्जेक्ट टू ओके पर्सन मे सेल और ड्रॉ क्या फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथरसन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ओके भारत माता मत छेपा मालिक बड़े आगे

पर फाइनेंस एक्ट 2015 ने ओके okay, सर मैं आपको दूं फाइनेंस एक्ट 2015 के पहले अच्छा ये एक्ट कब आया कौन से ईयर में 1999 99 के बाद ये सारे पावर्स किसके पास दिए थे आरबीआई फाइनेंस एक्ट 2015 ने कुछ पावर अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ओके दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला मैंने फाइनेंस एक्ट ने कुछ पावर्स किसके पास दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से एक्ट ने 2015 पर उसकी एप्लीकेबिलिटी 2015 में नहीं हुई 2019 से हुई यानी 2019 के पहले तक आ, 2015 में आया लेकिन उसको एप्लीकेबल कब से एक्ट में डाला था कि ऐसा ऐसा यह अभी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्या है वो बता रहा हूं ऐसा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ओके 2015 के एक्ट में डाला गया फाइनेंस एक्ट लेकिन एप्लीकेबल कब से माना गया 2019 तो 2019 के पहले तक क्या होता था सारी चीजें कौन करता था अरे 2019 के बाद मैं रहा, 2019 बोल रहा है अपन डेट बोल रहा है लेकिन फाइनेंस एक्ट ओके तो 2019 के पहले कर थी, 2019 के बाद कर पावर किसके दोनों जन के पास कौन दो एक्ट 2015 बोलता है जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के कंडीशन होंगे जो भी डेप्टिलेट इंस्ट्रूमेंट के कंडीशन होंगे वो आरबीआई देखेगी जो भी नॉन डेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इंस्ट्रूमेंट्स नॉन डेट इसके देख ले इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट इमुअल फिर भी आरबीआई के पास ही है जो उन्होंने बोला है इंस्ट्रूमेंट okay, जब मैं इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूं तो खाली इंस्ट्रूमेंट पाई है इंस्ट्रूमेंट में दो चीज है एक डेप बेस्ड एक है नॉन डेट बेस्ड समझ में एक डेप्टेस्ट इंस्ट्रूमेंट एक है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट ओके तो यह फाइनेंस एक्ट दो हजार पंद्रह ने बोला अगर ये instrument है आरबीआई तू ध्यान रख लेकिन अगर ये नॉन डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है कौन ध्यान रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी ध्यान रखेगा ये बताएगा बताएगा कौन कौन इसके बारे में terms and condition कौन बताएगा? CG. इसको कितना कितना कर सकते हैं लिमिट रख सकते हैं कौन बताएगा सीजी इसके टर्म्स एंड कंडीशन कौन बताएगा सीजी इसकी एक लिमिट होगी वो कौन बताएगा सीजी कौन से वाले नॉन डेट लेकिन डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का कौन बताएगा आत्मा क्लियर लेकिन जब भी आंसर लिखोगे आप एक चीज दिमाग में बिठा के रखना अगर मैंने आरबीआई बोला तो हमेशा ऐसा होगा आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी और अगर मैंने बोला सीजी सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई नहीं समझा 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 यानी खाली पहला नाम उसकी औका जिसकी औकात है तो आपको हर जगह पहला नाम किसको रखना है आरबीआई मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं करंट में अलग अलग क्राइटेरिया है करंट में अलग अलग क्राइटेरिया है कैपिटल अकाउंट में आप ऐसे ही रखो अभी करंट में भी ऐसी लेकिन पावर अलग अलग है तो अगर मैं बोल रहा हूं पावर आरबीआई के पास है तो आरबीआई टर्म्स एंड कंडीशन कैसे डिसाइड करेगी आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी समझ में आया क्या मेरे भाई अगर मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होंगे गेंग ना वो टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा आरबीआई ओके वो आरबीआई अपने आप करेगा क्या नहीं इन कंसल्टेशन विद सीजी समझ में आया ओके कंडीशन क्या होगी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिमिट्स क्या होगी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी और कुछ कंप्लाइंट करने क्या ये कौन बताएगा आरबीआई किससे पूछ के समझ में आया लेकिन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट नॉन डेट बेस इंस्ट्रूमेंट रहा तो कौन बताएगा सीजी अपनी मर्जी से नहीं कंडीशन okay, बताएगा फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मेरी बात मान सुन कंसल्टेशन विद सी आरबीआई इन कंसल्टेशन सीजी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेट इंस्ट्रूमेंट समझ में आया आरबीआई किसके लिए बताएगा फॉर सारे सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेप्ट नॉन डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट उसका अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए कौन बताएगा सीजी उसके लिए आरबीआई का आरबीआई क्या बताएगा तो सिक्स टू क्या बोलता है वापस रिपीट कर रहा हूं मैं सिक्स टू आरबीआई इन कंसल्टेशन विध सी जी प्रोवाइड द क्राइटेरिया और फॉलोइंग थिंग्स ओके फॉर ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डेट बेस्ड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नॉन डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आत्मा क्लियर ओके सर वो क्या बताएगा तीन चीजें पहला ये पहले बताएगा सेकेंड वो ट्रांजेक्शन करने की लिमिट्स क्या होगी क्या होगी लिमिट्स एंड तीसरा पॉइंट बताएगा टर्म्स एंड कंडीशन तो मुझे तीन चीजें चाहिए क्या तीन चीज देखिए Permissible कौन सा परमिसेबल कौन सा नहीं है के एक रुपया नहीं खर्च कर सकते। और इसके अंदर एड करोगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कुछ हो रहा होगा तो किसके लिए अपने लिए अपन बाहर जाएंगे बताओ बाहर अगर कोई डॉलर लेके आ रहा है उसको लिमिट देंगे क्या अरे ला रे भाई दे बाहर वाले को तो अपन तो देंगे ना अपने को तो चाहिए ना बाहर लेके जाने के लिए तेरी लिमिट एकदम क्लियर है कितने है। लाख 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 और ये भी। ये ये सबसे, ये करंट करंट अकाउंट अकाउंट भी सबसे सब सम किया जाता है सब कुछ अकोमोडेट किया जाता है ढाई लाख की लिमिट है किसने बताई लाख की लिमिट आरबीआई लॉजिक बैठा गया मालिक कुछ तो मेरे को बताओ क्या क्या बताता है आरबीआई तीन चीजें सबसे पहले परमिसिबल ट्रांजेक्शन यानी ये परमिसेबल है नहीं परमिशिबल है सेकेंड पॉइंट

लेकिन ये कब से आया 2019 के बाद 2019 हजार के पहले क्या लिखा होगा आरबीआई में में विल डिफाइन ऑल कैपिटल अकाउंट समझ आया तो मेरे को बताओ सीजी के पास पावर दिया नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में कौन से एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2015 लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ 2019 एमसीक्यू अपन कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रिपेयर करने का भाई इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि सिलेबस इतना छोटा है

कौन से वाले नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट याद रखने पड़ेंगे आपको मालिक तो सिक्स टू और सिक्स टू ए क्लियर है तो सब चीज याद रखो जब सिलेबस बड़ा होता था तो मैं इग्नोर करता हूँ कुछ कुछ चीजें अगर आपने देखा होगा चैप्टर इग्नोर किए मैंने ओके, जब तो सब तक छोटे चल रहे तब तक सबसे ही दो सेक्शन तो याद रखने को थ्री फोर फाइव सिक्स है लेकिन थ्री फोर पंचायती है

वो अपने को समझना है तो अब मेरे को बताओ सिक्स टू क्या बोलता है सिक्स टू क्या बोलता है सिक्स टू बोलता है आरबीआई पावर आरबीआई पावर पावर आराम से पावर ओके टू किसके साथ में इन कंसल्टेशन विथ सी जी इन कंसल्टेशन विथ सी जी टू स्पेसिफाई बता किसको टू स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई करता है टू स्पेसिफाई परमिसेबल क्या परमिसेबल क्या परमिसेबल ट्रांजेक्शन समझा क्या दूसरा पॉइंट क्या लिमिट्स और तीसरा पॉइंट टर्म एंड कंडीशन फॉर फॉर ये फॉर किसके लिए है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स समझ में कुछ आया ठीक है लेकिन सिक्स टू ए क्या बोलता है सिक्स टू ए इसका रिवर्स लिखना है मेरे को बताओ क्या लिखना है क्या लिखोगे सिक्स टू ए में सी जी पावर इन कंसल्टेशन विथ सबको टू स्पेसिफाई आगे वाला आंसर सेम है मालिक टू स्पेसिफाई कितनी चीजें तीन कौन सी तीन चीजें मिसिबल ट्रांजेक्शन लिमिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन बस इधर फर्क क्या होगा किसके लिए फॉर इंस्ट्रूमेंट अदर दैन नॉन डेट अदर देन डेट सॉरी सॉरी अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट अदर दैन डेट ऐसे लिखा हुआ है जेपा गया मालिक तो मेरे को लग रहा है और 15 2019 के ही हुआ. इधर नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं आगे बता रहा हूँ आगे बढ़ा रहा हूं तो आपको लिंक कर दूंगा तो मेरे ख्याल से इधर तक आया तो मेरा क्वेश्चन है सर इसके पहले फिर मेरे को बताओ 2019 के पहले 2019 के पहले क्या होता था अच्छा ये पहले लिख लो लिख लिया ठीक है लिखा गया जिसको लिखना है लिख लो नहीं लिखना है कोई टेंशन नहीं है साथ साथ में अपडेट कर रहे अपन ये ओके मतलब ऐसा कोई अपडेट करने के लिए मैंने बोला नहीं तुमको नींद आ रही है तो लिखो कंपलसरी नहीं है तुमको नींद नहीं आ रही है तुमको अच्छे से ध्यान आ रहा है तो भाई मेरे साथ इंटरेक्ट करो ओके okay, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ओके okay, तो इसका मतलब मेरे को बताओ 2019 के पहले सारे ट्रांजेक्शन कौन डील करता था आरबीआई तो मेरे को बताओ ओके भाई साहब ओके लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कौन से परमिसेबल है कौन से परमिसेबल नहीं है कौन बताता RBI, 63 में वो लिस्ट थी सिक्स थ्री में क्या थी बेटा लिस्ट कौन सी लिस्ट थी लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सर क्या ये लिस्ट अपने पास है क्या आंसर इज नो बिकॉज इट इज डिलीटेड डिलीटेड फ्रॉम पंद्रह अक्टूबर 2019 15 अक्टूबर 2019 इसके साथ में लिंक है समझ में आया क्या जब ये एक्ट आया पर इसकी एपेलिबिलिटी नहीं आई इसकी कब okay, से का का आई? तो है है। आपके दो अलग अलग क्राइटेरिया की है, है ही नहीं।, तो नहीं, नहीं आत्मा क्लियर ठीक है ओके okay, सिक्स टू और सिक्स टू ए में एक प्रोवाइज था जिसमें मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जिसको मैं आगे लिस्ट में डिस्कस करूंगा ओके okay, उसके ऊपर इसका एक प्रोवाइज है सिक्स टू का सिक्स टू का एक प्रोवाइज है जिसमें आरबीआई कुछ भी कर ले हुए कोई ताकत नहीं है कि उस पर कंडीशन डाल सकती है ओके okay, सर कौन सी अमोर्टाइजेशन ऑफ ऑफ लोन एंड अगर डेप्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है या अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हो रहा है उस केस में ओके okay, आरबीआई कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकती अब ये क्या होता है थोड़ी देर के बाद समझाता एग्जाम्पल आपको ये सब एग्जाम्पल के बिना समझेगा नहीं भाई ये हो क्या रहा है बैलेंस शीट कैसे हिल रही है ये पॉइंट है तो इसके ऊपर मैं बोला इसको छोड़ दो इधर का इधर का एक प्रोवाइजर छोड़ा है समझ में आया आपको ठीक है सिक्स थ्री में कोई दिक्कत ठीक है सिक्स फोर और सिक्स फाइव ओके सबसे बेहतरीन और ये समझो और इसको लिखने का तरीका फिर मैं बताऊंगा की वर्ड्स को याद रखने के लिए बाकी तो समझने के लिए बहुत आसान है देखो समझो मैं अभी कौन हूं पी आय ओके मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया काम धंधे के लिए मैं क्या बना प्यारा है क्या मैंने डॉनर्ड में कमाए हैं अब मेरे को बताओ डॉलर में होंगे तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदा होगा मैंने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदा समझ में कुछ आ आया ओके okay, मैंने चार साल पांच साल ऑस्ट्रेलिया में रहा उसके बाद मैं वापस इंडिया में आया ओके मैं इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए मैं क्या बन गया पी आर आई बन गया लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में मेरा घर अभी भी है अब मैं इंडिया में आया तो वो घर को, को बेचना चाहता हूँ वो घर को बेचना चाहता हूं और घर को बेच के नया घर लेना चाहता हूँ वही घर के पैसे थे वही घर के पैसे थे ऑस्ट्रेलिया में ही अरे इंडिया में लेना तो मेरा केंशन है मैं बोल रहा हूं वो घर को बेचना चाहता हूं मेरे को बताओ क्या मेरी बैलेंस शीट हिल रही है यस यस नया घर खरीदना चाहता हूं हिल रही है अब है अब क्वेश्चन ये क्या इसके लिए आरबीआई को पूछना पड़ेगा आरबीआई बोलती है 64 के अंदर पूछने की जरूरत नहीं है यानी अगर कोई पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सुनिए मेरी बात अगर कोई पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उसने कमाया था जब वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया था उसने कमाया था जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था उसने शायद कुछ घर खरीदा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदा उसने कुछ और किया होगा जो बैलेंस शीट को हिला रहा है ओके okay, और आज वो पी है। लेकिन जब वो कमाया था तब वो 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 कौन था ओके okay, आज वो पी पर वो कमाया था, पी था ना तो आज उस चीज का उसको जो करना है वो करे मुझे बताने की जरूरत नहीं है समझ में मुश्किल क्या बोल रहा हूं मैं ओके okay, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको खाली ट्रांजेक्शन करना होगा बस ये मेरे आप अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, नहीं, मतलब है, नहीं है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मतलब यार फॉर्म वॉर्म रहते लेकिन लॉजिक करने की जरूरत समझ में आ रहा है यानी अड़चने नहीं है नहीं है यानी मेरे को बताओ ओके इफ आई पी आर है आई अर्न समथिंग ड्यूरिंग नाव आई ओके नाउ आई नीड टू डील और आई नीड टू सेल ऑफ दैट दर्टिकुलर थिंगन वेन आई वॉज पी आर ओ है बट नाउ आई एम पी आर कैन आई डू डूजिली यस विदाउट रेस्ट्रिक्शन दैट इज सिक्स फोर तो मेरे को बताओ ओके यानी उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं आपको ये ढाई लाख के लिमिट में नहीं जाएगा आचू में समझ में आ रहा है ये मेरे किसके लिमिट में नहीं जाएगा क्योंकि ये मैंने कमाया कब था तो मैंने डॉलर में कमाया तो डॉलर में खर्च करने दो ना आरबीआई बोलती है ठीक है भाई डॉलर है ओके मैं आरबीआई बोल रही है, मैं रोकूंगा कब तेरे को जब तू पैसे से डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है तूने डॉलर रखा था उधर ही लिया है और अब उसका कुछ करना चाहता है वो बेच के तू उधर के शेयर में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है करना भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है भारत माता की के मालिक समझ में आएगा डोंट वरी और धीरे धीरे जैसे ही ट्रांजेक्शन होते जाएंगे ना तो समझ में आता जाएगा एक एक पॉइंट बट लॉजिक बैठ रहा है क्या होगा फिर मैं आज पी आरोके अभी okay, मैं उल्टा करो ना उल्टा मतलब कौन पी आर है. Okay, अब मेरे को बताओ अच्छा ठीक है चलो मैं और और सिंपल करता हूं इसको चलो ओके चलो चलो मेरे को बताओ मैं आई पिया

जब मैं पी आया था तो अगर मैंने तब कमाया भार और उसको भार का मैंने जो किया वो किया कोई लेना देना आरबीआई को सिक्स फोर के अंदर अब मेरे को बताओ मैं पी आर ओ आई पी आर ओ यानी मैं अभी एग्जाम्पल लेते जर्मनी में हूं ओके okay, और मैंने जब पी आर था इंडिया में तब कमाया था नहीं समझ में आया समझ में आया क्या पी आर ओ आए डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिया तो प्रॉब्लम है ना अच्छा मेरे को बताओ मेरा साला जर्मनी गया वो जर्मनी में कुछ ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन अब एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जो उसने खरीदी थी कब जब वो पिया रहे था क्या वो बेच सकता है सिक्स फाइव बोलता है यस तो सिक्स फोर सिक्स क्या विदाउट लिमिट है लिमिट्स का लॉजिक लिमिट में भी कैलकुलेट नहीं करना है आपको ये फ्रीली है आराम से, without से, जितना तुमको करना है क्योंकि तुमने उस तुम तो तो प्रॉपर्टी yes. okay, कब ली थी पी आर आय था भारत क्या मालिक अब मेरे को बताओ मेरा साला पी आर पी आर ओ आया है ना अभी जर्मनी में जाएगा वो उसके बाद चार पांच साल रहेगा उधर कुछ प्रॉपर्टी लेगा वो इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए अब क्या बना वो

Six four, six five, clear है मालिक ठीक है और okay, और और एक और एक, six four, six five five में और एक करते है. okay, assume करते हैं। okay, मेरा साला चला गया outside इंडिया. उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में जब वो प्यारे था उसने कुछ नहीं किया इधर ओके okay, तो वो बाहर चला गया बाहर गया जर्मनी में गया में okay, तो समझना उसको इंडिया में प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई यानी एग्जाम्पल एक, एक प्रॉपर्टी कुछ ससुर जी की होगी ओके okay, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर इंसान जाता है ओके okay, कुछ ना कुछ पॉइंट हुआ और उसके बाद वो प्रॉपर्टी चली गई आगे किसके पास मेरे साले के पास अब मेरा क्वेश्चन है ओके तो वो तो कौन है अभी प्यारो है प्रॉपर्टी किधर है इंडिया में क्या उसको वो ट्रांजेक्शन कर सकता है बेच के इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना पूछे ये में और सिक्स फाइव में खाली कमाया हुआ आता है वैसा नहीं है इनहेरिट हुई वो भी इंक्लूड की गई है यानी सिक्स फोर सिक्स फोर किसके लिए प्यारा है Six -five किसको लोगे? पी आए। आराम से लो मैं वो वापस बोल रहा इसमें यही कुछ कमाया होगा उसको तू बिना पूछे कुछ कर या तेर को कुछ प्रॉपर्टी मिली और वो प्रॉपर्टी देने वाला कौन है पी आर ओ आए तो प्रॉपर्टी देने वाला कौन है प्रपर्टी पी आर वाले ने तो रुपीज में दिया होगा ना ऐसा ऐसा अगर कुछ नहीं ना, तो रुपीज और डॉलर में याद रख ओके okay, मेरे को बता तू पिया है पर कमाए कब कमा थे तूने जब तू पिया हुआ था में कमाए थे डॉलर हमको पूछने की जरूरत नहीं है भारत मत झिपा के मालिक नहीं समझा समझा एवरीबडी अब उल्टा कर ओके okay, उल्टा मतलब उल्टे को कॉन्टेक्ट रुपया हूं और मेरे कोई ग्रांड फादर थे लंडन में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी ओके वो चले गए अब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ गई ओके मेरे को हुई मालिक ये भी 64 में इंक्लूडेड है तो अब मेरे को प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है ओके पर इनहेरिट करने वाला कौन पी आर ओ आए इनहेरिट करने वाला कौन पी आर ओ आए और मेरे को मैं कौन पी आर आए वापस है आप दोनों अलग है ये समझो पहले तो मेरे को इनहेरिट करने वाला कौन तो उस प्रॉपर्टी के साथ आपको जो करना है कर सकता है 64 में। उल्टा करो अब मैं को खर्च कर सकता हूं yes, तो पी आर ओ जो पी आर आई था तब उसने जो कमाया था उसको जो चाहिए वो कर सकता है ओके okay, और एक एग्जांपल क्या था उसमें अंदर और एक कॉन्टेक्स्ट क्या था अगर मेरे को प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है मैं अभी कौन हूं देखो

इन्वेस्ट कर सकता है इन्वेस्ट कर सकता है ओन कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है मैंने चार शब्द लिखे क्या क्या कर सकता है बताओ होल्ड इन्वेस्ट, ओन ट्रांसफर होल्ड करना प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में ओन करना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना मैं आपस बोल रहा हूं ओके सर होल्ड करना भी प्रॉब्लम है आंसर इज यस कल मैंने आपको बताया था ओके okay, सुने कल मैंने तेरे को बताया मैंने एक्सपोर्ट किया याद कर मैंने ये ये कर मैंने चीज बताई इधर को कल यार रिकॉल मैं एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट से मेरे को पैसा मिला मैं उधर रखना चाहता हूँ रख क्या नहीं रिपेट्रिएट करना पड़ेगा याद है ना अब मेरा क्वेश्चन है मैंने प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में खरीदी थी जब मैं पी आर आया था और मैं इंडिया में आया आ क्या प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाना पड़ेगा कम्पल्सरी नहीं सिक्स की वजह से बचाना ये कंडीशन है आपके पास डॉलर रख नहीं सकते सर मेरा उधर अकाउंट नहीं रख सकते मेरे भाई आपको लाना पड़ेगा पर इसमें फ्रीली हो गया झिपा गया ये पॉइंट तो आप होल्ड कर सकते हो मेरे को बताओ चार नाम क्या हुए हैं? होल्ड इन्वेस्ट, ये होल्ड नहीं है। करके कुछ नहीं होता है। होल्ड होल्ड इन्वेस्ट, ट्रांसफर सर क्या फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी मैं आगे वर्ड फॉरेन लगाना कंपलसरी हो गया समझ में आ रहा है आगे फॉरेन होगा फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी ओके okay, और इमुएबल प्रॉपर्टी कहां पर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया झेपा क्या ओके इफ सच देख वर्डिंग देख इफ सच तीन शब्द वापस ले तीन शब्द क्या ओके okay, तीन शब्द क्या करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी सी एस पी इफ सच फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी इमोएबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया समझा क्या ये देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं इसका लॉजिक याद रखने के लिए इफ सच करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड होल्ड और ओन्ड हेल्ड होल्ड नहीं होगा हेल्ड क्या तीन वर्ड लिखे मैंने मेरे को बताओ एक्वायर्ड किया है ओन्ड किया है सर कब बाय अ पर्सन बाय पर्सन वेन ही वॉज बाटेड इनहरेटेड फ्रॉम पी आर ओ आई पढ़ो एक बार आराम से पढ़ो मेरे को बताओ समझा कि नहीं समझा देखो अब पढ़ के देखो आराम से समझो उसके बाद लॉजिक अपन और बैठातेक्शन समझ गया तो इंटरप्रेशन सिक्स का उल्टा ही है और कुछ नहीं है सिक्साई रिवर्स है रिवर्स खाली खाली आपको नाम चेंज करना है बस और फॉरन फॉरिन जिधर लिखा है उधर इंडियन लिखना है बोलब हाँ चलता चलता है वो वैसे भी परमिशेबल है ऐसे भी नहीं ये सिक्स फोर में भी है पर वो वैसे भी परमिशेबल है वो तो वैसे ही परमिशेबल है वैसे भी परमिशेबल है मतलब आगे बाकी है ना अपना शेड्यूल शेड्यूल वन टू और अदर बाकी है ना तो शेड्यूल वन और टू में परमिशेबल है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना ओके कुछ नहीं खाली आरबीआई को बता दो परमिशिबल है लेकिन लिमिट्स आती है कितने की ढाई लाख इसमें लिमिट्स निकल जाती ना ये पॉइंट है

उसमें इन्वेस्ट किया क्यों डॉलर में आया ना पैसा तो डॉलर में वापस खर्च किया क्या आरबीआई को बताने की बताने की मतलब आरबीआई से पूछने की जरूरत है क्या नहीं बात खत्म और क्या ढाई लाख की लिमिट लगी क्या नहीं ढाई लाख डॉलर आ ढाई लाख रुपीस नहीं यस वंडर हाँ हाँ अपन ने फॉरेन सिक्योरिटी में डाला जब अपन पी आ थे हाँ वो वो पैसा कब आया था वो पैसा जो कमाया कब था तूने फॉरन सिक्योरिटी में डाला था ठीक है पर वो कमाया कब था इसीलिए तो चार वर्ड दे रहा हूँ ना मैं तेरे को होल्ड किया इन्वेस्ट किया ओन किया ट्रांसफर किया मैं जब कब कमाया था उसका सोर्स क्या था पी आर ओ आई तो जब आप पी आर ओ आए थे तो उस टाइम पे जो कमाया हुआ है आप चलते रहिए चलते रहिए उसको भूल जाइए मतलब इन शॉर्ट आरबीआई उसको भूल रही है, है।, है। मतलब आरबीआई वो अपना पैसा नहीं समझ रही है आरबीआई अपना पैसा नहीं समझ रही मैं किस कंटेस्ट में समझ रहा हूँ माना समझ में आता है क्या मेरे को बताओ क्या आरबीआई को सारा पैसा मंगाना जरूरी है अरे भाई यार तब तो आरबीआई के पास डॉलर ऐसे कपाट में बैठेगा ना आरबीआई डॉलर ही नहीं मंगाएगा तो कपाट में क्या रखेगा आरबीआई आरबीआई को कपाट में रखने के लिए क्या चाहिए डॉलर भारत माता की झिपा के मालिक तो अब मेरे को बता इसका उल्टा क्या होगा इसका उल्टा ओके सिक्स फोर ईयर ये थोड़ा सा इधर करते मिनट मेरे को बता सिक्स फाइव क्या रहेगा फिर तेरे हिसाब से पहला हेडिंग क्या लिखेगा पी आर ओ आई पी आर ओ आई क्या कर सकता है तीन वर्ड चार वर्ड होल्ड इन्वेस्ट ओन ट्रांसफर समझा क्या बस बढ़िया ओके बता सी एस पी सी एस पी का फुल फॉर्म करेंसी फॉरेन करेंसी नहीं हो गए करेंसी सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया झेपुरा है क्या इंडिया In समझा क्या ये चेंज खाली उधर फॉरन की जगह क्या गया इन In इंडिया और इन इंडिया आने के बाद इफ सच आगे आंसर सेम इफ सच सी एस पी वॉज एक्वायर्ड होल्ड हेल्ड और ओल्ड ओकेज ओल्ड 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 नहीं हेल्ड ओल्ड इसमें तीन ट्रांसफर नहीं है इसमें ट्रांसफर पहले वाला था एक्वायर्ड हेल्ड ओल्ड कब बायर्सन बाय अ पर्सन कौन था वेन ही वॉज पी आर आई और क्या था इनहेरिटेड फ्रॉम किससे है पी आर आई से आपका पूरा सेम है अगर आपने नोट किया तो आपका सिर्फ टेक्निकली प्रॉब्लम किधर आएगा? ये ये जो लिखा हुआ है इसमें खाली क्या लिखना है इंडिया ओके आउटसाइड इंडिया था ये इन विथिन इन इंडिया है आत्मा क्लियर तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है यही ध्यान रखिए सिक्स फोर सिक्स फाइव आत्मा क्लियर और मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वो शेड्यूल खत्म होगा ना उसके बाद आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छा ये ऐसा 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 होता है रेस्ट्रिक्शन जो होता है तो उसके हिसाब से ये कुछ कर ये यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है पहले ये बताया सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव ओके इधर तक खत्म किया सिक्स वन ऑथोराइज पर्सन के अलावा आप जाओगे नहीं

सिक्स फोर के कुछ नोटिफिकेशन है जिसको अपन जब टेस्ट में जाते हैं तब देखते हैं अभी हाल फिलहाल नोटिशन पे टाइम पास नहीं करते हैं छोटे है, पर वो है और कुछ नहीं है जो आपको समझा होगा कुछ डाउट आ रहा होगा उसके कुछ क्लैरिफिकन दिए हुए इज पॉइंट क्लियर ओके ओके क्या है six -six, okay, याद रखना वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट ओके भले कुछ भी ऊपर लिखा होगा कुछ भी ऊपर लिखा होगा विदाउट प्रिजुडाइस विदुडाइस ओके उसको अपन छेड़ेंगे यानी अभी तक मैंने जो आपको बताया उसको छेड़ना नहीं है

उसको वो ढाई लाख की लिमिट में नहीं डाल सकती तो प्रिजोडाइज अबाउट विदाउट बोला मैंने प्रिजोडाइज मतलब ऊपर को छेड़े बिना। क्या कर सकती है? तीन शब्द। क्या क्या तीन शब्द है रेगुलेट, करने का ही नहीं और रेस्ट्रिक्ट एक लाख के ऊपर नहीं ढाई लाख के ऊपर नहीं समझ में आया तो सिक्स सिक्स क्या बोलते हैं मतलब कुछ नहीं है सिक्स के बाद पावर दे रहे आरबीआई को ओके okay, अच्छा तो आप बोलोगे सर सिक्स टू में तो यही दिया था अबे मेरे भाई सिक्स टू में क्या लिखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन कौन से परमिशेबल है लिमिट्स क्या होगी टर्म्स एंड कंडीशन है 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 ये है. Okay, ये ओके बता सकता है, टू में लेकिन उसके अलावा भी उसको रेस्ट्रिक करना है उसने बता दिया उसके बाद उसको लगता है नहीं नहीं ये नहीं ये लिमिट नहीं करना चाहिए क्या वो कर सकता है यस yes. अरे ये रेगुलेशन और कौन से रेगुलेशन है एक्सटांड एक्सटांड मतलब मैं बता रहा सुबह को लग रहा होगा परमिटेड है दोपहर के बाद वो नॉन परमिटेड हो जाएगा तू आज जो पढ़ रहा है यही पढ़ के तू अगर क्लाम कर लेगा ना काम खत्म है ऐसा नहीं है कंपनी लॉ तो भी एक बार पटवट जाएगा फेमा में अगर एक ट्रांजेक्शन आया क्लाइंट आया तेरे पास उस दिन का देखना पड़ेगा पोजिशन क्या है गोल्ड रेट जैसे होता ना, जैसे हो, है ना इन्वेस्टमेंट जैसे का एक्सटांड रेगुलेशन होते इधर यस मैन नहीं सिक्स सिक्स विदाउट प्रिजुडाइज अबाउट विदाउट प्रिजुडाइज ओके आर बी आई मे तीन चीजें रेगुलेट प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट मैं आपको बोल रहा हूं ओके okay, देखो सिलेबस छोटा है तो सब चीज याद रखो बात खत्म सिलेबस बड़ा होता तो मैं सोचता और मे ट्वेंटी फोर तो एटलीस्ट नवंबर ट्वेंटी फोर वाले बच्चों को मैं बता पाऊंगा ये छोड़ दो ये इग्नोर करो ये एक बार इंड मारो ऐसा होगा नवंबर के लिए पर वो पढ़ना है क्या अपने को नहीं ना नहीं अपने को मे में ही देखना है ना हाँ बस अपने को छोड़ के पढ़ना है क्या नहीं पूरा पढ़ लो ओके पूरा पढ़ो ताकि अगले वाले क्या छोड़ सके ये मुझे समझ में आए समझ में आ रहा है ओके ध्यान रखना रेगुलेट प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ सिलेबस होता है जो रिलेवेंट नहीं होता है रिडेंडेंट होता है अभी ओल्ड सिलेबस में आपने को क्लियर कट मालूम है यार ये दो चैप्टर है इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम्पल डिपोजिट वाला पॉइंट है बहुत रेयर क्वेश्चन आता है बहुत रेयर क्वेश्चन आता, आता है ओके डिपोजिट वाले पेपर नहीं आता ऐसा नहीं बोला मैंने रेयर आता है

पर वो भी उनकी बैच होने के बाद क्योंकि बैच चालू होगी तब तो कुछ मालूम ही नहीं होगा तब भी समझ में आ रहा है तो तुम्हारा अटम्प होने के बाद ही एक्सपीरियंस आएगा बट रेगुलेट कर सकती है प्रोहिबिट कर सकती है कर सकती है समझ में आया मालिक ओके ये ध्यान रखना और वो रेगुलेट भी कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया विच इज रन बाय पी ओ आई पी आर ओ आई अब मेरे को पता कोई इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट है ओके ऑफिस एजेंसी ओके और वो कौन रन करता है पी आर ओ आई क्या उसको वो रेगुलेट कर सकती है यस अरे भाई ये सिक्स सिक्स है आत्मा क्लियर और सिक्स सेवन है ओके okay, अच्छा सीजी जी कौन से इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट कर रही है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे ये कौन बताएगा सीजी ही ओके सीजी विल स्पेसिफाई समझ में आया तो सिक्स सेवन में पावर किसको दे दिया है सीजी को तो अगर सीजी बोलता है ये एक ये दो ये तीन ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है तो ये बोलने के लिए सीजी के पास ये ताकत तो होनी चाहिए ये ताकत कौन सा सेक्शन दे रहा है सिक्स सेवन आत्मा क्लियर मेरे ख्याल से अगर आपको सेक्शन सिक्स समझ में आ गया तो अपना बेस स्टार्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से होपफुली सबको समझा होगा ओके okay, खाली इतना हो सकता है थोड़ा सा हो सकता है किसी को एम्बिगटी में 65 में हो लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है अगर मेरा साला अभी बाहर गया हुआ पी है पी आर है बाहर कमाता है बाहर इन्वेस्ट करता है वो वापस इंडिया में आता है पी आर बन जाता है ओके okay, देखो बाहर कुछ भी मरवावे हो अपने को कोई लेना देना लेकिन इंडिया में आने के बाद इज्जत से रहने का यही लॉजिक है ओके अभी इमेजिन कर बाहर वो क्या कर रहा होगा क्या कर रहा होगा उसको डर भी नहीं होगा इधर आने के बाद मेरे ससुर जी से फट्टी है रेगुलेट इन्हें इधर आने के बाद सासू जी तो बेचारी क्या अभी यार घर में अभी क्या बात मतलब ऐसा है सासू जी का तो कंट्रोल मैके ऐसा है बताया नहीं था उन्होंने मेरे को उनकी बेटी के बारे में डेंजर <laughs> है तूबर तो मेरे ख्याल लॉजिक समझा गया मालिक तो मेरे को बताओ रेगुलेट समझा मालिक ओके okay, तो so मैं मेरे को बताओ अगर कोई बंदा जो पी आर था उसने तब कमाया उसने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया आज वो पी आर हो गया लेकिन उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है ओके okay, क्या वो कुछ भी कर सकता है yes. यस आप इमेजिन करो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती लेट अंडरस्टैंड मेरे मेरे साले का एग्जाम्पल छोड़ दो मेहुल का एग्जाम्पल छोड़ दो मैं उल्टा एग्जाम्पल लेता हूँ इमेजिन करो ओके okay, बिल गेट इधर बिजनेस करने हैं बिल गेट को स्टेटस क्या दोगे आप पी आर आकेज अब आप बोल रहे हो उधर का कुछ नहीं करने का चुपचाप बैठ एक रुपए भी खर्चा करना है तो मुझसे में, तो में आता है और वो पी बन जाता है ना रे तो नहीं, तो नहीं समझा समझा अरे भाई तुम इमेजिन करो ना यार इमेजिन कर ओके अब तुमने इधर कमाया इधर पूरी प्रॉपर्टी बनाई और तुम जर्मनी में गए और जर्मनी में इस प्रॉपर्टी का कुछ करना है जर्मनी वाला बोलता है नाटक नहीं करने का नहीं अरे बोल रहे वहां साला अपना प्रॉपर्टी अपन ने कमाया पैसों में कमाया अपना खून पसीना ये लॉजिक उल्टा लॉजिक बेटर है क्या ये लॉजिक की वजह से ये प्रॉब्लम है इसीलिए इसके लिमिट्स नहीं रख सकते आप इमेजिन करो तो बिलगेट को बोला ढाई लाख की बस ढाई लाख डॉलर उसके ऊपर एक रुपया नहीं बिलगेट बोल रहा है तेरे घर पर रख ढाई लाख डॉलर आरबीआई उधर बना सकता हूँ मैं अरे ओ लॉजिक है ना यार ओके मेरे ख्याल लॉजिक बैठा क्या तो बिलगेट को मना कर दिया तो इमेजिन करो क्या रहेगा आरबीआई फिर अगर बल्क बिलगेट को मना किया और बिलगेट उसके बाद भी इधर रुक रहा है तो सबसे बड़ा चोमू है <laughs> तो इसको मना नहीं किया कौन से इसमें मना नहीं सिक्स फोर सिक्स फाइव तो आप मेरे को बताओ फिर कौन से ट्रांजेक्शन करने वाले है? जो लास्ट बचा हुआ है अपना आंसर वो ट्रांजेक्शन जब हम पी आर आए है और पैसे कमाए पीआरआई में और हम खर्च करना चाहते हैं बाहर ओके okay, और पीआरओ आए उन्होंने कमाए बाहर में और वो खर्च करना चाहते हैं इंडिया में समझ में कुछ आ रहा है वही ट्रांजेक्शन रेगुलेट होगी नहीं समझा समझा आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट तो और उसमें और एक वर्ड डाल दिया आपने इनहेरेंट हुआ, हुआ है, मतलब, ओके उसको मिली है तो अगर वो ना फिर तो वो उसको हम वैसे ही मानेंगे ना और ऐसे ही कैसे लॉजिक इंडिया के लिए माना जाएगा आत्मा क्लियर कोई दिक्कत ओके, तो लेते टाइम आउट के बाद अपन दो शेड्यूल और प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन करते हैं मेरे खास तक कोई दिक्कत नहीं ना पक्का एवरीबडी ऑनलाइन वाले दिक्कत नहीं ना मालिक कुछ तो बताओ तुम्हारे है मैं तो वो आ रहा हूँ वेट कर रहा हूँ एक दो मिनट ये लोग भी आ जाते तो फिर नहीं नहीं मैं लिख रहा नहीं मैं तो खाली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि तो आ जाए उसके बाद फिर चालू ही करते ऐसा है हाँ क्या बोल रहे <laughs> नहीं स्ट्रक्चर बना के रख रहा हूँ ताकि अभी फिर अपन स्ट्रक्चर में टाइम नहीं डाले ऐसा है और क्या अभी आए आ रहे हैं एक दो मिनट तब तक ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाता क्योंकि आज टेस्ट सीरीज़ है ना तो अपने को टाइम रखना है शिवा सर आ तो एक दो पाँच मिनट आगे भेजेगा तो क्या अपना ही है <laughs> शिवा सर अपना ही आदमी है दो पाँच मिनट आगे भेजो तो ठीक है भाई कर क्या शिवा सर को सॉरी बोल देंगे और क्या है शिवा सर क्या करेंगे ओके थोड़ा ना मेरा रेसिज स्टेटस चेंज करेंगे <laughs> शिवा सर, सर अपना ही है यार हाँ सर को चाहिए तो मेरा टाइम ले ले पर मैं दू तब <laughs> मतलब निकलना चाहिए ऐसा क्या करेंगे क्या जय क्या बोल रहा था जय बेवजह भेज दिया उसको तेरे को अरे क्या बेवजह जय 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 तोड़ है जय वैसे आपको पता है कौन सी कंट्री के साथ आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते कौन सी कंट्री है उनके लोगों के साथ ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते कैपिटल अकाउंट क्या क्या पूछा मैंने अच्छा पाकिस्तान नहीं नहीं पाकिस्तान परमिटेड है जनरली भी परमिटेड है स्पेसिफिक कैप के साथ भी है एनी uh, आइडिया कौन सी कंट्री होगी जिनके साथ कर ही नहीं सकते मतलब आप उधर प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते ओके सेंट्रल गवर्नमेंट बैंड है कोरिया 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 डिप्लोमेटिक वाला कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला वहाँ पर ना आप कुछ कर सकते हो और अगर आपकी कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट है और वो मतलब लेटर ऑन आया हुआ है 2017 2018 सत्रह के रेंज में उसके पहले कुछ है तो छः महीने के अंदर बेच भाज के निकलो और वापस जाओ ये क्लियर था क्लियर कट ये थे कोरिया के साथ बाकी सब कंट्री के साथ अपना परमिसेबल है मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ करंट अकाउंट में भी सेम लिमिट्स है मतलब सेम लॉजिक है क्योंकि आपको याद रखना है ढाई लाख ढाई लाख दोनों के लिए है मैंने आपको बताया हुआ है ओके सर तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक लिस्ट याद रखने पर एफर्ट्स करनी है जो कि सबसे आसान है ये जितना आसान कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कल सुबह ओके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में अपन ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजेशन में ऐसा कुछ ही नहीं उधर देख लो उधर अपन उधर देख मैं इधर बता रहा हूँ स्क्रीन पे सब के सब दरवाजे पे देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा ये ऐसा नहीं करेंगे कल मैं मैं देख रहा हूँ तुम्हारी तब तुम देख रहे हो स्क्रीन पे तो कल सुबह करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ऐसी व्यवस्था ऐसा कंसेप्ट नहीं है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में सीधा शेड्यूल है कौन से ट्रांजेक्शन परमिटेड है कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है कौन से आरबीआई अप्रूवल है तीन चीजें होती है विच इज फर्स्ट विल बी नॉट परमिटेड सेकेंड ओके परमिटेड विथ सीजी अप्रूवल थर्ड परमिटेड विथ आरबीआई अप्रूवल बस करंट में करंट में कैपिटल में ऐसा नहीं है तो कैपिटल में क्या हुआ कैपिटल में आपने कोई सेक्शन पढ़ना पड़ा सर क्यों पढ़ना पड़ा सेक्शन कारण कारण बताइए उसका इज 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 नॉट नॉट दिस 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 इट मेनली टू क्योंकि आपको यह समझना है ये दो ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको सिक्स और सिक्स में बताया ये ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं है ना आरबीआई कुछ कर सकती है ना सीजी इसका कुछ कर सकती है क्योंकि एक्ट ने प्रॉवर दिया इसमें रेगुलेशन नहीं एक्सटैंड भी नहीं ला सकती वो रेगुलेशन भी नहीं ला सकती तो सर सवाल ये है मतलब लॉजिक समझा ऐसा करंट में नहीं है करंट में फिर क्या है करंट में इसमें टाइम पास बहुत ज्यादा होगा कल सुबह से इसी पे इसी चीज ऐसे ही पॉइंट लिखूंगा और रटते रहोगे बस कल के ब्रेक तक तो सिर्फ मतलब रट मतलब कॉन्सेप्ट समझना होगा रटना पड़ेगा और क्वेश्चन में फिर वो ऐसा क्रैक करना पड़ेगा और मैं आपको बता दूँ मैं वापस आपको बोल रहा हूँ ओके आपके दो सवाल करंट में नहीं आए तो नाम बदल देना दो क्वेश्चन कल के लेक्चर के ऊपर आज के ऊपर ओके सुबह का अपने टाइम पास किया मैंने थोड़ा खींचा ड्रैग और अभी अपन कर रहे हैं क्योंकि आप बुक नहीं लाए तो मैं बोला अभी और क्या करूँ दूसरा कुछ अभी ये करना तो जितना जितना चल रहा है ड्रैग के मतलब अपना इंटरेक्शन हुआ और और क्या हुआ और एक कंगारू 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 सुना सुना अपन अपन ने ने मिनट के इसमें तो शेड्यूल के ऊपर देख लेते ओके आप okay, पहला शेड्यूल देखोगे पहला सुन रहे दो शेड्यूल बता रहा हो ये दो शेड्यूल किसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए तीन शेड्यूल हो गए तो टोटल कितने शेड्यूल है पांच दो शेड्यूल शेड्यूल वन शेड्यूल थ्री शेड्यूल वन शेड्यूल टू फॉर कैपिटल शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री फॉर करंट शेड्यूल एंड शेड्यूल टू ओकेशन फॉर पी आर आई शेड्यूलिसन में ग्यारह ट्रांजेक्शन बताऊंगा जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कंडीशन लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करती है जो पी आर आई की है ये आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है आरबीआई को इंटीमेशन दो आप कर सकते हो ओके शेड्यूल टू में ये पी आर ओ आई पी आर ओके okay, बताऊंगा ये बिना आरबीआई को पूछे कर सकती है बस आपको लॉजिक बैठना एक ऐसा एक बहुत नॉलेज लेना वो मैं कॉन्टेक्ट आपको लिंक करूंगा सर इधर ग्यारह आठ है कुछ तो कारण होगा यानी कोई तो तीन चीजें नहीं होगी जो उसको नहीं है कुछ तो पॉइंट कैसे तो कैसे ब्लॉक करती RBI है आरबीआई कही कहीं ना कहीं वो एक जगह वो बोलती है फ्री है दूसरी जगह वो रोकेगी वो कैसे रोकती है वो अपने को डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है डिस्कशन मतलब नॉलेज है आपको कोई लेवल पे नहीं है वो सिलेबस में फाइनल में जाने के बाद वो लॉजिक बैठना चाहिए तुमको पर फाइनल ठीक है जब तक आओगे तब तक मेरे से वापस सवाल पूछोगे समझाने के बाद भी क्यों तो दो साल के बाद इधर इधर कल का याद नहीं रहता आदमी को दो साल के बाद का दे रहे लेकिन ठीक है ओके okay, इस चर्चा का विषय टेंशन रखो तो मेरे को बताओ शेड्यूल वन इसमें किसको एप्लीकेबल है पी आर आई ओके शेड्यूल किस किसको एप्लीकेबल है पी आर ओ आई सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर शेड्यूल वन जो ट्रांजेक्शन परमिसेबल है ट्रांजेक्शन परमिसेबल परमिसेबल ट्रांजेक्शन आई एम डिस्कसिंग

और स्वर जो कर ही नहीं सकते वो एक अलग से लिस्ट है नॉट परमिसेब नॉट परमिसेबल पॉसिबल ही नहीं है जैसे मैंने आपको बताया पी आर ओ आई किसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता निधि कंपनी चिट फंड प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्लांटेशन ओके एंड एनटीडीआर करके होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट ये पांच चीजों में नहीं कर सकता कर ही नहीं सकता प्रोहिबिटेड आरबीआई के पास जाके मांगेगा भी तो भी अप्रूवल तो नहीं मिलेगा ओके तो मेरे को बताओ अगर पी आर ओ की बात करूं कितने ट्रांजेक्शन वो कर सकता है आठ बिना पूछे बिना पूछे मतलब बिना अप्रूवल इंटीमेट करना पड़ेगा पर बिना अप्रूवल मतलब पहले लूंगा फिर ही मैं करूंगा, ऐसा नहीं होगा ट्रांजेक्शन हो जाएगा साथ साथ में उनको इंटीमेट कर दूंगा दैट्स इट अब ये के अलावा जो बचे हुए रहेंगे वो क्या मैं वो कर सकता हूं फिर आपको पता करना है क्या वो नॉट परमिसेबल है अगर वो नॉट परमिसेबल है तो कर ही नहीं सकते और अगर ये आठ में नहीं आते और नीचे नॉट नॉट परमिसेबल में नहीं आते इसका मतलब वो करना रहा तो किसके पास जाना पड़ेगा आरबीआई

एंट्री खाली कितने की नब्बे बात खत्म इसीलिए द्रे, लेकिन आप टेक्निकली रखना, ए आत्मा मेरे को समय बार, बार नहीं करेगा मेरे को नब्बे लाख उड़ाया ना तूने बैलेंस में उड़ाना बैलेंस में, ना? ओके, में एसेट की वैल्यू क्या बची अभी इन्वेस्टमेंट कितना बचा ओके दस लाख बचा तो आप इस नहीं लोगे यानी ये करना है तो जाके पूछूंगा नहीं नहीं समझा समझा लेकिन आप उल्टा पॉइंट बोलो अब मेरे को तो नब्बे लाख जाएगा किधर बुक्स में पीएनएल में कौन सा ट्रांजैक्शन करंट समझ में आ रहा है कैपिटल में आपका इफेक्ट नहीं होगा पीएनएल करंट अकाउंट में कल सुबह पढ़ेंगे उसको पूछना पड़ेगा नहीं समझा समझा ये ये आरबीआई ऐसा नहीं है कि तेरा हलवा पूरी चल रही है परमिसेबल परमिसेबल तू ऐसे खुश मत होना ओके okay, मैं बताऊँ सिर्फ परमिशिबल को सिक्स फोर सिक्स फाइव बहुत आसान है सिक्स फोर सिक्स फाइव में कोई लेना देना नहीं है बाकी सब में अगर एक जगह ओके कर रहे ना वो कहीं दूसरी जगह तो रोकेगा भाई तू सोच ना अच्छा मेरे को पता है डिप्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट समझा क्या डिप्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ये मेरी बैलेंस शीट है ओके अगर मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा था इन्वेस्टमेंट मैंने दस दस करोड़ लिखे है ओके मेरे को मालूम पड़ा ओके दस करोड़ एक करोड़ लिखा है इन्वेस्टमेंट मैंने एक करोड़ किया ये एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट किधर का है अच्छा मेरे को बताओ अगर ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में कोई लेना देना है क्या आरबीआई को ये इन्वेस्टमेंट किधर का है यूएस का एक करोड़ इन डॉलर होंगे अब वो इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, मुझे डिप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को बताओ कितना करना है नाइनटी लैक्स मेरे को बताओ कितना बचा ये दस लाख एवरीबडी क्लियर अब मेरे को बताओ क्या बैलेंस शीट हिली आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है आरबीआई इस पर रेस्टिक्शन डाल ही नहीं सकता आरबीआई नहीं बोल सकता कि भाई ये दस नब्बे लाख क्यों कर रहे नहीं समझा अब मेरे को बताओ ये एंट्री दूसरी एंट्री किधर आती है पीएनएल एन एल ओकेज आप में आती है पीएनएल कौन सा माना जाएगा ट्रांजेक्शन देखो ओके ओकेज करंट अकाउंट का डेफिनेशन एक दिमाग में रख लो भले कल सुबह मैं दस पंद्रह मिनट डालूंगा उसमें टाइम पास करने के लिए टाइम पास मतलब डेफिनेशन बताने के लिए टाइम पास मतलब तुम समझो मत टाइम पास तुम्हारे अलावा भी बहुत टाइम पास है मेरे पास ओके okay, तुम्हारे साथ भी हो रहा है पर दूसरे के साथ भी हो रहा है ऐसा है ओके okay, आत्मा क्लियर अरे हाई आना ओके okay, आवाज नहीं आना मैं फोड़ेगा भी कुछ कसम से बोल रहा हूँ मैं मैं कुछ फेंकेगा अभी ओके मेरे को बताओ अगर 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 कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो कौन सा ट्रांजेशन है करंट कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन दिया है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीस ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल जनरलिटी के लिए और कुछ पॉइंट बोला है मैं बात बात करूंगा कल लेकिन लॉजिक समझा तो अब मेरे को बताओ जब ये पीएनएल में डेबिट मारेगा तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा ना पीएनएल भी तो हिल रहा है ना तो जो चीज पीएनएल हिल रही है वो करंट तो उसको कैसे डील करना हो कल सुबह देखेंगे तो सर क्या इसके लिए अप्रूवल अप्रूवल ओके कुछ पॉइंट है बस वो देखना रहता है आत्मा क्लियर अब मेरे को बताओ क्या मैंने लोन लिया रहेगा किससे

अप्रूवल लेके करने की जरूरत नहीं है ये का तुम्हारा नसीब कितना गया। लोन है, अब इन्वेस्टमेंट डूब गया लोन रिपे नहीं हो रहा अब मेरे को बताओ लोन रिपे नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट दो करोड़ का इंटरेस्ट जो अप्रूवल होते जा रहा तो आपने उस बैंक से बात किया बोला एक काम करो ये लोन अमाउंट ही बारह करोड़ का कर दो

इसीलिए आरबीआई रेस्ट्रिक्शन दो केसेस मेरे को बताओ तीन केसेस रेस्ट्रिक्शन के कौन से कौन से जिसमें आरबीआई डाली नहीं सकती पहला 64 एवरीबॉडी क्लियर 64 मतलब क्या जब पीआरओ आया था तब तूने किया और पीआरओआई जब पीआरआई था तूने किया और कब नहीं डाल सकती ओके एमोर्टीजेशन ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड और क्या है डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जेपा क्या और अगर ये समझा होगा तो ये मैंने आपको बताया ये प्रोवाइजो है सिक्स टू का तो अगर आप देखोगे तो टेक्निकली स्पीकिंग सेक्शन ने जो दिए हुए वो नॉन है भारत है जेपा मालिक तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं हैं अपन पढ़ रहे ये वो वाला भी नॉट प्रमिबल छोड़ दो पहले ये लिस्ट देख लो अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं क्या ये मैं ये करने का नहीं तुमने ये करने का नहीं करने का आरबीआई से पूछना है नहीं इंटीमेट करना होता है खाली फॉर्म यानी इसके लिए फॉरन एक्सचेंज मिल जाएगा आराम से अगर मैं ग्यारह पॉइंट कर रहा हूं मेरे को किसके पास जाना होगा मेरे को बताओ पहले आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं किसके पास जाऊंगा ऑथराइज पर्सन उसको बोलूंगा ये ले रुपीज और मुझे डॉलर दे और ये कर रहा हूँ और ऑथराइज पर्सन पूछेगा ये डॉलर किसके लिए चाहिए फिर मैं उसको एक फॉर्म भरूंगा वो फॉर्म में ये ग्यारह में से एक पॉइंट होगा आई थिंक ये पॉइंट और ये, ये फॉर्म किसके पास सबमिट करने बोलेगा ऑथराइज पर्सन आरबीआई ये मैं नहीं करता ऑथराइज पर्सन ही करता आप चिंता करने की जरूरत नहीं आपको खाली सिग्नेचर पासपोर्ट वो जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे वो सबमिट करने पड़ते हैं

पैसा डॉलर नहीं आएगा क्या आ सकता है लेकिन देर आर सर्टन लिमिट ऑन ओनली एक्सपेंडिचर लाने पे नहीं है किस पे है एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल क्या मैं लोन ले सकता हूं मैं कौन अच्छा मैं कौन ओके okay, क्या मैं लोन ले सकता हूं लोन लोन किधर से मैं एच डी सी बैंक से लोन ले रहा हूं तो ये डिस्कशन है क्या मैं कौन से बैंक से ले रहा हूं फॉरेन बैंक अब लोन ले सकता हूं ओके okay, एवरीबॉडी ये इसमें आएगा लोन ले सकते हैं परमिसेबल है परमिसेबल है, है? एवरीबॉडी एवरी क्लियर लेकिन ये लेकिन लाख की लिमिट में नहीं है तो ढाई लाख लिमिट क्या है खर्च करने की लिमिट लाख जो मैं बता रहा हूं कौन सी लिमिट है यानी आप जब खर्च करोगे देखो इधर 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 वाला 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 खर्च खर्च नहीं करेगा वाला लाएगा. वाला क्या करेगा लाएगा क्या लेकिन इधर वाला लाता भी है एज ए फॉर्म ऑफ लोन एज ए फॉर्म ऑफ लोन ला सकता है इस पे खर्च करने की लिमिट नहीं है खर्च लिमिट किसके ऊपर है खर्च करने पे तो अगर इसमें मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट करना है मैं बोल रहा हूं मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ और, और खरीदना है उधर कैपिटल एसेट एसेट जो कैपिटलिटी होगा उस पर कितना टोटल अमाउंट ढाई लाख और ये ढाई लाख किस में टोटल करने का करंट को यानी अगर मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूं ना टूरिज्म के लिए जा रहा हूं मेरे को बताओ क्या हिलेगा एसेट लाइबिलिटी हिलता क्या मैं तो कंगारू देखने गया क्या एसेट लाइबिलिटी हिला गया मेरा कंगारू देखे कंगारू क्या मेरे एसेट में आया क्या नहीं आया भाई खरीद के थोड़ा लाया कंगारू को मैं लेकिन खर्चा तो हुआ ना मालिक वो खर्चा कौन सा ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट है तो आप फॉरेन ट्रेवल करते हो फॉर घूमने जाते हो जो खर्च करोगे वो कितना है ढाई लाख खाली वो ढाई लाख नहीं है ये और वो मिलके ढाई लाख है समझ में आ रहा है ढाई लाख ये दोनों मिलके है यानी ढाई करोड़ इज अ टोटल साल की लिमिट यानी अगर आपने एक प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली कहानी खत्म है तो आप मेरे को बताओ कितना लिमिट दिया मेरे को ढाई लाख डॉलर मैंने प्रॉपर्टी देखी दुबई में पांच लाख डॉलर की मेरा क्वेश्चन है खरीद सकता हूं कि नहीं नहीं खरीद सकता क्योंकि लिमिट में नहीं है तो फिर क्या करने का प्रोहिबिटेड है, है? खत्म फिर क्या आरबीआई के पास जाने का वो हा देखेगा वो अगर हा बोला तो ये ट्रांजेक्शन होगा नहीं समझ में अभी समझ में आ रहा है क्या कुछ यानी अब मेरे को बताओ अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है एक लाख की मेरे को क्या करना है मेरे को सेंट के बाद जाना है मेरे को एक लाख रुपए मतलब जो भी कन्वर्जन रेट है वो दूंगा एक लाख रुपये डॉलर लूंगा वो दुबई में जाऊंगा दूंगा आरबीआई को खाली वो फॉर्म इंटीमेट कर देगा स्टोरी ओवर प्रॉपर्टी मेरी आत्मा क्लियर लेकिन ये साल में एंश्योर करना कि साल की लिमिट मेंटेन हो साल की कितनी लिमिट है ढाई लाख एवरीडे क्लियर इसमें भी ये लोग ने और एक क्राइटेरिया दिया है अगर ढाई लाख के ऊपर गया है किसके ऊपर किसके ऊपर गया है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसकी कुछ इंडिविजुअल लिमिट्स भी होगी जो अपने को नहीं है इधर दी नहीं है में देखने का वो लिमिट्स फिर आपको करनी पड़ेगी। चलो ढाई लाख के ऊपर फिर, फिर।, फिर आरबीआई नहीं देते लेकिन इनकी इंडिविजुअल लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई लाख ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है फिर किसके पास जाने का आरबीआई के पास मैं अनिसेबल मतलब प्रोहिबिटेड है समझ में देखो प्रोहिबिटमेंट में आया तो आरबीआई या सीजी कुछ नहीं कर सकती भारत माता की परमिसेबल ट्रांजेक्शन एवरीबॉडी क्लियर और मैं आपको दोनों में समानता है खाली एक चीज नहीं है मेरे को बताओ कौन सी चीज नहीं होगी लोन अपन लोन ले सकते हैं वो लोन इधर से नहीं ले सकता कौन

अगर आपका स्ट्रक्चर रेडी है तो फिर अपन बढ़ सकते हैं भाई पक्का ऑनलाइन बढ़ा लोग स्ट्रक्चर रेडी है नहीं हाँ हाँ या ना बोलो यस यस समझ बोलो तोड़ 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 लिखो रहे समझा गया तोड़ लिख रहा है, तोड़, तोड़ नहीं दिख रहा है समझा समझा तोड़ तोड़ मालिक तोड़ मालिक पक्का समझा बड़े फिर अब मेरे को बताओ तुम्हें क्या याद रखना फिर रटने का क्या है मेरे को बता ओके ये ये याद रखने की जरूरत है क्या रे ये आराम से याद रहता है ठीक है नॉट परमिसेबल का पांच मिनट का काम नहीं है रटने के लिए ओके नॉट परमिसेबल में पहला पहला पॉइंट पॉइंट दिया दिया है ओके परमिसेबीआर पी आर तो आई के ऊपर कितनी औकात पी आर आई के ऊपर कितनी औकात ढाई लाख मैंने ये बता दिया ये ढाई लाख रुपीज नहीं है वह डॉलर है रुपीज तो दो मिनट में खत्म हो जाएंगे ढाई <laughs> लाख डॉलर ये ढाई लाख डॉलर क्या है साल का साल में कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर ओके अगर ढाई लाख एग्जॉस्ट हो गए अगर ढाई लाख एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आप क्या चेक करोगे इंडिविजुअल लिमिट क्या चेक करोगे और अगर वो इंडिविजुअल लिमिट में तो खर्चा करो और इंडिविजुअल लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई है फिर आरबीआई के पास जाओ अप्रूवल लेने के लिए तो समझ में आया यानी मेरा क्वेश्चन है ओके, मेरे को बताओ ये सब मिला के जितना भी मैं लिखूंगा ग्यारह पॉइंट इसमें कितना खर्चा कर सकता हूं ढाई लाख ओके मैंने खर्च कर दिया एग्जाम्पल थर्ड में और फोर्थ में ढाई लाख खर्च कर दिया ढाई लाख खत्म हो गए और इनकी इंडिविजुअल लिमिट कंप्लाई थी मेरी

तो इसमें के पास नहीं पहले। पहले और कौन देगा? अपन फिर के पास जाएगा। और ओके okay okay करने के बाद तब तक ऑथोराइज पर्सन डील नहीं करेगा मेरे साथ मेरे ख्याल से आपको पूरा अभी इंटरप्रेशन क्लियर मेरे को लग रहा है क्लैरिटी आ रही है आपको समझ में आ रहा है फेमा कैसे बढ़ रहा है तो अब मेरे को बताओ पहला आंसर तो अपन ने क्लोज कर दिया कौन सा आंसर ओके आंसर तो क्लोज हो गया सर कौन सा आंसर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकती आरबीआई तो तीनों पॉइंट क्लियर ठीक है ओके रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है पहला पॉइंट पी पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है लाख लाख और की एग्जॉस्ट हो गई तो इंडिविजुअल लिमिट और इंडिविजुअल लिमिट एग्जॉस्ट हुई तो परमिशन ऑफ आरबीआई और ये हाँ अच्छा और एक चीज है ये टोटल में क्या करने का एड ये टोटल में क्या ऐड करने का टोटल में क्या ऐड करने का टोटल में करंट अकाउंट भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी ऐड करने का आत्मा क्लियर पक्का करने का ट्रांजेक्शन भी ऐड करोगे दूसरा पी आर ओ आई के लिए क्या क्या नहीं करने का तो पी आर ओ आई के लिए क्या क्या अच्छा ये ढाई लाख कौन से है भाई कोई हो नहीं रहा ना इसराइल और इसराइल वगैरह नहीं वो लोग उधर बताते हैं अटैक करने के पहले अनाउंस करते भाई अटैक होने वाला है, बिल्डिंग छोड़ो अपना इंडिया है उनको भी दूसरी बिल्डिंग समझी होगी <laughs> ओके <laughs> एंड okay. एक चीज मैं आपको बता दूंगा कभी ऐसा जोक मारा ना तो एक जोकिंगली लेना ओके okay, कोई सीरियसली मत लेना इंडिया के लिए ऐसा कुछ बोला भाई साहब मैं भारत माता की जय बोल रहा हूं भाई साहब मेरे पास ऑप्शन नहीं था इंडिया छोड़ने का ऐसा नहीं है मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे इंडिया छोड़ने के लिए जब मैं बैंक में था मेरे पास ऑप्शन था ना okay, के पर छोड़ा नहीं भाई ओके okay, ओकेज अपन ने डिसाइड किया अपनी कंट्री पे सौ करेंगे घूमने जाएंगे अलग बात है हाँ घूमने जाएंगे अलग बात है लेकिन भाई सर्व करेंगे किसको कंट्री को काम करेंगे किसके लिए कंट्री के लिए तो भाई जितनी तेरे अंदर भक्ति उतनी भी भक्ति मेरे अंदर है देश के लिए ठीक है भारत माता की जाए तो मतलब अगर मैंने कभी बोला होगा तो ध्यान रखना तो मैं आपको ये बता सकता हूँ मतलब ये क्राइटेरिया और ये कंडीशन भी मेरी मतलब मैंने शादी घर वालों को पहले से बताई हुई है अपनी कंडीशन एकदम तोड़ थी भाई तो भाई साहब क्योंकि सीसा था मैं मैं सीसम था और मैं बी भी था

हो है। तो याद रखना चिटफंड कुछ एक्सेप्शन है वो ठीक है बाद में देख लेंगे पॉइंट पॉइंट निधि तीसरा एग्रीकल्चर और दूसरा मैंने क्या बोला प्लांटेशन प्लांटेशन क्लियर है ना मालिक ओके okay, पहला चिट फंड है दूसरा निधि है तीसरा एग्रीकल्चर है और प्लांटेशन मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर मतलब जमीन प्लांटेशन जो भी होता है वो पहाड़ी पे होता है जैसे चाय का प्लांटेशन ओके रबर रब होता है वो उनका ना पानी रुकना नहीं चाहिए होता है तो जब भी कोई प्लांटेशन होता है उधर पानी नहीं रुकता है पानी नीचे जाना चाहिए और जो एग्रीकल्चर होता है उसमें पानी रुकना चाहिए is is खरीद ही नहीं, खरी नहीं सकते अप्रूवल भी नहीं लेने का भले ही इधर बोला होगा इधर ऊपर बोला था परमिसेबल में लिखा इमोबल प्रॉपर्टी ले सकते हो इंडिया में लेकिन हम बोल रहे हैं इमोवेबल प्रॉपर्टी में टी प्लांटेशन नहीं ले सकते समझ में आया क्योंकि मालिक ओके okay, और इसके अलावा आप यहां पर क्या नहीं कर सकते सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसमें नहीं कर सकते घर में नहीं बोला मैंने रियल एस्टेट रियल एस्टेट एस्टेट मतलब क्या रियल बिजनेस में यानी कल आप जमीन लेके बिल्डिंग बना के बेच के नहीं निकल सकते पैसा झेपा क्या मालिक रियल एस्टेट बिजनेस में रियल एस्टेट बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते आई डो थिंक झेपा मालिक रियल एस्टेट बिजनेस की बात करना याद रखना या आप फार्म हाउस नहीं बना सकते क्या नहीं बना सकते फार्म हाउस ओके तो अगर फार्म हाउस बनाना है तो आपको पी आर आई बनना पड़ेगा रीजन सिंपल है फार्म का ही पॉइंट है आत्मा क्लियर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़स पाँच दस मिनट से मैम कोई टेंशन नहीं ना नहीं मैंने को बोला शिवा सर अपने ही है कोई टेंशन नहीं है शिवा सर अपने एकदम आराम से है मेरा रेसिडेंट स्टेटस तो चेंज नहीं करोगे सर आप पक्का ना सर मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी तो कुछ बढ़ाओगे नहीं ना सर हाँ नहीं सर मैं मैंने रेसिडेंट स्टेटस ही दिखा रहा हूँ फेमा का <laughs> तो मेरे भाई और बहनों ओके सर क्या तुम लोग क्या मदद चल रखे टाइम पास चल रखे हाँ तो क्या नहीं कर सकता वो आंसर चाहिए फार्म 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 हाउस 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 पे रहते साले तू ही बनाएगा और जाएगा उधर ही और मेरे को मालूम है किसको लेके जाएगा ओके सबसे पहला क्या नहीं कर सकता चिट फंड दूसरा क्या निधि तीसरा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता तीसरा चौथा प्लांटेशन चोधा ही पर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन साथ में आता है उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं डाल सकता समझ में आया घर नहीं खरीद सकता ऐसे नहीं बोला मैंने अरे घर लेते हैं जो पी आर आर और, वो घर के भाड़े पे भी देते। और उनको जो भाड़ा था वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कल पड़ोगे ना उसपे अच्छा भाड़ा आ रहा है उसका क्या क्या वो लेके जा सकता पूरा में इन्वेस्ट करो इंडिया में रखो बाहर नहीं लेके जाना इंडिया में किधर और इन्वेस्ट करना वो करो आरबीआई बाहर पर प्रोहिबिटेड ऐसे समझा ये बहुत तोड़ वैसे अपन ने बरोबर से पी को कैप्चर किया अपन ने आराम किसको दिया है पी अपना है बाहर आदमी है यार जाने दे यार इस घर का आदमी अगला पॉइंट और एक नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता ओके टीडीआर आई डोंट नो डोंबल डेवलपमेंट राइट्स एक्साम्पल ये समझ लो ये प्रॉपर्टी में विनोद सर के कितने सारे विनोदिंग है ओके इमेजिन करो गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी तोड़नी पड़ी क्यों रोड बनाना है मेट्रो बन रहा है विनोद सर को कितना सारा मिलेगा अब मेरे को बताओ विनोद सर को क्या मिलता है पैसा मिलता है नहीं एक जगह दी जाती है जहां पर विनोद सर खुद अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट विनोद सर को एक जगह दी ओके okay, पिंपरी के इधर अब विनोदर उधर पिंपरी में जाके क्या करूंगा मैं पिंपरी में तो क्लास भी नहीं है तो ने शिवा सर को बोला मतलब में बहुत अच्छी जगह है मैं दिला तो फ्लैट बना ले अग्री करते शिवा सर खरीद लेते हैं ये पॉसिबल होगा अगर गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया था सर को पिंपरी का उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफरेबल है इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट समझ में आया तो अब ये अगर सर को मिला और अगर ये विनोद सर पीओ पी आर ओ आई को दे, तो दे तो, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन कर लिया ना अभी इसमें नहीं बोल सकता मेरे को मालूम नहीं था ये खरीद नहीं सकता मैं विनोद सर तो पैसा लेके निकल जाएंगे विनोद तो डॉलर में कमा तो डॉलर में मिलेगा कैश में कन्वर्ट करेंगे अलग इशू है लेकिन टेक्निक समझा लेकिन वो कर नहीं सकता था प्रोहिबिटेड ये छीन लिया जाएगा टीडीआर किसके पास जाएगा डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट तो जो भी आपने ऐसा किया होगा ना जो करेंसी जो इलिगल है कौन सी चीजें नहीं कर सकती पांच चीजें क्या नहीं कर सकता चिट फंड नहीं कर सकता निधि नहीं कर सकता एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन नहीं कर सकता रियल एस्टेट एंड रियल के साथ में क्या फार्म हाउस और पांचवा सिनारे क्या नहीं कर सकता टीडीआर टीडीआर का फॉर्म Transferable development rights. ये भी कौन समझा? है. खाली इसमें एक बिल्डिंग टूट ये, ये रही है और नहीं बन रही है और इसके लिए बुला रहे कौन आएगा बनाएगा इसके लिए वो नहीं आ सकते लेकिन एक टाउनशिप बनानी है जमीन लेके मानो ना पूरा टाउनशिप टाउनशिप परमिटेड क्योंकि टाउनशिप बनाने के लिए पैसा बहुत तोड़ लगता है ओके okay, बहुत सारा डॉलर आएगा यह है बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें चल जाता टाउनशिप में किसमें चल जाता टाउनशिप मेरे ख्याल लॉजिक बेटा एंड तीसरा वाला आंसर तो तेरे को आता है किसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करना सालो कोरिया खत्म कोरिया में आप ना प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो ना इनको कोई कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हो सिक्योरिटी में ना आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं सर कब से 2017 से कुछ भी नहीं कर सकते ओके okay? और ये टेक्निक अगर मैं बोल रहा हूं इसको बोलते है, हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक को मानो है ना उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया वो उनका अपना वो वो अलग है और अगर आप कर रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे इसके पहले सर छह महीने के अंदर बेच बाज के निकली भली नुकसान हो रहा है खत्म आत्मा क्लियर तो कितने प्रोहिबिशन क्लियर मालिक नॉट परमिसेबल एवरीबॉडी तो एक लास्ट आंसर मिनट नो प्रॉब्लम सर सर तो बता दो अभी क्या क्या आएगा पहला पॉइंट क्या क्या कर सकते हो आप ये तो टेक्निकली इजी है सबसे पहला आपको मैं तीन इजी देखो ये आप जो सीक्वेंस देख रहे हो ग्यारह पॉइंट का ये पॉइंट का बुक में सीक्वेंस मैच नहीं होगा क्योंकि मैं तो थोड़ा इजी वैसे याद रखने बोल रहा हूँ बुक का पढ़ना तो बुक का पढ़ सकते हो आप लेकिन मैं याद देखो एट द एंड ऑफ याद आना चाहिए वो याद आना चाहिए तो पहले याद रखना लोन 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 तो कितने लोन तो सर पहले कौन सा लोन पहला लोन आपने लिया किससे जो आपने लोन लिया वो किससे लिया बोकेज, पी आर आई ने लिया अच्छा ये कौन ले रहा है ये इसमें मालिक, मालिक प्लीज हाँ हाथ जोड़ता हूं विनती करता हूं ऐसा मत करना ये तो लोन लिया किसने लिया पी आर आई ने कहा से फ्रॉम एब्रॉड और इंडिया बट इन फॉरेन करेंसी लोन किसमें लिया फॉरेन करेंसी में कहा से लिया इंडिया में लिया या एब्रॉड लिया लेकिन किसमें लिया फॉरेन करेंसी क्या यह परमिसेबल है यस yes! और मैं आपको बता दू लोन पे कोई लिमिट नहीं है मैंने आपको बताया था ढाई लाख की लिमिट खाली किसके ऊपर है खर्चे जो आगे देखेंगे खर्चा मतलब स्पेंड कर रहे हो आप भारत समझा मालिक दूसरा भाई साहब आपने और एक लोन लिया सर किससे ओके okay, आपने लोन लिया पीओ पी आर ओ आई से और एक कॉन्सेप्ट आपने लोन दिया पी आर ओ आई को ओकेज दोनों केस में डिफरेंस क्या है ओके okay, यहां से लोन लिया लिया और यहां पर लोन या अब मेरे को बताओ अगर इधर लोन दिया है और अगर ये परमिसेबल है तो इसको तो परमिसेबल ही होगा ना फिर नहीं समझा इसलिए ये लिस्ट में ये लोन नहीं है और अगर ये लोन ले सकता है पीआरओआई से तो ये तो लोन दे ही सकता है ना तो रिडंडेंट लिस्ट क्यों बनाएंगे इसलिए उधर लोन नहीं है नहीं समझा समझा मैंने आपको बताया था इसीलिए अगर आप देखोगे तो टेक्निकली वही डिफरेंस है लोन का ही ओके लोन तो लोन दे सकता है लोन ले सकता है तो तीन लोन लोन कौन से पहला लोन ले रहा है अब ये लोन किससे ले रहा होगा जिससे भी ले रहा होगा वो भले ही पी से ले रहा होगा लेकिन किसमें ले रहा है फॉरेन फॉरेन करेंसी करेंसी और में ले रहा है और और फॉरेन करेंसी कहां पर इंडिया दूसरा लोन ले रहा है वो किससे ले रहा है PRI से वो लोन दे रहा है किसको दे रहा है पी आर तीनों पॉइंट समझे मालिक तो पहले वाले में ना पी आर स्टेटस नहीं है लेकिन फॉरेन करेंसी है और दूसरे तीसरे में पीआर एक को लोन दिया एक को लोन आत्मा क्लियर अरे हाई आना अगला पॉइंट ओके इन्वेस्टमेंट ये तो भूलो ही मत यानी क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर इन्वेस्टमेंट किसमें फॉरेन सिक्योरिटीज क्या परमिसेबल है ये आंदा धूं ढाई लाख समझ में आया ओके तो और अगर ढाई लाख एग्जॉस्ट हो चुके तो इंडिविजुअल की आरबीआई के पास नहीं इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट की लिमिट और वो अगर एग्जॉस्ट हो गई है आरबीआई से परमिशन लो और उसके बाद रहो आत्मा क्लियर आंसर लिखने में दिखना चाहिए मालिक

गारंटी गारंटी भाई किसके किसके फेवर में गारंटी दी ओके वर्डिंग ध्यान रखना कसम बोल रहे तेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा मालिक ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड गारंटी दी दी है है मैंने क्या गारंटी ली नहीं गारंटी दी देखो मेरे को बताओ गारंटी क्या होती है एग्जाम्पल ओकेज okay, मैं अगर इससे लोन लेता हूं मैं इससे लोन लेता हूं ये बोलता है चुकाएगा कैसे मैं बोला शिवा सर गारंटी दे रहे यानी अगर मैं नहीं पे दे पाया तो शिवा सर लायबल ना

सर केस में आएगा ना क्योंकि को को भरने को आ सकता है अगर मैंने रिपे नहीं किया तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है गारंटी लेने में मेरे को प्रॉब्लम कब ये आरबीआई मतलब कब ये है जब मैंने गारंटी दिया यानी ये गारंटी किसने दिया बेटा गारंटी किसने दिया पी ने किसके फेवर में लॉजिक okay, झेपा गया एवरीबडी ओके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद रखना पूरा रिवर्स मिलेगा तुम्हें बस खाली है है कौन सा निकालना आपको समझ में आ गया है है okay, ये रहेगा मतलब उल्टा सीधा करना है। और का import, export, वो इंडिया में करेगा और इंडिया से लेके जाएगा तब लगेगा ट्रांजेक्शन आत्मा क्लियर ओके okay, ये ध्यान रखिए मालिक आत्मा क्लियर ओके okay, लास्ट दो तो, दो तीन पॉइंट है इसको क्लोज कर लेते हैं इतना सा करते है, सर, एक मिनट में कोई दिक्कत पक्का Okay, अब मेरे को बताओ क्या फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बना मेंटेन कर सकता हूं आंसर इज यस सर आप ये इंडिया में मेंटेन करो या बाहर मेंटेन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ये कौन मेंटेन कर रहा है पी आर आई या पी आर ओ आई नहीं सर फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब डॉलर में डॉलर मतलब डॉलर रख रहा हूं मैं अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है तो मेंटेन फॉर करेंसी है अगला तीन पांच पॉइंट है पांचट ओके इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है अबे पागल आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कौन मना किया लेकिन कहां से लेनी चाहिए थी इंडिया से लेकिन तूने बाहर से ली है क्या परमिसेबल है येस. तो इंश्योरेंस पॉलिसी, कहां से ली है? पॉलिसी की भी नहीं है इसमें भी परमिसिबल है ना ये लेकिन लिमिट ढाई लाख लास्ट पॉइंट के मालिक तो मेरे को लोन 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 इजी आंसर है इन्वेस्टमेंट इमो प्रॉपर्टी गारंटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट

भारत माता की जय तोड़ मालिक क्लियर कल सुबह आठ बजे अपन इस पे ऊपर चर्चा करते हैं बट लॉजिक आपका क्या काम रहेगा आपका एक एडिशनल काम क्या रहेगा ये फटाफट पढ़ लेने का कौन सा वाला आया ओके okay, तो आपके पास नोट्स है आपको मालूम पड़ चुका है क्या स्ट्रक्चर करना है आत्मा क्लियर एवरीबडी चीट शीट भेज देता हूँ मैं देता मैं अभी भेज देता हूँ पांच मिनट में बाहर जाके भेज देता हूँ क्लियर है पर लॉजिक बेटा बैठा कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब कौन सा नहीं 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 इसमें इसके अंदर ढाई लाख तो सबके लिए है तो ढाई लाख जो एल आर एस है ना इसमें तो अपने को अगर अगर पैसा मिल रहा है उसके लिए तो कम्युनिकेशन ऑफ रेमिटेंस तो लगेगा ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है और करंट अकाउंट ये सब मिलके अपने को लाख का है ये हाँ सब मिलके ढाई लाख है और इसमें से ये वाला पार्ट है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है इंडिविजुअल लिमिट भी नहीं है इनकी ओके जिनकी इंडिविजुअल लिमिट रही ना तो और प्रॉब्लम्स रहते हैं ऐसा है थोड़ा लालिक क्लियर सी यू टुमारो कल सुबह मॉर्निंग में एक बार कैपिटल अकाउंट को रिवाइज करेंगे फिर किस पे चालू करेंगे करंट अकाउंट कल मिस मत करना मालिक तोड़ मालिक बाय मालिक आपको चार्जर देता वो एक मिनट चार्ज देता ऊपर चार्जर है नहीं आपको खाली वायर लगेगी ऊपर चार्जर है हाँ ऊपर अरे हाँ तो हैप्पी नवरात्रि आज नौ नव दिन हुए कल दसरा है तो एडवांस में हैप्पी दसरा Happy तोड़ है तो बस आपकी जिंदगी में हा? अरे माँ कसम इधर पढ़ा रहा हूं तुमको घंटा उठेगी मैं तो भारत माता की जय मालिक तो, आ, कहानी को एक बार वापस रिकॉल करते हैं सर मैं कहाँ पर था अभी तक मैंने आपको टोटल तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाए ओके तीन कॉन्सेप्ट में क्या है था? पहला कॉन्सेप्ट था आपके लिए तीन कॉन्सेप्ट में मैंने जो पढ़ाया उसमें पहला था पी आर आई दूसरा था पी आर ओ आई ये पहले दो कॉन्सेप्ट थे जिसको अपन एक कॉन्सेप्ट में भी ट्रीट कर सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ये होने के बाद अपन ने कल किया था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होपफुली अपने घर पर जाके कल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की कहानी अगर करे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को एक बार वापस देख लेते हैं सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का सेक्शन नंबर है सेक्शन सिक्स सिक्स वन बोलता है okay, ओके okay, ये आपको ध्यान रखना होगा किसके साथ करना है ऑथराइज पर्सन ये आपको ध्यान रखना होगा सेक्शन सिक्स वन सिक्स टू बोलता है ओके okay, अगर डेप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपके टर्म्स एंड कंडीशन ओके कुछ क्राइटेरिया ओके okay, कुछ लिमिट्स बताएगा अगर डेप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है और दूसरे कोई ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए आरबीआई क्राइटेरिया बताएगा ये लॉजिक अपन ने डिस्कस किया ओके okay, तो ये ध्यान रखना बैकअप दिखाना लाइक देखा क्या रोहन नहीं देखा तो तेरे को कैसे मालूम तू तो हाँ हाँ कर रहा है कड़क है मतलब मैं तो सोच रहा हूँ यार ये तो फिर तो मैंने पढ़ा नहीं छोड़ देना चाहिए बिना कुछ किए उसको हाँ यस 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 मेरे को मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा हाँ मतलब, मतलब मतलब ये है कि उसको मालूम है कि भाई यार सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई डेट बेस एंड नॉन डेट बेस पे रोहन को मा... भाई साहब इसको वो देवाचू हाँ देजाबू हाँ वो चू है इसीलिए देजा 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 तो तो नहीं मैं इधर बोल रहा हूँ हाँ हाँ कर रहा बाकी कोई नहीं कर रहा जो कल बैठा था मैं जिनको बोल रहा हूँ कोई सुन हाँ ठीक है भाई हो रहा है वो बोल रहा है, है यार रहे मैं मैं कंफ्यूज हो गया रे या मेरे को ऐसा नहीं हो गया मैं कल भूल गया कल मैं कुछ कल मैं कल भूल गया वही आया था और कोई नहीं आए थे कल ऐसा ही नहीं ऐसा तो नहीं हो अरे माका साहब अरे <गण> तो रशिया मैंने उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने थोड़ा ना बजाता ओके तो भाई साहब <गण> बढ़िया था शुरुआत बढ़िया तो भाई साहब ओके okay. बहुत आ जाइए आ जाइए आ जाइए ओके okay, आज की मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा ओके okay, पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी माना मालूम होना चाहिए सारे ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होने चाहिए ऑथोराइज पर्सन सेकेंड ओकेज अगर आपको मालूम होगा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कुछ ना कुछ तो आपके लिए ओके okay, ओकेज कौन से ट्रांजेक्शन परमिसेबल है कौन से लिमिट्स है कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है ये बताइए मालिक एवरीबडी तो आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं ओकेज अब मेरे को बताओ डेप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन ध्यान रखेगा आरबीआई नॉन डेप के लिए सीजी ठीक है six, three, अगर आपको याद है एक लिस्ट थी जो 2019 के पहले काम की थी उसके बाद चली गई आत्मा क्लियर तो सिक्स थ्री की लिस्ट काम की नहीं है सिक्स फोर okay, आपको याद है और six, सबसे इंपॉर्टेंट था अगर पी आर आए, okay, अगर कुछ होल्ड करता है इन्वेस्ट करता है ओन करता है और ट्रांसफर करता है सर क्या फॉरेन फॉरेन करेंसी सिक्योरिटी फॉरन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तीन चीजें ओके okay, सर कब उसने होल्ड की थी या कब उसने ओन की थी ओके okay, थी जब वो पी आर ओ आई था तो उस प्रॉपर्टी के साथ उसको जो चाहिए वो कर सकता है विदाउट एनी लिमिट विदाउट एनी लिमिट तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाइए या तो उसको जो मिलना चाहिए उसको या तो करेंसी या तो करेंसी या तो सिक्योरिटी या तो प्रॉपर्टी उसको जो मिलनी चाहिए वो इनहेरिट भी हो सकती है किससे पी आर ओ आई से इनहेरिट हो सकती है एवरीबडी क्लियर इसके बाद आता है पी आर ओ आई सर पी आर ओ आई अगर आपके आ, इंडिया में करेंसी होल्ड करता है सिक्योरिटी होल्ड करता है या प्रॉपर्टी होल्ड करता है कहां पर इंडिया में तो यानी वो कौन सी होल्ड कर रहे बोल रहा हूँ बेस एकदम रेडी करना इसीलिए वापस इसको आराम से करो ओके okay, क्योंकि अपना आधा घंटा ये समझ में आएगा समझने में टाइम जाएगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है और okay, आप लिख के ले लो नहीं मिक्स तो नाम बदल देना और यही प्रॉब्लम होगा फेमा में अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसका एक ही गलत होगा कि आप उसको कौन सा ट्रीट कर दोगे

पी आ रहा है तो वो जो चाहिए वो कर सकता है या तो उसको इनहेरिट हुई रहेगी क्या हुई रहेगी मालिक इनहेरिट ओके okay, झेपा गया ये दोनों पॉइंट ओके और इसके अलावा मैंने बताया में ओके okay, आरबीआई रेगुलेट कर सकता है, कर सकता सकता है है प्रोहिबिट कर सकता है और लास्ट कॉन्सेप्ट था ओके okay, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अब ये तो ठीक है ओके okay, ये तो ये तो ठीक था इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया नो रेस्ट्रिक्शन वाले क्राइटेरिया मेरे को बताओ कौन से कौन से इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कौन से कौन से इसमें आरबीआई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती है

किधर की बैलेंस शीट की नहीं ना? मा कसम देखा ये देखा स्टार्ट ही अपन अपन तो कैपिटल अकाउंट से ही खराब निकलने लग गए मतलब मतलब कैपिटल अकाउंट स्टार्ट से ही अपन प्रॉब्लम करने लग गए मतलब करंट पे तो वेट ही नहीं करना है सर करंट तो अपने आप ही खराब होएगा कैपिटल ही खराब कर दिया अपन ने मैं कल आपको इतना समझाया ओके अगर आप पी आर आई है अगर आप पी आर आई है और आपका एसेट या लाइबिलिटी ओके ये इंपैक्ट हो रही है पर किधर से आउटसाइड okay, इंडिया की आउटसाइड इंडिया की इंपैक्ट हो रही है तो आपको यह करना है ना मालिक तब आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में डालना है तब तक तो कैपिटल तो अकाउंट में होगा ही नहीं अच्छा कोई एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट नहीं है यार बैलेंस शीट से बाहर निकलो मैं वही बोल रहा हूं इनकम टैक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकलो मैं जब शब्द यूज कर रहा हूं कल भी मैंने इसी के ऊपर किया सबसे पहले सुबह ब्रेक के पहले दस पंद्रह मिनट और एक्सैक्ट किया था इसी पे किया मैंने वापस बैकअप लेक्चर देख लो उसमें ये मैं इसी पे उसमेंट किया मैंने मैं आपको वापस समझा रहा हूं अगर आप कुछ ब्लंडर नहीं करो देखो सिलेबस खत्म है फेमा का आज मतलब ऑलमोस्ट डन हो जाएगा तो सिर्फ फेमा में है क्या पढ़ने के लिए फिर फेमा पंद्रह माह का क्यों आएगा अगर ऐसा ही इतना ही है तो पंद्रह माह का क्यों आएगा तेरी कहां पर मैं? कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना फेमा में फिर क्वालिटी यही है कि तेरे को समझाना भी नहीं पड़ेगा इन दोनों ट्रांजेक्शन में तू ये डाल देगा ये डाल देगा क्योंकि तेरे दिमाग में प्रॉब्लम यही है कि तेरे इसमें एसेट्स है ओके okay, एक एग्जांपल बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल आप, आप टेक्निकली इसको ध्यान रखना okay, चलो एक मेरे को ये बताओ अगर मैं एक मिस्टर ए पकड़ता हूँ इसको मैं वापस बाद में लिखूंगा लेकिन मैं एक बार रिकॉल मिस्टर ए है, है। मिस्टर बी okay, है और ये इंडिया में है मिस्टर ए okay, को मशीनरी इंपोर्ट करी क्या इंपोर्ट करी मशीनरी इंपोर्ट करी मशीनरी किधर आई इंडिया में आई और मिस्टर ए ने पेमेंट कर दिया

ये ब्लेंडर है तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि इनकम टैक्स में फाइनेंशियल अरे मेरे भाई, का भार, में घंटा कुछ हो रहा है ना तो उसका कोई एसेट है क्या इंडिया के बाहर तो उसको क्या प्रॉब्लम है तो, आ, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ए के लिए तो हो ही नहीं सकता ए के लिए कैपिटल कब ट्रीट करोगे जब कोई एसेट और लाइबिलिटी है कहां पर इंडिया के बाहर

काम खत्म कहां से उसका एसेट लेगा तो ये दोनों के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है पर आपका इंटरप्रेशन जाएगा कैपिटल अकाउंट ये ये चीज को वापस क्लियर करो वापस बोल रहा हूं अगर नहीं समझा वापस वापस क्लियर करो टाइम इसको टाइम डालो और वापस वापस क्लियर करो और इसके अगर एग्जाम्पल ये वापस एग्जाम्पल देता हूं मैं करंट अकाउंट के पास आप लंडर करोगे इसी में और फिर कौन सा शेड्यूल लगा दोगे कैपिटल के शेड्यूल लगा दोगे करंट के लिए और करंट के शेड्यूल लगा दोगे कैपिटल और दोनों में उल्टा है मालिक अच्छा मेरे को बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजक्शन का शिवल वन श्यूलू क्या बोलता है कैपिटल अकाउंट कैपिलकाउंट कल बताया था मैंने पूरा अच्छे से बताया शेड्यूल वन क्या बोलता है पी आर आई क्या कर सकता है फ्रीली कर सकता है ना ओके इसके बाद रहा तो अगर वो लिस्ट है उसके बाहर रहा तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा लेकिन पहले उसने देखना चाहिए क्या वो प्रोहिबिटेड है क्या प्रोहिबिटेड नहीं है तो तो मतलब आपने क्या देखना है कैपिटल में ये ये फ्री है एवरीबॉडी क्लियर ये प्रोहिबिटेड है इसके बीच का कौन है इसके बीच के अगर कोई ट्रांजेक्शन आते वो आरबीआई अप्रूवल एवरीबडी क्लियर करंट में उल्टा है करंट में शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में आरबीआई के अप्रूवल लगेंगे और जो लिस्ट में नहीं है फ्रीली परमिशेबल समझ में आ रहा है यानी आपका लिखने का तरीका ही उल्टा हो जाएगा अगर आपने किसी को ट्रीट करंट किया उसका एंसर रिवर्स है और कैपिटल किया उसका आंसर रिवर्स है कैपिटल में आपको फ्रीली ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है उसमें अप्रूवल लगेगा करंट में आपको अप्रूवल वाले ट्रांजेक्शन दिए उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है उसमें पूछने की जरूरत नहीं है बैठ रहा है मैं तो समझ में आ रहा है यानी ये शेड्यूल शेड्यूल मैं मैं करंट में अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में शेड्यूल बताऊंगा एक आधे घंटे बाद शेड्यूल करेंगे अपन वो शेड्यूल मतलब क्या है अप्रूवल वाले शेड्यूल है ओके तो अगर मैंने उसमें दस पॉइंट बताया मैं बोला दस पॉइंट है इसका मतलब वो दस पॉइंट करने हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा यानी आरबीआई के पास पहले जाऊंगा मैं बोलूंगा ये करूं कि नहीं करूं आरबीआई ने मना किया तो नहीं कर सकते और ने हा बोला तो कर सकते हैं ये लॉजिक होगा कौन से इसमें करंट में अच्छा उस लिस्ट में नाम नहीं है वो आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं बिंदास करो समझ करो क्या क्या, क्या करो क्या क्या करो क्या ट्रांजेक्शन झेपरा के मालिक नहीं समझ समझ में आ रहा है बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये मतलब न, मैं बोल रहा हूं तीन आंसर के लिए क्या पंद्रह मार्क मैं चैप्टर को दूंगा क्या मैं तो भी, कौन सा क्या लिस्ट, कर, तेरे को कौन सा लिस्ट में एक पी आर आई हूँ और मेरा एसेट्स और लाइब्रेटीज हिल रहा है किधर इंक्लूडिंग किधर आउटसाइड इंडिया यानी कोई तो एसेट या लाइब्रिटी होनी चाहिए किधर होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया अगर वो एसेट लाइब्रेटी इंडिया के अंदर है वो कैपिटल में क्यों जाएगा ओके okay, अच्छा एक ऐसा लेते हैं और मैं अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा जो आपने अभी एग्जाम्पल बताया आपने जो अभी ए और बी का एग्जाम्पल बताया उसमें तो फिर इंडिया में ही है तो तो क्या ट्रांजेक्शन ही नहीं होना चाहिए अरे पर मैंने फॉरन एक्सचेंज किया ना मैंने इंपोर्ट करते उसको क्या दिया डॉलर दिया है तो फॉरन एक्सचेंज तो आ रहा है ना ट्रांजेक्शन कौन सा माना जाएगा ओके okay, कैपिटल नहीं माना जाएगा करंट माना जाएगा ये ट्रांजेक्शन के लिए क्योंकि अप्रूवल लेना कि नहीं लेना यही तो डिस्कशन है अपना यार आपके आंसर में यही तो लिखना है

ओके ट्रांजेक्शन नॉट परमिशिबल कौन से है सबसे पहला ढाई लाख के ऊपर है okay, समझ में आया फिर ढाई लाख के बाद आपको इंडिविजुअल लिमिट देखनी है ये भी समझ में आया ओके okay, पर ये ढाई लाख में खाली कैपिटल अकाउंट वाला अमाउंट रहेगा या करंट अकाउंट भी करेगा दोनों रहेगा यानी ढाई लाख आपको अलग अलग ढाई लाख नहीं मिलेगी अगर मैंने करंट अकाउंट में ढाई लाख लिखा है तो आप याद रखना वो ढाई लाख इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल और कैपिटल इज इंक्लूसिव ऑफ करंट ये क्लियर है ओके okay, ढाई लाख एग्जॉस्ट हो गया फिर क्या करोगे कैपिटल की इंडिविजुअल लिमिट देखोगे सर फिर करंट के लिए डिस्कस करेंगे ना उसके बाद ओके सर पी आर ओ क्या नहीं कर सकता ये तो क्लियर है चिट फंड में नहीं डाल सकता निधि कंपनी में नहीं जा सकता ओके सर क्या नहीं कर सकता एग्रीकल्चर और प्लांटेशन सर वो क्या नहीं देख सकता रियल एस्टेट का बिजनेस या फार्म हाउस लेकिन इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन बताया था कि वो टाउनशिप बना सकता है एंड लास्ट में और क्या टीडीआर टीडीआर का पॉइंट ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट ये नहीं कर सकता प्रोहिबिटेड है सर किसको पीआरओ सर व्हाट इफ पीआरओ ने खरीद लिया कल जैसे मैंने बताया था विनोद सर बेच रहे थे और पीआरओ आर सपोज कोई पीआरओ आर ने खरीद लिया ट्रांजेक्शन और जो उसने खरीदा हुआ राइट्स है विनोद सर का तो हो गया काम विनोद सर को तो पैसे मिल गए वो वो जो TDR के है किसके पास चले जाएंगे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट समझ में आ रहा है वो आप नहीं रख सकते नहीं रख सकते कप, प्रोहिबिटेड है मना किया हुआ है ओके okay, अगर आपको मैंने बोला है सौ डॉलर रख सकते हो आप आपके पास पांच सौ डॉलर मिले चार सौ में ले लूंगा बात खत्म चार सौ डॉलर मेरे हो जाएंगे ओके डायरेक्टर ऑफ आप नहीं होल्ड कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते की तो कहानी थी उसके आप पढ़ोगे तो पढ़ा होगा बाई चांस आपने तो देखा होगा ओके ये जो 2017 के पहले के ट्रांजैक्शन अगर हुए रहेंगे तो सर तो उसको बोला हुआ छह महीने के अंदर निपटा दो यानी डिसाइड कर लो उधर रखना है कि नहीं रखना प्रॉपर्टी वॉपर्टी यानी छह महीने के बाद प्रॉपर्टी ओन भी नहीं कर सकते वो प्रॉपर्टी आपकी मानी नहीं जाएगी फिर वो प्रॉपर्टी किसकी होगी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट समझ आ रहा वो लोग प्रॉपर्टी उनके इसमें जो चीज आपको नहीं करनी है और आप वो करते हो okay, तो आपने वो 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 की हुई चीज होगी किसके पास चली जाती है डायरेक्टर्स ओके okay, तो अपील वगैरह फिर फिर आप अपील आप करोगे फिर ये रहेगा मालिक समझ में आ रहा ये हो है ये कंटेक्ट होगा भारत समझ आ गया मालिक चलो बढ़िया वापस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिस्ट दिखते हैं पहला वाइन लिस्ट, लिस्ट वन शेड्यूल वन

ठीक है दूसरा पॉइंट लोन क्या मैं पी आर से ले सकता हूँ क्या मैं लोन पी आर को दे सकता हूँ ये काम खत्म हो गए लोन 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 इसके बाद आपके लिए आता है इन्वेस्टमेंट सर इसमें किसमें कर सकते हैं सिक्योरिटीज मैंने आपको क्लियर बताया फॉरन सिक्योरिटीज का लॉजिक उसके बाद आता है सर इमोबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं कहां पर आउटसाइड इंडिया सर गारंटी दे सकते हैं सर कौन गारंटी दे सकता है पी आर आई ओके इन फेवर पी आर वाय समझ में आया मालिक वो गारंटी देगा तो बाहर की लाइबिलिटी बढ़ रही है ना मेरे को बताओ अगर पी आए बाहर अगर पेमेंट नहीं करता है तो किस किससे पेमेंट मंगाया जाएगा मुझसे तो मेरा ये बाहर का एसेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग हिल रही है इधर पॉइंट क्लियर अगला पॉइंट ओके एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा ये कल किसी ने पूछा भी नहीं मैं कह रहा था अपन लास्ट में थे पर ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बाद में देखते हैं क्या मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता हूं यस इंडिया में भी मैंटेन कर सकता हूं आउटसाइड इंडिया कौन हूं मैं मेंटेन कर सकता हूं बिंदास मेंटेन कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है सर क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ यस yes, इंडिया में तो ले ही सकते हैं मैं भा, इंडिया के बाहर के कोई कंपनी से पॉलिसी ले रहा हूं ओके यूजुअली ऐसे कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपन इंडिया के बाहर से जब अपन कुछ एक्सपोर्ट करते हैं अगर एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स नहीं पहुंचा एक तो इंडिया से भी ले सकते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो भी पॉलिसी लेनी पड़ सकती है तो उसके लिए जो पेमेंट करोगे ओके okay, वो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा कैपिटल अकाउंट लिस्ट में है कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा कैपिटल आप बोलोगे ना इंश्योरेंस पॉलिसी है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो मेरे को कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट करोगे कैपिटल और मेरे को बताओ ये फ्रीली है या पूछना पड़ेगा फ्रीली है आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है उसके अलावा मुझे रेमिटेंस आउटसाइड लास्ट कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट okay, कर सकते हैं yes. है, है, कोई दिक्कत नहीं है भारत माता मतलब झेपा के मालिक ओके okay, खाली एक पॉइंट आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरे को बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है या करंट अकाउंट करजेक्शन है इसके नाम पे मत जाइए क्योंकि आपने कल पूछा नहीं और अपन वो लास्ट में थे तो मैं एंड करने के में मैंने एक साइजल है, है सोच के बताइए क्या लगता है ओके मेरे को बताओ अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे फॉरन करेंसी मिल रही है कैसे वजह से मेरा बाहर का एसेट लाइब्रेरी हिल रहेगा तो फिर कैसे एक्सपोर्ट इधर लिखा है किसी किसी ने कल बुक पढ़ी नहीं सर टाइम नहीं है ना यार टाइम नहीं मतलब अरे तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है अरे मालिक माँ कसम बताओ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कि नहीं है अब मेरे को बताओ मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया ओके okay, मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया मुझे फॉरन करेंसी मिली प्रॉपर्टी बाहर चली गई प्रॉपर्टी मतलब गुड्स बाहर चले गए अब क्या गुड्स बाहर मेरे है कि उसके है जिसको बेचे है उसके है उसकी करेंसी मेरे पास आ गई खत्म हो गया कहां पर मेरा प्रॉपर्टी बाहर क्या हिल रहा है कौन सा ट्रांजेक्शन

मैंने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है सर एक्सपोर्ट क्यों किया कुछ कारण किया होगा जो भी किया बस मेरा पॉइंट है मेरी फॉरेन करेंसी किधर गई? गई। बाहर और अभी भी वो करेंसी मेरे को आनी बाकी है, पर आता है। वो लिस्ट को याद की, प्रक्रिया, चालू कर लो आप जितना आप करोगे उतना अच्छा है क्योंकि करंट में भी आपके पास लिस्ट होगी जिसमें करंट रहा आप शेड्यूल टू की लिस्ट कॉम्प्लिकेट बनेगी शेड्यूल थ्री में क्राइटेरिया होंगे और उसके अंदर और दो लिस्ट होंगी यानी करंट अकाउंट में चार लिस्ट अपने लेकिन तीन लिस्ट तो मरवानी पड़ेगी बहुत आसान है मेरे ख्याल से बस याद रखना ये लिस्ट का जब मैं बता रहा ये लिस्ट में मुझे अप्रूवल चाहिए या बिना अप्रूवल बिना अप्रूवल काम खत्म बिना अप्रूवल बिना अप्रूवल है और इसके बाहर जो भी ट्रांजेक्शन है वो अप्रूवल है करंट में उल्टा होगा करंट में जो तुम्हें मैं लिस्ट बताऊंगा उसमें अप्रूवल चाहिए और कोई ट्रांजेक्शन लिस्ट में नहीं आ रहा होगा फ्री मतलब पूछने की जरूरत नहीं है बस ये याद रखना तो आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर का तरीका ओके अब मेरे को बताओ की लिस्ट है अच्छा लिस्ट फटाफट बताओ पड़ा पड़ा क्या क्या है क्या क्या नाम याद रखोगे मेरे को बताओ पहले क्या बोला मैंने लोन 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 पहले तीन तो लोन 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 क्लियर है ओके लोन पहले इंडिया में लिया या आउटसाइड इंडिया लिया लेकिन किसमें लिया फॉरेन करेंसी में

एवरीबडी तो क्लियर तो बैठे क्लियर कैपिटल माना जाएगा भारत माना की जाए क्लियर okay, अब आते हैं पी आर ओ आई okay, किसका करंट में आएंगे करंट में डिस्कस करेंगे तो अभी थोड़ा सा रेमिटेंस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा बाद में करते हैं करंट में क्योंकि तो इसमें जाके बात करेंगे ओके okay, तो so ये पॉइंट पे अपन ने ग्यारह पॉइंट पे देखे ग्यारह पॉइंट के सामने कितने पॉइंट है मेरे दस ए, दस नहीं कितने ट्रांजेक्शन है, है? परमिशन लेनी पड़ेगी ये परमिशन लगेगी कि नहीं लगेगी जरूरत नहीं है परमिशन की एवरी क्लियर परमिशेबल ट्रांजेक्शन है तो ये किसके ट्रांजेक्शन है पीआरओ आई के अब मेरे को बताओ ये पी आर ओ के जो ट्रांजेक्शन है इसमें इनके लाइसेंट लाइबिलिटी हिल रहे किधर पी आर ओ आई पी आर ओ का आउटसाइड है POI का किधर हिल रहा है इंडिया में हिल रहा है का लॉजिक In है. In क्या -क्या? है उसको बिठाते हैं सबसे पहला पॉइंट okay, मेरे ख्याल से आपको समझा होगा इन्वेस्टमेंट क्या लोगे इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिक्वेंस बना बना रहा हूं जो अपना सीक्वेंस बाजू का ही है तो सबसे पहले क्या लोगे इन्वेस्टमेंट ओके इन्वेस्टमेंट हो गया दूसरा पॉइंट आप क्या नाम दोगे इमुवेबल प्रॉपर्टी ओके okay, मेरे को बताइए मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था लोन आप लिखोगे ही नहीं क्योंकि लोन जो इधर आ गया है, वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी इसके हिसाब से क्लियर है उसके हिसाब से कुछ और ट्रांजेक्शन हो सकता है परमिशन लग सकती है वॉट एवर क्राइटेरिया नेक्स्ट पॉइंट इज रिमोल प्रॉपर्टी अब मेरे को बताओ ये अच्छा ये इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया किधर किया इंडिया में इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया ये कौन है यारो इसने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पर किया इंडिया में ओके अब इंडिया में किसमें किया रुपीज में नहीं वो डॉलर लेके आया वो तो समझ में आया डॉलर लेके आया ना डॉलर में किया उसने ने कन्वर्ट करके रुपीज में लिया समझ में कुछ आया पर इन्वेस्टमेंट किस में किया इन्वेस्टमेंटीज में रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म के हो सकता है, okay, हो सकते है। वो इन्वेस्टमेंट या तो सिक्योरिटी में कर सकता है वो इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकता है सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकता है कैपिटल दोनों में इन्वेस्टमेंट चलेगा ना मालिक दोनों इन्वेस्टमेंट परमिसेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने की जरूरत नहीं है दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी कहां पर खरीदी इन इंडिया आत्मा क्लियर अगला अगला पॉइंट पॉइंट अगर देखोगे क्या है गारंटी मैं कहा से ले रहा हूं समझ में आ रहा पॉइंट देखो ये तीन ये तीन छोड़ दो पहले वाले फिर आप सीक्वेंस फॉलो करो मेरा तो अगला सीक्वेंस क्या क्या है ओके अगला इन्वेस्टमेंट उसके बाद है इमोल प्रॉपर्टी इंडिया में ओके okay, गारंटी अब गारंटी किसने दी पी आर आई ने किसको दी पी आर आई को पी आर को इन फेवर ऑफ पी आर आई आत्मा क्लियर ओके गारंटी वाला पॉइंट तो यहां पर यहां पर गारंटी किसने दी थी पी आर ने किसको दी थी पी आर आई तो इधर गारंटी किसने दी पी आर ने किसको दी पी आर को आत्मा क्लियर इन फेवर ऑफ पी आर आई भारत माता के मालिक ठीक है अब मेरे को बताओ गारंटी के बाद वाला वर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब मेरे को बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका होगा ये करेंसी इंडियन करेंसी ना इसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं होगा ना तो ये करेंसी 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 इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोट्स नोट्स कौन सा नोट्स कौन सी करेंसी नोट्स इन इंडिया इन इंडिया करेंसी नोट्स को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आपका ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा अच्छा करेंसी नोट और बैंक नोट सुना हुआ है क्या ऐसा बैंक नोट और करेंसी नोट ठीक है थोड़ी देर बाद पंचायत लेना देना नहीं है लेकिन

इंश्योरेंस वाला इग्नोर करो इंश्योरेंस वाले का इंश्योरेंस वाले इग्नोर करो यानी बाहर वाला अगर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है वो कौन सा होगा अगर बाहर वाला इंडिया का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है ओके उसको क्या ट्रीट करोगे उसके लिए अप्रूवल लगेगा अप्रूवल लगेगा देखो वापस आते हैं ओके इधर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना किधर दिया इधर इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई ना लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने किधर ली हुई है बाहर ली हुई है आत्मा क्लियर इधर यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है यानी अगर बाहर वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है बाहर वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है इंडिया में ओके वो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाना चाहिए अगर इंश्योरेंस इधर दिया हुआ है तो इंश्योरेंस कौन सा ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट बात खत्म है ओके अगर इंश्योरेंस है तो मेरे को बताओ इधर इंश्योरेंस लिखा ही नहीं है इन्होंने इसका मतलब अगर कोई पी आर ओ आए कोई पी आर ओ आए कोई पी आर ओ आए इंश्योरेंस लेता है इंडिया में ओके एग्जांपल इधर इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी uh, कोई ले लो मैक्स न्यूर्क या अच्छा एक काम करते हैं इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी एल आई सी ओके कोई बहार वाला एल आई सी को पैसे देता है अब शुरू पहला एल आई सी के लिए कौन कॉन्ट्राक्ट्रांश होगा एल आई सी के लिए अरे आपको दो एंगल अलग एंगल रखने पड़ेंगे एलआईसी कौन है पी आर आई या पी आर ओ आई पी आर आई उसको पॉलिसी के पैसे मिले उसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैसे होगा उसका क्या है इसमें आप मेरे अच्छा अच्छा मेरे को वापस बताओ ओके भाई साहब रशिया का आदमी वो पी आर ओ रोहन उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली किधर इंडिया में अब मेरे को इंडिया में जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है? है पी आर आई तो के हिसाब से पहले बताओ जिसने उसने मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मैंने उसको पॉलिसी इशू की है तो मेरे को बताओ यहां पर क्या वो पी आर आई के लिए क्या ये इसमें कैपिटल इसमेंट ट्रांजेक्शन क्या ये कैपिटल अकाउंट जाएगा नहीं पक्का ना ये क्या, ये क्या कौन सा ट्रांजेक्शन है अगर मैंने कोई बाहर की कंपनी से इंश्योरेंस लिया और उसको पैसे दिए पर इधर एल के लिए बिजनेस हुआ है ना तो एल का कॉन्टेक्स क्या होगा एल के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन होगा ये पॉलिसी मिलना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एल आई सी के कौन सा होगा अच्छा मेरे को बताओ एलआईसी का करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है तो आप एल को क्या ट्रीट करोगे पी आ रहा है अब मेरे को बताओ क्या इसमें आ रहा है कुछ नहीं और आपको क्या लग रहा है एलआईसी की वजह से क्या उधर कुछ एसेट बन रहा है क्या नहीं ओके तो कोई दिक्कत है क्या मालिक नहीं ओके तो यहां पर एलआईसी पॉलिसी लेना लेकिन एक थोड़ा सा इसका टेक्निकल पॉइंट एक आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन देते वक्त कुछ बोला हुआ है अब मेरे को बताओ एलआईसी ने पॉलिसी ली एल ने क्या लिया मेरे को बताओ बाहर के लिए कुछ एसेट लाइबिलिटी आई है क्या अच्छा मेरे को बताओ ओके okay, सर थोड़े भाई तुम लोग ये एल है ये एल है ये पॉलिसी ले रहा है किससे रोहन से रोहन कौन है पी आर ओ आई ये पी आर ओ आई यानी ये पॉलिसी बाहर वालों को दे रहा है ओके okay, ये रोहन जो पॉलिसी के लिए पैसे दे रहा है क्या वो डॉलर में दे रहा है क्या अब देखो अगर वो रुपीज़ में देता है कोई डिस्कशन आता क्या आया नहीं अब डॉलर में ये दे रहा है और ये पॉलिसी किधर के लिए ले रहा है इंडिया के लिए या बाहर के लिए क्वेश्चन ये है कि कहाँ के लिए ले रहा है बाहर के लिए ले रहा है ना बाहर के लिए तो पहला पॉइंट एल आई सी बाहर के लिए दे सकती है एज्यूम करो हाँ दे सकती है उनको अलग लाइसेंस है लेकिन दे सकती है आत्मा क्लियर है तो मेरे को एल आई को डॉलर मिला हा या ना नी को डॉलर मिला के नहीं मिला मिला ओके okay, और इसने इसको पॉलिसी दी अब मेरा पहला क्वेश्चन दो एंगल अपने को डिस्कस करना है मेरा पहला क्वेश्चन है ओके okay, पर रोहन को जो मिला है उसके ऊपर चर्चा बाद में करते हैं पहले मैं किसकी कर रहा हूं चर्चा एल अब मेरा क्वेश्चन है एलआईसी के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट

मेरे को बताओ कहीं पर भी मैंने अभी तक कल ऐसा बोला था, इसमें जो नहीं है, वो सब क्या बोला इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहा है तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा इज दैट पॉइंट क्लियर मेरे भाई हाँ या ना लेकिन इसकी वजह से मेरा क्या हिलना चाहिए एसेट्स हिलना चाहिए या लाइब्रेट हिलनी चाहिए या िटी क्या लेनी चाहिए कंटिशन लाइविटी अब मेरे को बताओ दिस केस अब मैंने पॉलिसी ली है मैंने पॉलिसी ली है policy ली है किससे पॉलिसी ली है ली ली है? Okays, से ली है है से से दिया हुआ है, और उसको मैंने पॉलिसी दी है अब मेरे को बताओ क्या फ्यूचर में मेरे को कुछ पेमेंट करने को आ सकता है क्या इंश्योरेंस कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करने को आ सकता है यानी इमेजिन करो उसने पॉलिसी का प्रीमियम लिया हुआ सौ डॉलर अबे सालों दो लाख डॉलर पेमेंट करने को आएगा ये सौ डॉलर क्यों लिया होगा उसने अच्छा इसने रोहन ने इंश्योरेंस क्यों निकाला और रोहन इंश्योरेंस निकाला है कि रोहन की यह नाव है पेपर की नाव बनाई थी लेकिन पेपर में उसने गोल्ड जर दिया ये नाव डूब सकती है ऐसा इसको लगा रोहन को तो रोहन ने इस नाव डूबे ना ओके इसके लिए इसने एल कंपनी को कितना प्रीमियम दिया सौ डॉलर ओकेज दिया समझ में आया एवरीबडी रोहन कर क्या कर सकता है वो डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा हूं रोहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये डिस्कशन मेरा नहीं हो रहा है समझ में समझ में क्या बर्बार कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं एल कंपनी ने सौ डॉलर लिया अब मेरे को बताओ अगर शिप डूब गई क्या एल कंपनी को रोहन को पैसा देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा ओकेज okay, मैंने क्या बोला था एक लाख डॉलर ओके दो लाख डॉलर दो लाख डॉलर देने पड़ेंगे अब मेरे को बताओ दो लाख डॉलर देने पड़ेंगे यानी यार, यार पे ले कम रहा है ज्यादा देना पड़ रहा है यानी मेरे को बताओ क्या ये देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा ही देना पड़ सकता है इसको क्या बोलते हैं तो अगर मेरी कोई कंटीन्यन लाइब्रिटी बाहर आ रही है एसेट लाइब्रिलिटी हो रही है कंटीन्यूट लाइब्रिटी बाहर आ रही है तो कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट करोगे कैपिटल अकाउंट तो मेरे को बताओ इस केस में ये, अगर LIC, किसी पी आर आई ने इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं पर भी इधर लिखा है अगर कोई पी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर वालों को देता है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं सुनो अगर कोई पी है इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर वालों को देता है ओके okay, क्या इस लिस्ट में दिख रहा है क्या आप बोलोगे सर इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है अरे मेरे बाप ये इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर से ली हुई है और ये परवर्ती भी है ना ओके okay, तो मेरे को बताओ इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर से लेने का फायदा क्या होगा मेरा जाएगा सौ डॉलर अगर डूबेगा तो डॉलर दो लाख डॉलर आएगा ना तो आरबीआई के लिए तो खुशी की बात है तो आरबीआई ये लेने में तो मना भी नहीं करेगा लेकिन ऐसे केस में आरबीआई के लिए तो तो लफड़ा ना रहे। तो मेरे को बताओ ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए एल को क्या करना पड़ेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा किसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसको लेना पड़ेगा एल को यानी कौन पी है यानी अगर कोई पी आर कंपनी है देखो पी आर का चेंज नहीं होगा रावण को मारना है रावण को मारना है हमें okay, करण को एक बार के लिए पूरा भूल जाओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से होते कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को डिफाइन करो जिससे एसेट्स लाइबिलिटीज या कंटीजन लाइबिलिटी बाहर की इफेक्ट होती है ये वाला कॉन्सेप्ट समझा या बाहर बाहर वालों की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंपैक्ट होती है वालों की होती है? वालों का नहीं बोल रहा हूं, हूं? भी भी तो सिरे से समझो कैपिटल को भूल जाओ एक बार के लिए अभी वापस इसी में टाइम डालो और इसी को क्लियर कर मेरे भाई नहीं तो मार्क मेरा इजिएस्ट चैप्टर की बैंड मारेगा और मैं तेरे को बता रहा हूं तेरे को समझ में आया गया ये मैक्सिमम जन इसमें गड़बड़ करेंगे इतना आसान नहीं है भाई रटना आसान है कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है वापस समझा रहा हूँ okay, तो गड़बड़ मत कर तू भूल जा के कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तू भूल जा के कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं समझ में आ रही है तो पहला ये समझ लो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से होंगे जिसकी वजह से क्या होगा एस एस लाइबिलिटी क्या होगा इंपैक्ट होगी कहां पर आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया अब मेरा क्वेश्चन है ओके अब मेरे को बताओ ओके जो आपने ये मोटा मोटी पढ़ा इसमें तो लॉजिक बैठता ओके अभी एक पॉइंट को लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी दी मैंने क्या लिया इंश्योरेंस पॉलिसी क्या मैंने प्रीमियम दिया ओके okay, मैंने प्रीमियम दिया मैं कौन PR है सामने वाला बंदा कौन तब यह काम हो रहा है ना सामने वाला बंदा कौन मैं कौन अब मेरा क्वेश्चन है क्या ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए okay, जिसमें प्रीमियम लेना है ओके ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्या मेरे को अप्रूवल लेने की जरूरत है नहीं यह क्लियर है तो अब उल्टा लॉजिक लगाओ अब उल्टा लॉजिक लगाओ जो है, जो मुझे पॉलिसी दे रहा है जो मुझे क्या दे रहा है पॉलिसी दे रहा है जो मुझे कौन दे क्या दे रहा है पॉलिसी दे रहा है समझ में आया क्या अब मेरे को बताओ उसका इंडिया में क्या हिल रहा है ओके okay, एज्यूम करो रोहन एक इंश्योरेंस कंपनी है जो यूएस में है रशिया में है और मैंने उसको प्रीमियम दिया मेरा क्वेश्चन यह है क्या इसको प्रीमियम देते वक्त मेरे को पूछने की जरूरत है क्या आरबीआई से नहीं किसने निकाला ये है, समझ में आया एवरीबडी ओके okay, अब क्वेश्चन आप आप पूछोगे सर ये 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 कैसे आपका ये, आपका ये कैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है इंश्योरेंस पॉलिसी तो प्रीमियम है अरे मेरे भाई अगर आज मैं इंश्योरेंस पॉलिसी देता हूं कल फ्यूचर में मेरे को पैसे मिल सकते हैं ना रे तो मेरा फ्यूचर में पैसे मिल सकते हैं तो मेरा एसेट लाइबिलिटी इंपैक्ट होगा फॉरेन करेंसी इंपैक्ट होगी मेरी इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन बिल किया है तो अब मेरा सवाल क्या आ रहा है ओके मेरा सवाल ये आ रहा है ओके उफू आराम से जवाबाइए ओके मिस्टर एटी ओके जो इंडिया का है ओके और इसने मिस्टर रोहन जो रशिया के है ओके अब इसको चेंज नहीं करते हैं रोहन है ओके रशिया के है। और ये इंश्योरेंस कंपनी रश की बहुत बड़ी ओके अब मेरा क्वेश्चन यह है ओके मिस्टर एटी सुन ले मिस्टर एटी ने ओके okay, अपनी कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शन के लिए ओके okay, भाई इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिया प्रीमियम मेरा क्वेश्चन है वैसे प्रीमियम देना तो कैपिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे बाहर निकलो तो आप पॉलिसी अमाउंट जो प्रीमियम दिया आप अरे सर प्रीमियम तो पीएनएल में जाता है अरे भाई इधर प्रीमियम पीएनएल में जाता है ये डिस्कस नहीं किया जा रहा है मेरे को बताओ क्या अमित तातेड़ की ओके okay, क्या रशिया में कोई एसेट्स लाइबिलिटीज या कंडीशन लाइबिलिटी हिल सकती है यस yes. ये okay, मेरा एसेट है मेरे को बताओ अगर प्रीमियम दिया है तो सामने के, सामने के लिए मेरे को क्या मिल रहा है एसेट मिलेगा ना प्रीमियम देने का कारण क्या है मेरा एसेट हिल रहा है ना मेरा क्या हिल रहा है एसेट मेरे को बताओ अगर सौ रुपया प्रीमियम दिया तो मेरे को सामने कितना मिलने वाला है दो लाख मेरा एसेट है तो इसके लिए प्रीमियम को कौन सा ट्रांजेक्शन माना गया कैपिटल माना गया मतलब है ही अब सवाल यह है ओके okay, मेरे को बताओ क्या एटी को परमिशन की जरूरत है क्या क्यों नहीं है क्योंकि यह शेड्यूल वन में आ गया समझ में आया एवरीबडी ये इसमें कोई दिक्कत ठीक है अब उल्टा लो पी आर वाई से पीआरओआई का फुल फॉर्म पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब रोहन कौन है अपने लिए रोहन कौन है पी आर ओ आए नरे कौन है रोहन पक्का ओके अब मेरे को बताओ क्या रोहन ने मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है यस और नो तो मेरे को बताओ रोहन ने प्रीमियम लिया और मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दी अब मेरे को बताओ रोहन का क्या ही लेगा रोहन का इंडिया में क्या इंपैक्ट होने वाला है क्या इंडिया में उसका एसेट प्रॉब्लम आने वाली है नहीं क्या इंडिया में लाइविटी प्रॉब्लम आने वाली है क्या प्रॉब्लम आने कंटीन्जन लाइविलिटी लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पी की कंटीजन लाइविटी देखनी ही नहीं है

इसलिए माई बाप कल मैंने बोला था पढ़ो घर पे जाके कल तो वो खाली वो ज्यादा हो गया था इसलिए मैं बर, बर, बर नहीं किया मैं यही बोला आप इसको जाके पढ़ो मैं इसको याद भी रखा दूंगा ना तो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे मेरी गारंटी ये जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं ना तब तक नहीं होएगा भाई मैं बताऊ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से हुए जो पी के ऐसेट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया इम यह समझा ओके और पी आर ओ के लिए एसेट लाइबिलिटी इंडिया में तो मेरा क्वेश्चन है अगर पी आर ओ आई का कंटिंजन लाइबिलिटी इंपैक्ट में हो रहा है तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट पी आर ओ आई का अगर इंडिया में कंटीन्य लाइबिलिटी आने वाली है उसको कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट करोगे करंट अकाउंट क्योंकि वो कैपिटल में नहीं है करंट कौन सा हुआ अदर देन कैपिटल तो जो कैपिटल में नहीं है है वो कौन करंट में तो अब मेरा क्वेश्चन है अब इंश्योरेंस रोहन जो इंश्योरेंस कंपनी है इसकी क्या तैयार हो रही है इंडिया में तो क्या रोहन को कंटीजन लाइबिलिटी आ सकती है फ्यूचर में अरे या ना ओके तो इसके लिए कंटीजन लाइबिलिटी है जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में डिफेनेशन में नहीं है और इसीलिए इसको कौन सा ट्रांजेक्शन माना गया है करंट और ये मैं आपको बता दू के ये लिस्ट में नहीं है

तो अब ये समझा क्या एग्जाम्पल ठीक है अगर ये एग्जाम्पल समझा तो इसको रिवर्स करो ना मालिक अब इसको रिवर्स करते हैं अब इसको क्या रिवर्स करना इसको रिवर्स ऐसे करो ओके एल आई सी है अब LIC कौन है? पी आर आई आत्मा क्लियर नहीं आना ओके अब मेरे को बताओ रोहन कौन है पी आर रो ओ आई रोहन ने रोहन ने इस कंपनी से ट्रांजेक्शन किया काई के लिए पॉलिसी लेकर रोहन ने इस कंपनी से ट्रांसेक्शन किया क्या लेकर पॉलिसी लेकर तो रोहन का पॉलिसी लेगा तो रोहन देगा कंपनी को को और एलआईसी क्या देगी क्या देगी अच्छा पॉलिसी प्रीमियम देगा रोहन और एल क्या देगी पॉलिसी मेरा क्वेश्चन है ये पॉलिसी देकर एल क्या करेगी क्या फ्यूचर के लिए कुछ कंटिन्यू लाइबिलिटी ले रही है क्या तो मेरा क्वेश्चन है क्या पी आर आई की कंटिन्यू लाइबिलिटी आ रही है क्या

अरे आना। तो अब मेरे को बताओ ये क्या शेड्यूल क्योंकि इश्यू कर सकते नहीं तो मेरे को बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन है कैपिटल है। समझा कैपिटल कैसे समझा क्या अरे कंडीशन लाइबिलिटी फ्यूचर में आएगी ना मेरे को आ सकती है कंडीशन लाइबिलिटी इसलिए तो वर्ड आता है कंडीशन लाइबिलिटी तो अब मेरे को बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन है कैपिटल है लेकिन इसको क्या लगेगा अप्रूवल लगेगा किसका आरबीआई का क्यों लगेगा क्योंकि ये शेड्यूल वन में नहीं है अच्छा क्या ये प्रोहिबिटेड है नहीं है तो प्रोहिबिटेड में होता तो नहीं कर सकते थे लेकिन प्रोहिबिटेड है क्या नहीं है तो खत्म करो स्टोरी फिर मतलब आपको क्या करने का ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा भारत समझा मालिक अब उल्टा जाते हैं ओके उल्टा किसके जाते हैं उल्टा किसके लिए जाते हैं ओके जरोहन के लिए अब मेरे को बताओ रोहन के लिए ओके okay, रोहन के लिए इंडिया में क्या हो रहा है एसेट तैयार हो रहा है ओके एवरीबॉडी क्लियर अरे एसेट 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 तैयार हो रहा ना जैसा अपना वैसा उसका भी एसेट होने वाला है कंडीशन मैं पे करूंगा तो रोहन के लिए तो पैसे ही आने वाला ना इंडिया से इंडिया से रुपीज में मिलेगा उसको लेकिन उसके पास कैसे जाएगा फॉरेन करेंसी में तो उसका एसेट भी तैयार हो रहा है कैपिटल है लेकिन लॉजिक समझाओ क्या ये इस लिस्ट में है ओके okay, मैंने अभी तक जो बताया इन्वेस्टमेंट करना है कुछ तो रोहन को इन्वेस्टमेंट करना है कर सकता है इमोर्ट प्रॉपर्टी लेनी है ले सकता है गारंटी देनी है दे सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है कर सकता है किसका पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी नहीं करेंसी इंडियन करेंसी करेंसी इन इंडिया अब करेंसी इन इंडिया बोला ना इंडियन करेंसी ने लिखा है करेंसी इन इंडिया तो इट कैन भी भूटान की करेंसी इट कैन भी एनी करेंसी कोई भी करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है पर कहा से कर रहा है इंडिया से तो इंडिया में लाइबिलिटी तैयार होगी एसेट जो भी तरह होगा उसके बाद ये है इसके बाद का तीन छोड़ दो नहीं है इसमें तो इसका मतलब ये जो रोहन को करना है जिसमें रोहन का एसेट तैयार हो रहा है और इस लिस्ट में नहीं है तो रोहन को क्या करेगा अप्रूवल करना पड़ेगा ओके okay, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन देखोगे तो दोनों जगह अप्रूवल लगेंगे मालिक आत्मा क्लियर यानी रोहन को भी लेना होगा यानी आरबीआई क्या चेक करेगी रोहन को जेन्यून है क्या ओके okay, और इधर एलआईसी को बोलेगी एलआईसी आई क्यों दे रही है ये रोहन बाहर से क्यों नहीं ले सकता अभी आप बोलोगे धंधा तो आ रहा ना चुपचाप ले लो ना सौ डॉलर मिल रहे ना अरे भाई साहब ओके देखो अगर ये सौ डॉलर मिलके खाली सौ डॉलर की चीज देनी होती कर देता था सो डॉलर के, के सामने मेरे को चश्मा देना होता ना मैं उस तक नहीं करता मैं इसको कुछ भी मना नहीं करता मैं किसको एल को पर एल क्या करने वाला है लेने वाला सौ डॉलर है देने वाला दो लाख डॉलर है तो क्या ये सौ डॉलर जरूरी है दो लाख देने के लिए ये पता करेगी आरबीआई सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो दो कंट्री के है? तो अगर वो मेरे इधर करने जा रहा है तो हमारी उस कंट्री के साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि भाई अपन इस बिजनेस को अपन इंश्योरेंस कंपनी को रोकेंगे नहीं तो मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी मैं कौन आरबीआई मैं मना नहीं कर सकता पर मैं ऐसी चीजें देखूंगा आप समझे क्या मालिक तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो रोहन का कौन सा ट्रांजेक्शन है रोहन का ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसका क्या बन रहा है बन सकता है एसेट इन इंडिया तो इसके पर क्या लगेगा क्योंकि शेड्यूल टू में नहीं है ओके परमिशन लगी अप्रूवल लगेगा किससे अप्रूवल लगेगा

टेक्निक आपको समझा इसमें टाइम क्यों लगता है मैंने क्या था? केस अगर आप देखोगे, तो बहुत सही क्रैक करने के लिए क्या करना है सर क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस एक बार आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझ गया उसके बाद प्रैक्टिस करते रहनी है प्रैक्टिस करने के बाद सोल्यूशन कंपेयर करना है और सोल्यूशन मैच हो गया मतलब मतलब इंप्रोवाइज करना है मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच को चेंज करना है और लेके आता करंट में जाने के बाद सोच कुछ बड़ा था ना अपन अभी तक पूरी सोच आई नहीं है मत सो, मत सोच के पूरा आ गया है लेकिन मेरे को बताओ कैपिटल का बेस समझा ठीक है अभी और एक कंफ्यूजन क्या हुआ रहेगा मैं बता रहा हूं जो किसी ने पूछा नहीं पर ऐसे ही मेरा मन किया मेरे को मालूम है ऐसा है पर किसी ने पूछा नहीं और आप पूछोगे नहीं क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका इंटरड्यूशन था कि सर नहीं क्यों पूछे सर नहीं पूछना नहीं ओके गारंटी गारंटी दी है इधर भी गारंटी आ रही है सर चलो इधर की गारंटी तो इंटरप्रिटेशन में समझा भी क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में लिखा था अपन ने क्या करने का दे सकते हैं लेकिन ये कैसे आई सर क्योंकि अगर सामने वाले की गारंटी का पेमेंट आ रहा है तो तो फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होना ही नहीं चाहिए वो कौन सी होगी करंट अकाउंट नहीं समझ में आया समझ में कुछ आ रहा है क्या क्या बड़बड़ किया मैंने मेरे को बताओ ओके यहां पर गारंटी किसने दी होती है किसके लिए पी आर आई के लिए आत्मा क्लियर ये जो गारंटी देने का पॉइंट है ओके है, ये गारंटी जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में इंटरप्रिटेशन करते हैं ये गारंटी दो दी गई है ओके इन्होंने स्पेसिफिकली इसमें इंक्लूड किया भले वो कंडीशन लाइब्रिटी है या नहीं है समझ में कुछ करो ओके यानी बाकी कंडीशन लाइब्रिटी इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि डेफिनेशन में नहीं है आरबीआई का नोटिफिकेशन तो अगर ओके अगर अगर कोई बाहर वाला इंडिया के लिए गारंटी दे रहा है इंडिया इंडिया के लिए? वाला इंडिया के लिए लिए क्या दे रहा है गारंटी तो कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन इंडिया में इंपैक्ट हो रही है ना मेरे को बताओ अगर एग्जाम्पल मैंने ट्रांजेक्शन किया एच डीसी बैंक से बैंक ने बोला तूने अगर लोन नहीं चुका पाया तो हमको गारंटी चाहिए मैं गया मेरे रोहन के पास मेरा नहीं मतलब रशिया वाले का रशिया वाले रोहन के पास गया ओके मैं उसको बोला भाई प्लीज गारंटी दे दे एच बैंक को ओके भाई तेरे को मैंने फेमा पढ़ाया था तेरे को रशिया मैंने मैंने बताया तेरे को रशिया का रास्ता तो अभी गारंटी दे दे और वो बोला ठीक है सर आपके लिए क्या ओके भाई रशिया तो ठीक है सर तो भाई समझ समझ में आ रहा है तो अब मेरा क्वेश्चन है अब वो गारंटी दे दे दे। देता है किसको देता है एच बैंक को अब मेरे को बताओ एच बैंक उससे पैसा कब लेगी तो क्या उसकी कंडीशन लाइबिलिटी हो रही है एवरीबडी ओके ट्रीटिंग एज ओके विद रिस्पेक्ट टू तो फ्रीली डन ओके समझ में आया इसके अलावा और कोई भी अमाउंट जिससे कंडीशन लाइबिलिटी आ रही है उनकी इंडिया में उसको अपन क्या ट्रीट करेंगे करंट अकाउंट बात खत्म उनको हम इंडिया को उसको कैपिटल अकाउंट ट्रीट नहीं करेंगे लॉजिक तो है पर किसी ने बुझा ये देखो ये गारंटी तो वैलिड है कि नहीं वैलिड है मेरे को बताओ गारंटी तुमको चलेगी कि नहीं चलेगी चलेगी कि नहीं चलेगी चलेगी कि नहीं चलेगी चलेगी क्यों चलेगी क्योंकि भाई मेरी कंडीशन लाइबिलिटी हो सकती है यानी मैंने किसी के लिए रोहन के लिए गारंटी दी है उधर के बैंक को अगर वो रोहन नहीं पे कर सका तो मेरे को पे करने को आएगा तो चलेगी दे सकता हूं क्लियर है फ्रीली है कोई दिक्कत नहीं है मालिक अच्छा गारंटी के सामने मेरे को क्या मिलता है कमीशन गारंटी के सामने क्या मिलता है कमीशन क्या फ्री में करने वाला है गारंटी अके वो जितने अमाउंट की गारंटी होगी उसका दो टक्का कमीशन लेगा वो और क्या उसके पास आएगा क्या नहीं देखो वो गारंटी भी इंश्योरेंस जैसा ही है

P R O I अगर P R O है और P R O ऐड डिपॉजिट्स ले रहे हैं ओके डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे करंट नहीं कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे कैपिटल अकाउंट आत्मा क्लियर अपन कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रीट कर रहे हैं ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं कैपिटल या करंट पक्का ना ओके पक्का पक्का ना जय भवानी ओके okay, सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ये समझने का शुरू करो अब क्वेश्चन आता है सर डिपॉजिट कौन से डिपोजट है इट कैन बी इन एनी फॉर्म अब खाली ये कंपनी के जो डिपॉजिट पड़े सेक्शन 73 74 75 76 वो मत पकड़ो डिपोजिट भी इन वी एनी फॉर्म ओके एग्जांपल समझ लो ओके okay, रोहन आता है इंडिया में वो कौन है इधर रूम रेंट पे लेता है घूमने आया था रूम रेंट पे लिया ओके okay, कुछ कारणवर्ष आया था रूम रेंट पे लिया अब मेरा ट्रांजेक्शन है क्या रूम रेंट पे लेना रूम रेंट पे ले सकता है ये yes. ओके okay, अब क्वेश्चन है वो जो रेंट अमाउंट देगा और वो रेंट अमाउंट जो दे रहा है वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा करंट अकाउंट ना उसका इधर एसेट तैयार हो रहा है ना उसकी लाइव हो रही है मेरे लिए भी ना बाहर लाइवलिटी तैयार हो रहा है ना हो रही है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया करंट अकाउंट दोनों के लिए करंट है ना नहीं समझा समझा क्या मालिक पक्का सर क्या ऐसा हो सकता है एक के लिए करंट एक के लिए कैपिटल है तो क्या मैं मरवा क्यों रहा फिर समझ आ रहा है लेकिन लॉजिक क्या लॉजिक है ये दोनों के लिए क्या होगा करंट लेकिन मेरे को बताओ क्या मैं उससे डिपॉजिट लेता हूं क्यों लेता हूं डिपॉजिट अगर बाई चांस रेंट नहीं दिया तो वो डिपॉजिट लेना कौन सा ट्रांजेक्शन है वो डिपॉजिट लेना कैपिटल किसके लिए डिपॉजिट किसके लिए कैपिटल है मेरे लिए कैपिटल है उसके लिए कैपिटल है पी के लिए कैपिटल है? मेरे लिए है ही नहीं ना मेरे लिए तो इंडिया में ही पैसा दिया ना उसने

अच्छा एक काम करो बुक निकालो बुक में पेज नंबर पे आओ पढ़ो पढ़ो रेमिटेंस मेरे को रेमिटेंस करंट के टाइम पे बहुत सही चाहिए पेज नंबर कौन सा है थ्री पॉइंट टू एट अच्छा पहले थ्री पॉइंट टू सेवन पे आओ थ्री पॉइंट टू सेवन का रेमिटेंस पढ़ो इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया समझ में आया तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और वो बाहर रेपिटेंस कर रहा है किसके लिए कैपिटल एसेट्स के लिए अगर कैपिटल एसेट्स के लिए कोई रेमिटेंस कर रहा है तो वो भी कौन सा माना गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन समझ में कुछ आया एग्जाम्पल दो इसका इसका एग्जाम्पल दो रेमिटेंस एक एग्जाम्पल दो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कैपिटल असेट क्या हो सकता है इसका रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया क्या हो सकता है और इंडिया in क्या हो सकता है ऑनलाइन वाले कोई बता सकते हैं रेमिटेंस का पॉइंट आप बताइए अच्छा कैपिटल असेट क्या होता है कैपिटल एसेट क्या होता है ओके okay, राम बोल है रहा, बोल है रहा? राम मेरी ब्रांच है उधर हाँ, मेरी ब्रांच है उधर मैं यहां से बुक्स भेज रहा हूँ गुड्स भेज रहा हूं से इंडिया से हाँ रेमिट कर रहे गुड्स इंडिया से फॉरेन को मेरा मेरा क्वेश्चन है अगर आपने गुड्स भेजे हैं आपने गुड्स भेजे हैं तो ट्रांस मेरे को बताओ गुड्स भेजना मेरे को बताओ गुड्स कौन सा कौन सा गुड्स है बाहर गया है गुड्स बढ़े एसेट बढ़ा वो एसेट बढ़ता है इन्वेंट्री बढ़ती है अभी आप मैं वापस बोल रहा हूं आप फाइनेंशियल okay, से बाहर आवाज आराम से जाओ इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को अच्छा चलो मैं दो एग्जाम्पल देता हूं आपको दो एग्जाम्पल लीजिए ओके okay, दो एग्जाम्पल लीजिए मैं यूएस में ओके okay, कोई प्रॉपर्टी परचेस करता हूं इमुबल नहीं कोई कैपिटल एसेट सर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट इट कैन बी जिसको मैं कैपिटलाइज करते हैं कोई चेयर खरीदता हूं मैं कंप्यूटर खरीदता हूं, okays, हूं? Okays, ये कौन से ट्रांजेक्शन हुए okays, अच्छा मेरे को बताओ चेयर खरीदना टेबल खरीदना कंप्यूटर खरीदना है क्या ये इमूवेबल है, इमुवेबल है? तो दो डिफरेंस समझना पहला पॉइंट इधर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी लेकिन व्हाट अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टीज मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी मानी गई है फिर मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सा एसेट कैपिटल एसेट्स एवरीबडी क्लियर ये समझा पहला पॉइंट ये पहला पॉइंट सबको समझा पक्का क्लियर पक्का झेपाइए ठीक है? है इसको कैपिटल एसेट माना गया है. कौन सा एसेट

कैपिटल एसेट क्यों ट्रीट कर रहा हूं समझ में आया अभी ठीक है तो ये क्या बोल रहे वर्डिंग क्या बोल रहे रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ओके ऑफ कैपिटल असेट्स ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ओके ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओके अब इधर उल्टा पढ़ो आगे वाले पढ़ो ये पढ़ो ये भी क्या है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ये भी आउटसाइड इंडिया ही बोल रहे ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया ऑफ पी आर अब इससे कुछ लिंक करो यार ओके नियर अबाउट उसके कोई एसेट होंगे इंडिया में वो उसको बेच रहा है और वो पैसे लेके जा रहा है वो एसेट किसके थे अब मेरे को बताओ जब उसने एसेट खरीदे होंगे तो उसने पैसे दिए थे वो बेच रहा है डॉलर लेके जा रहा है क्या दिक्कत है एवरीबडी क्लियर थोड़ा सा टेक, कुछ बेटा फ्री ला क्वेश्चन है ऊपर वाले इसमें रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल मतलब कौन सा चलो एक कंप्यूटर खरीदा अब मेरे को एग्जाम्पल बताओ कंप्यूटर खरीदा सर कहा से खरीदा दुबई से अब एग्जाम्पल बताओ दुबई से खरीदा आप इंडिया लेके आए दुबई से खरीदा आप इंडिया लेके आए घंटा कोई लेना देना है आपके लिए लेकिन आपको डॉलर लगे होंगे तो आपके लिए करंट अकाउंट हुआ क्योंकि आपका दुबई में एसेट लाइबिलिटी थोड़ा चेंज हो रहा है तो फिर ये कब होगा यहां से यहां से छोड़ दे यहां से छोड़ दे आपने कुछ कैपिटल एसेट खरीदा है आपने कुछ कैपिटल एसेट खरीदा है किधर खरीदा है फॉरेन में देख कैपिटल एसेट खरीद के इंडिया में लाया है तो ये डिस्कशन मत कर ओके okay, सबसे बेस रेडी करो पहले कि भाई ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कहां पर हिल रहा है बाहर आत्मा क्लियर तो अगर कैपिटल एसेट आउटसाइड इंडिया मैंने कैपिटल एसेट कहां पर लिया मैंने आउटसाइड इंडिया और उसके लिए मैंने रेमिटेंस बाहर किया है तो कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट लेकिन वो एसेट में अगर इंडिया में लेके आया मेरा कोई बाहर एसेट लाया क्या नहीं आप है ना बैलेंस शीट को इग्नोर करो एसेट 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 मेरा कोई एसेट है क्या तो फिर इसके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कब माना जाएगा अगर मैं कोई कैपिटल एसेट खरीदता हूं उसके लिए मैं रेमिटेंस करता हूं देखो रेमिटेंस तो दो केस में होंगे ओके दो केस कौन सा होगा अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं चलो एग्जांपल लेते हैं सीधा लैपटॉप लेते हैं मैंने लैपटॉप खरीदा दुबई से और मेरे को बताओ दुबई में मेरा एक ऑफिस है मैंने उस ऑफिस में दे दिया और उसके लिए मैंने पैसे दिए अब मेरे को बताओ ओके ये कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा क्योंकि अब ये लैपटॉप कहां पर है इन In इंडिया और आउटसाइड इंडिया इसीलिए यहां पर ये ट्रांजेक्शन कौन सा माना जाएगा कैपिटल अकाउंट क्योंकि यहां पर मेरा आउटसाइड इंडिया एसेट और लाइबिलिटी खराब हो रहा है खराब हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है।, हो रहा है अल्टर हो रहा है आत्मा क्लियर जेपा मालिक तो इसको मेरे को किस में डालना होगा शेड्यूल वन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आदर समझ में आया यानी अरे यार इन शोर्ट यार दुनिया अगर ये

तो मेरे को बताओ ओके okay, ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ पर्सन इंडिया ये सेम स्टेटमेंट मैं करंट में भी लिखूंगा मैं सेम स्टेटमेंट करंट में भी दूंगा मेरे को बता फिर क्या करंट और कैपिटल कैपिटल में कैसे डिस्टिंग्विश करेगा बाहर खरीद के भारी रखा तो कौन से इसमें जाएगा कैट और कौन से शेड्यूल में जाएगा शेड्यूल वन फ्रीली परमिशेबल और नॉट फ्रीली परमिशेबल

टेक्निकली स्पीकिंग अभी यार मैं उधर गया उधर गया उधर जाके मैं लेके आया मेरे को कौन रोक रहे है? मेरे को पता। खाली कस्टम में लेकिन नहीं। ये कौन सा करंट अब लेकिन क्या उस पर रोक लगाई जाएगी क्या मैं पहले फोन करूंगा आरबीआई मेरे को एप्पल आईफोन लेने गया प्लीज बोलना लू क्या लू करंट में फ्रीली ट्रांसिबल है समझ में आ रहा है लिस्ट में नहीं मिलेगा करंट की किसमें नहीं मिलेगा कितने अमाउंट तक ढाई लाख डॉलर ढाई लाख डॉलर के लिए जो करना है, करना भाई नहीं समझा समझा और लाख पर पर्सन बोला मैंने तो अगर परिवार वाले सब साथ में जा रहे चार जन जा रहे अगर हम लोग दस लाख डॉलर पहले तो उतने दस लाख रुपीज के वादे पड़े इधर अपन डॉलर की बात कर रहे हैं लेकिन टेक्निकली समझा क्या मालिक पॉइंट समझ रहा है क्या हूं? भाई साहब

आउटसाइड इंडिया कर रहा हूँ लेकिन एसेट मैं इंडिया में लेके आ रहा हूं करंट मेरे लिए बाहर का का तो बात, का बात है के लिए, आत्मा क्लियर? पढ़ के बता मेरे को पीआरओ के लिए बता लॉजिक बता एकदम थोड़ी आंसर है कौन लेके जा रहा है ओके, मेरे को अच्छा रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया यानी पैसे किधर जा रहे रेमिटेंस मतलब पैसा देना रेमिटेंस पैसे किधर जा रहे हैं सबको क्लियर है ये अच्छा रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया जा रहा है ठीक है किसका कैपिटल एसेट ओके इन इंडिया यानी इसका मतलब मेरे को बताओ कैपिटल एसेट मैंने बेचा या खरीदा है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया थोड़ा इंग्लिश पढ़े आराम शांति से रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ओके रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये एसेट खरीदा या बेचा है खरीदा बेचा है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया बेउे पैसे बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं हैं बाहर बाहर जा रहे कब जाएंगे जब पैसे लेके जाएगा ना तो पैसे कब लेके जाएगा जब एसेट बेचेगा या खरीदेगा इंडिया में अगर एसेट खरीदना पैसे अपन देता है दुकान वाला तो क्या लेगा इंडिया में दुकान वाला पैसा लेगा ना तो ये जब बेचेगा ये जब बेचेगा सोच 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 दिमाग ला जब ये बेचेगा जब ये बेचेगा जब ये बेचेगा देख एकदम सिंपल है ओके तू तू बस सेटल से जा जब ये बेचेगा इसकी बर्डिंग पे देख जब ये बेचेगा इंडिया में पैसा आएगा इसको किस में आएगा इंडिया में बेचा तो रुपीज में आएगा रुपीज में आएगा और ये लेके किस में जाएगा डॉलर इसलिए ये ये ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ट्रीट किया क्योंकि इंडिया का एसेट खत्म हो रहा है इंडिया का क्या खत्म हो रहा है एसेट और इसको हमने क्या बोला कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन समझ में आएगा मालिक किसकी बात की हमने पीआरआई तो, आउटसाइड इंडिया मालिक? तो मेरे को बताओ, में कौन सा है फिर मैं आपको ट्विस्ट भेजता और आप मेरे को आंसर बताओ क्या होगा मेरा पहला क्वेश्चन ओके okay, अगर मैं कोई कैपिटल एसेट बाहर खरीदता ओके और बाहर ही रखता हूं और उसके लिए मैं पैसे भेजता हूँ कैपिटल अकाउंट शेड्यूल वन या शेड्यूल टू One, क्योंकि मैं पी आर आया हूं एवरीबडी क्लियर मैं एसेट खरीदता हूं और एसेट खरीदता हूं उसके लिए एक्सचेंज देता हूं फॉरन एक्सचेंज देता हूं और इंडिया में वो एसेट लेके आता हूं करंट अकाउंट क्योंकि वो कैपिटल में नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर कोई एसेट तैयार हो रहा है क्या नहीं आत्मा क्लियर एवरीबडी पक्का फ्रीज करे ठीक है ओके okay, सर so, ये टेक्निकल लॉजिक होने के बाद इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जाता है पी आर ओ की तरफ पी आर ओ इंडिया में कोई एसेट बेचता है और वो पैसे बाहर लेके जाना चाहता है इंडिया में कोई एसेट बेचता है और वो पैसे बाहर लेके जाना जाता है ओके okay, तो क्या होगा रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस रेमिटेंस फॉर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया ऑफ है, समझ में आया ऑफ कैपिटल तो ये क्या करेगा कौन सा ट्रांजैक्शन है कैपिटल अकाउंट समझ में आया तो पक्का क्लियर है चलो और एक सवाल पूछता हूं फिर मेरे को बताओ PRI इंडिया में आता है और PRI PRI इंडिया में एसेट खरीदता है। किधर एसेट खरीदता है? इंडिया में ओके मेरा क्वेश्चन है इंडिया में एसेट खरीदता है कैपिटल या करंट कैपिटल या करंट ओके कैपिटल या करंट इंडिया में एसेट खरीदता है कौन? PRI PRI इंडिया में एसेट खरीदता है। तो क्या क्या PRI का एसेट लायबिलिटी इंडिया में चेंज हो रहा है? कौन सा ट्रांजैक्शन? कैपिटल जेबा Everybody, तो कैपिटल है अब मेरे को बताओ क्या वो एसेट खरीद सकता है ऐसा कहीं पर भी आपने पढ़ा पढ़ाके okay, अगर आप देखोगे देखो पहला पॉइंट लिस्ट ऑफ परमिसेबल सबसे पहला क्या था इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला सिक्योरिटी में डाल सकता है बॉडी कॉर्पोरेट की या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मालूम है ना जो भी प्रोपरटरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है ठीक है और ट्रांसफर ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी इमोवेबल ओके गारंटी गिवन बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फेवर ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओके okay, ये वाला है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसीड इंडिया एंड ठीक है डेर दोनों में आंसर एक ही है okay, इसमें तो मेरे को बताओ कहीं पर भी वो एसेट खरीद रहा है ओके okay, वो एसेट खरीद रहा है इंडिया में इसका है क्या लिस्ट में तो मेरे को बताओ वो इंडिया में बिना पूछे क्या खरीद सकता है बिना पूछे क्या कर सकता है खरीद सकता है बिना पूछे क्या, क्या कर सकता है ओके प्रॉपर्टी सिक्योरिटी छोड़ दो एक बार के लिए मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं यानी अगर उसको यह फ्लैट खरीदना है उसको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है बिंदा सा सकता है लेकिन अगर उसको यह खरीदना है तो उसको क्या करना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा अब थोड़ा टेक्निकली लॉजिक लगाओ आप बोलोगे कितना कॉम्प्लिकेट हो गया इसीलिए अब अब इसको ट्रीट करो ना इसको ट्रीट करो ना अगर इस यही प्रॉब्लम तो अपन डिस्कस कर रहे थे ओके okay, तो अगर ये पीआरओ पीआरओ आई आई है है इंडिया में रूम लिया इसने रूम का कारण बताओ मेरे को अच्छा मेरा है 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 क्या रूम ले सकता है वो? ले सकता सकता वो प्रॉपर्टी फ्रीली और रेस्ट्रिक्शन फ्रीली पढ़ा ये तो मेरे को बताओ इंडिया में आया उसने रूम लिया फ्रीली लिया तो वो कहीं के लिए लेगा कारण बताओ कुछ भी कारण बताओ पहला पॉइंट रेसिडेंस के लिए ले सकता है अब मेरा क्वेश्चन है उसने अगर रेसिडेंशियल के लिए रूम लिया होगा ओके और अगर वो फर्नीचर लेगा और वो फर्नीचर लेगा ओके और वो रेंट पे देगा वही करने वाला है या वो खुद रहने वाला है ऑफ इट तो पहला ऑप्शन मेरे को आप ऑप्शन बता दो मैं ऑप्शन के साथ में ट्रीट करता हूं पहला पॉइंट वो क्या के लिए ले रहा है खुद के लिए ले रहा है रेसिडेंशियल ले रहा है क्यों आ रहा है वो इधर क्वेश्चन ये है क्यों आ रहा है क्वेश्चन ये है घूमने के लिए आ रहा है और रूम ले रहा है घूमने के लिए आ रहा है रूम ले रहा है ओके okay, तो फिर अगर एसेट खरीदेगा तो हमसे पूछ घूमने के लिए आ रहा है और रूम रूम लेने के लिए ले फर्नीचर खरीदते वक्त परमिशन लगेगा शेड्यूल में नहीं है कैपिटल है क्योंकि तू कौन है पी आर ओ आई तू तो पी आर ओ आई है पी आर ओ आई है यानी अगर कोई बाहर से आता है और इंडिया में कैपिटल एसेट्स लेके जाता है तो हमसे है तुम तो लिस्ट में किधर है लिस्ट में नहीं है तो पूछना पड़ेगा अच्छा तू बाहर से आया तू पी आर ओ आए और तू इधर ओके okay, तू इधर एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहता है प्रोहिबिटेड है है समझ में आ रहा अभी तो जो लेना है, पहला पॉइंट क्या प्रॉपर्टी ले सकता हो यस ये फ्रीज करे। अब सवाल उठता है तेरे को अगर ये लेना है ये ये लेना है ओके okay, मेरे को बता क्या करना होगा पूछना पड़ेगा बात खत्म कौन सा एसेट कैपिटल एसेट्स अगर कैपिटल एसेट्स नहीं है तो पूछने की जरूरत नहीं है सब्जी लेने के लिए पूछेगा नहीं वो समझ में आ रहा है कौन से एसेट की बात की? कैपिटल अगर कैपिटल की की? है? है. और और मतलब बिजनेस के लिए तो क्या बन गया वो अब तो मेरे को बताओ क्या दिक्कत है क्या उसके लिए क्योंकि आपको इसको पी आर ट्रीट ही नहीं करना है तो अगर पी आ है तो इंडिया में बिंदास्त खरीदना भाई अपन खरीद रहे समझ में आया तो उसको दिक्कत ही नहीं होने लगी। आप जो सोच रहे हो ना आपका आ रहा है। सर उसने रूम लिया और उसने एंटिटी बनाई है, तो है फर्नीचर भले वो नहीं आ रहा है, इदर, वो, है वो बंदा लेकिन इधर अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन चलाया है वो क्या बन जाएगा उसका ब्रांच खोला है वो क्या बन जाएगा पी आर आई वो उसके ब्रांच के नाम से खरीदना नहीं समझ में आप समझ में आया क्या वो किसके नाम से खरीदेगा ब्रांच के नाम से तो दिक्कत नहीं आती है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो इन शॉर्ट अगर पी आर ओ आए पी आर ओ आए पी आर ओ आए यानी आप टेक्निकली समझना आप किसको ट्रीट कर रहे हो तो पी आर ओ आए अगर और वो कैपिटल एसेट बेच रहा है इंडिया में कौन बेच रहा है पी आर ओ आए और उसको रेमिटेंस करके लेके जा रहा है तो भाई कर सकता है बिंदास कर सकता है ये पॉइंट है लेकिन अगर पी आर ओ कैपिटल एसेट खरीदना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा अप्रूवल तो बेस्ट ऑप्शन क्या करना चाहिए अभी आपको ये बहुत ऐसा पॉइंट आएगा तो मेरे को बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या करना चाहिए तू पी इधर आया क्या करना चाहिए तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें कुछ सोल्यूशन दो ना मेरे को अरे एग्जाम्पल इमेजिन करो मैं पी आर ओ आए मैं जर्मनी में रह रहा हूं इतने साल से जर्मनी रहने के बाद इधर आया इधर ऐसे प्रौ... मेरे को बताओ प्रॉपर्टी ले सकता हूं फर्नीचर लेने में दिक्कत हो गई मेरे को और मैं पी आर ओ आई हूं अभी तो मेरे को बताओ मैं क्या करना चाहिए

तो ये रेमिटेंस क्या है रेमिटेंस क्या आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया ऑफ पी ओर पी आर वाई क्योंकि पी आर वाई लिख रहे हैं भारत की मालिक मालिक एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट तो डेरिवेटिव है जो आपको ऑलरेडी पता चल गया डेरिवेटिव है। वाला है। तो रेमिटेंस पे भी, भी अपने चर्चा कर ली रेमिटेंस का भी अपन ने डिस्कस कर लिया एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी है गारंटी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट ये पांच को एक्टली मैच होते हैं तीन एडिशनल याद रखिए ओके okay, एक है डिपॉजिट एक है रेमिटेंस और एक है डेरिवेटिव पर रेमिटेंस इधर का रेमिटेंस और उधर का रेमिटेंस बहुत अलग है इधर का रेमिटेंस कई के लिए है कैपिटल एसेट के लिए लेकिन मैंने अब तरीका और उसमें तरीका बताया कि कैपिटल एसेट का क्या ट्रांजेक्शन होगा कैसे होगा ये ध्यान रखना आत्मा क्लियर एवरीबडी ओके okay, तो so ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है डोंट वरी अगर कुछ भी पॉइंट है अपने को कोई टेंशन नहीं है रिलेक्स रही है ओके okay, बस मेक श्योर sure आपको समझ में आ रहा है नहीं भी आ रहा है तो मेरे को बताओ कुछ नहीं आ रहा है इसमें क्या डाउट है आप डाउट बताओगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा और इसको और पॉलिश करना रहा तो मैं आपको एक एक सोल्यूशन निकालता इसके एक क्वेश्चन uh, का पूरा वो जो फाइनल का पॉइंट है वो निकालता वो एक एडिशनल करो, अब करो उसके आप सॉल्व करो उसका परमनेंट कॉम्बिनेशन निकालते हैं और उसको क्लोज करते हैं इसमें कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ये डिसाइड करना है मेन तो प्रॉब्लम किधर आ रहा है कि कैपिटल है या

ओके okay, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है ओके okay, अकाउंट खोलना कौन सा अकाउंट खोलना फॉरेन करेंसी अकाउंट सर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं क्या यस सर इंडिया में खोल सकते हैं क्या यस yes. बाहर खोल सकते हैं क्या यस yes. लेकिन ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा यानी अकाउंट खोलना बैंक अकाउंट खोलना कौन सा ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इसके बाद है आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे वर्क होती है इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्प्ट आपको आइडिया आ गया इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप ले रहे हो तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा पर उसका लॉजिक बैठा आगे ऐसे हो रहा है एंड उसके बाद आपके लिए और आता है रेमिटेंस अभी मैंने रेमिटेंस को दे दी है। रेमिटेंस समझ में आया ये रेमिटेंस रेमिटेंस किसका है? Remittance करना मतलब क्या करना ये तो बता दो रेमिटेंस करना मतलब क्या करना पैसे भेजना पैसे भेजना ये पैसे भेजना रेमिटेंस करना मतलब पैसे भेजना मतलब अब मेरे को बताओ पैसे कहां पर भेज रहे बनिए बाहर रेमिटेंस करना मतलब पैसे बाहर भेज रहे ओके कई के लिए भेज रहे कैपिटल एसेट के लिए अब क्वेश्चन है कैपिटल दिया अगर कैपिटल एसेट जो बाहर बन रहा है

ओके okay, तो ये आगे और बढ़ाते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी चर्चा के लिए आप तैयार रहिए ओके okay, जब मैं कुछ पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए मालिक और वैसे ये शीट्स का पॉइंट है और अगर आपको लग रहा होगा भाई यार याद रह गया मेरे को आंसर याद रहना इज नॉट एट ऑल वेरी बेसिक ओके याद रहने से ज्यादा इसको समझना इंटरप्रेशन ओके okay, मैं कुछ पूछ रहा हूँ अब अपन एक रखेंगे ए और बी ये कॉमन एलिमेंट रखते हैं ए एंड बी आप याद रखना ए को आप ट्रीट करोगे पी आर आई और बी को ट्रीट करोगे पी आर ओ आई मैं अभी और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि है कि कैपिटल है करंट है या आप कैसे ट्रीट करोगे इसको ओके okay, तो मेरा पहला सवाल है ओके okay, ए ने ट्रांजेक्शन किया बी के साथ जब मैं पी आर ओ बोल रहा हूं तो आप एक एक कंट्री ले लो ओके जर्मनी रशिया जो लेना ले लो और एक इंडिया कंट्री लो ऐसे लो तो आपको समझेगा ए ने ट्रांजेक्शन किया बी के साथ ए ने बोला मुझे कुछ मशीनरी चाहिए मशीनरी चाहिए ओके बी ने बोला मैं तुझे डिलीवर कर दूंगा ओके सामने मुझे एक लाख डॉलर चाहिए ओके बोला, ओके, बोला, ओके 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 ए ए ने 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 बोला बोला तो अब यहाँ पर बी मशीनरी डिलीवर कर दी और ए ने एक लाख डॉलर पे कर दिए कौन सा ट्रांजेक्शन पक्का मशीनरी इंडिया में आई है मशीनरी इंडिया में आई है इधर पॉइंट क्लियर मशीनरी किधर आई है मशीनरी इंडिया में आई है क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है लेकिन मेरे को यहां पर दोनों की बात चाहिए दोनों की बात चाहिए क्या ये ए के लिए करंट अकाउंट है क्यों ये ए के लिए करंट अकाउंट है क्योंकि आपको डिफाइन करते वक्त बोलना होगा अगर मैंने ऐसा लिखा होगा तो आपको डिफाइन करते वक्त बोलना होगा ए का आउटसाइड इंडिया में कोई भी एसेट लाइब्रेरी या कंडीशन लाइब्रेरी अल्टर नहीं हो रहा है समझ में आया एवरीबडी तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन करंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जेपा मालिक ठीक है अब मेरे को बताओ बी के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट करंट या कैपिटल अच्छा बी को कैपिटल कैसे ट्रीट करोगे मैं अभी झुक के पैर पड़ता मैं तुम लोग के अगर उसका एसेट और लाइबिलिटी किधर इंपैक्ट हो रहा है इंडिया में तो उसको कैपिटल ट्रीट करना है एवरीबॉडी मेरे को बताओ क्या उसको कोई एसेट तैयार हो रहा है इंडिया में क्या उसकी लाइब्रेटी है तो बात खत्म तो कौन सा ट्रांजेक्शन करंट है यार पक्का क्लियर ठीक है पक्का एवरीबडी एग्री पक्का फिर मैं बढ़ाऊ आगे ठीक है इसी परम्बिनेशन को बढ़ाते रहो तो आपको ये क्लैरिटी करनी है भाई अब देख थोड़ा सा थोड़ा सा लगा ओके आप मेरे को बताओगे करंट है ये है ओके यहां पर इन दिस केस इन दिस केस ए प्रोमिस टू पे ए प्रोमिस टू पे वन लैख वन लैख आफ्टर थ्री आफ्टर थ्री इयर्स। मशीनरी आ गई है मेरे को लेकिन क्रेडिट पे नहीं समझा समझा मशीनरी आ गई है लेकिन क्रेडिट पे आई है तो अब मेरे को बताओ ओके, okay, ए के लिए आप क्या ट्रीट करोगे पहला क्वेश्चन ए के लिए ए के लिए कैपिटल क्योंकि उसका एसेट है इधर तैयार हो रहा बात है बात खत्म है ओके, ए के लिए पक्का कैपिटल होगा क्यों कैपिटल होगा मेरे को आंसर बताओ ना यार कुछ तो आंसर बताओ दोनों के आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझा क्या दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस गया। अच्छा, चलो बी का आंसर बताओ पहले। बी, बी, बी का मेरे को बताओ क्या है ना? तो इंडिया में तो एसेट है तो मेरे को बताओ बी के लिए आप कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रीट करोगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बात खत्म कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बात खत्म अरे लाइबिलिटी है क्या बोलते हैं एसेट है अब अगर उसका एसेट है इसकी किधर पे करने को है ओके okay, तो इसके इसके लिए क्या क्रेडिटर है ये और क्रेडिटर इंडिया में क्या इंडिया के बाहर है तो कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बट मेक श्योर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या के लिए है नॉट फॉर मशीनरी फॉर दिस लोन समझ में आया तो मशीनरी वॉज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आ गया लेकिन वो लोन का पे करना है ना एक 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 इसमें आत्मा क्लियर एवरीबडी ये पॉइंट ध्यान रखना ओके अब क्वेश्चन आता है थोड़ा और क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं इसको ये ये समझा क्या सबको ठीक है ओके okay, ये इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं सेम लॉजिक सर सेम लॉजिक लेकिन इधर मैंने बोला आई विल पे आफ्टर थ्री मंथ्स सेम आंसर कैपिटल कैपिटल ही बोलोगे क्यों थ्री मंथ्स में भी देना तो कैपिटल कैपिटल होगा पक्का लाइबिलिटी आ रही है ना बन रही है ना पक्का लाइबिलिटी तो बन रही है और उसका एसेट बन रहा है डेटा है ही तो एसेट ही है ना उसका ओके okay, प्रॉब्लम क्या है करंट अकाउंट के डेफिनेशन में आओ अब करंट के डेफिनेशन में जाओ प्रॉब्लम डेफिनेशन में करंट के डेफिनेशन में जाओ पहले पेज जाओ पॉइंट नंबर होगा मेरे ख़्याल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़िए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अ ट्रांजेक्शन अदर देन जनरलिटी ऑफ फॉर गोइंग सच ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स मतलब क्या द जनरलिटी ऑफ फॉर गोइंग फॉर गोइंग सच ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी बताइए मतलब क्या आगे छोड़ दीजिए आराम ये खत्म करो मेरे को ये पॉइंट बताओ विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी पेज नंबर क्या रहे ये लाइन का मतलब क्या है कोई बताएगा मेरे को परफेक्ट यानी आगे हम आपको चार पॉइंट दे रहे हैं हम आगे आपको चार पॉइंट समझा रहे हैं आप इसके आप इसको देखोगे तो शायद आपको लगेगा ये कैपिटल है है लेकिन इसको आपको क्या ट्रीट करना करंट अकाउंट अपन ने क्या डिस्कस किया था करंट करंट अकाउंट अकाउंट इज इज अदर देन कैपिटल तो आप जनरली हो गया ना आंसर जनरली हो गया इसका मतलब ये बाकी सब तो कैपिटल ही मतलब जो कैपिटल बता दिया बता दिया बाकी सब करंट है यही माना जाएगा लेकिन ये बोलते हैं आप इसको जनरली जो लोगे लेकिन उसके अंदर ये चार भी लेना अब जितना चीज जनरली करोगे लेकिन इसके अंदर ये चार भी करना अब वो चार मत पढ़िए मेरे को चार मत नहीं अब चार नहीं चाहिए मेरे को खाली फर्स्ट चाहिए फर्स्ट पढ़िए ओके सर okay मेरे को बताइए फर्स्ट क्या है पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड अदर करंट बिजनेस सर्विसेज एंड अदर शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिड फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी पॉइंट ये लोग बोलते हैं अगर आपको कुछ पेमेंट करना है ओकेज और वो फॉरेन ट्रेड के कनेक्शन में है या कुछ बिजनेस के कनेक्शन में या सर्विस के कनेक्शन में ओके या शॉर्ट टर्म बैंकिंग के कनेक्शन में या क्रेडिट फैसिलिटी के कनेक्शन में है है ओके लेकिन याद रखना आपको क्या मेन वर्ड लेना ओके हम इसको क्या मानेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे करंट अकाउंट हम इसको कैपिटल नहीं मानेंगे हम इसको क्या नहीं मानेंगे कैपिटल अब सवाल यह है यानी इन शॉर्ट ओके एकदम सिंपल है फॉरन ट्रेड के लिए पेमेंट करना है फॉरिन ट्रेड ये तो समझ में आ रहा है करंट है ठीक है सर करंट ये ना ट्रेड किया ना अपन ने करंट है ना भाई ठीक है ओके करंट बिजनेस ठीक है सर्विस ये तो सर करंट ही है हाँ, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी देते हो और वो शॉर्ट टर्म है ओके तो आप उसको उसको कैपिटल अकाउंट में डील नहीं करते कुछ समझ में आया ओके तो अब मेरे को बता तो तेरा ये आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये हुआ कि नहीं हुआ अब मेरे को बता तेरा आंसर क्या होगा इसमें जो मैंने आपको बताया था तीन महीने अकाउंट में बन बनेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म अब सवाल आपका ये भी आएगा सर शॉर्ट टर्म क्या है देखो शॉर्ट टर्म तो एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है यूजुअली छह महीना शॉर्ट टर्म एक्ट ने नहीं दिया है ओके तो सर आप कैसे ले रहे हो जो क्वेश्चन थे फाइनल के उसके हिसाब से अपन तो वैसे ही लेंगे ना जो इंस्टीट्यूट इले पढ़ा के वही तो लॉजिक लगाया अपन ने तो मेरे को बताओ यहाँ पर ये दोनों भी करंट होगा करंट होगा भारत की के मालिक। के मालिक। तो आपको यह समझना पड़ेगा यानी एग्जाम्पल मेरे को बताओ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से होते पहली लाइन अदर देन कैपिटल ये तो लगे लॉजिक क्लियर है लेकिन इट प्रिजुडाइज द जनरलिटी ऑफ द अबाउ लाइन यानी ऊपर की लाइन को आप जनरल मत लो एकदम एकदम जनरल मत लो, यानी कैपिटल जो नहीं होगा वही करंट होगा नहीं इसको एज ए ट्रीट मत करो मैं आपको और चार पॉइंट बता रहा हूं तोड़ मालिक क्लियर है मालिक अरे हा या ना पक्का तो किरण भाई आपने कैसे करेक्ट किया मालिक क्या लॉजिक कुछ ऐसा ऐसे थूका तो कैन वो ये थका तो ही नहीं सकता ये इसके लिए बिकॉज़ दिस इज दिस वन ऑफ द वन ऑफ द हाईएस्ट कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो कैपिटल लग रहा है उसको आपको क्या ट्रीट करना है करंट जबकि करंट में बोला था जो कैपिटल नहीं वो करंट है ऐसा है तो भाई uh, किरण भाई के लिए अपना एक uh, अपना एक लिस्ट में से गिफ्ट ड्यू है भाई ओके जो आपने ये रहेंगे बहुत अच्छा लगा मेरे को आंसर बहुत बढ़िया लगा मालिक ओके तो, तो तो भाई करता किरण के लिए भाई नहीं इट इज नॉट इजी आपको लग रहा होगा ये ये फाइनल में क्रैक नहीं होता मालिक विदाउट विदाउट जनरलिटी वो वो इंटरप्रेट करना ही तो उसमें खाली एक ऐसा ही हो सकता है या चांस किरण ने वैसा किया कि मालूम नहीं ओके okay, एक ही हो सकता है आगे की चार लाइन पढ़ने के बाद समझ में आता है okay, नहीं पढ़ा उसने ठीक है बढ़िया है पर मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं अगला पॉइंट मेरे को बताओ अगला पॉइंट पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड नेट इन फ्रॉम यानी जो भी उसके बाद रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रेनिंग एवरॉड यानी अगर मेरे कोई पेरेंट्स या मेरे स्पाउस या मेरे बच्चे अगर रहे रहे और मैं इधर काम कर रहा हूं और मैं इधर कमा रहा हूं मैं रेमिट कर सकता हूं पैसा और इसको कौन सा करंट okay, क्योंकि टेबल, लाया तो, उन्हें टेबल ऐसा ही होगा ना ट्रीटमेंट तो पर ये नहीं ये को खर्चे के लिए लिविंग एक्सपेंस के लिए okay, हम कौन सा ट्रांसक्शन मानेंगे करंट लेकिन ही है, इसकी क्षमता लिमिट्स कुछ है आप जितना कमा रहे हो पगार में उसकी नेट सैलरी जब बनेगी नेट सैलरी कब होती है जब टैक्स कट जाता है प्रोविडेंट फंड कट जाता है वो जो नेट सैलरी बनती है उतना पूरा का पूरा अमाउंट भेज सकते हो यानी इसमें ढाई लाख की लिमिट नहीं है अगर सपोज मैं दो लाख महीने का कमा रहा हूं दो लाख अपन डॉलर की बात कर रहे हैं अपन अमीर लोग अभी गरीबी में मत जियो समझा दो लाख की बात कर रहे हैं दो लाख क्या डॉलर दो लाख डॉलर महीने का कमा रहा हूं यानी चौबीस लाख डॉलर कमा रहा हूं साल के मालिक इंडिया में ओके और दो लाख में से टीडीएस डी दस हजार कट जाता है

हांगकॉन्ग ये मलेशिया ये सारे कंट्रीज के प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या उधर चले जाते हैं और उधर ही चले जाते आते नहीं वापस बहुत स्ट्रिक्टली वेरीफाई करता है यूएस का तो अलग ही कांड है यूएस का तो अलग ही रोता है यूएस की तो अपनी कहानी है यूएस तो शाहरुख खान को भी मना करता है मतलब मालूम है ना ये कहानी सुनी होगी ना यूएस तो सबको मना करता है यूएस तो अपना ईगो लेके बैठा हुआ है वट एवर इट में भी ये पॉइंट है उनका मेन ऑब्जेक्ट मेन प्रॉब्लम कहता है इधर वाले लोगों का उनका प्रॉब्लम है कि उधर जाके तुम रिजर्व मतलब उधर जाके रह जाओ आप वहा हमको क्या प्रॉब्लम है ओके okay, टेक्निकली so, ये इसके लिए वीजा ऑफिस जाते हैं वीजा ऑफिस जाते हैं अपन पैसे निकाल के देते हैं ये वीजा का पैसा होता है ओके okay, so, जब जाते हैं ओके इमिग्रेशन पे आते हैं अब जब हम अभी अभी नॉर्मल ट्रेवल के जाते हैं तो इमिग्रेशन वाला कोई पैसा नहीं लेता लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए मेडिकल के लिए मैं जब ऑस्ट्रेलिया मेडिकल के लिए गया था इमिग्रेशन वाले ने पैसे लिए थे एडिशनल पैसे लिए थे अब ये इमिग्रेशन ने जो लिए उधर उधर देखो इधर वीजा में तो मैंने रुपी देके के कम खत्म किया इमिग्रेशन वाले ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिए ओके ऑस्ट्रेलियन डॉलर कुछ बाईस डॉलर कुछ लिए थे उसने इमिग्रेशन वाले ने अब ये जो बाईस डॉलर दिए मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही दिए ना ये कौन सा ट्रांजेक्शन था करंट अकाउंट कैपिटल नहीं है ये मैं भले मेडिकल के लिए जा रहा हूं तो इमिग्रेशन का पैसा एजुकेशन का पैसा ट्रेवल का पैसा मीटिंग के लिए जाने वाला पैसा ये सब किसको क्या कौन सा ट्रांजेक्शन मानोगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आत्मा क्लियर तो मेरे क्वेश्चन qu uh, देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन लिखना बहुत आसान था करंट अकाउंट को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पहले लाइन तो एकदम ईजी है क्या है अदर देन कैपिटल अदर देन इसमें कोई दिक्कत ओके अदर देन कैपिटल में गया ये अब अदर देन कैपिटल ओके एक लाइन याद रखना विदाउट मेंदाउटाइज टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग सच ट्रांजेक्शन फॉरगोइंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन मतलब ऊपर को जनरल मत बना दो हम अगर जनरल बनाया है तो हम बोल रहे हैं उसमें इंक्लूड करो तो उसमें क्या इंक्लूड करो चार चीजें मैं इसको एकदम शॉर्टकट वाला पॉइंट बता रहा हूं फॉरेन ट्रेड के लिए ट्रांजेक्शन किया

इसको यानी बीवी पे बीवी मतलब मैं बीवी पति जो जो भी जो कमा रहा होगा डोंट वैसा मत करना वो सर वी इट्स ओके ओके मैं आपको यह बता रहा हूं तो यहां पर कोई भी कमा रहा जो भी स्पाउस है पेरेंट्स है और बच्चे है उनका एक्सपेंस निकालने के लिए आप जब खर्च करोगे आपके लिए वो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा करंट यानी आपको ढाई लाख की लिमिट भी याद रखनी पड़ेगी ओके यानी पॉइंट नोटेड अगर मैं अपने बच्चों को लेके घूमने जा रहा हूं कर रहा हूं ओके okay, तो भाई अपने को ध्यान रखना होगा लिमिट्स के ये लिमिट्स के कंटेक्ट में जाता है बाकी और कोई कारण नहीं है बट नेवर दस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लॉजिक बैठेगा मालिक गिफ्ट okay, क्या होता है गिफ्ट तो गिफ्ट होता है सर ओके okay, आपके हिसाब से कैपिटल या करंट सर क्वेश्चन है गिफ्ट दिया किसने किसको क्या दिया ये भी पंचायती अगला पढ़ाओ गिफ्ट का डिस्कशन सारी आदमा मेरे साथ परमिनेशन कॉम्बिनेशन डिस्कशन करो क्योंकि देखो मैं वो डिस्कशन कर रहा हूँ जिसमें आपने को कैपिटल और करंट में फर्क आएगा अच्छा मेरे को बताओ इनकम टैक्स के हिसाब से गिफ्ट इज कैपिटल रिसीट इनकम टैक्स के हिसाब से आपको जो गिफ्ट मिलता है कुछ मिलता है गिफ्ट मिलता है वो कौन सा रिसीट है कैपिटल रिसीट टैक्स होता है ना गिफ्ट पे टैक्स है कि नहीं है फ्री है, है कि नहीं है कंडीशन है पर उसके ऊपर गया तो है ना कितने का एलिमेंट है पचास हजार दो लाख लिया तो रिलेटिव नहीं है और बाहर से आया तो टैक्सेबल और कितना टैक्स अच्छा है स्लैब स्लैब के हिसाब से ठीक है जस्ट पूछ रहा हूं मैं मेरे को आइडिया नहीं भाई आपने को क्या आपने को तो गिफ्ट मालूम ही नहीं है देते सुनिए मैं क्या बोल रहा अभी गिफ्ट किसके बीच में हो रहा है ए और बी के बीच में ए कौन पी आर कौन पी आर आय और बी कौन पी आर ओ ये पी आर आई रे भाई ये पी आर ओ है अब मेरे को बताओ कौन किसको गिफ्ट देना चाहिए आपके हिसाब से अभी पहले पहले ये हर हर क्लोज करना पड़ेगा ये इसको दे रहा है वो उसको दे रहा है ए बी को दे रहा है ठीक है अब समझना शुरू ए ने गिफ्ट दिया बी को सुन लिया गिफ्ट दिया बी को सर गिफ्ट दिया बी को किस में डॉलर में सर दो लाख डॉलर दिए ए ने बी को मेरा क्वेश्चन है ओके okay, सबसे पहले ए को डॉलर देना है तो ए को कैश लेके डॉलर एक्सचेंज करवाना पड़ेगा तो फेमा है नहीं समझा समझा फेमा है ओके okay, और ये ए ने बी को दे दिया और बी ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया अब मेरा सवाल है बी ने एक्सेप्ट कर लिया ये पैसा मेरा सवाल है कौन सा ट्रांजेक्शन गिफ्ट गिफ्ट कौन सा ट्रांजेक्शन अपना आज तो गया पूरा तो। तो था करंट का तो ये भी खत्म होगा करंट का, तो का प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन चालू नहीं हुआ है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ये भी करंट ये भी करंट सर इसका क्यों करंट करंट है इसका ना एसेड बन रहा है ना इसका कोई हो रहा है समझ में आया

तो मैंने बोला बी एक्सेप्ट इसलिए तो मैंने वर्ड क्या लिखा बी एक्सेप्ट ओके okay, और एक सवाल ए और बी ट्रीटमेंट सेम दो इमेजिन करो बी ने गिफ्ट दिया ए को आमिर कह रहा था बी जो गिफ्ट देगा वो तो डॉलर भेजेगा वो 20000 डॉलर दिया साला इसने गिफ्ट दिया दो लाख इसने दिया 20000 पीआरआई साले खतरनाक करते ओके okay, पीआरआई अच्छा आदमी था था मतलब है तो अब मेरा क्वेश्चन है ये 20000 डॉलर गिफ्ट दिया मेरे को बताओ बी के लिए क्या है पहले वो बताओ करंट क्योंकि उसका कोई ट्रांस कुछ है ही नहीं अब सवाल है आप बोलोगे ए के लिए कैपिटल है नहीं है ओके ये वो दो अब सर आप बोलोगे बीस हजार में उधर ही रख दू तो नहीं रख सकते अगर आपको गिफ्ट मिला फेमा का रूल है एक्सटांड रेगुलेशन है आपको इमीडिएटली पैसा इंडिया में लाने का

ई कुछ खर्चा करता है कोई प्रॉपर्ट सिक्योरिटी पे अगर वो पी आर ओ आई था और अगर उसको इनहेरिट हुआ है मैं वर्ड लिख रहा हूं इनहेरिट हुआ है गिफ्ट नहीं बोला मैंने मैंने गिफ्ट नहीं बोला अगर मैं सवाल बोलता हूं इनहेरिट तो मालिक अगर मैंने बोला बी से इनहेरिट हुआ है बी उसका कोई दादा लग रहा था वो मर गया और उसको इनहेरिट हुई है किसको ए को ए बिंदास उधर रख सकता है बिंदास रख सकता है और उसको कोई कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है उसपे क्योंकि आपको मालूम है सिक्स फोर मेरे लिए फ्री है मालिक समझ में आया ओके okay, मैंने बीस हजार लाने ही नहीं है मैंने क्या बोला इधर इनरेट है 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 या गिफ्ट मिला? गिफ्ट है। गिफ्ट मिला लाना पड़ेगा आपको इंडिया में कौन बोला आरबीआई आरबीआई बोलता है एस तेरे को गिफ्ट मिला पैसा इंडिया में आने चाहिए बात खत्म हमको नहीं मालूम तू बोलना मत नहीं आ रहे और मालिक मिल नहीं रहे तेल हमको पैसे वापस चाहिए आत्मा क्लियर अब दूसरा और एक और एक बता रहा और एक गिफ्ट का ही बता रहा सारी आत्मा मेरे साथ गिफ्ट में इमेजिन करो ए ने गिफ्ट दिया बी को ए ने गिफ्ट दिया बी को मां कसम तोड़ ध्यान दे रुपीज में दो लाख रुपए ओके ए okay, ने गिफ्ट दिया बी को रुपीज में दिया अब मेरे को बताओ ये रुपीज में दिया तो ये अभी तक इंडिया में ही होगा ओके okay, बी ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया मतलब उसको कन्वर्ट करके लेके नहीं गया ओके क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है ए ने गिफ्ट दिया बी को और रुपीज में दिया है और वो इंडियन बैंक अकाउंट में पड़ा है किसमें पड़ा है इंडियन बैंक अकाउंट सर ये बैंक अकाउंट किसके नाम का होगा भले बी के नाम का होगा इट बी भले भी के नाम का होगा मैटर किसके नाम का होगा बी के नाम का बी के नाम का ही बात कर रहे हैं ओके ए okay, के नाम से निकल गया अगर के ए के अकाउंट में तो गिफ्ट थोड़ा हुआ okay, मैंने मन आत्मा से बोला गिफ्ट दिया गिफ्ट दिया मतलब दिखाओ गिफ्ट दिया है तो कौन से अकाउंट में गया बी का अब मेरे को बताओ बी का कौन सा अकाउंट है इंडियन बैंक अकाउंट अब मेरा सवाल है ए के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन ए के लिए घंटा फेमा लगेगा नहीं समझा समझा क्या ए ने क्या कहां से फेमाएगा मेरे को बताओ ए को ए ने किस में दिया है डॉलर में दिया है रुपीज में दिया है ऊपर प्रॉब्लम क्या था ऊपर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था उसने डॉलर कन्वर्ट करके दिया है समझ में आया इधर A को कोई ट्रांजेक्शन अरे फेमा ही नहीं है पर क्या बी को फेमा एप्लीकेबल होता है यस yes. क्योंकि ए के लिए ट्रांजेक्शन क्लोज है ना क्यों in ये नहीं समझा बैंक अकाउंट क्या है उसका एसेट है ओके okay, क्या वो बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है यस फॉरेन करेंसी में भी कर सकता है लेकिन क्वेश्चन कौन सा अब क्वेश्चन है ये कौन सा ट्रांजेक्शन है कैपिटल या करंट बी के लिए B के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट नहीं होगा समझ में आया क्या क्या क्यों ऐसा हुआ समझा क्योंकि ना इन्हें दो लाख निकाल के दूसरे अकाउंट में डाला अब मेरे को क्या करना फेमा का अच्छा इधर फेमा क्यों लगाया था तुमने करंट क्योंकि मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया और मैंने बी को भेजा डॉलर में समझ में कुछ आया डिफरेंस समझा क्या अरे हा या ना एवरीबडी एवरीबडी तो मेरे ख्याल से ये मोटा मोटी आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा कि कैपिटल करंट का क्या लॉजिक है ओके okay, प्रोबेबिलिटी ये है थोड़ा सा आपको इसको रीड करना है रीड करना है रीड करना है उसके बाद उसको पॉलिश होता है यानी या एक कॉन्सेप्ट हो गया याद रखना जो मैं क्लास में कर रहा और एक होगा रीड करना जिससे आपके इंटरब्रक्शन हो गया वापस बोल रहा हूँ मैं क्यों रीड करने बोला कल और मैं वापस मतलब ये इसको क्यों बोल रहा हूँ जब आप इसको रीड करोगे जब आप इसको रीड करोगे आपको लगेगा इस पॉइंट का क्या और उस पॉइंट का आप क्वेरी लिखोगे अगर इस पॉइंट का क्या अरे अच्छा ये पॉइंट का ऐसा है तो उस पॉइंट का अगर दिमाग में आ रहा है आप क्वेरी लिख के रखोगे और लिख के रखोगे आप इनसे पूछोगे तो आपको क्या डाउट आएगा उसका इंटरप्रटेशन अपने को क्लियर होगा देखो मैं तो ऐसे जितना चाहिए एग्जाम्पल लेके जाके आपको करवा सकता हूँ लेकिन ये एक्जाम्पल कितना भी रहा तो इंटरप्रिटेशन सी है समझाते जा रहा हूँ लेकिन कितना भी हुआ तो आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए यार आपके एंड पे ओके okay, तो अपन लिमिट रख सकते मतलब लिमिट मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ और दो लेक्चर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अपन अगर लास्ट में ओके okay, वैसे ही शिवा सर का लेक्चर खत्म हो रहा जल्दी तो मेरे पास बफर जोन है तो मेरे पास है वो एक एक हाथ दो लेक्चर क्या है चार तारीख के बाद तो भाई अपन ही है ओके okay, सर तो मेरा टेक्निकल पॉइंट ये लास्ट के तीन चार दिन ही अपने वो टाइम पे तो पॉइंट ये है पर तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको कुछ आए तो आप इस पर लिखो सर ये क्वेरी क्या है आप बताओ मैं आपको शॉर्ट करके देता समझ में क्योंकि हर घड़ी और सर आप बोलोगे आप क्वेरी दो मैं देता ना नेक्स्ट वीक में मैं देता ना ओके okay, मैं देता ना आपको लिस्ट ही देता क्वेश्चन की सॉल्व करते बैठो खत्म करते बैठो फाइनल का कंपाइल करके दे देता तुमको फाइनल के अपने पाँच छः अटैम्प के पूरे कंपाइल्ड है वो कंपाइल्ड वाला डेटा देता पर मतलब वो पूरा फेमा का कंपाइल्ड है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा तो मेरी टीम को कल बोलता मैं वो कल मैं जा ही रहा हूँ तो उधर बता दूंगा उनको बता दूंगा वो कंपाइल करके तुमको भेज देंगे तुम कंपाइल करते सॉल्व करते बैठो आंसर नहीं भेजूंगा आंसर बाद में भेजूंगा बस पर प्रॉब्लम समझा क्या कै? इसमें कैपिटल करंट क्या है तो आप कुछ रेगुलेशन लगाओगे भी पहले तो वो क्लियर होना चाहिए वो डिवाइड किस में होना है ठीक है दूसरा सिंह करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सबको समझा अरे हां या ना तो मेरे को तो करंट को कैसे डिफाइन करोगे अदर देन कैपिटल लिखो पहले फिर विदाउट द प्रिजुडाइज द जनरलिटी ओके ये हुआ फिर कितने पॉइंट रखोगे चार कीवर्ड्स बताओ मेरे को खाली कीवर्ड्स ओके कीवर्ड्स पहला वाला ट्रेड सर्विसेस प्रोविजन एंड बैंक एंड ओडी मतलब credit facility. Credit facility मतलब credit पे दिया हुआ Short -term खाली. और ordinary course of business, दूसरा remittance. काई के लिए, remittance नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिविडेंट डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रॉफिट हुआ है तीसरा पॉइंट रेमिटेंस रेमिटेंस किसको दिया मेरे स्पाउस को पेरेंट्स को बच्चों को कहां पर आउटसाइड इंडिया इंडिया वाला वो घूमने लेके जा रहा है किसको बच्चों को फैमिली को जिसको भी और कई के लिए मेडिकल हो सकता है एजुकेशन हो सकता ट्रेवल हो सकता है आत्मा क्लियर ये चार हो गया करंट वाले करंट का पहले दिमाग में डालो और करंट का एक शॉर्टकट ये ठीक है ये आपको मैंने समझाने के लिए कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैंने मतलब ये अपन डिस्कस किए एक इसका एक शॉर्टकट तरीका शॉर्टकट तरीका मतलब क्या मालूम है एक बेनिफिशियल तरीका भी है लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में तीन शेड्यूल है बट बिफोर दैट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सा सेक्शन डील करता है कैपिटल कौन सा सेक्शन डील करता है

तो सर आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए सही है।, है सिर्फ वो ढाई लाख का ढाई लाख के ऊपर रहा आरबीआई के पास आओ बाकी सब आरबीआई बोलता है मेरे को करंट कर में करंट तो रोज के रोज होगा तो सीजी के पास जाओ तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के रेगुलेशन कौन बनाता है सीजी याद रख और इसका टेक्निकली समझ में आएगा तेरे को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कितने शेड्यूल है तीन शेड्यूल शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री बात मेरी मान सुन शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री वापस वन टू थ्री वन कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते लॉटरी जीता पी आर ओ ने किसने जीता पी आर ओ ए ने ओके लॉटरी जीता लॉटरी का पैसा लेके जाना है नहीं लेके जा सकता इधर का पैसा है, लॉटरी का पैसा इधर, इधर प्रोहिबिटेड घोड़े की रेस जीता पी आर ओ आया के आया दर भी खेला घोड़े की रेस जीता अब वो घोड़े का पैसा लेके जाना जाता है नहीं जा सकता रेमिटेंस नहीं है परमिटेड नहीं है रेमिटेंस हम देंगे ही नहीं प्रोहिबिट करेंगे एक कंपनी आई इन्वेस्ट की इधर अपन का। अपन परमिट तो खुश होंगे कंपनी आई इन्वेस्टमेंट किया लेकिन प्रॉब्लम है अगर वो कंपनी इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बेच कहीं और रही है समझ में कोशिश करो कंपनी क्या कर रही है इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बेच कहीं और रही है

अब प्रॉफिट में से छह में से चार करोड़ आपने डिविडेंड दे दिया है। नहीं दे सकते ओके okay, नहीं लेके जाते प्रोहिबिटेड है मतलब तुम जितना लाए उतना तो लेके ही जा रहा ना वापस तो फिर तुमको लाने का इंटेंशन क्या है हमारा हम आपको परमिशन क्यों दिए तो डिविडेंटिंग नहीं कर सकते ये कौन ट्रांजेक्शन है प्रोहिबिटेड कौन से वाले इसमें शेड्यूल वन में, में। सारी याद मेरी इधर शेड्यूल टू में ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जहां पर आपको मोदी जी से पूछना पड़ेगा

लाख डॉलर के ऊपर रहा तो नहीं कर सकता अब मेरे को बताओ एक तो एक लाख डॉलर तो जगह मैच एक मैच में, दो मैच में दो चला जाएगा। नहीं कर सकता सर किसके लगेगा? Okay, समझ, समझ में आ तो क्या है या किसी का बाप आए कर ही नहीं सकते शेड्यूल टू के ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन किससे पूछना पड़ेगा सीजी से लेकिन दिक्कत क्या इधर इधर प्रॉब्लम ये है जब ये ट्रांजेक्शन पड़ेंगे ना अपन ये ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ अमाउंट मिलेगा आपको एग्जाम्पल पचास हजार के ऊपर रात तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये मत पकड़ो। के तो सीजी से है यानी मेरे को चालीस हजार है तो यानी एक पॉइंट के दो दो आंसर बनते हुए प्रॉब्लम ये है समझा क्या ओके क्योंकि इधर अमाउंट की भी लिमिट है याद होगा कल मैंने बताया था लिमिट्स कैपिटल में नहीं था ना कैपिटल में एक अच्छा था कैपिटल में जो भी लिमिट थी ढाई लाख नहीं समझा इधर आप बाहर कर रहे हो तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट तो यार मेरे को बताओ अच्छा ज्यादा कौन से होंगे कैपिटल या करंट आप एग्री करते हो रेगुलर ट्रांजेक्शन करंट ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे यार ओके okay, तो इस केस में आप आप ये पूछना है तो ये परमिशन लेके करो तो किससे पूछो सीजी से और शेड्यूल थ्री आरबीआई से पूछो लेकिन कब ढाई लाख के ऊपर हुए तो तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आरबीआई के पास कब जाने का ढाई लाख मेडिकल है एजुकेशन है उसमें तो कर दो जितना करो उतना करना करो लेकिन ट्रैवल करना है ये करना है ढाई लाख तक करो मेरे पास आओ मत ढाई लाख के ऊपर मात तो? आओ ओके तो कुछ चीजें दी हुई है लेकिन शेड्यूल थ्री में दो पार्ट है ढाई लाख की लिमिट एक इंडिविजुअल के लिए है। किसके लिए इंडिविजुअल लेकिन कुछ कंपनी के लिए कंपनी मतलब कौन से वाले कंपनीट उनके लिए कुछ लिमिट्स है सर ओके ओके मेरे को बताओ क्या इन्फोसिस फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है अब इन्फोसिस जो फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है तो देखो उसको यूएसए मिल रहा है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो मेरे को बताओ क्या वहां पर भी थोड़ी समाज सेवा करेगा इन्फोसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देखो जिस कंट्री से पैसा मिल रहा है क्या वहां पर समाज सेवा करनी तो उस okay, से तो चाहिए कर और इन्फोसिस वो खर्चा उठाने को तैयार है तो मेरे को पता कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल या करंट स्टूडेंट का खर्चा उठाना है क्या उनका एसेट बन रहा है क्या क्या उनकी लाइब्रेरी आ रही है नहीं खर्चा दे रहे तो खर्चा दे रहे कौन सा है करंट

मैं आपको बता रहा हूं रट जाओ बात खत्म करो आपको क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा ओके जो मैंने आपको कैपिटल और करंट का समझाया वो रेयर क्वेश्चन होगा अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें चार ऑप्शन देते हैं वो बोलते हैं मतलब चार क्वेश्चन है और चार क्वेश्चन दिए हुए सब क्वेश्चन और उसमें बोला कि कैपिटल है कि, कि करंट है ये बताओ तब प्रॉब्लम है अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं ये शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री में से ही सवाल आने की संभावना है जिसमें आपको रटना पड़ेगा अच्छा सर ये शेड्यूल्स होने के बाद ओके कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है जो इसमें नहीं है हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे इंपोर्ट करना है है ही नहीं क्या शेड्यूल में अच्छा मेरे को बताओ इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी करना है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी करना है कैपिटल क्या वो कर सकता हो यस yes. फ्रीली था याद आया अब मेरे को इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यशन करना है आर्म्स एंड एम्यूनेशन ओके ना शेड्यूल वन में है ना शेड्यूल टू में है, ना शेड्यूल थ्री में है बात करता हूं मतलब फ्रीली कर लो नहीं करंट में उल्टा है यार कैपिटल और करंट में यही उल्टा है कैपिटल में क्या था जो लिस्ट थी अगर उसके अलावा कुछ रहा तो कैपिटल के इसमें जो लिस्ट थी उसके अलावा कुछ रहा तो अप्रोच चाहिए और करंट में जो लिस्ट है उसके अलावा है तो फ्रीली है रिवर्स कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको अगर कोई लिस्ट है जो दी है ये या इन शॉर्ट मतलब मेरे को बताओ जो भी लिस्ट है वो कंडीशनल ट्रांजेक्शन है कौन सा ट्रांजेक्शन है कंडीशनल तो लिस्ट के बाहर जो भी हो बिंदास जो करना है करो तो मेरा क्वेश्चन है इंपोर्ट करना है बिंदास कर कितना भी अमाउंट बिंदास कर तेरे पास पैसा है तो जितनी ताकत है उतना कर एक्सपोर्ट करना है बिंदास कर हमसे पूछने की जरूरत नहीं ना मुझसे ना सीज है क्लियर ओके सर मैं कुछ याच ले रहा हूं ओके okay, याच याच ओके okay, जैसे प्रशांत सर का प्राइवेट जेट है मैं प्राइवेट जेट में ले रहा हूं सपोज भाड़े पे और प्रशांत सर पी आ रहा है प्रशांत सर कौन है है। okay, और मैं उनका प्राइवेट जेट ले रहा हूं भाड़े पे घूमने के लिए मेरा सवाल है, क्या, क्या एसेट है नहीं ना उनका एसेट चेंज हो रहा है लेकिन अगर यही चीज अगर पीएसयू करती है वॉट इज पीएस सेक्टर अंडरटेकिंग या सी एस जी करती है एस जी स्टेट गवर्नमेंट यानी अगर बाई चांस अभी अभी अपना स्टेट गवर्नमेंट किसमें से अगर वो वो अगर प्राइवेट जेट मंगाते हैं बाहर से और उनको डॉलर देते हैं अप्रूवल लगेगा किसका सीजी का सेकंड इसमें आता है शेड्यूल टू में नहीं समझ समझ में आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन है मेरे को बताओ यहां पर कितने शेड्यूल पड़ेंगे अपन ओके करंट में कितने शेड्यूल पड़ेंगे तीन शेड्यूल तो शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री मेरे को बताओ शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री और शेड्यूल थ्री में कितने पॉइंट है दो कौन से दो पॉइंट है एक है इंडिविजुअल एक है अदर देन जे पा क्या मालिक ओके okay, मैं आपको बता रहा हूं लिख के ले लीजिए ये और ये अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया नाम बदल देना मेरा आपको जो नाम रखना रख लेना तुम ही बुलाओगे मैं क्या करूंगा उसका Okay, मजा कर रहा था बट लेकिन लॉजिक ये है कि आपको गारंटेड इन दो में से आएगा ही आएगा इसमें से एक आने की संभावना हो सकती है एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कैपिटल कौन सा है करंट कौन सा है वो बताइए एक क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल के ऊपर और एक क्वेश्चन आ सकता है दिस वुड बी इन पोर्टफोलियो फॉर यू दैट सेट इसके बाहर आपका फेमा नहीं है फेमा इधर खत्म है फेमा एक्ट खत्म नहीं इंटर का फेमा खत्म एवरीबडी क्लियर तो अपना आज इसमें पेंडिंग है, ये वाला पॉइंट पेंडिंग रह गया जो आज मेरे को ये पॉइंट था लेकिन ठीक है अपना स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्कशन पॉइंट है मेरे ख्याल से बट बिफोर दैट मेरे को बताओ कैपिटल और करंट अभी क्लैरिटी है अभी मेरे को बताओ कैपिटल करंट को कैसे डिवाइड करोगे क्या किसको पहले डिसाइड करोगे कैपिटल को डिसाइड करोगे या करंट को देखो सबसे पहले ना करंट के वो चार नाम दिखे तो करंट क्योंकि डायरेक्टली चार नाम है ये चार नाम नहीं दिख रहे क्योंकि वो चार नाम कैपिटल के भी हो सकते हैं ना इसलिए वो चार नाम देखो कौन से चार नाम करंट के डेफिनेशन के एवरीवडी क्लियर उसके बाद क्या देखो उसके बाद कैपिटल ढूंढो पर कैपिटल कैसे ढूंढने का आदमी को का का आदमी को को इधर रखने रखने का 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 और और देखने उसका उसका एसेट एसेट बाहर बाहर हिल रहा है क्या एक इंडिया में हिल रहा है क्या अगर ऐसा हो रहा है बैलेंस शीट नहीं बोल रहा एसेट कुछ तैयार हो रहा है क्या क्या लाइबिलिटी तैयार हो रही है क्या क्या कंडीशन लाइबिलिटी तैयार हो रही है क्या बाहर के लिए उसको कौन सा ट्रीट करो कैपिटल और वो नहीं है करंट आपको तीन स्टेप फॉलो करने चाहिए पहला चार पॉइंट नेक्स्ट दो पॉइंट ओके दो पॉइंट मतलब कौन सा पी का बाहर पी का अंदर ये दो नहीं हो रहे करंट में सीधा ठोक दो आत्मा क्लियर और इसको और क्लैरिटी बाहर और अंदर के लिए तो आप ये शेड्यूल तो याद ही रख सकते हो ना ये शेड्यूल तो याद रहेगा ना मालिक अगर इसमें से आया तो कैपिटल ये है लॉजिक बैठ है ना मालिक ओके ये पॉइंट ध्यान रखना ओके okay, और आपको मैं बता रहा हूं इसमें इसको रटने का बात खत्म ओके okay, इसके अमाउंट को रटने का बात खत्म ओके okay, ये सब आए तो ये सीधा कौन सा है करंट आपको सवाल इसी के ऊपर आएगा भारत माता की जय झेपा मलिक ठीक है अपन मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो मैं सीओ टुमारो नहीं डे आफ्टर टुमारो डे आफ्टर टुमारो अपन इसी पे चर्चा करेंगे कैपिटल का करंट का टाइम लगेगा ओके okay, तो करंट को अपन क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे मलिक ओके सर कल क्या करेंगे आप लोग मजे करेंगे मतलब आप टैक्स रहेगा ठीक है ठीक है ना आठ के बाद दिवाली मनाएगा ये दिखना है रे। दूसरा एंगल तेरा क्या है अगर अभी इधर और आठ दस दिन तू मरवा रहा है तो तेरा आगे दिवाली अच्छी जाती है ना रे और दिवाली के बाद भी अच्छा है ना फिर दिवाली के बाद भी कितना लेक्चर तो फिर बाद ग्यारह बजे क्यों ग्यारह बजे के दिवाली के बाद 11 बजे कौन सा लेक्चर है अच्छा जिसका टैक्स वैक्स सही है शिवा का टैक्स खत्म हो जा रहा है ओके दैट्स इट आत्मा क्लियर असल अविस्ता टेक केयर फोटो निकाल दे चलो अबे ये क्या है ये चल नहीं रहे अच्छा कल होमवर्क क्या देख करोगे बोला नहीं तुमने हो okay, गया मालिक सो गुड मॉर्निंग मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक तो भारत माता की जय मालिक तोड़ मालिक तो मालिक बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी थिंग ओकेज अपन जो कॉन्सेप्ट चालू किए थे इट वॉज विथ फेमा फेमा के अंदर ओकेज़ वी हैव स्टार्टेड विथ अ बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको फेमा का याद है एक बार मैं सब रिफ्रेश कर दू फेमा के अंदर अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर चालू किया जहां पर अपन ने पढ़ा साइलेंट फीचर्स ऑफ फेमा क्या है जहां पर अपन ने पढ़ा फेमा क्यूँ चाहिए एक्चुअली तो अपन ने डिस्कशन किया भाई रेगुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं इसके लिए फ्रीली परमिसेबल ट्रांजेक्शन कौन से करंट अकाउंट के वो समझे हैं रिजर्व बैंक इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंट्रोल करेंगे कैपिटल ओवर ट्रांजेक्शन उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड ये अपन ने डिस्कस किया है एक ऑथराइज पर्सन है जो सारे ट्रांजेक्शन करेगा एजुटिकेशन हो सकता है आपका एजुटिकेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट के अगेंस्ट अपील हो सकता है ये अपने साइलेंट फीचर ऑफ फेमा पड़े ये होने के बाद ओके okay, सपन को यह चीज याद रखनी जरूरी है कि फेमा का एनफोर्समेंट कौन करेगा तो मैंने आपको बता दिया ए, फेमा का जो एनफोर्समेंट करने वाला पर्सन है वो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है ओके okay, आरबीआई नहीं है लेकिन रेगुलेशन जो बनाने वाला बंदा है वो आरबीआई है तो ऑल ऑफ रेगुलेमा विल बी ड्राफ्टेड बाई आरबीआईटली इट इज अप्रूव बाय बट आरबीआई मेन रोल प्ले करता है ड्राफ्टिंग में लेकिन आरबीआई एनफोर्स नहीं करता यानी एक्साम्पल सपोज आपने कंप्लाई नहीं किया तो आरबीआई के कुछ नहीं बोलेगा आपको

उसको भी हम एक अलग से पर्सन ट्रीट करेंगे ओके okay, इसको उनका वो वो अलग से ट्रीट किया जाएगा वो उस हेड ऑफिस का ब्रांच ब्रांच एज ए पर्सन नहीं होगा फेमा में वो ब्रांच भी मतलब फेमा में वो ब्रांच भी एक पर्सन होगा वो ब्रांच जिसका हेड ऑफिस का है वो हेड ऑफिस खाली अकेला पर्सन नहीं होगा हेड ऑफिस तो है ही पर्सन साथ में वो ब्रांच भी पर्सन रहेगा ये लॉजिक अपने डिस्कस किया इसके बाद अपने पी आर और पी के ऊपर डिस्कशन किया जिसमें मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है खाली किसके लिए ध्यान रखना है इंडिविजुअल अगर अदर देन इंडिविजुअल की बात करू तो ये लॉजिक बैठते ही नहीं है

Time defined नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा रेसिडेंट ओके इन इंडिया इसके अलावा गया है और इनके अलावा अगर अंदर में चार कैसे होते है। okay, तो अब कंटेक्चुअली अगर दिखे, definition लिखने का अपना तरीका था जो मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन वैसे आपको ध्यान रखना है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको ऑल टुगेदर बताया कि आपका सिलेबस बहुत कम है

फिर इसके बाद मैं आपको लेके गया था पर पी आर आई पी आर आई और मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक चीज मैंने आपको क्या समझाई थी दो एक एक्चुअली दो तीन चीजें समझाई थी मैंने पहली चीज क्या समझाई ओके okay, अगर कोई बंदा इंडिया में आया है और अगर उसका इंटेंशन ये तीन चीजें है एम्प्लॉयमेंट करना है बिजनेस करना है ये कुछ करना है तो आप इसमें वन एटी टू डेज का लॉजिक मत लगाना क्योंकि आपको मैंने समझाया इसका प्रॉब्लम क्या है अपनी आईसीआई के गाइडेंस नोट क्या बोलता अरे यार अगर आपने उसको पिछले साल का वन एट डेज देखा और अगर वो नहीं था और अगर आपने उसको पी आर ओ स्टेटस दे दिया प्रॉब्लम ये होगा वो ट्रांजेक्शन कैसे करेगा अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन कितने सारे बैंड है तो उसके पर प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको स्टेटस कौन सा दे दो पी आर आई और वो किसी और पी आर से ट्रांजेक्शन किया उसका दूसरा पॉइंट अगर एजुकेशन के लिए गया तो आप क्या ट्रीट करोगे पी आर आई सर क्यू ट्रीट करना है आरबीआई का सर्कुलर है और उसका इंटेंशन क्या था आरबीआई के सर्कुलर का कि भाई जो बंदा एजुकेशन के लिए जाता है वो वहां पर जॉब भी करता है इस यही लॉजिक था विद रिस्पेक्ट टू पी आर ओ आई आत्मा क्लियर ये होने के बाद अपन गए थे नेक्स्ट पॉइंट में दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट अकाउंट मेरे ख्याल से कैपिटल अभी अभी क्लैरिटी होगी ओके जो अपन ने किया उसके बाद अभी वो डीबी फ्री स्टडी डिस्कस किया अभी क्लैरिटी होगी बाई चांस आप गो थ्रू किए होंगे एक बार देखे होंगे बाई चांस गलती से अगर वो गलती नहीं की तो ठीक है भाई कभी ना कभी तो गलती करनी पड़ेगी वो ओके okay, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा बट लॉजिक ऐसा था, अगर कोई एसेट्स है लाइबिलिटीजन लाइबिलिटीज है, है एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का और वो बाहर के एसेट्स है 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 वो इंपैक्ट हो रहे आउटसाइड इंडिया तो उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे अगर कोई बाहर का बंदा है और उसका एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया, इंडिया इंपैक्ट हो रहे हैं तो हम उसको कौन सा मानेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ये कॉन्सेप्ट अपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में देखा इवन हमने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन उस दिन कवर किया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फिर कौन सा होगा तो आपका पहला लाइन तो डेफिनेशन का एकदम तोड़ इजी था पहले लाइन में तो कोई दम ही नहीं था

ओके okay, जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपन जो दे रहे वो अगर वो है तो इसको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे इसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानोगे जिसका एग्जाम्पल मैंने उस दिन क्या दिया था बेटा जिसका एग्जाम्पल मैंने तीन महीने का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कांटेक्स याद रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग या मैं क्रेडिट फैसिलिटी जो शॉर्ट टर्म है उसको अपन छह महीना ये रेंज तक रखेंगे छह महीने के ऊपर रहा तो वो हम क्या मानेंगे लॉन्ग टर्म ओकेज okay, दूसरा सुना वापस है सर कहीं पर लिखा है नहीं ये केस लॉ के बेस पे अपन आउटकम डिसाइड करते हैं अगला पॉइंट अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है नेट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आया है ओके इवन okay, आपने उसको कैपिटलाइज करने का सोचा होगा कैपिटलाइज करने का सोचा होगा देखो टेक्निकली अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बताओ ओके okay, देखो वापस मैं बता रहा हूँ मेरे को बताया इन्वेस्टमेंट किधर किया तुमने इन्वेस्टमेंट किधर किया देखो मेरे को बताओ इन्वेस्टमेंट इधर ही किया है इधर ही मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर इनकम मिल रही है कोई प्रॉब्लम है क्या तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है अब मेरे को बता अगर इन्वेस्टमेंट बाहर मिल रहा है बाहर किया हुआ है और मुझे इनकम मिल रही है तो मेरा तो एसेट ही बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बढ़ रहा है पर वो लोग बोलते हैं इनको इनको एसेट नहीं मानोगे इनको आप करंट अकाउंट परंट ओके अगर मेरे को मैंने भाई यार मैं कुछ लोन लिया हो ओके okay, मेरे को लोन लिया हो मैं बाहर से लोन लिया हो ओके okay, अब मेरे को बता बाहर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या बाहर मेरी लाइबिलिटी आ रही है अरे लेकिन इसको आप कैपिटल नहीं मानोगे इसको कौन सा मानोगे करंट लेकिन लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना कौन सा माना जाएगा कैपिटल

वैसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए ऐसा कोई सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं थी मैंने आपको बताया क्योंकि कर... देखो दोनों में फर्क क्या है दोनों में मेन फर्क क्या है मेरे को याद करके बताओ मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बताया वो फ्री है इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन वो अप्रूव है ओके okay, और करंट में क्या बोला हुआ इन्होंने हम फ्री वाले ट्रांजेक्शन नहीं बता रहे हम परमिशन वाले ट्रांजेक्शन बता रहे इसके अलावा दुनिया सारी फ्री है तो ये कुछ और लिस्ट या सेक्शन नहीं देगा तो इसके डायरेक्टली एक्सट्रांड रेगुलेशंस है दैट्स इट इसलिए आपको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में से सेक्शन फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ऐसा कुछ आइडिया है नहीं सर क्यों नहीं है क्योंकि इसके डेफिनेशन में भी चीजें क्लियर कर दी है डेफिनेशन में इन्होंने बता दिया चार चीज जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन माने जा सकते हैं उसको आपको क्या मानना है करंट ये चीज बता दी है तो फिर आपको और सेक्शन क्यों चाहिए तो करंट अकाउंट के लिए आपको सेक्शन फाइव वगैरह कुछ नहीं मिलेगा ओके okay, अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे देखिए सबसे पहला पॉइंट किससे ट्रांजेक्शन करना है ऑथराइज पर्सन ये एक्जेक्टली करंट अकाउंट में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा यानी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है तो किससे करना है

और मेरा कोई एसेट लाइबिलिटी बाहर है और वो एसेट लाइबिलिटी कब बनाई हुई है जब मैं पीआरओ आए था तो आज भले ही मैं हूं। लेकिन उस एसेट लाइबिलिटी का जो मेरे को चाहिए वो कर सकता हूं वो एसेट लाइबिलिटी का मैं जो चाहिए वो कर सकता हूं इज दैट पॉइंट क्लियर उसी तरह एसेट मतलब एसेट का पॉइंट है ओके okay, जिसको तीन नाम दिए थे मैंने फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी फॉरेन प्रॉपर्टी इमुबल प्रॉपर्टी तीन चीजें आपको जो चाहिए वो करिए मालिक जो चाहिए वो करिए कोई दिक्कत नहीं है उसी तरह अगर कोई पी आर ओ आए है और उसने इंडिया में कोई करेंसी कोई सिक्योरिटी कोई प्रॉपर्टी ली होगी कब ली थी जब वो पी आर आई था आज वो भले ही पी आर लेकिन जो करना है, है था। तो इसके लिए चिंता का विषय नहीं है ये फ्रीली ट्रांजेक्शन है ये होने के बाद आपको six, six, six six, seven, जिसके अंदर कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं था लेकिन ये याद रखने से ज्यादा कौन सा याद रखना था शेड्यूल शेड्यूल वन शेड्यूल टू और तीसरा पॉइंट है ओके okay, कौन से इस पर ट्रांजेक्शन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं आ सकते और कौन से इस पे ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है तो पहले बात करते हैं सर कौन से ट्रांजेक्शन है तो मेरे को बताओ कौन से परमिटेड है बेटा ग्यारह से पहले तीन पॉइंट कौन सा रे लोन 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 पहला लोन आपने लिया किस में किसमें फॉरिन में इंडिया में लिया बाहर लिया दूसरा आपने लोन लिया किस लोन लिया किससे लिया पी आर लोन दिया किसको दिया पी आर ओ आई क्लियर है उसके बाद चौथा पांचवा छठा इन्वेस्टमेंट इमुवेबल प्रॉपर्टी एंड गारंटी इन्वेस्टमेंट इमोएल प्रॉपर्टी गारंटी इधर तक कोई दिक्कत नहीं इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका ये मैंने बताया था अच्छा मेरे को बताओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं नहीं बोलने का नहीं कर नहीं सकता क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी कर रहा हूं कैपिटल क्या मैं पी आर आई हूं कोई लेना देना नहीं है मैं कौन सी करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूं तो प्रॉब्लम है फॉरेन करेंसी क्लियर और पीओ पी आर ओ आई इंडिया में आके कोई भी करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो भी वो कौन सा माना जाएगा कैपिटल तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ किसकी करेंसी फॉरेन करेंसी अपने लिए उसके बाद आपके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चलेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ये भी मैंने आपको समझा था कैसे वर्क होता है और उसके अलावा रेमिटेंस देना ये रेमिटेंस याद है क्या मालिक रेमिटेंस क्या कॉन्टेक्स था रेमिटेंस देना आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट

इस लिस्ट के लेकिन RBI, नहीं, Sir, इसके अंदर क्या है इसका उल्टा सीधा है मैंने आपको तीन छोड़ दो कौन से तीन छोड़ दो लोन ओके okay, आगे लेके जाओ इन्वेस्टमेंट इमोबल प्रॉपर्टी गारंटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार तो कोई लिया है मालिक इसके बाद आपके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट तो यहां पर कोई दिक्कत

इंडिविजुअल लिमिट किसके लिए कैपिटल के लिए करंट के, के लिए ऐसा कुछ नहीं है करंट के लिए ढाई लाख इज ओवरऑल अभी अपन पढ़ेंगे लाख ओवरऑल खत्म 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 मतलब ओके okay, अगर उसके ऊपर चाहिए तो आरबीआई यहां पर क्या बोला हुआ है ढाई लाख लिमिट है तुम्हारी जिसके अंदर करंट भी इंक्लूडेड है करंट भी इंक्लूडेड लाख के ऊपर हुआ तो आप ये इनकी इंडिविजुअल लिमिट कुछ देखिए ढाई लाख के ऊपर तो इनकी इंडिविजुअल लिमिट देखिए वो लिमिट तक आप कर सकते हो उसके ऊपर रहा तो आरबीआई से पूछने का अच्छा मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा मैं वापस एग्जाम्पल में पूछ, क्या पूछना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ और ये समझाया हुआ है बस आपको लिंक करोगे तो बहुत अच्छे से फेमा खत्म होगा और मैं आपको बता रहा हूं आप कम से कम मैं उस दिन भी बताया तीन तीन दिन लेक्चर पहले भी बताया तीन लेक्चर के एंड में वापस बता रहा हूँ ओके आपको कम से कम पंद्रह मार्क आएगा फेमा आप लिख के ले लो कम से कम मतलब 12 से 15 के बीच में कहीं पर भी लैंड हो सकता है यानी आप चा, तीन चार क्वेश्चन के रेंज फेमा के निकलेंगे तो अब मेरे को ये बताओ मैं मैं क्या पूछ रहा हूं, रहा हूं हूं क्वेश्चन सुनो अगर बोल लाख की लिमिट में करंट अकाउंट भी इंक्लूडेड है अगर करंट अकाउंट में खर्च करते करते एग्जाम्पल करंट अकाउंट में अच्छा मेरे को ये बताओ घूमने जा रहा हूं मैं कौन सा अकाउंट मैं घूमने जा रहा हूं खर्च कर रहा हूं घूमने वक्त कैपिटल या करंट पक्का ये अरे पढ़ा ना डेफिनेशन में था ना ठीक है करंट अकाउंट अकाउंटेशन एवरीबडी तो मैं घूमने गया मैं कितना खर्च कर सकता हूँ ढाई लाख ढाई लाख के ऊपर हुआ तो आरबीआई का परमिशन बात खत्म आत्मा क्लियर किसमें लिखा है किसमें लिखा है किसमें लिखा है करंट में लिखा है किसमें लिखा है करंट में लिखा है एवरीडे क्लियर कैपिटल में क्या बोला जा रहा है कैपिटल में बोला जा रहा है ढाई लाख तुमने खर्च किया सपोज तुमने ढाई लाख खर्च किया जिसके अंदर और क्या था करंट भी था

ओके okay, अब मेरा क्वेश्चन है इसमें इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी लाख तक कर सकता हूँ तीन लाख तक लेकिन कैपिटल का, के लिए क्या करने का अगर खर्च हो गया तो इंडिविजुअल लिमिट देखो इंडिविजुअल लिमिट नहीं हुई तो उसका उतना खर्चा करो और उसके बाद हो गया है तो खत्म हो इंडिविजुअल लिमिट फिर आप मुझसे पूछो तो मेरे को बताओ कितना डेढ़ लाख और इसकी लिमिट कितनी है तीन लाख क्या मैं तीन लाख खर्च कर सकता हूं यस क्या आरबीआई को पूछने की जरूरत है नहीं पॉसिबल नहीं है लेकिन मेरे को चार लाख इन्वेस्ट करना है मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों इंटरप्रेशन हो रहा है अच्छा मैं वापस बोल रहा हूं मैं क्या समझा रहा हूं मैं क्या पूछ रहा क्या वो शायद यह बता दो तो आई विल वेरी हाईली सेटिस्फाइड जब मैं करंट में था जब मैं करंट में था तो मैं ढाई लाख के ऊपर एक रुपया भी खर्च करना था मुझे पूछना था जब ढाई लाख के ऊपर एक भी खर्च करना था मुझे क्या करना था पूछना था इधर मैंने ढाई के ऊपर खर्च किया इन्होंने बोला मेरे से पूछो मत पहले इंडिविजुअल लिमिट देखो और इंडिविजुअल लिमिट खत्म हुई तो ही मेरे पास आओ, तब तक मत आओ मत ये ऐसा क्यों आ रहा है लिमिट से तो मेरे को मालूम तो गया लेकिन इसे ये, ये सब रेगुलेशन के लॉजिक क्या है बेटा मेरा क्वेश्चन है लॉजिक है सोचो 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 देखो मैं ही सब बता दू तो यार मेरे को मजा नहीं आएगा रे कुछ सोचो ना थोड़ा सा सोचो ऑनलाइन पंडल आपके इधर दिमाग में कुछ आ रहा तो बताइए नहीं नहीं वो वो उस वो लॉजिक मत लगा इसके रेगुलेशन के हिसाब से लॉजिक लगा जो मैंने आपको समझाया इंडियन करेंसी का नहीं बाहर जाने वाने का ठीक है वो तो लॉजिक हो सकता है उसका एक, एक फैक्टर हो सकता है पर इसका मेन फैक्टर ऐसा क्यों है यानी मेरा क्वेश्चन है ये खत्म हुआ तो इन क्यों बोला ये लिमिट देखो ये लिमिट देखो ऐसा क्यों बोल रहे है? ये लिमिट भी करो और उधर क्या बोला ढाई लाख खर्चा खत्म हो गया पूछो मुझसे ढाई लाख खत्म हो गया ऐसा क्यों हो रहा है इंटरप्रेशन यानी कैपिटल में मतलब मेरे को बताओ रिलैक्सेशन किस में ज्यादा अच्छा है कैपिटल में ऐसा क्यों हो रहा है फ्रीक्वेंटली करना अच्छा फ्रीक्वेंटली मैडम बोल रहे फ्रीक्वेंटली मेरे को कौन से ट्रांजेक्शन होती है कैपिटल या करंट करंट कैपिटल तो बहुत रेयर सर्कमस्टेंस है अपने अभी इतने सालों में मैंने कभी कैपिटल नहीं किया पर मैंने करंट इतने सारे किए हैं कि पूछो मत ग्लोबल ट्रांजेक्शन तो करंट में भी, भी हो सकता है ग्लोबल वोबल का नहीं है लॉ रेगुलेशन जो मैंने आपको समझाया उसी के इसमें से ढूंढो मतलब उसी में से कुछ ढूंढो आरबीआई ने लिमिट दिए तो हाँ ठीक है आरबीआई ने लिमिट दिया तो करंट में रिटर्न्स नहीं है इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स है हर चल नहीं बेटा ठीक है लॉजिक हो सकता आपका करंट में ये नहीं है पर लेकिन नॉट बेस लॉजिक। कुछ भी नहीं बेटर दिमाग में नहीं 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 इंटरस इंटरेस्ट लॉजिक मतलब मैं रेगुलेशंस को देखो एक्सटेंड को देखो एक्सटेंड को को देखो एक्सटेंड एक्सटेंड का लॉजिक लगाओ कुछ एक्सटेंड का लॉजिक लगाओ एक्सटेंड का अच्छा लॉजिक समझो एकदम बहुत बेहतरीन मतलब बहुत बेसिक्स है बस वो इंटरप्रेशन करना जरूरी है मेरा क्वेश्चन है इसमें ये ट्रांजेक्शन फ्री है ये वाले फ्रीली ट्रांजेक्शन है या अप्रूवल वाला है फ्रीली है यानी पॉइंट टू इसमें जो भी लिमिट होगी उसको आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं तो अगर ढाई लाख खर्च हो गया है अगर इंडिविजुअल लिमिट है तो मेरे को आरबीआई के पास जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आरबीआई के हिसाब साथ से क्या है फ्रीली है करंट में मैंने आपको जो लिस्ट दी है वो फ्रीली है या अप्रूवल है अप्रूवल है यह लॉजिक क्लियर था तो अगर मैंने ढाई लाख के ऊपर खर्च कर दिया तो उसके ऊपर जो भी करना है वो अप्रूवल होगा या क्योंकि उसमें जो भी ट्रांजेक्शन अगर मैं करंट बोल रहा हूं देखो करंट और कैपिटल के उल्टा जा रहा है करंट का क्या बोला जा रहा है करंट की मैं जो लिस्ट लिस्ट बताऊंगा अभी अभी चालू करूंगा क्या वो वो फ्री है या अप्रूव है अप्रूवल चाहिए अप्रूवल चाहिए तो ही लगेगा एवरीडे क्लियर तो अब मेरे को बताओ उसके अंदर उन्होंने बोला घूमने जाना है या करने जाना है अभी घूमने के लिए मैं अप्रूवल थोड़ा लेते रहूंगा

तो इसका मतलब इसकी इंडिविजुअल लिमिट जो डिसाइड की होगी वो भी तो फ्री होगी ना तो अगर तुम्हारे लाख खर्च हो गए क्योंकि की और, और तो फ्री जो, जो दिया ना तो अब, अब देखो अगर टेक्निकली ऐसा ढाई लाख ही रोकना था तो सबका टोटल लाना था नहीं समझा समझोर ओके अगर ऐसे ही रोकना था तो सबका टोटल कितना लाना था ऐसा टोटल ढाई लाख थोड़ा लाया हुआ है अभी एक एक में अबे अभी प्रॉपर्टी में तीन लाख है तीन लाख पांच लाख अलग अलग है अलग अलग, अलग पॉइंट है समझ में कुछ आया तो यानी पॉइंट ये है तो सर ढाई लाख फिर क्यों लिखा इधर आपने इधर ढाई लाख क्यों लिखा मैंने क्या समझा आपको ये ढाई लाख क्या है करंट को मिला के है यानी ये ढाई लाख का लॉजिक ये है कि आप उधर करंट में भी यूज करोगे ओके सपोज आपने खाली कैपिटल किया चलो चलो इस बार ऐसे हैं कैपिटल किया और आपने ये खरीदा स्क्रीन पे देखो आपने ये खरीदा इसमें कितना खर्च हुआ ढाई 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 लाख, लाख लाख खर्च खर्च किया, अभी तुम्हें घूमने जाना है अभी तुम नहीं बोल सकते करंट कितना टोटल कर सकते हो ढाई लाख तो जब करंट के लिए जाओगे जब भी करंट ट्रांजेक्शन में जाओगे तो पहले देखो ऑलरेडी खर्च हो चुका है क्या अगर खर्च चुका है तो औकात देखो अगर औकात में बचा हुआ है तो ठीक है नहीं बचा है आरबीआई के पास जाओ बात खत्म ओके okay, लेकिन कैपिटल में ये लोग बोलते हैं भाई साहब ओके करंट में क्या होगा अभी पे तुम खर्चा कर रहे हो एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, उसका क्या होने वाला है मेरे पास लेकिन कैपिटल में कहीं ना कहीं मेरे को रिटर्न आने वाला है ना तो इसमें मैं इसका लिमिट ढाई लाख दिया है मैंने लेकिन उसके आगे भी इंडिविजुअल लिमिट है इसलिए मेरे को कंसर्न नहीं किया घूमने में खर्चा कर रहे हो साहब इंडिया में घूमो जी कर दो, डिजनीलैंड जाना है आ? ऐसा नहीं बोल रहे कितना खर्च करने का औकात क्या? क्या आई तो तुम क्या बोलोगे पहले कितना खर्च करो ढाई लाख लेकिन ढाई लाख कंसिडर करते हो क्या उसके अंदर करंट भी देखो ओके तो और वो भी खत्म हो गया उसके बाद क्या देखो इंडिविजुअल मिट अगर इंडिविजुअल लिमिट खत्म हो गई फिर आरबीआई के पास आओ क्योंकि यहां पर आरबीआई के पास आना ही नहीं है ना फ्रीली परमिसेबल है इधर आरबीआई के पास तुम्हें जाना ही नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हो तो इधर ढाई लाख क्यों पर ढाई लाख क्यों रखा हुआ है समझ में आया ढाई लाख करंट और कैपिटल का टोटल है तो अगर तुमने कैपिटल में पूरा ढाई लाख उड़ा दिया इस साल का अगर अप्रैल में ढाई लाख उड़ा दिया पूरा फिर अगर जून में सोच रहे हो तुम घूमने जा रहे हो किससे पूछना पड़ेगा अरे बात खत्म और यही क्लियर

और मैंने कितना खर्च का दिया पांच लाख अब मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट मेरा ढाई लाख का है और मनाली का ढाई फ्री फ्री तो मनाली के, नाम पे है। के मालिक लेकिन लेकिन में, उड़ा रहा लेकिन मनाली के नाम पे पर मनाली घूमने आ रही है पर बेचारी होटल में बैठी है और मैं जा रहा जूते खरीद रहा घड़िया खरीद रहा उड़ा जा रहा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेलबर्न की गलियों में घूम रहा और रितिका आधी के साथ बैठी है ठीक है वो बैठे वो घूमने गए वो बीच पे बिठा दिया मैंने उनको बोला देखो समुंदर उसमें रितिका बोल रही पापा मुंबई में बचपन से देख रही हूँ okay, बट टेक्निकली ऐसा है तो खर्च मैंने किया पर मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ ये मेरे आदि की लिमिट में आता है यस yes. किसमें करंट यानी करंट में, में अपन मर्ज कर सकते हैं जितने जन हुई लिमिट है लेकिन कैपिटल में अगर मर्ज करना है तो को ओनर इज दैट पॉइंट क्लियर मेरे ख्याल से अभी ढाई लाख की क्लैरिटी है क्या पहले ये बताओ एवरीबडी तो कोई भी क्वेश्चन आया मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा आज या कल में मैडम दे देगी दे और वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ड्राइव पर डालूंगा आपका हाँ या ना मैं आंसर आना चाहिए सबका मेरे बाकी रीजनिंग मैं जिसे पूछूंगा उसमें ओके देख, मेरे सत्ताइस अट्ठाइस का कंपाइलेशन है मतलब टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन है मेरे पास जो अपने पुराने आर टीपीपी सी ए फाइनल के पर उसमें से जो तुमको रिलेवेंट है वो सत्ताईस है खाली सत्ताईस है या छब्बीस को सताइस या अट्ठाइस कुछ है कंपाइलेशन फेमा के जिसमें से तीन चार क्वेश्चन उन्होंने इसमें इंक्लूड किए हुए ये इलेस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में तो वो आप कर लो वो पूरा कंपाइलेशन है फेमा का जितने क्वेश्चन अभी तक आया है बस उसको टेक्निकली सॉल्व करो काम खत्म हो जाता है आपका ओके लेकिन फिर भी वापस मैं एक चीज बता रहा हूं ढाई लाख की लिमिट लगा दे कैसे करोगे सबसे पहले लाख और ये रियल लाइफ के लिए भी तो ध्यान रखो ढाई लाख की लिमिट है किसी ने पूछा तो ज्ञान तो जब सकते भाई अपने को मालूम है तो करंट अकाउंट के लिए ढाई मतलब ढाई ढाई के ऊपर एक रुपया भी नहीं है आरबीआई से अप्रूवल लगेगा आत्मा क्लियर अच्छा ढाई लाख की लिमिट में कुछ लिस्ट दी हुई है ढाई लाख की लिमिट में क्या दिया है लिस्ट

आ ले। लेकिन जब मैं में आता तो मेरे को चार लाख कर सकता हूँ कर सकता हूँ तो दो लाख खत्म हो गया जब कैपिटल में आ गया ढाई लाख अगर एग्जॉस्ट हो गया तो इंडिविजुअल लिमिट देखो

अच्छा मैं इतने दिन तक अभी कंपनी एक्ट में बोला कि घर पे जाके करो कंपनी एक्ट में क्या होता है मालूम है क्या क्या देखो डिफरेंस बिटवीन कंपनी एक्ट एंड फेमा है ओके अगर आप टेक्निकली देखोगे तो कंपनी एक्टा ने वापस बैरक देखा दो सेकंड में समझ में आ जाएगा तुमको इंटरप्रेशन क्योंकि तुम सीख चुके हो अरे तुमने वो वही तुमने अस्सी नब्बे घंटे किया है रे ये तुम आठ घंटे में क्या उखाट लोगे इस रेगुलेशन का चलो मैं और दो घंटे भी खींचा दस घंटा खींचा भी तुमको चलो बार बार भी समझा तुम मेरा क्वेश्चन ये है फिर भी तो इंटरप्रेशन इसका बहुत टेक्निकली लगाना पड़ेगा

तो वही तो पॉइंट है ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो, तो समझ मैं, मैं इसका कंपैरिजन ऐसे नहीं कर रहा हूं कम है सीए फाइनल है पर सीएफ के पास तीन साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आता है सीए फाइनल वो मैच्योर होता है मैं बंदे के हिसाब से नहीं बोल रहा पर मैच्योरिटी आ जाए रियल लाइफ में देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बाद भी उसको ये डिफिकल्ट तो तो वो चीज थोड़ी सी क्लियर हो और वापस न बोल रहा हो प्लीज घर पे जाके ये फेमा पढ़ लो एक बार कोई भी डाउट आया तो पूछो प्लीज प्लीज मतलब एकदम इतना रिक्वेस्ट आ मैंने इतने दिन में कभी नहीं किया है ओकेज क्योंकि फेमा पहली बार है तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे सिलेबस में इंटर के अपनी इज्जत वैसे स्टिक पे आनी नहीं चाहिए फेमा की वजह से ओके तो पहला पॉइंट मेरा पहला क्वेश्चन है ओके मेरे को बताओ ये तीन शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ ये तीन शेड्यूल का लॉजिक क्या है तीन शेड्यूल का लॉजिक क्या है मेरे को वो बताइए

अगर ऐसा करना है तो इज्जत पॉइंट क्लियर तो सबसे पहले लेके जा रहा हूं आपको शेड्यूल वन की तरफ शेड्यूल वन में आपको बताया हुआ है प्रोहिबिटेड कौन से है? तो शेड्यूल में हम लोग क्या करने वाले मालिक प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड आत्मा क्लियर और अगर आप नोट करोगे इसको याद रखना प्रॉब्लम नहीं है बस इंटरप्रेशन बरबर करते जाइए आप प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में टोटल आठ पॉइंट की लिस्ट में आपको बता रहा हूं ये आठ पॉइंट की लिस्ट रटनी पड़ेगी मालिक क्यों रटनी पड़ेगी बेटा रीजन सिंपल है बल ये प्रोहिबिटेड है क्वेश्चन इस पर आया तो आपको पहले क्या लिख रहा होगा अच्छा, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ अगर मैं इस पर क्वेश्चन पूछता हूँ भी एक पे हूं। अच्छा, पहला वाला ही है तुम तुम प्रोहिबिटेड किसके लिए होंगे तुम्हारे हिसाब से पी आर ओ आई ओके okay, पी आर ओ आई या पी आर ए पी आर ओ के बिहार पे कर रहा होगा तो इन शॉर्ट मानूम प्रोहिबिटेड मतलब ये तकनीक तकनीक बाहर नहीं जानी चाहिए Okay, पहला पॉइंट है लॉटरी का पैसा जीता तो बाहर नहीं जाना चाहिए ओके okay, यानी लॉटरी का पैसा जीतोगे तुम तुम इंडिया में रुपीज में उसको डॉलर कन्वर्ट करके लेके नहीं जा सकते यानी लॉटरी का पैसा क्या करने का इंडिया में इन्वेस्ट करने का तुम कौन पीआर है पीआर के लिए तो जरूरत ही ना ना तो रुपीज में कमाएगा रुपीज में उड़ाएगा लेकिन पी क्या करेगा रुपीज में कमाएगा हम मना करते हैं हम मना करते हैं ओके okay, मेरे को बताओ क्वेश्चन आया ओके okay, मिस्टर दो करोड़ की और वो दो करोड़ रुपीज कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन ये शेड्यूल वन तो मैं समझा बस इतना ही लिखने का क्या? कैसे लिखने का पहले सबसे पहले हमेशा कभी ट्रांजेक्शन आए तो पहले ये लिखो ये कैपिटल है या करंट है क्योंकि शेड्यूल का रिलेवेंस आना चाहिए शेड्यूल वन इधर भी है शेड्यूल वन आपका पहले भी था बेवड़ो समझा क्या थोड़ी देर तुम लोग मत समझो रहे तुमको नहीं समझना है तुमको ऐसा हो गया तुमको प्रॉब्लम क्या मालूम गया तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तुमको ऐसे मार्क्स ज्यादा मिल गए अभी अभी तुमको ऐसा लग रहा है साठ आ गया ना ठीक है ना पचास साठ आ जा रहे ठीक है ना क्यों कगजमारी करे ज्यादा किसको चाहिए और एक्चुअली है मतलब अभी या नहीं अरे मोक्ष की प्राप्ति का साइन नहीं है ज्यादा नहीं कमाने का अगर शेड्यूल वन ये भी लिखा वो भी आगे भी शेड्यूल वन है तो शेड्यूल वन कौन सा है करंट अकाउंट का तो सबसे पहले बोल रहे हैं लॉटरी विनिंग करना कौन सा ट्रांजेक्शन है करंट का डेफिनेशन नहीं लिखने का एज पर फेमा विनिंग द लॉटरी इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ओके आर दे परमिसेबल परमिसेबल यस लॉटरी खेलना है इज प्रोहिबिटेड एज पर शेड्यूल वन टेक रेमिटेंस ऑफ मनी बाय विनिंग लॉटरी इज प्रोहिबिटेड कोई पी आर ओ आई आया पी आर ओ आई आया इंडिया में क्या वो लॉटरी खेल सकता है क्या वो लॉटरी जीत सकता है लेकिन वो लॉटरी का पैसा बाहर ये लिखना होगा समझ में आया ये आप पहले प्रोविजन लिखोगे फिर बाद में फैक्ट लिखोगे और कंक्लूजन करोगे है आंसर छोटा लेकिन लिखने का तरीका समझ में आया मालिक तो सबसे पहले अगर कोई भी सवाल आया तो पहले क्या लिखोगे कैपिटल है या करंट है क्योंकि शेड्यूल उसके हिसाब से बताओगे और कैपिटल और करंट का सेक्शन नंबर क्या होगा करंट का फाइव कैपिटल का सिक्स जब आप बोलोगे दिस इज़ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन सिक्स सेक्शन फाइव अकाउंट ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन सिक्स और फिर शेड्यूल वन टू तो सेक्शन फाइव शेड्यूल वन टू सेक्शन सिक्स समझ में कुछ आया एवरीबडी तो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन को रट ले पहला बात पहला पॉइंट क्या नहीं कर सकते प्रोहिबिशन ऑन लॉटरी खेलना नहीं है रेमिटेंस वर्ड को याद रखो और इधर मैक्सिमम वर्ड रेमिटेंस है तो अगर आपको रटने का तरीका देखना है तो रेसिंग रेसिंग करना राइडिंग करना रेस मालूम है ना हॉर्स रेस हो सकता है राइडिंग ओके सर राइडिंग क्या बाइक मोटर बाइक रेस होती है ना मालूम ओके वो रेस से अगर तुमने कोई पैसा जीता अच्छा क्या रेसिंग पे बैंड लगाया नहीं क्या राइडिंग पे बैंड लगा नहीं किस पे बैंड है रेमिटेंस पे हमको रेमिटेंस पे बैंड है? Okay, from, from. बहुत इजी आंसर है लेकिन लॉजिक याद रखना इनकम फ्रॉम क्या राइडिंग रेसिंग एक्सेट्रा समझ में आया एवरीबडी तीसरा और एक पॉइंट है सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है <coughs> सुनो ओके okay, सपोज अभी देखो अब मैं लॉटरी का पैसा जीत नहीं सकता सुनो हाँ मेरी बात सुनो सुनो मैं लॉटरी का पैसा जीता भी तो क्या मुझे फायदा है क्या सपोज में पीर ओ आय मैं पी आर ओ आयू मेरे को बताओ लॉटरी का पैसा जीता क्या मैं बाहर लेके जा सकता हूँ क्या मैं लॉटरी में फिर क्यों लगाऊंगा मुझे पैसा तो इंडिया में रखना नहीं है फिर मैं दिमाग लगाऊंगा मैं दिमाग क्या लगाऊंगा मेरे को मानो हाई अपना इंडियन आदमी भाई रेडी इधर सर कौन ओके भाई अपने पास साइल है इधर साइल इंडिया में अपना दोस्त है साहिल को फोन लगाया मैंने साहिल एक काम कर लॉटरी का पैसा मैं तेरे को भेजता हूं लॉटरी है खरीद तू खरीदेगा कैश में मैं तेरे को दस डॉलर दे रहा हूं तू लॉटरी खरीद लॉटरी जीत और लॉटरी जीत के तू पैसा तू ले और मुझे कन्वर्जन करके भेज एज ए गिफ्ट कुछ समझ में आया आगे आई डू समझा क्या मालिक अरे मैं तो तरीके ही निकालूंगा ना इस पे ही भी प्रोहिबिशन सर प्रोहिबिशन क्या है रेमिटेंस रेमिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है रेमिटेंस फॉर किस पे बार प्रोहिबिशन समझ में आ रहा है क्या रेमिटेंस फॉर इधर आगे का प्रोहिबिशन नहीं है इधर मैंने साहिल को देना उस पे ही प्रोहिबिट कर दिया है अब मेरे को पता मैं साहिल को पैसे दे ही नहीं सकता तो मेरे को साइल जीतेगा कैसे और साइल जीता भी तो मेरे को पैसे वापस कैसे भेजेगा? तो ये रेमिटेंस किस पे लगाया हुआ है वो चीज आप नहीं कर सकते ऐसे तरीके से भी अगर पी आर ओ के बोला है तुमको ये नहीं करना है ओके तुमको ये नहीं करना है ओके आप कोई को फुटबॉल पूल है आपको है पूल वूल होते हैं है बहुत सारे एक बनाते हैं इट्स लाइक like निधि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट है चलो इन्वेस्टमेंट करते फिर निकालेंगे तुम्हारा नाम चिट्ठी में आएगा ओके यानी इन शॉर्ट यहां पर जो पैसा लगाया जाना चाहिए वो तुम्हारी मेहनत से तुमने कमाना चाहिए फिर लेके जाना चाहिए तुम यहां पर लगा रहे हो पैसा और लक के बेसिस पे जीत रहे हो वो नहीं लेके जा सकते तो पहले दो बैंड किसपे लगा है मेरे को बताओ पहले दो बैंड किस पे लगाया पहले दो बैंड में लगाया लेके ही नहीं जा सकते लेके ही नहीं जा सकते तो आपने तरीका निकाला चल मैं इसको देखे वो करूंगा तो आप बोला क्या तुम दे ही नहीं सकते समझ में आया क्या मालिक तो सर मैं किसके लिए नहीं दे सकता अगर इधर देखोगे तीन चार नाम है आप पढ़ोगे बुक में तो आपका आइडिया आ जाएगा लेकिन फॉर ऑफ लॉटरी मैगजीन कौन सी मैगजीन प्रोहिबिटेड ये सब प्रोहिबिटेड है जो मैगजीन प्रोहिबिटेड है वो तुम्हारे लिए ओके उसके अलावा पूल्स फुटबॉल पूल्स वगैरह जो भी बीसी वाले जो होते हैं फुटबॉल पूल्स वगैरह ऐसा एक्सेट्रा ओकेज ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा एवरीबॉडी क्लियर तो मेरे को बताओ ओके अगर मैं पीआरओ आर ओ पहले तीनों पी के हिसाब से लगाइए और एक पॉइंट पी के हिसाब से मैं देखूंगा बाद में पहला पॉइंट है पहले तीन पॉइंट में मैं क्या नहीं कर सकता लॉटरी जीता बाहर नहीं लेके जा सकता दूसरा मैं राइ, राइडिंग हॉर्सिंग और, और कोई और हॉबी है मेरी उसमें पैसा लगा के मैं जीत के लेके नहीं जा सकता तीसरा सुना मैं किसी को दे नहीं सकता क्या करने के लिए लॉटरी खरीदने के लिए ओके मैं किसी को दे नहीं सकता क्या के लिए लॉटरी अच्छा मेरे को बताओ मैंने अगर तुम्हें दिया है लॉटरी खरीदने के लिए पैसा तो तुमसे पैसा वापस जीतोगे तो मैं ही लेके जाऊंगा भले ही पुरानी लेके जाओ शेयर लेके जा सकता हूं इसीलिए ये बैंड है तो मेरे को बताओ पी आर आई क्या नहीं ले सकता से? पी आर आई पी आर आई से क्या नहीं ले सकता लॉटरी का पैसा नहीं ले सकता नहीं समझा समझा? यानी ये पॉइंट किसको एप्लीकेबल है दोनों को है ना ओके आपको दोनों एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं ना ओके आपको बोला जाएगा इन दुबई फ्रेंड ऑफ दुबई इज सेंडिंग टेन डॉलर टू साहिल टू परचेज लॉटरी टिकट ओके आपने तो बोल दिया वो वाला भेज नहीं सकता ये आ गया लेकिन ये तो साहिल क्लियर तो okay, so ये लॉजिक आप लगाना थर्ड वाला पॉइंट प्रोहिबिशन भारत माता की झेपा गया मालिक एवरीबॉडी, ठीक है और एक चौथा पॉइंट रेमिटेंस और एक रेमिटेंस मैं थोड़ा सिक्वेंस चेंज कर रहा हूं मैं पहले रेमिटेंस की डाल रहा हूं तो पहले तीन रेमिटेंस में कोई दिक्कत मालिक पहला पॉइंट रेमिटेंस इंडिया से बाहर नहीं लेके, दूसरा नहीं लेके सकते दूसरा रेमिटेंस इंडिया से बाहर नहीं लेकर तीसरा रेमिटेंस इंडिया में नहीं ला सकते चौथा रेमिटेंस, जिनका डिविडेंड बैलेंसिंग है डिविडेंड जिनका डिविडेंड बैलेंसिंग है सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग एंड वो डिविडेंड नहीं दे सकते उसके ऊपर क्या है रेमिटेंस प्रोहिबिशन ट्रांजेक्शन क्या है समझ ट्रांजेक्शन है रेमिटेंस नहीं दे सकता सर क्या नहीं दे सकते डिविडेंड नहीं दे सकता ऐसी कंपनी ओके डिविडेंड नहीं दे सकती सर कौन सी कंपनी जिनको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है वापस बोल रहा हूं समझ में क्या बोल रहा हूं ओके ऐसी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती डिविडेंड कौन देगा अब okay, मेरे को बताओ कंपनी किधर की होगी इंडिया की या बाहर की

एज्यूम करें ओके okay, एक लाख डॉलर लेके आया कितना लेके आया एक लाख डॉलर इसने इधर बिजनेस किया ओके okay, अब इमेजिन करो ये बिजनेस करके इसने गुड्स बिजनेस करके इसने गुड्स इंडिया में ही सोल्ड किए यानी इंडिया में बिजनेस करके इंडिया में गुड्स सोल्ड किए तो मेरे को बताओ कैसे कमाया इन्होंने कमाया कैसे रुपीज में या डॉलर में या कोई दूसरे करेंसी में कमाया क्या कमाया रुपीज में बाहर okay, दे नहीं सकते डिविडेंड देना चाहते हैं ना तो ये होगा के के जा रहे तो सर फिर डिविडेंड बाहर कितना कुछ कंपोनेंट कुछ परसेंटेज होंगे वो कंपोनेंट दे सकते हैं है, okay, है। तो सर कैसे डिफाइन करेंगे एग्जांपल सुनो ओके okay, सपोज ये इंडिया में ऑपरेशन करिए सब लोग को समझ में आ क्या सर इंडिया में ऑपरेशन करिए मतलब इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका प्लांट ओके सोनी टीवी है सपोज सोनी टीवी है उसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है अब ये सोनी टीवी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेच रही है पैसा कमा रही है रुपीज में और साला डॉलर में तुम लेके जाओगे तुम कितना लेके जा सकते हो मैक्सिमम एक लाख जितना लाया था बाकी सब इंडिया में ही वापस इन्वेस्ट करने का इसको बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग डिविडेंड बैलेंसिंग मतलब तुम जितना लाए उतना लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है टेक्निकल है ये इसमें है नहीं लेकिन तुमको मैं बता के रख रहा हूं सर क्या कॉन्सेप्ट है अगर ये कंपनी अगर ये कंपनी बिजनेस अगर इफ ये कंपनी ऑल्सो सेल मैं रेड में लिख रहा हूं ऑल्सो सेल गुड्स इन यूएसए फ्रांस एंड अन डॉलर समझ में कुछ आया यानी ये कंपनी क्या कर रही है इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है डॉलर और बेच किधर रही है जितना बाहर बेच रही है ना उतना वापस लेके जा सकती हो कुछ समझ में आया मालिक अच्छा मेरे को बताओ उन्होंने कितना लाया था डॉलर एक लाख डॉलर लाया था एवरीडे क्लियर अजीम करो ये कंपनी इंडिया में ही कमा रही है इंडिया में ही कमा रही है इंडिया में ही धंधा कर रही है कुछ और करनी रही है मैक्सिमम डिविडेंड वो कितना लेके जा सकते बाहर वन लाख वन लाख के ऊपर एक भी नहीं बात खत्म इसको बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग समझ में कुछ आया लेकिन अदर वे राउंड ओके okay, लेकिन अगर ये धंधा ये ऑपरेशन इंडिया में कर रही है लाया कितना एक लाख और इसके साथ में तो और भी तो ला रही है

और जो एक करोड़ है वो वो था, डॉलर थे तो कितना डिविडेंड आग बंद लेके पूरा पूरा वो वो ले जा सकती है लेकिन इंडियन रुपीज को कैलकुलेशन करना है तो मैक्सिमम कितना डिविडेंड हो सकता है उसका जितना उसने इन्वेस्ट किया तो सर उसके ऊपर पैसा कमाया तो तो क्या करने का इधर ही ऑपरेशन में डालो बात करता ये ये हूं okay, आप जब ये पढ़ रहे हो तो जो इन्वेस्ट करने आ रही है वो फेमा नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी पड़ेगी ना तो फिर इनका टारगेट क्या होता है इधर के ऑपरेशन को बढ़ाना और उनका धंधा थोड़ा इधर ही बेचना है इधर क्यों आती है इंडिया में मेरे को बताओ उनका कारण क्या इंडिया में आने का कॉस्ट चाइना में जाने का कारण क्या है मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन फैक्ट्री मशीन है इंडिया में आने का कारण क्या है लेबर तो आप वो देखेंगे कौन सा कंपोनेंट किधर बैठता ओके ताइवान किधर से क्या आता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मालिक जिसकी वजह से डिसाइड किया जाता है समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी पक्का ठीक है तो पहले चार रेमिटेंस हुए पांचवा रेमिटेंस जो लास्ट है लेकिन मैं उसको पांचवा डाल रहा हूं और एक रेमिटेंस तो पांच रेमिटेंस खत्म कर रहे अपन पांचवा रेमिटेंस रेमिटेंस नहीं कर सकते सर क्या रेमिटेंस नहीं कर सकते ओके इंटरेस्ट ऑन इनकम इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स कहां पर रखे हुए फंड्स एनआर स्पेशल रूपी स्कीम एनआर एनआर स्पेशल रूपी स्कीम मेरे को पता है एनआर का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट तो अगर आपने कोई पैसा अगर आपने कोई पैसा नॉन रेसिडेंट अकाउंट स्पेशल रूपी रखा हुआ है स्पेशल स्कीम में रखा हुआ है आपने कोई पैसा ओके वो पैसे का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आप वापस नहीं लेके जा सकते अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आपको सारे अकाउंट देखने पड़ेंगे अकाउंट मतलब कौन से कौन से कौन से अकाउंट होते हैं जो कि आगे का सिलेबस है जो कि है नहीं तुम्हारा ओके आप ये समझ लेना एक आठ प्रकार के अकाउंट होते हैं जो एनआरआई खोल सकते हैं एनआरआई जब मैं बोल रहा हूं मतलब कौन में इंटरप्रेस तो पी आरओ पी आर ओ आई अच्छा मेरे को बताओ जो इंडिया वाला है क्या वो बाहर रिमिट कर सकता है पैसा अपने स्पाउस को फादर को मदर को बताया था तो वैसे बाहर वाला भी तो रिमिट करेगा ना रे तो रिमिट किस में करेगा कोई डॉलर में रिमिट करेगा पर वो कोई तो अकाउंट में डाल सकता है तो इंडिया में ऐसे आठ ऑप्शन होते हैं कहा पर अपन डॉलर रख सकते हैं वो कन्वर्जन करके वो बैंक खुद कन्वर्जन करके दे देगी उसके फैमिली को ओके और कन्वर्जन नहीं करती तो डॉलर में ही पड़ा रहेगा

मतलब ये इसमें कौन सा पैसा डाल सकते सकता है क्या कौन सा पैसा इसमें डाल सकते क्या इमेजिन करो लॉटरी खेलना मना है क्या नहीं लॉटरी से जीता वो पैसा एवरीबॉडी लेकिन नहीं जाना यही लॉजिक है तो वो कॉन्टेक्स है ये पॉइंट समझा उसी तरह एनआर रूपी स्कीम में मैं कुछ पैसा रखता हूं एनआर एनआरूपी स्कीम में क्या रखता हूं पैसा सर कहा से आया कुछ इनकम फ्रॉम इंडिया और मैंने किधर रख दिया एनआर एनआरूपी स्कीम अब वो पैसा आप लेके जा सकते हो वही पैसा उसमें आएगा जो लेके नहीं जा सकते वो पैसा उसमें डाल ही नहीं सकते कौन सा पैसा बोला लेके जा सकते अब मेरे को बताओ कौन सा क्या लॉटरी वाला लेके जा सकते हैं क्या तो लॉटरी वाला इसमें नहीं आएगा तो लॉटरी वाला पैसा किधर रखेंगे ओके आठ अलग अकाउंट है मैंने बोले आपके सिलेबस में तीन अकाउंट के नाम है खाली एक अकाउंट है आगे दो अकाउंट के नाम है क्या क्या है पर आठ अकाउंट लॉजिक समझा तो इसमें कौन सा पैसा रखा जा सकता है जो लेके जा सकता है तो अभी यार एक्साम्पल मेरे को यस में आज जरूरत नहीं है मेरे को बताओ आज जरूरत ही नहीं है आज मेरे को पैसा आया अक्टूबर में पैसा आ गया इधर ओके मैंने कुछ इमोएल प्रॉपर्टी बेची ओके पैसा आया मैंने एनआर स्पेशल अकाउंट में रखा मेरे को आज उधर प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है मेरा जनवरी में ट्रांजेक्शन लगा तीन महीना तो ये अकाउंट रहेगा एवरीबडी पर तीन महीने बाद ये पैसा लेके जाने वाला हूं ना तो ये तीन महीने के लिए जो इंटरेस्ट आएगा उसका क्या समझे तो आपके पास जब आठ अकाउंट के ऑप्शन है ना आप देखो आपके लिए कौन सा अकाउंट सुटेबल है आप पता करो आप कौन पी आर है। याद रखना आप कौन पी आर ओ आप देखो आपके लिए कौन सा सुटेबल है क्योंकि आपने इस अकाउंट को खोला और ये अकाउंट में आपने पैसा डाला ओके okay, आप पैसा बाहर नहीं ले पैसा नहीं इंटरेस्ट बाहर इस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ऐसा और एक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको टेम्परी पार्क करने के लिए चाहिए रहता ना एक दो, दो चार दिन है ओके okay, लेकिन आप मेरे को बताओ तीन महीना रखना है तीन महीना तो इंटरेस्ट वेस्ट ना मेरा अभी आप बोलोगे कन्वर्जन रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके लेके जाओ लेकिन आपको मालूम था आज मार्केट टूटा हुआ हुआ है मेरे बता, मेरे हुआ है मेरा डॉलर पूरा आज कन्वर्ट करके बेवकूफी होगी जनवरी फरवरी में मेरे को मालूम है डिमांड बढ़ेगी डॉलर की तो उस टाइम पे कन्वर्ट करूंगा पॉसिबल और नॉट पॉसिबल ऐसा पॉसिबल होता है तो इस अकाउंट में आप तब तक रख सकते हो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है ये इंटरेस्ट आप लेके नहीं जा सकते बाकी इस अकाउंट में आपने जितना पैसा डाला है वो ला सकते हो ये पांच रेमिटेंस मेरे को नहीं लगता है रटने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए ये पांचों रेमिटेंस आसान है पहला पॉइंट ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में आपको वापस बता दू पहला पॉइंट आप बाहर नहीं लेके जा सकते लॉटरी का पैसा ओकेज हॉर्स राइडिंग या हॉबी कोई भी हॉबी का आपका पैसा जीता हुआ है वो इनकम नहीं लेके जा सकते तीसरा आप अंदर नहीं दे सकते ओके हॉर्स राइडिंग प्रोहिबिटेड मैगजीन या कुछ पूल करने के लिए पूल मतलब ओके जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह करने के लिए वैसा आप इनडायरेक्टली नहीं देते अगर आपको प्रोहिबिटेड है तो तो आप नहीं कर सकते चौथा सिनारियो ओके okay, अगर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है कंपनी को तो वो कंपनी डिविडेंड डिविडेंट नहीं कर सकती अगर डिविडेंड डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है तो वो रेमिट नहीं कर सकती लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताया मानो मैंने बाहर से पैसा है तो वो रिमिट कर सकती है आसानी से ये सब पॉसिबिलिटी है पांचवा सिनारियो ओके okay, ये क्या नहीं कर सकती अगर आपका नॉन रेसिडेंट अकाउंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट है ओके अगर उसके अंदर पैसा पड़ा है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप इंटरेस्ट वापस लेके नहीं जा सकते तो ये पांच पॉइंट रेमिटेंस के है रेमिटेंस के हो गए फिर अगले दो पॉइंट कौन से छठे पॉइंट करता हूं कमीशन कौन सा एक है कमीशन ऐसा मैंने कमीशन क्या है ओके मेरी बाहर ज्वाइंट वेंचर है या सब्सिडरी है मेरी बाहर क्या है ज्वाइंट वेंचर या सब्सिडरी कोई तो सब्सिडरी होगी या ज्वाइंट वेंचर होगा ओके ये जो जॉइंट वेंचर बनाने के लिए इक्विटी इस इक इन्वेस्टमेंट करवाते हैं मैं वापस बोल रहा हूं जॉइंट वेंचर और सब्सिडी सब्सिडी मतलब ओन सब्सिडी ये इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए कोई एजेंट है लेट टेक एन एग्जांपल अभी रिलायंस इंडस्ट्री इधर है रिलायंस इंडस्ट्री को okay, जापान में कोई तो सब्सिडी चाहिए होलियड या जॉइंट वेंचर चाहिए सर ऐसा क्यों क्योंकि जापान में उसको एंट्री करनी है जापान के मार्केट में कोई तो के मार्केट में, अब के मार्केट में बेचना है तो खुद इनकॉर्पोरेट करना बहुत आ जाएगा। की कोई को वो क्या बना लेगा में आपको क्या लगता है रिलायंस वाला बंदा उधर जाके ढूंढेगा जापान में जाके नहीं ओके उधर के कोई पर्सन होंगे एजेंट्स होंगे देखो कैसा होता है ओके इन्वेस्ट किधर करना किधर नहीं करना ओके जो बताने वाले शेयर मार्केट वाले एजेंट होते ना

सौ करोड़ एवरीबडी क्लियर ये सौ करोड़ इन्वेस्ट करना है मेरे को बताइए इन्वेस्ट करना कौन सा ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट है मार डालो मेरे को कैपिटल अकाउंट है तो रिलायंस के लिए इन्वेस्ट करना परमिसेबल और नॉट परमिसेबल परमिसेबल शेड्यूल परमिसेबल ना इन्वेस्टमेंट करना इन फॉरेन सिक्योरिटीज तो क्या ये करने के लिए आरबीआई को पूछने की जरूरत है नहीं पर इंडिविजुअल लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा अगर इंडिविजुअल लिमिट के ऊपर है तो आरबीआई से पूछना पड़ेगा भारत माता मतलब झेपा गया नहीं लिंग समझ में आ रहा है समझ में आया अब मेरे को बताओ उधर जो बंदा था ओके okay, वो एग्जाम्पल वो जो बंदा था जो ट्रांजेक्शन जिसने करा के दिया क्या आपको लगता है वो लग फ्री में कर रहा तो क्या लेगा वो प्रोहिबिटेड है अगर आपकी वो होल्ली सब्सिडरी हो रही है ज्वाइंट वेंचर हो रहा है तो ये कमीशन देना प्रोहिबिटेड है तो कमीशन देना प्रोहिबिटेड है समझ में कुछ आया ओके okay, कमीशन देना प्रोहिबिटेड है और वो जो कंपनी उसने क्या बनाई या तो ज्वाइंट वेंचर नहीं तो होलीओन सब्सिडी दो में से कुछ बनाया तो कमीशन प्रोहिबिटेड है अगर मैंने खाली सब्सिडी बनाई है तो कमीशन प्रोहिबिटेड नहीं है तो सर फिर वो एजेंट काम ही क्यों करेगा तो सर इसका सोल्यूशन क्या कोई बताएगा मेरे को कोई दे सकता मुझे इसका सोल्यूशन क्या करना मैंने आपको तरीके बताए प्रोहिबिटेड है ना परमिशन नहीं बोला मैंने मैंने प्रोहिबिटेड बोला है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओके इन्वेस्टमेंट्स कौन सा इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट इक्विटी जॉइंट वेंचर या प्रेफरेंस बनना क्या बोलते हैं होल्डी बनना तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो करना है ओके okay, वो किसमें करना है एज ए क्या करना है ज्वाइंट वेंचर और क्या किया इन्वेस्टमेंट वो या तो ज्वाइंट वेंचर नहीं तो और ये किसने किया बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आत्मा क्लियर अरे हाई या ना ये क्या मालिक नहीं समझा 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 क्या क्या तो इसका और कम बताओ ए प्रेम कैमरा थोड़ा ऐसा ये हिला कैमरा हिला वो ये साइड गया मैं इतना ही है कैमरे कोई दस सरका ये साइड चला आंसर का ना अरे सरकार एक बार मैं देखता उसको करता मैं हम्म कोई जगह ओके मलिक तो मैंने कहा इसका सोल्यूशन क्या फिर वो एजेंट काम ही क्यों करेगा तो ऐसा ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं फिर तो एजेंट क्यों करेगा किधर से कमीशन एज ए कमीशन नहीं दे सकते ज्वाइंट वेंचर और होली ओण मतलब मेरे ही हो गया ना वो तो अगर ऐसे तरीके सोचा तो और थोड़ा तरीका सोच इंडिया में कुछ देंगे उसको दे ही नहीं सकते उसके लिए कमीशन इंडिया में देंगे उसको इंडिया में तुम होटल में पार्टी दोगे वो रशिया में पार्टी देगा <laughs> उसकी पार्टी तो खतरनाक होगी उसके साथ वाला कोई भी दुखी नहीं होगा तू क्या तू आया ही नहीं था तू रशिया ही तो था उसके साथ okay. तो मेरे भाई और बहनों मेरे को बताओ तो सही ओके okay. मेरे को बताओ मेरे को बताओ ये इन्वेस्टमेंट करना फ्री है या नहीं है पक्का लिमिट ध्यान रखना होगा अलग बात है पर फ्री है ना वो उसका एजेंट का कमीशन उस इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट करके टोटल देते हैं समझ में आया यानी अगर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का है तो और उसका एजेंट का कमीशन दो करोड़ है पांच सौ करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दिया जाएगा और फिर होल्ली ऑन सब्सिडीज कमीशन दिस इज आउट ट्रांजेक्शन डन समझ में आया पर सेपरेट कमीशन प्रोहिबिटेड है सर लॉजिक क्या हुआ लॉजिक ये हुआ अपने बैलेंस शीट में उसका कमीशन एज ए एसेट होना चाहिए बैलेंस बैलेंस शीट शीट मतलब वो नहीं हा? अपना अपना फेमा का, फेमा का के हिसाब से उसका कैपिटल अकाउंट हो गया ना समझ में लेकिन कब होता है ये जब वेंचर या on नहीं आत्मा अच्छा, मेरे को एक्सपोर्ट पे रोक लगाना चाहिए एक्सपोर्ट पे मेरे को एक्सपोर्ट अच्छा है या? खराब है अच्छा ये एक्सपोर्ट करना तो यार क्यों अच्छा है फेमा के और नॉट तो मेरे को बताओ अगर कोई मुझे एक्सपोर्ट करवा रहा है कोई मुझे एक्सपोर्ट करवा रहा है तो उसको कमीशन देने में क्या दिक्कत है लेकिन अगला पॉइंट है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट पर ये कौन से एक्सपोर्ट इसके लिए थोड़े शब्दों पे ध्यान दीजिए ओके रीड मारिए क्या बोल रहा है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे पर एक्सपोर्ट किसका ओके अंडर रूपी रूपी स्टेट स्टेट क्रेडिट रूट रूपी स्टेट क्रेडिट रूट इसके अंदर तुमने किया हुआ है उसके अंदर भी एक्सेप्शन है एक्सेप्ट टेन परसेंट कमीशन ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑन किसमें अपने इंडिया जो फेवरेट है टी एंड ये दो तो जिंदगी है यार इंडिया में यानी इमेजिन करो टी को किसके जैसा ट्रीट किया है टोबैको टोबैको एंड टी दोनों एक है यानी अगर तुम फूक रहे हो गांजेड़ी हो और तुम चाय पी रहे हो समानता है अगर कल किसी ने पूछा ओके स्मोकिंग बिकॉज दोनों एक्सेप्ट इसको तो ट्रीट, कि ट्रीट किया हुआ है तो आपने इंडिया में दोनों ट्रीट किया अब सर सवाल क्या है मेरा पहला सवाल है एक्सेप्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या टी और टोबैको पे कमीशन दे सकता हूं यस yes. ओके okay, कितना परसेंट टेन परसेंट मैक्सिमम यानी आप टी और टोबैको पे ट्वेंटी परसेंट कमीशन देना है दे ही मैं वापस बोल रहा हूं दे ही नहीं सकते प्रोहिबिटेड है इज इधर पॉइंट क्लियर तो कितना दे सकते मैक्सिमम टेन टेन में पूछने की जरूरत नहीं है और टेन के ऊपर दे ही नहीं सकते पूछ के देना ऐसा नहीं है समझा पा नहीं अरे हा या सर मैंने दाल चावल बेचे दाल चावल एक्सपोर्ट की है मैंने ओके okay, ये वाले इसमें दे सकता हो क्या कमीशन नहीं ओके okay, लेकिन इधर एक वर्ड है जिसकी वजह से गेम हो रहा है और वो वर्ड है रूपी स्टेट क्रेडिट रूट सर ये क्या होता है ओके okay, ये एकदम सिंपल ये होता है देखो एक एक ये स्टार्ट कहां से हुआ था ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हुआ था रशिया से स्टार्ट हुआ था सच्ची में रशिया से स्टार्ट हुआ था मैं जॉक के लिए नहीं बोल रहा तुमको चालू होगा रशिया में रशिया में अपना लोन भयंकर था नाइन्टीज की बात है नाइन्टीज की बात है

फार्मर्स है सबको ये ऑप्शन दिया गया आप उधर करो हम आपको अच्छा भाव देंगे आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करो करो किधर रशिया लेकिन जो रशिया में आप एक्सपोर्ट करोगे तो उधर जब एक्सपोर्ट किया जाएगा पैसा उधर से नहीं आएगा पैसा पैसा हम देंगे पैसा कौन देगा हम ओके और एक्सपोर्ट किधर कर रहे हैं रशिया और हम क्यों दे रहे हैं क्योंकि हमारा लोन बाकी है पर प्रॉब्लम यह था समझ ऐसा क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्योंकि तो फेरा था और जब फेरा था तो प्रॉब्लम यह थी कि ट्रांजेक्शन रेट बहुत भयंकर थे ओके तो रशिया निकला अगर देखा जाए तो ऐसा ओके पर रशिया कोशिया ने एक्सपोर्ट ही बंद कर मतलब इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया या तो इंपोर्ट का जो उन्होंने इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेशन करना रखा वो कम कर दिया तो सर हुआ क्या सीन हुआ क्या मोटा मोटी सीन क्या हुआ मोटा मोटी सीन ये हुआ इन शॉर्ट सर इसका इंटरप्रेशन क्या है इसका इंटरप्रेशन है अगर आपने एक्सपोर्ट किया और पैसा अगर आपको रुपीज में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कि वो मेरे लिए एक्सपोर्ट माना नहीं जाएगा तो पॉइंट क्या है क्या ऐसा एक्सपोर्ट करना मना है नहीं पर ऐसे एक्सपोर्ट पे किसी को कमीशन देना मना है अरे ये तुम क्या लेके आ रहे हो मुझे तुम मुझे क्या दे ला के क्या दे रहे हो फॉरन करेंसी ला रहे हो क्या नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरन करेंसी आ रही है नहीं जब भी ये रूपी स्टेट क्रेडिट रूट होगा इसका मतलब रूपी स्टेट क्रेडिट रूट समझ ना रूपी स्टेट यानी तुम्हें पैसा कौन देगा स्टेट और तुम क्या दे रहे हो क्रेडिट वो रूट इसलिए इसका नाम रुपी स्टेट क्रेडिट रूट हुआ है पहली बार कैसा रशिया गई था उसके बाद तो अभी कॉमन हो गया यूजुअली मैं आपको बता दूं और और दो तीन एग्जांपल लिख के आज के डेट में भूटान में भूटान में तुमने कुछ एक्सपोर्ट किया ओके मैं आपको आपको बता रहा हूं कैश में मिलता है कौन सा कैश अपनी करेंसी अब मेरे को बताओ वो करेंसी में क्या फॉरन करेंसी लाया तू तो भूटान में बेचने के लिए अगर तुमने एजेंट पकड़ा है एजेंट को कमीशन नहीं दे सकता बात खत्म नहीं दे सकता लेकिन अगर तुमने चाय और तंबाकू बेचा है समझ में आ रहा है क्या बेचा चाय और तंबाकू okay. रशिया में भी तंबाकू अगर जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है, तो भाई दे सकते है क्या यस yes. पर वापस है, पैसा कहां से आ रहा है वापस बोल रहा हूं क्या ही? देखो भाई साहब अगर पैसा डॉलर में आ रहा है ना ये डिस्कशन मत करो ये डिस्कशन में पैसा कहां से आ रहा है रुपीज में आ रहा है इधर ही तो प्रॉब्लम है ना रे रूपीज में आ रहा है इसलिए तो प्रॉब्लम है मालिक भारत मतलब तो ये रहे अगले दो कमीशन कमीशन लॉजिक क्लियर हुए मालिक तो मेरे को बताओ पहले पांच कौन से रेमिटेंस 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 नेक्स्ट दो कौन से कमीशन कमीशन एवरीबडी क्लियर एंड लास्ट पॉइंट है कॉल बैक सर्विसेस कौन सी सर्विसेस कॉल बैक सर्विसेस के लिए फॉरेन रेमिटेंस नॉट अलाउड सर व्हाट इज दॉल बैक सर्विसेज ओके टेलीफोन की सर्विसेज है कुछ आइडिया कॉल बैक सर्विसेज कुछ आइडिया उसके लिए फॉरेन रेमिटेंस प्रोहिबिटेड है प्रोहिबिटेड है व्हाट इज द कॉल बैक सर्विसेस कभी है कभी कॉल बैक अच्छा सुना ही नहीं है क्या बात कर रहे हो ओके okay, अब मेरे को बताओ यूजुअली अगर आप कुछ स्पेशल सर्विसेज ऑफर करते हैं कंपनी के तो वो आपको बोलते हैं आपके चार्जेस इतने ज्यादा लगेंगे एग्जाम्पल सपोज मैंने सोनी का टीवी खरीदा है एल का टीवी खरीदा है आज के टाइम में वो पॉइंट है अब मेरे को बताओ मेरा वो कॉल फ्री करते हैं मान लो टोल फ्री नंबर तो क्या फुकट में काम हो रहा है क्या तो पैसा कौन दे रहा है टोल फ्री आपको है पर पैसा उस अरे कॉल का लाइन यूज हो रही है ऑक्यूपाइड हो रहा है लेटेंसी है बैंडविथ है क्या मजा करो सब फुकड़ा काम होगा क्या वो टोल फ्री तुम्हारे लिए है इसका पैसा कंपनी भरती है ये टोल फ्री नंबर अगर इंडिया से कोई टोल फ्री सर्विसेज दे रहा है मतलब अगर दे रहा है अपन इंडिया से आप एग्जांपल मैं टोल फ्री सर्विसेज दे रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया का इंडिया में पैसा दो लेकिन अगर मैंने बाहर से कोई टोल फ्री सर्विसेज ली हुई है बाहर से यानी मेरे लिए टोल फ्री काम कौन कर रहा है बाहर की कंट्री वाला पैसा नहीं दे नहीं नहीं दे सकते यानी अगर मेरे को call, इसका मतलब call back services देना ही नहीं है इंडिया में दो लेकिन इंडियन प्रोवाइडर से किसे देने का इंडियन प्रोवाइडर इंडियन प्रोवाइडर दोनों वो कॉल बैक सर्विसेज देगा ओके okay, अच्छा मेरे को ये अच्छा उसका उल्टा उल्टे लॉजिक समझ के बताओ आप मेरे को बताओ बाहर वाली कंट्री इंडिया में क्या कॉल सेंटर के लिए ज्यादा आती है क्या बाहर वाली कंट्री के जो काम है मतलब समझ में आ रहा है कॉल सेंटर पता है क्या वो उसके लिए इंडिया में सेटअप करते हैं वो जिसको शायद आपने सुना होगा कॉल सेंटर बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सुना है क्या कभी तो मेरे को बताओ ये क्यों इंडिया में आ रहे हैं यहाँ पर लेबर सस्ता है कॉल सर्विसेज सस्ती है अबे जितना वर्ल्ड में किधर सस्ता नहीं है ना उतना इंटरनेट इंडिया में सस्ता है मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये तुमको वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को फुगड़ी तो मिल रहा है इंटरनेट लेकिन सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है बाकी सारे कंट्रीज में प्रीमियम है इंटरनेट इज नॉट सो इजी एक्सेसिबिलिटी इज इजी एट अदर कंट्रीज जहां पर बोले रोड पे इंटरनेट मिलते हैं ये होता है वो होता है लेकिन वो कॉस्ट उधर बहुत ज्यादा जाती है इंडिया में वो कॉस्ट नहीं होती है इंडिया में अपने नॉर्मल इधर को जो इंटरनेट मिल रहा है जो कॉस्ट से मिल रहा है ना वो बहुत कम है बहुत कम है अब इसका गूगल पे भी सर्च मार लेना अब साला बहार वाला कंट्री इंडिया में आ रहा है बीपीओ सेटअप करने के लिए और तुम अपना बीपीओ सेटअप करने के लिए बाहर की कंट्री में जा रहे हो और उसको तुम कॉल बैक सर्विस के लिए पैसे दे रहे हो प्रोहिबिटेड यानी बाहर कौन सा बिजनेस नहीं करने का कॉल सेंटर समझ में कुछ आया यानी बाहर कौन सा बिजनेस नहीं करने का कॉल सेंटर समझा क्या लॉजिक कॉल बैक सर्विसेज लॉजिक बैठा क्या नहीं समझा क्या मालिक अपन उसको टोल फ्री बोलते हैं उसको और एक बोलता है कॉल बैक सर्विसेज ओके आपको मन में कोई ऐसा है कि कोई एक नंबर पे कॉल करो फ्री वो कॉल करो बाद में जब टाइम होगा आपको वापस कॉल आ जाएगा टोल फ्री नंबर यार और मैं आप बोल रहा हूँ एक चीज दिमाग में रखना है टोल फ्री तुमको लग रहा है पर वो टोल फ्री नहीं होता है वो तुमको तुम्हारे लिए फ्री है लेकिन वो चार्जेस लगते हैं भाई आत्मा क्लियर तो आठ पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को आठ पॉइंट क्लोज करें अपन हाँ या ना आवाज नहीं आ रही मेरे को पक्का आठ पॉइंट में क्या नाम है फटाफट चाहिए रेमिटेंस 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 पांच पॉइंट रेमिटेंस के नाम रेमिट बता स लॉटरी रेमिटेंस प्रोहिबिटेड जो है नहीं सॉरी रेमिटेंस राइडिंग रेसिंग तीसरा रेमिटेंस टू रेमिटेंस टू प्रोहिबिटेड और हॉर्सिंग एंड और रेमिटेंस कौन सा इंटरेस्ट कौन सा वाला अकाउंट का नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम पक्का क्लियर है पांच पॉइंट ठीक है अगले दो कमीशन 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 किसमें नहीं कमीशन ऑन एक्सपोर्ट कमीशन ऑन एक्सपोर्ट याद रख कमीशन ऑन एक्सपोर्ट कमीशन ऑन एक्सपोर्ट पहला बोल रहा हूं इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और इन ज्वाइंट वेंचर ऑर होली ऑन सब्सिडरी ओके बाय कंपनी इन कॉर्पोरेट इन इंडिया क्लियर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम ओके फॉर ओकेर एंड लास्ट पॉइंट सर्विस भारत मालक मलिक पक्का दस पॉइंट याद रहेंगे क्या बोलते हैं आठ पॉइंट याद रहेंगे पांच दो एक की जोड़ी बनाओ आराम से रटो इसका अभी खाली कार्यक्रम क्या करने वाले में रटना है कॉन्सेप्ट सबका समझा किसी भी कॉन्सेप्ट दिक्कत डिविडेंड बैलेंसिंग समझा आपको डिविडेंड बैलेंसिंग समझा अच्छा ये वाला वाला भी समझा पक्का का? ओके, मैं इसका लिख देता इधर, वाले का मिनट। वाले का ओफू क्या बताया था मैंने रिलायंस है रिलायंस किधर है इंडिया में ओके ये जापान में मिस्टर ए है ओके मिस्टर ए को एज ए एजेंट है ओके okay, और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे किसमें? और वेंचरली ऑन सब्सिडी समझ में आया ओके okay, तो ये रिलायंस इनको क्या नहीं दे सकती कमीशन, आत्मा क्लियर तो इसमें ऑप्शन क्या है इसमें ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कमीशन अंदर ही कमीशन इंक्लूड करो लॉजिक बैठा सबको मेरे को बताओ कोई भी दिक्कत है तो एक बार क्लियर कर लो अदरवाइज इसके ऊपर मैं वापस पंचायत ही नहीं जाता कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है देख लो एक बार एक बार रीड मारो कोई भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को बताओ

क्या ऐसा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कर सकते हैं क्या नहीं दे सकते कमीशन यानी कोई एजेंट नहीं चाहिए इसके अंदर अरे इसके अंदर क्या एजेंट चाहिए यार तू रुपीज तो एक्सपोर्ट में तो इंडिया में बेचना कमीशन लेके जितना भी देना तो शेड्यूल थ्री पे जा रहा हूं मैं पहले ओके शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में डिफरेंस क्या है शेड्यूल टू में किसका अप्रूवल सीजी का उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होगी जो कल सुबह दिखते हैं अपन शेड्यूल थ्री में किसका अप्रूवल आरबीआई ओके शेड्यूल थ्री में आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड आत्मा क्लियर सारी आत्मा इधर ओके okay, पहला पार्ट तो सबको झिपना चाहिए किसको इंडिविजुअल्स सर इंडिविजुअल क्या है ओके okay, इंडिविजुअल क्या है अच्छा मोहब्बत प्रायर अप्रूवल आरबीआई का चाहिए क्या चाहिए बेटा इंडिविजुअल के केस में प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई चाहिए लेकिन कब चाहिए यह अमाउंट कितना हुआ तो ढाई लाख के ऊपर हुआ ढाई लाख तक आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पर सर ये ढाई लाख खर्च किस पे करेंगे ओके okay, सर so, पहला पॉइंट इंडिविजुअल खर्च किस पे करेगा प्राइवेट विजिट प्राइवेट विजिट के लिए जा रहा है ठीक है मालिक ओके okay, दूसरा पॉइंट अच्छा मैं बोल रहा हूं बिजनेस के लिए खर्च करेगा तो इसमें आएगा क्या फिर बिजनेस में तो बिजनेस के लिए खर्च कर रहा है वो बिजनेस के लिए जा रहा है और बिजनेस के लिए खर्च कर रहा है तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिसेबल क्योंकि पहले वाले कहीं पर भी प्रोहिबिटेड में है नहीं प्राइवेट में प्रोहिबिटेड में था क्या बिजनेस के लिए खर्च नहीं कर सकते तो फिर यार ये खाली काई के लिए प्रॉब्लम प्राइवेट विजिट के लिए ढाई लाख किसके लिए प्राइवेट विजिट अरे अगर तुम उधर धंधा करने वाले उधर से फॉरन एक्सचेंज लाने वाले तो मैं मैं तो हैप्पी हैप्पी हूं बढ़िया ओके बस। ओके बस तुमको क्या देना है गिफ्ट या तो मेरे को बताओ गिफ्ट और डोनेशन कितना दे सकते मैक्सिमम ढाई लाख उसके ऊपर नहीं दे सकते इमिग्रेशन इमिग्रेशन के लिए जो पैसा देना है इमिग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था दोनों में फर्क है एक होता है इमिग्रेशन का पैसा एक होता है का पैसा से निकलने के लिए वीजा मतलब इंडिया से मुझे परमिशन मिल चुका है मैं उस कंट्री में जा सकता हूं मैं जैसे उस कंट्री में घुसा हो उस कंट्री वाले बोलते हैं ओ भाई जिधर इंडिया में तुम टोल देते हो ना वैसा इस कंट्री में आने का भी टोल है तू बोलेगा सर मैंने वीजा का पैसा दिया वो तुमने ऑपरेशनल खर्चा दिया डॉक्यूमेंटेशन ये वो वो खर्चा है टोल नहीं दिया टोल इधर आके इधर देने का फिर आगे जाने का नहीं तो वापस फ्लाइट पकड़ने का इंडिया जाने का ऐसा डिस्कशन होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन का लॉजिक याद रखना इमिग्रेशन का क्लियर मालिक उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मेंटेनेंस ऑफ कौन था नहीं क्लोज रिलेटिव पढ़ रहे हो पर मेंटेनेंस ऑफ कौन से थे वगैरह याद है ना इधर वर्ड आया मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव रिलेटिव नहीं लिखा है क्लोज रिलेटिव मेरी बुआ की दादी की काकी की नानी है उधर है वो नानी के पोता जो है ना वो अभी उसको मेंटेन करना है ओके okay, पांचवा पॉइंट ट्रैवल ट्रैवल फॉर फॉर बिजनेस बिजनेस अब अगला ट्रेवल बिजनेस में भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है यानी अगर तुम ट्रैवल फॉर प्राइवेट विजिट करो या बिजनेस विजिट करो ओके okay, लिए कितना है ढाई लाख लेकिन बिजनेस का कुछ मैं डिस्कशन कल करूंगा ओके okay, जब मैं वो जाऊंगा छठा पॉइंट ओके okay, किसके लिए जा रहे हो मेडिकल तुम्हारी लगी पड़ी है ओके okay, पॉइंट तुम किसके लिए जा रहे हो एक मेडिकल हो गया और एक क्या हो सकता है एजुकेशन और इसके अलावा और कोई तुम्हें बैठता है एनी अदर तुम किधर घूमने जा जा रहे हो? जा रहे हो हो बाहर अच्छा एक चीज दिमाग में रखो ये किसमें आरबीआई के अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए ओके okay, अब मेरे को बताओ ये सारा आपने आठ पॉइंट पढ़े होंगे इसमें ये पैसा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है तो यूजुअली ये लिमिट किसको एप्लीकेबल है का डिस्कशन नहीं है ये किसका है? तो ये किसका डिस्कशन है है तो को और लिमिटेड डॉलर और ढाई लाख डॉलर के हिसाब से आपको इमिग्रेशन मैंने रेड में किया हुआ मेडिकल और एजुकेशन ये जो ती, तीन रेड में किए थ्री पॉइंट्स ये जो मैंने रेड में किए हुए हैं अगर ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है कौन सा स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई एजुकेशन के लिए जा रहे हो लिबरलाइज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जा रहे हो मोहब्बत बोल रहा हूं अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्डिंग नहीं है ढाई लाख की लिमिट लेकिन अगर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जा रहे हो किसके अंदर जा रहे हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर लिमिट का टेंशन नहीं है यानी अगर मैं मेडिकल के लिए जा रहा हूं और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जा रहा हूं सर इसके लिए क्या करना पड़ता है परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट के अप्रूवल से तो मेरे को बताओ गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया आरबीआई फिर टांग नहीं टांगने आई okay, ये वाला कॉन्टेक्स है इस, इस scheme. एक scheme है रेमिटेंस स्कीम 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 एक वो के अंदर आप बैठने चाहिए अगर आप स्कीम के अंदर बैठ जाते हो फिर जितना खर्चा करना है करो ओके okay, और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारा खर्चा वो कंट्री का भी कुछ करती है ये कंट्री मतलब जो कंट्री हॉस्पिटल है उस कंट्री भी अपने को एसिस करती है ऐसा मिक्स मैच है तब तो लिबरलाइट में क्या लिखा हुआ है तीन पॉइंट में क्या नहीं करने का लिमिट नॉट एप्लीकेबल

लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तब जाके अप्रूवल पे दिमाग मत करो अगर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम नहीं है तो अप्रूवल लगेगा इसका मतलब ऐसा नहीं आना है कि मेडिकल के लिए जितना चाहिए उतना समझ में कुछ आया ठीक है होपुली एवरीबडी क्लियर क्या इधर तक ओके okay, ये कौन से बंदे की बात हुई पी आर आय और एक बंदा जो पी आर आए लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए और एक बंदा जो पी आर है बट परमानेंट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इसका मतलब क्या इसका इंटरप्रेशन क्या है इसका इंटरप्रेशन लॉ बोलता है यानी ऐसा बंदा है जो बाहर से इधर डिपोर्ट किया गया है जय भाई साहब ध्यान है ना इधर के गए है ना ठीक है ओके इधर डिपोर्ट किया है यानी जॉब पे किधर है वो बार है वो पीआरआई आर क्यों बना क्योंकि वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया समझ में कुछ आया क्योंकि जिस दिन एम्प्लॉयमेंट में तो आई आई हो गया वो सॉरी पीआरआई हो गया पर उसके पहले क्या था तो ये बोलते हैं पीआरआई है बट परमानेंट रेजिडेंट नहीं है सर ये मुझे कैसे समझेगा आगे और कंडीशन दी है सर कंडीशन ये है कि एक कंडीशन ये है okay, and, 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 and. ओके, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज ए सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान से अगर कोई डिपोर्ट किया गया है, उसके लिए लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान ओके, यानी वो सिटीजन कहा का है पाकिस्तान का छोड़कर कहीं का भी हो सकता है समझा यानी मेरे को पता वो इंडिया में आया है काम करने के लिए पाकिस्तान वाला इंडिया में आएगा काम करने के लिए चैलेंजिंग टास्क है लेकिन अब ये ये पता है ये लोग कौन होते हैं एम्बेसी वाले लोग समझ में आ रहा है अब मेरे को तो जो का इधर वो कौन होंगे पी आर आए या पी आर ओ आए पी आर ओ आए एम्बेसी के लिए है इधर एमबेसी वालों ने उन्होंने भेजा एम्बेसी के लिए इधर काम के लिए पी आर आए ना वो पिछले साल गया तेल लेने समझा ना वो आया इधर के लिए आया काम के लिए आया ना

डिप्यूटेशन डिप्यूटेशन मतलब डिपोर्ट किया गया है सर के लिए उसकी ऑफिस होगी या ब्रांच होंगी सर ये ऑफिस और ब्रांच किसकी है फॉरेन कंपनी की है किधर इंडिया में ऑफिस और ब्रांच है फॉरेन कंपनी की है, इंडिया में अभी इसका एग्जांपल इंटरवेशन समझ लो मेरा मासी का लड़का सकल सकी मासी का लड़का भाई ओके मेरे सकी मासी का लड़का इन्फोसिस में काम कर रहा है इन्फोसिस में था यूएस भेज दिया गया मतलब अब मेरे एज के जितना है, यानी और 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 पे पे, बहुत बहुत अच्छी पोजीशन अभी गया उसकी फैमिली पूरी, पूरी मतलब वो वो वो, उसके बच्चे हाई स्किल्ड क्योंकि कौन सी है इन्फोसिस इन्फोसिस इंडियन कंपनी है इंडियन कंपनी क्या लिखते हैं क्लियरली कौन सी कंपनी कंपनी यानी आप किधर जॉब पे लगे हो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया और इस कैटेगरी में एग्जामिशन लेना चाहते हो आप जॉब पे किधर लगे हो कोई फॉरेन कंपनी में जॉब पे लगे हो कहां पर जॉब पे लगे हो कोई फॉरेन कंपनी एक फॉरेन कंपनी में जॉब पे लगे हो एग्जाम्पल तुम अमेजन में ल, गूगल में लगे हो और गूगल को इंडिया में ऑफिस खोलना है या गूगल को इंडिया में ब्रांच खोलनी है ओके और उन्होंने बोला तू इंडियन है तेरे को उधर का कल्चर अच्छे से पता है तू जाके उधर मैनेज कर रहा नहीं समझा समझा यानी तू लगा कौन सी कंपनी में फॉरेन कंपनी में कौन सी कंपनी में लगा है और उन्हें तुझे किधर डिप्यूट किया है इंडिया में एवरी क्लियर और तू है कौन सा सिटीजन इंडियन आई डू थिंक मालिक तो तू अपना पूरा पैसा, पूरा पैसा पूरा पैसा पूरा पैसा पूरा मतलब तेरी जितनी सैलरी आ रही है तेरी जितनी क्या आ रही है सैलरी ओके okay, ये पूरा पैसा तू डिपोर्ट कर सकता है रेमिट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं बट खाली हमें एक चीज चाहिए इसमें से वो है टैक्स और प्रोविडेंट फंड जो कंपलसरी चीजें होगी वो काट के दी जाएगी इसको बोलते हैं नेट सैलरी कौन सी सैलरी नेट सैलरी भारत माता कीजिए मालिक ओके पूरा का पूरा इसमें ढाई लाख मत लगाना तुम अच्छा अच्छा मेरे को बताओ ऊपर के ढाई लाख में, में मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव मतलब पेरेंट्स हो गए ना मेरे तो अब ये ढाई लाख के हिसाब से अगर मैं लाख कमा रहा हूं महीने का और क्या मालिक बस ये याद रखना मैक्सिमम okay, इंडिया में कितने साल रहना चाहिए लास्ट आंसर तीन साल तीन साल के ऊपर यह लिमिट्स अवेलेबल नहीं होगी यानी उसको आंधा धुंधी वो भेज सकता है कितने साल मैक्सिमम ईएस yes. उसके ऊपर नहीं भारत माता की जय समझेगा मालिक तो मेरे को बताओ कौन बेच सकता अपनी पूरी सैलरी बाहर कौन अपनी पूरी नेट सैलरी बाहर बेच सकता है पहला पॉइंट ओके okay, पहला आंसर पहली लाइन ओके हु इज ए पीआरआई ये भूलो मत हु इज बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट एंड ही इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान और

ओके मालिक सो गुड मॉर्निंग होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक तो मालिक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करंट पे जाते हैं पहले करंट पे आ जाते हैं पहले करंट को क्लोज कर लेते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आपको शिल्ड तीन शिल्ड है आपको शिल्ड वन शिल्ड टू शिल्ड थ्री ये तीनों शिल्ड सेक्शन फाइव के हैं शेड्यूल वन अपन ने पढ़ा प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन जिसको मैंने सीक्वेंस चेंज किया आपको याद रखने आपको मैं बोला यही सीक्वेंस में याद रखो भले वो मॉड्यूल में सीक्वेंस अलग होगा लेकिन क्योंकि वो याद रखने का तरीका होगा रेमिटेंस 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 कमीशन कमीशन एंड लास्ट कॉन्सेप्ट कॉल बैक सर्विस अगर आपको याद है तो पांच रेमिटेंस आपको मना किए हुए हैं ओके okay, पहला पॉइंट आप लॉटरी विनिंग बाहर नहीं भेजोगे आप हॉर्स हॉर्स राइडिंग या रेसिंग वगैरह ये पॉइंट है आप वो बाहर नहीं भेजोगे ये ध्यान रखना मालिक एवरीबॉडी क्लियर सेकंड रिकॉर्डिंग चालू किया क्या? आज चालू है ओके okay, आप हॉर्स विनिंग एंड अदर थिंग्स आप बाहर नहीं भेजोगे ये लॉजिक आपने ध्यान रखना है इसके अलावा ओके okay, आप और चीज ओके हॉर्स लॉटरी खेलने के लिए पैसा आप इंडिया में नहीं भेजोगे आपको प्रोहिबिटेड है ये तीन प्रोहिबिटेड है फिर और दो प्रोहिबिटेड कौन से थे एक था डिविडेंड बैलेंसिंग अगर आपको याद होगा डिविडेंड बैलेंसिंग यानी ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया में आती है और इंडिया में ही गुड्स बेचती है ओके सारा का सारा अपना शेयर कैपिटल डिविडेंड के फॉर्म में लेके नहीं जा सकती यानी मैंने आपको बताया था अगर एक लाख डॉलर इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया और एक लाख डॉलर जितना प्रॉफिट हो चुका है आप उतना डिविडेंड वापस नहीं लेके जा सकते अगर लेके जाने पूरा कैपिटल लेके जाइए फिर इन्वेस्टमेंट खत्म करिए ओके डिविडेंड फॉर्म में नहीं लेके जा सकते डिविडेंड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा ओके अपन ने जो बोला हुआ है कि भाई जो कंप्लीटली uh, बैंड है ओके okay, प्रोहिबिटेड है जिसके अंदर अपन ने ये बोला कि ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर अपन क्या करते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट के बाद ये इसको कुछ तो हो गया है यार डिविडेंड बैलेंसिंग के बाद ओके okay, अगर आपने कुछ इनकम लिया आपको कुछ इनकम मिला किसके ऊपर एनआरआई अकाउंट के ऊपर जो फॉरेन करेंसी के इसमें स्पेशल रुपी स्कीम बोलते हैं उसको उसमें अगर कोई भी इनकम मिला तो आप नहीं लेके जा सकते ये पांच प्रोहिबिशन क्लियर है दो कमीशन कौन से कमीशन थे पहला आपने इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर में में होली सब्सिडी वो उसके लिए जो कमीशन देना है वो हमने प्रोहिबिट नहीं किया है मतलब वो कमीशन को प्रोहिबिट नहीं किया मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिट किया है यानी अगर आपको कमीशन देना है तो इट शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ कमीशन आप उसको एज ए प्रोजेक्ट कॉस्ट करके दे दो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ओके okay रहेगा दूसरा अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो और रुपी स्टेट क्रेडिट स्कीम में कर रहे हो जिसके अंदर एग्जाम्पल मैंने आपको कल समझाया कि पैसा आ रहा है पैसा किस फॉर्म में आ रहा है रुपी के फॉर्म में उस कॉन्सेप्ट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कमीशन देना बैंड है लेकिन अगर चाय और टोबैको एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको कमीशन परमिटेड है और कमीशन की लिमिट दी हुई है एंड दैट इज कॉल्ड टेन परसेंट का कमीशन यानी इसका मतलब चाय और टोबैको पर अगर मैंने एक्सपोर्ट किया और मुझे सामने से रुपीज ही मिल रहा है क्या मैं उसमें कमीशन दे सकता हूं यस

शेड्यूल थ्री में अपने पास कवरेज में क्या था शेड्यूल थ्री अपने पास कवरेज में टोटल दो पार्ट थे एक था इंडिविजुअल के लिए एक था अदर देन इंडिविजुअल अगर आपको घूमने जाना है आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए मेडिकल के लिए पैसा चाहिए जो भी है इमिग्रेशन के लिए पैसा चाहिए ये सारी चीजों के लिए जो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आप ढाई लाख तक अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो ढाई लाख के ऊपर रहा तो मुझसे पूछो मैं कौन शेड्यूल थ्री के लिए आरबीआई पॉइंट आपको ध्यान में रखना है उसके अलावा मैंने आपको बताया अगर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आपके तीन पार्ट आते हैं जैसे इमिग्रेशन आ गया एजुकेशन आ गया या आपका मेडिकल आ गया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऐसा क्वेश्चन में आना चाहिए अगर उसके अंदर हो आप तो उसके ऊपर लिमिट्स नहीं है यानी आपको ढाई की लिमिट लगानी नहीं है लेकिन अगर आपकी लिमिट एक्जॉस्ट हो गई है बाकी सबके लिए खर्च नहीं कर सकते यानी एग्जाम्पल अगर मेडिकल के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है और पांच लाख खर्च हो चुका है मेरा पांच लाख डॉलर की बात कर रहा हूं मैं ये सब डॉलर्स की बात हो रही है रुपीज की बात नहीं हो रही है लाख डॉलर खत्म हो चुके हैं मेरे ओके okay, अब मुझे एग्जाम्पल मुझे फॉरन ट्रेवल के लिए जाना है तो अब मैं ढाई लाख की लिमिट अलग से नहीं लूंगा यहां पर मेरा पांच लाख है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है ढाई लाख ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है अब मुझे अप्रूवल लगेगा मुझे तीन चीज के लिए लिबरालाइज रेमिटेंस स्कीम के लिए अप्रूवल नहीं लगता कौन सी तीन चीजें मेडिकल हो गया एजुकेशन हो गया इमिग्रेशन हो गया ये तीन चीज के लिए अपने को नहीं लगने वाला ओके ये होने के बाद आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है लेकिन वो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है कहीं ना कहीं सिटीजन आउटसाइड इंडिया होगा और for, uh, और, okay, person, भाई, इंडिया की होगी लेकिन वो पर कर रहा है? और उसको डिपोर्ट किया गया है इंडिया में सर कई के लिए कोई ब्रांच में कोई ऑफिस में जैसे मैंने आपको समझाया था कल गूगल ने मेरे को इधर भेज दिया अब इस केस में अगर मैं अपना पूरा पैसा जो मुझे सैलरी मिलने वाली है अब मुझे जो सैलरी मिलेगी वो तो सैलरी मिलेगी वो सैलरी पूरी की पूरी रेमिट कर सकता हूं कहां पर आउटसाइड इंडिया लेकिन मैंने आपको बताया वो सैलरी कैसी होनी चाहिए नेट सैलरी सर नेट सैलरी का कॉन्टेक्स कैसे आएगा माइनस टैक्स माइनस प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी रहेगा कंप्लायसेस के लिए रहेंगे वो माइनस करने के बाद पूरा का पूरा सर अगर मैं महीने की पांच लाख सैलरी कमा रहा हूं तो क्या पांच के पांच भेज सकता हूं यस ढाई लाख की लिमिट इसमें मत लगाना ये केस में लेकिन मैंने आपको बताया ये 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 टेम्पररी पीरियड ये कितने साल का दिया हुआ है तीन साल ये तीन साल के लिए टारगेट क्राइटेरिया दिया है तीन साल के ऊपर ये क्राइटेरिया नहीं वर्क करता है क्योंकि लॉजिकल है कि आपको अगर भेजा गया है परमानेंटली भेजा तो फिर परमानेंटली एम्प्लॉयड इन इंडिया है तुम अगर परमानेंटली मेरे को बताओ अगर ब्रांच इन इंडिया वो कौन है पी है या पी आर आर आई अभी आप इंडिया में जॉब के लिए आए हो तो आप भी पी आर आई हो फिर भी मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं पर ये लिबर्टी पूरे जिंदगी भर थोड़ा ना रहेगी ओके कोई भी एक ब्रांच में काम करेगा कुछ टाइम के लिए करेगा ना ओके अगर मेरे को बताओ परमानेंटली वो ब्रांच के लिए आ गया है तो फिर तो भाई फैमिली वो लेगा इधर ओके okay, भाई अगर मेरे को परमानेंटली पुनः बुला फैमिली को लेकर उधर का के लिए मेंटेन करना है। इतने साल तक तुम ऐसा कैसा है? ये क्राइटेरिया है का बात खत्म दूसरा सिनारियो, जब हम डिस्कस करेंगे अदर देन इंडिविजुअल अब अदर देन इंडिविजुअल की एक लिस्ट है जो बेहतरीन विषय आपको ध्यान रखनी होगी अदर देन इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल जो मैं अदर देन इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं अदर देन इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचिए

तो चार केस कौन से कौन से है ओके okay, इस चारों केस के लॉजिक अलग ध्यान रखना पहला पॉइंट हम बताएंगे ऐसी कोई कंपनी जिसने कोई फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग की है ऐसी कोई कंपनी जिसने कोई फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग की है मैं बोल रहा हूं कंपनी इनकॉर्पोरेट किधर है कंपनी इनकॉर्पोरेट किधर है इंडिया में लेकिन तुमने कमाया किसमें फॉरेन एक्सचेंज में सर एग्जाम्पल इंफोसिस क्या इन्फोसिस यूएस में बिजनेस करती है ये yes, उनको फॉरन एक्सचेंज में भी पैसा मिलता है अब मेरे को बताओ, ओके okay, ऐसी कंपनी जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कमाया हुआ है इंडिया के बाहर किधर खर्च करना है तो क्या ये खर्च कर सकते इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ऐसी जो है, okay, वापस रहा, चल रहा है। आप जो भी क्राइटेरिया लगाओगे इंडिविजुअल को लगाओगे नहीं तो कंपनी केस में अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज में कमाई की है अब मेरे बताओ यूएस से मुझे पैसा आ रहा है क्या मुझे थोड़ा सा यूएस में ओके okay, कहीं कहीं ना कही कुछ दान पुण्य करना चाहिए देखो कब मिलती तो अब तो लगती -लगती। तो तो मेरा क्वेश्चन है वो दान में कमा के, में कमा के, इंडिया में करेगी इंडिया में तो कंपलसरी है क्योंकि सीएस आ रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शनसरी है भाई वो तो कंपल्सरी है लेकिन इंडिया के बाहर भी तो करना चाहिए उन्होंने ओके अगर इंडिया के बाहर वो डोनेशन करना चाहती है क्या वो कर सकती है ओके यस डोनेशन की बात कर रहा हूं जिससे पैसा नहीं आने वाला है सर ये डोनेशन कर सकती है क्या आंसर इज यस अब क्वेश्चन है सर ये कितना डोनेशन कर सकती है डोनेशन की बात कर समझ रहे समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छा ये कौन कर रहा है मेरा क्वेश्चन पहला पॉइंट ये कौन कर रहा है कंपनी ये कंपनी इनकॉर्पोरेट किधर है इंडिया में और डोनेशन कहां पर कर रही है है ये कब हो सकता है? अगर वो अर्न कर रही है किसमें फॉरेन एक्सचेंज में ये पॉइंट समझा क्या इंडिया है. Okay, है. In है. Okay, है इंडिया में क्या फॉरन एक्सचेंज में कर रही है क्या? इसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है तो यानी ये डोनेशन करने के लिए डोनेशन करने के लिए आपको अर्निंग किस में चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका परसेंटेज वही है डोनेशन कितना कर सकते हैं डोनेशन जो आप कर सकते हो वो है वन परसेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्ड वन परसेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ़ प्रीवियस ईयर। वन परसेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंड ऑफ प्रीवियस थ्री प्रीवियस ईयर सर यानी प्रीवियस ईयर में प्रीवियस तीन साल में आपने जितना भी फॉरेन एक्सचेंज कमाया होगा उसका एक परसेंट एवरेज नहीं बोला मैंने ओके वन परसेंट ऑफ क्या टोटल

ये डोनेशन कर सकते हैं अब क्वेश्चन है ये ये डोनेशन डोनेशन में कर तीन चीजों में सकता है अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ोगे, ओके ओके अच्छा पढ़ो तो एक बार, एक बार बार आओ आओ, आओ नोट्स में में मेरे को के बताओ इसका क्या होगा शेड्यूल

फर्नीचर बनाने के लिए पचास लाख डॉलर तो क्या क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप्स ये चेयर मतलब वो एक एक पर्सन के लिए बोला जाता है यानी एग्जांपल उधर कोई स्कॉलरशिप के लिए आता है मतलब गरीब बच्चे वो गरीब बच्चों में जो स्कॉलरशिप फंडिंग है वो ये कर सकता है समझा क्रिएशन ऑफ चेयर तो अपन लिखते वक्त बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चेयर लेकिन वो क्रिएशन ऑफ चेयर मतलब चेयर फर्नीचर मत समझना ओके ये स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट है तो क्लियर तो क्रिएशन ऑफ दूसरा नाम क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड एन इन्वेस्टमेंट फंड मतलब इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए या डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए फंड दे दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साधारण फंड बोलते ना साधारण खाता ओके okay, पहला खाता था चेयर का खाता दूसरा था साधारण किसके लिए दिया एजुकेशनल एजुकेशनल पर्पज ओके वापस मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट

साहिल तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी जा रही है भाई साहिल ने दोनों आर एनडी होता है यानी तीन जगह किधर दे सकते पैसा पहला पॉइंट स्कॉलरशिप के लिए दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए और तीसरा आर एन डी के लिए पर आर एन डी कौन सा एरिया जिसमें कंपनी का बिजनेस है वही एरिया आर एनडी में खर्च कर सकती है मैं आपसे बोल रहा हूँ ये खर्च क्या है डोनेशन है एवरीबडी क्लियर मेरा क्वेश्चन है डोनेशन कितना है लिमिट बताओ मेरे को ये कुछ तो यार इसको क्या हो गया है कितना है डोनेशन कितना है वन परसेंट और फिफ्टी लाख डॉलर समझ में आया क्या अच्छा तो अब मेरे को बताओ वन परसेंट या फिफ्टी लाख डॉलर एवर इज लोअर इस लिमिट में से कोई भी लिमिट ले लो एग्जाम्पल कोई भी लिमिट लो एजिम लेते हैं अपन पचास लाख डॉलर की लिमिट लेते हैं मुझे साठ लाख करना है कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं कर सकते हैं ये प्रोहिबिटेड छोड़ना है कर सकते हैं परमिशन ऑफ़ आरबीआई समझ में आया? अब करते ढाई लाख था ना बेटा वैसे उधर की लिमिट है उधर की लिमिट है तो किससे पूछने की जरूरत नहीं आरबीआई इस लिमिट के ऊपर गए तो आरबीआई को पूछो काम खत्म होगा तो मेरे को बताओ कौन से कौन से एरिया में दे सकते तीन एरिया चेयर्स एजुकेशन एंड आर एन डी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिए अच्छा बताओ कौन कर सकता है कौन कर सकता है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर रहा होगा okay. मेरे को बताओ वो क्यों करना चाहता है फिर ये डोनेशन वाह अरे जिधर से रहे उधर तो कुछ सेवा भाव करना चाहिए भाई एवरीबडी ओके okay, अरे बहुत जरूरी है ये आप ये याद रखना उधर का भी तो मार्केट आपके लिए अरे उधर का भी तो सोसाइटी बोलेगा ना तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं अपन कमा के लेके जा रहे हैं देख अपन भी कितनी बार तो टॉन्ट मारते किसी को ओके okay, भाई कमा के लेके जा रहा है उधर लेके जा रहा है ओके okay, अपन अक्षय कुमार के लिए बोलते हैं अरे रहा इधर है कैनेडा का, का सिटीजनशिप है ऐसा मालूम है ना ऐसा बोला जाता है सर बोला जाता है क्यों बोला जाता है बिकॉज अपने को लगता है भाई अपनी इंडिया कमा के दे रही है हम पिक्चर ही नहीं देखेंगे तो कैसा तू कमाएगा ऐसा अपना इंटरप्रेशन आता है लेकिन ऑल्सो मैन exactly तो उधर से तुम फॉरेन एक्सचेंज में कमा रहे हो उसका एक तक एक बोला खर्चा करने के लिए रे मतलब यार तुम्हारा अगर है क्या ऑप्शनल है, ये है भाई। लेकिन देना है तो दे सकते आत्मा क्लियर मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है पर एक चीज क्लियर याद रखना जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं फॉरेन एक्सचेंज अंड अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं किया तो आप पचास लाख की लिमिट मत लेना ये दोनों में से एवर इज लोअर दिया है तो इन शॉर्ट अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं किया भूल जाइए आंसर दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से झेपा मालिक क्लोज करे है अपन इंडिया में कोई फ्लैट बनाते हैं और एनआरआई को बेचते हैं एनआरआई जब मैंने बोल रहा हूं तो मतलब पी को बेचते हैं और क्यों इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में इमोएल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया हुआ है ओके okay, रेंट आता है ओके okay, खुद रहने आते हैं पिकनिक के लिए आते हैं फार्म हाउस होता है अब मेरे को बताओ अगर मैं आज इधर एक रेसिडें प्रॉपर्टी बनाता हूं मैं रियल एस्टेट का आदमी मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई प्रस्टीज पॉइंट और मैं चाहता हूं इधर एनआरआई लोग आए प्रेस्टीज पॉइंट में एन लोग इन्वेस्टमेंट करे अब मेरे को बताओ मेरे को मेरे को दुबई वाले लोग इन्वेस्टमेंट करने चाहिए मेरे को ऐसा लगता है अब मैं दुबई में जाकर ओकेज मैं उधर जाके क्या करूँ दुबई में जाके कैसे आएंगी पब्लिक उधर की मेरा क्वेश्चन ये है उधर की पब्लिक एडवर्टाइज करेंगे आपको लगता है एडवर्टाइज करना इतना फीजेबल ऑप्शन रहता क्या फिर क्या करेंगे अपन कुछ और ऑप्शन एजेंट पकड़ेंगे मेनली अपन किसको पकड़ेंगे जो ब्रोकर रहेगा उधर का रे अब मेरे को बताओ उधर का, बता वो का वो और उसके बाद वो क्लोज करेगा ट्रांजेक्शन अब क्वेश्चन ब्रोकर फ्री में काम करेगा तो अब कमीशन तो अब ये कौन सी कंपनी कमीशन दे रही है वाली इंडिविजुअल का डिस्कशन नहीं है मैं समझा रहा हूं आप समझ नहीं गलत किया है तो आप गड़बड़ कर रहे हो मैं नहीं सपोज ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने ये एनआरआई को बेची है और मैंने एनआरए को बेचने के लिए कमीशन दिया हुआ है वो इसमें नहीं आता है कुछ समझ आ रहा है फिर किस में आएगा इंडिविजुअल्स ढाई लाख की लिमिट क्योंकि अधर आधा एनी अदर ढाई लाख है ढाई लाख में कवर का तू कमीशन देना नहीं समझा समझा ये किसका डिस्कशन चल रहा है

ट्रांजेक्शन टोटल कमीशन नहीं बोला मैंने पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट कौन सा एजेंट है ये इंडिया का या एब्रॉड का एब्रॉड का ये याद रखिए पर मतलब पर फ्लैट ओके फ्लैटी मैक्सिमम कमीशन कितना हो सकता है अच्छा ये कौन से फ्लैट होने चाहिए रेसिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी हो, नहीं दोनों हो सकता है रेसिडेंशियल भी हो सकता है कमर्शियल भी हो सकता है रेसिडेंशियल भी कमर्शियल भी आत्मा क्लियर अच्छा क्या ये एग्रीकल्चर हो सकता है क्यों क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड वैसे ही प्रोहिबिटेड है तो वो लोग तो खरीद ही नहीं सकते तो प्रोहिबिटेड है तो उसमें तो, उस तो कमीशन वैसे भी प्रोहिबिटेड रहेगा ये कौन सा होगा कमर्शियल और रेसिडेंशियल अच्छा ये प्लॉट्स किधर है रेसिडेंशियल प्लॉट्स कमर्शियल प्लॉट्स ये किधर है इंडिया में ये याद रखना प्लॉट्स इन इंडिया है इन इंडिया है इंडिया। इन, इन इंडिया ओके okay, कमीशन दे सकते हैं क्या आंसर इधर मैंने कमीशन देने में मना किया है क्या नहीं पर कमीशन देने के लिए लिमिट दी हुई है सर कितनी लिमिट्स है ओके पच्चीस हजार डॉलर पच्चीस हजार और कितना यूजुअल कितना रहता है फाइव परसेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस जितना फॉरेन एक्सचेंज लेके आया लेकिन इन दोनों में से देखो पढ़ो क्या है विच एवर इज लोअर है क्या हाइयर है एक पढ़ो रे मोर ना मतलब विच एवर इज हाइयर है ना पक्का

अच्छा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फिर कैसे आएगा एक एक पॉइंट पे ओके और मेरे को बताओ लिखते वक्त कैसे लिखना है कल मैंने समझा था क्या लिखोगे सबसे पहले पहले करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ये बताओ फिर समझ में आया फिर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सा है शेड्यूल थ्री में आता है शेड्यूल थ्री में अदर देन दैन को एप्लीकेबल है और उसके बाद यही कॉन्सेप्ट को समझाओ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है चारों पॉइंट सिर्फ ये लिखोगे एवरीबडी क्लियर और ये लिखने के बाद ओके फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे फिर क्लोज करोगे आंसर, जो भी कंक्लूजन होगा वो में है, है, जो भी है, क्या लिखना चाहिए मोर अच्छा, का लिमिट के ऊपर अच्छा कितना लिमिट दस करोड़ का पांच टका पचास लाख ओके मैं पचास लाख देना चाहता हूं मेरे को आरबीआई को पूछने की जरूरत नहीं है मैं सत्तर लाख देना चाहता हूं अब आरबीआई को पूछना पड़ेगा मैंने आपको यहां पर कहीं पर भी नहीं बोला कर ही नहीं सकते अच्छा मैंने रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम में मैंने एक्सपोर्ट किया मैंने रूपी स्टेट क्रेडिट स्कीम में एक्सपोर्ट किया चाय एक्सपोर्ट की ओके और मैं पंद्रह टक्का कमीशन देना चाहता हूं पंद्रह टक्का कमीशन देना चाहता हूं दे ही नहीं सकते प्रॉब्लम ये है समझ में आ रहा है उधर क्या था पहले वाले आंसर में क्या था दे ही नहीं सकते इधर दे सकते हैं आरबी ऐसे पूछो इस लिमिट के नीचे रहा तो पूछने की जरूरत नहीं है इस लिमिट के ऊपर गया तो आरबीआई से पूछो भारत माता के मालिक Everybody? नहीं समझा समझा पक्का ओके okay, तीसरा अब मेरे को बताओ मतलब okay, आपने देखा होगा आपने थोड़ा सा सुना होगा मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए किसी को तो बुलाया बाहर की कं, कंट्रीज में से कोई कंपनीज को अगर आपको मालूम पड़ा है जापानीज जापानीज जो टेक्नोलॉजी में बेस्ट है बुलेट ट्रेन के उनको बुलाया अब मेरे को बताओ क्या उनको प्रोजेक्ट दिया Yes. अब मेरा क्वेश्चन है उनको प्रोजेक्ट दिया क्या वो प्रोजेक्ट का, का काम करेंगे क्या मेनली वो क्या लेके जाएंगे वो earn क्या करेंगे नहीं नहीं रुपीज अर्न करेंगे, हम करेंगे हमें एज ए क्या चार्ज होगा वो कंसल्टिंग फीस फीस कौन सी होगी बना के जाएंगे लेकिन वो कंसल्टेशन फीस लेके जाएंगे क्योंकि वो बता रहे कैसे बनाना है क्या करना है क्या नहीं करना है आत्मा क्लियर क्या अब कंसल्टेशन फीस कंसल्टिंग फीस जो जापानीज को मैं देने वाला हूँ क्या वो रुपीजी में जाएगी मेरे एंड से तो रुपीज में जाएगी लेकिन उनको वो थोड़ा रुपीज लेंगे दो तो डॉलर लेंगे क्या ये कंसल्टिंग फीस कोई कंपनी ओके एग्जांपल रिलायंस है रिलायंस को मेट्रो बिछाना है रिलायंस को क्या बिछाना है मेट्रो अब उसके लिए उन्होंने कोई जापानीज को बुलाया बोला भाई मेरे को बता इधर मेट्रो बिछा सकते कि नहीं और बता मेरे को पूरा प्लान बना के दे मुझे पूरा इंजीनियरिंग करके दे और मैं काम करवा लूंगा इधर के मजदूर लोग से ओके okay, मेरे मेरे पूरे एम्प्लॉय रह जाएंगे मेरा स्टाफ रह जाएगा तुझे काम करने की जरूरत नहीं है तो खाली मुझे कंसल्टिंग करके दे ओके वो आता है काम करके जाता है इसके लिए जो कव... दिया जाता है इसको हम लोग कमीशन नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं कंसल्टिंग कंसल्टिंग फीस फीस ये की लिमिट पढ़ो आप खाली एक बार लिमिट पढ़ोगे तो आपका आएगा एक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एक है अदर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लिमिट कितनी है एक करोड़ डॉलर और अदर प्रोजेक्ट के लिए लिमिट फीस कितनी है ओके दस लाख डॉलर समझ में आया तो मेरा क्वेश्चन है क्या मैं एक करोड़ डॉलर बोल रहा हूं यानी सौ करोड़ रुपए यानी अगर मेरे को एक करोड़ डॉलर देना है क्या मेरे को आरबीआई के पास जाने की जरूरत है नहीं तो मेरे को आरबीआई के पास जाने की जरूरत कब होगी एक करोड़ से ज्यादा होगा समझ में आया एवरीबडी समझ में आया क्या कुछ नहीं समझा ओके ये कौन सी फीस बोली गई है तीसरा पॉइंट में मेरे को नाम बताओ कंसल्टिंग फीस कौन सी फीस कंसल्टेंसी है तो इसके लिए क्या देना है तुम्हें रेमिटेंस करना है क्या करना है रेमिटेंस करना है अब मेरे को बता इंफ्रा प्रोजेक्ट रहा तो ए, टेन लाख नहीं रे वन करोड़ क्या वन करोड़ डॉलर पर प्रोजेक्ट टोटल नहीं बोला मैंने समझ में आया एंड उसी तरह अदर देन इंफ्रा अदर देन इंफ्रा कितना है दस लाख दस लाख डॉलर पर प्रोजेक्ट आत्मा क्लियर मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं दे सकते हैं तो खाली कहां पर मैं उसके ऊपर जा ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकता शेड्यूल वन शेड्यूल वन शेड्यूल टू और शेड्यूल थ्री में याद रखना उसके ऊपर कहा तो अप्रूवल रहेगा और किसका अप्रूवल रहेगा ये ध्यान रखना होगा और मैं बता रहा हूँ आरबीआई का याद रखना आसान है अगर आप देखोगे ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए साइड साइड में ये भी अगर आप दो बार पढ़ोगे तो ये याद रह जाएगा क्योंकि चार ही पॉइंट है प्रॉब्लम कौन से शेड्यूल में आएगी खाली शेड्यूल टू शेड्यूल टू को याद रखना पड़ेगा शेड्यूल टू वैसे देखा जाए तो वही बहुत ऐसे बहुत एक्सट्रीम नहीं है सात आठ पॉइंट है लेकिन उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया डिस्कशन के वो क्राइटेरिया की वजह से कंफ्यूज हो जा रहा है और फिर वो क्राइटेरिया को ढूंढना उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट है बस उसमें एक मेहनत है बाकी तो और क्या है बाकी तो ये ये अगर इसको र... अभी मेरे को बताओ पॉइंट क्या करना है एक बार आपको समझ गया अभी आपको मालूम पड़ गया है बस आपको खाली ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें वैसी ही हो रही है जैसा है और यूजुअली जब क्वेश्चन आएगा तो आपको टेक्निकली उसी हिसाब से आएगा रिलायंस है रिलायंस मेट्रो ने क्या किया मेट्रो बिछाने के लिए एक जापानीज कंपनी है उनसे कांटेक्ट किया जापानीज कंपनी को बुलाया इंडिया में उनसे कंसल्टिंग की उससे बताया कि भाई उसे डिजाइन बनाई कैसा क्या करना है और उनके लिए वो एक करोड़ अस्सी लाख ओके डॉलर देना चाहते हैं अस्सी लाख डॉलर ओकेज okay, क्या वो दे सकते हैं और यह ट्रांजेक्शन परमिशन के फेमा में पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि कंसल्टिंग फीस है ये कैपिटल बेनिफिट होता है फिर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लॉजिक बैठा फिर आप बताओगे कि भाई यार ये ट्रांजेक्शन शेड्यूल थ्री में बैठता है जहां पर ओके आरबीआई का अप्रूवल चाहिए अदर देन इंडिविजुअल्स फिर आप लिखोगे आरबीआई के, के अप्रूवल का ये आंसर लिखोगे जो अपन ने अभी लिखा ये आंसर लिखो कंसल्टिंग फीस देते अप्रूवल है कि नहीं फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे और कंक्लूजन में डालोगे क्योंकि यहां पर अमाउंट विद इन द लिमिट है वेल विद इन द लिमिट है एक करोड़ के अंदर है इसलिए आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है अगर यही सवाल में आता है रिलायंस मेट्रो है और ये लेना चाहता है और वो तीन करोड़ दे रहा है तीन करोड़ डॉलर दे रहा है ओके इसका ये ट्रांजेक्शन परमिसेबल है तो आपको कंक्लूजन में क्या करना है बाकी ऊपर की तो कहानी सेम ही करनी है कंक्लूजन में लिखा है ओके ट्रांजेक्शन परमिसेबल है लेकिन लिमिट्स में नहीं है इसीलिए बिकॉज इट इज मोर देन वन करोड़ का डॉलर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल बी रिक्वायर्ड इन दिस केस दैट्स इट तो इन शॉर्ट आपको मोटा मोटी समझा होगा क्या सीन चल रहा है कैसे चल रहा है अच्छा ओके okay, जो ये लिस्ट में नहीं आ रहा है कुछ तो जो ये लिस्ट में कभी नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है तो फ्रीली कर सकते हैं फिर ना पूछने की जरूरत है यही डिफरेंस है कैपिटल और करंट में कैपिटल में अगर करंट में मैं कोई भी लिस्ट में नहीं आ रहा है मैं लिस्ट बता रहा हूं ये चार की लिस्ट होगी इसके बाद एक शेड्यूल टू की लिस्ट देखो ये दो लिस्ट में पहला कौन सी लिस्ट देखनी है की बात, ही नहीं कर रहे, की बात कर रहे हैं तो ये चार देखने का और उसके अलावा शेड्यूल टू देखने का okay, अप्रूवल रहा, रहा, बोलो या सीजी का अप्रूवल बोलो और ये दोनों हो गए उसके बाद क्लोज करो अगर दोनों में नहीं है तो क्या करने का क्या वो ट्रांजेक्शन फ्रीली एंटर कर सकते हैं यस यानी वो शन को किसी को पूछने की जरूरत भारत माता की मालिक अरे या ना बढ़िया ओके तो भी आप बता सकते की क्या कोई भार वाले करते इंडिया में? अच्छा, मेरे को बताओ कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है ओके सुनिए देखो हाँ ये सब चीजें मैं ओफू में लिख नहीं पाऊंगा इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर आपको ये समझना पड़ेगा मेरे साथ ये मेरे ख्याल से ऊपर की लॉजिक समझ गया ना मालिक ये क्वेश्चन आप लॉजिक क्लियर कर लेने का बस क्वेश्चन हो गया आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल समझ में आ गया बस हो गया ओके चौथे इनकॉर्पोरेट होती है इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन लगेगा भरना पड़ता, अब, ये सब करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन है ये सब चीज करने फ्री में होगा क्या क्या लॉयर लगेगा क्या सीए भी लग सकता है तो अब ये कैसे फ्री में नहीं होगा ये कॉस्ट होगा इसको बोलते अपन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या बोलते है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन तो ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को अपन बोलते एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं कभी सुना है एक्सपेंसेस किए जाते हैं कौन रिमर्स करती है कंपनी तब तक ये सपोज बाहर वाला कोई आके इंडिया में इनकॉर्पोरेशन कर रहा है और कंपनी उसको रिमबर्स कर रही है ओके okay, so, क्या ये रिमबर्समेंट परमिसेबल है आंसर इज यस लेकिन लिमिट्स है आरबीआई बोलता है अगर कोई कंपनी है ओके okay, और जो इनकॉर्पोरेट की इंडिया में ओके okay, और वो क्या एक्सपेंस अपन रिमबर्स कर रहे हैं प्रिलिमरी अपन क्या कर रहे हैं रिमिट कर रहे ना रेमिटेंस ऑफ क्या रेमिटेंस ऑफ रिमबर्समेंट रिमबर्समेंट ऑफ क्या रे प्रिलिमरी एक्सपेंसेस आवाज नहीं आ रही रे रेमिटेंस ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ ये कंपनी किधर इनकॉर्पोरेट हुई है अरे बाहर हुई है बाहर जो दे रहा होगा रिमबर्समेंट मेरे को घंटा फर्क पड़ना चाहिए इंडिया में क्या ये रिमबर्समेंट कर सकती है आंसर इज यस सर कितना ओकेज एक है पांच परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट दिया है उसका पांच टक्का या ओके दूसरा अमाउंट याद रखना है एक लाख और याद रखना एवर इज आई वापस एक लाख क्या रुपीज नहीं डॉलर ओके पांच आपने जितना इन्वेस्टमेंट लाया उसका वापस मैं बोल रहा हूं प्रिलिमरी एक्सपेंसेस की बात हो रही है रिमबर्समेंट मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा किसकी बात कर रहा प्रिलिमरी एक्सपेंसेस अब मेरे को बताओ ओके शेड्यूल टू बचा हुआ है शेड्यूल टू में ये कॉन्सेप्ट नहीं है एज्यूम करो और मतलब है ही नहीं कंफर्म नहीं है तो मैंने शेड्यूल वन समझा दिया शेड्यूल थ्री समझा दिया अब मेरे को बताओ एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और वो डिविडेंड देना चाहती है और उसके कोई फॉरेन फॉरेन मेंबर्स है okay, मेरा है मेरा क्वेश्चन पहला पॉइंट मेंबर कौन हुआ फॉर ओके okay, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्या ये इन्वेस्टमेंट वैलिड था यस yes! आपने पढ़ा होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इंडियन सिक्योरिटीज क्या ये परमिसेबल था यस yes, बात खत्म ये परमिसेबल था इसमें कोई दिक्कत नहीं अब क्वेश्चन है ओके okay, अब मेरी कंपनी सपोज कंपनी इनकॉरपोरेट इन इंडिया है उसका फॉरेन मेंबर है और उसको वो डिविडेंड देना चाहती है क्या डिविडेंड दे सकती है और डिविडेंड देना है तो कुछ से पूछना क्या करना ओके okay, क्या है कुछ है क्या आप बताओ ओके okay, आपके सामने में करंट है अच्छा डिविडेंड देना कौन सा कौन, कौन ट्रांजेक्शन कैपिटल या करंट करंट है एवरीडे याद रखना करंट है इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिविडेंड कौन सा हो गया करंट क्या दे सकती है क्या पूछना पड़ेगा क्या सीन है दे सकती है क्यों हा? वो कब हो सकता है जब डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है यही मैंने कल समझाया कि भाई आप शब्द देखना अगर आपको एग्जाम में दिया है डिविडेंड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो ओके okay, आप वापस पढ़िए एक बार वापस पढ़िए डिविडेंड बैलेंसिंग वाला वर्ड पढ़िए ओके okay, कितर गया? शिलवन में जाइए शिलवन में पढ़िए रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड मिला क्या इज क्या बोला मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल जिसको बैलेंसिंग एप्लीकेबल है यूजुअली डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल किसको है कोई बाहर के पर्सन है बाहर की कंपनीज है उन्होंने किया इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कोई ऑफिस और ब्रांच इंडिया में और उन्होंने कैपिटल लाया इंडिया में और वो डिविडेंड देना चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है ओके सर लॉजिक देखो लॉजिक देखो अगर मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है यूएस में इनकॉर्पोरेट है ये समझा सर कौन सी सोनी सोनी एवरीबडी क्लियर ओके सोनी ने अपनी एक ऑफिस डाली इंडिया में क्या वो इंडिया में ऑफिस डाल सकता है यस yes. उसने जो ऑफिस डाली वो एक करोड़ डाली एक, एक लाख डॉलर की डाली एग्जाम्पल हो रहा हूं पांच हट है ओके okay, अब ये एक लाख डॉलर की डाली ऑफिस में ओके okay, ऑफिस के साथ में एक फैक्ट्री थी फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां पर ये ऑफिस से सेल्स भी हो रहा है ओके okay, अब क्वेश्चन ये है ये सेल्स जो हो रहा है ये तो इंडियन रुपीस में हो रहा होगा ना रे अब ये इंडियन रुपीस में हो रहा होगा और ये यहां से कमा के ये बाहर लेके जाएगा 1 लाख डॉलर से तो कब के ज्यादा हो जाएंगे इसको डिविडेंड बैलेंसिंग कांसेप्ट बोलते हैं अपन

अरे ये कंपनी किस में लेगी पैसा डॉलर में या रुपीज में कंपनी डॉलर में ले ही नहीं सकती ऑथराइज पर्सन किस में लिया होगा बात खत्म इंडिया को इंडिया की जो कंपनी उसको क्या लेना देना तुमने कैसे दिए तुम डॉलर दे रहे थे मैं बोला मैं ले नहीं सकता क्योंकि बैंड है तो मैं बोलूंगा किसको दो तुम ये ऑथराइज पर्सन उसे एक्सचेंज करके मुझे रुपीज दो ऐसा नहीं है तुम मुझे डॉलर देगा और मैं रुपीज में एक्सचेंज करवाऊंगा पॉसिबल नहीं है कर ही नहीं सकता मेरे पास मेरे हाथ में आना चाहिए देखो कि तुम किससे एक्सचेंज कर सकते हो डॉलर ये मैंने आपको था। तुम मैं, मैं परसन, इंडियन कंपनी और डिविडेंड दे रही है मेंबर को, वो डिविडेंड कितना दे सकती है कोई प्रोहिबिशन है नहीं वो किस में देगी रुपीज में और वो कन्वर्ट होगी डॉलर में लेके जाएगा वो लेके जा सकता है कि नहीं ले जा सकता उसकी कहानी अलग है अगर इमेजिन करो मैंने रुपीज में ही दूंगा अरे मैं डिविडेंड किस में दूंगा अब मैंने रुपीज दिया वो कौन से अकाउंट में जाएगा मैं उसका एनआरआई स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट आठ अकाउंट मैंने कल समझाया था याद है रे उस अकाउंट में जाएगा फिर उस अकाउंट से वो कन्वर्जन चाहिए तो कन्वर्जन कर सकता है कि नहीं कर सकता है लेकिन उस उसपे इंटरेस्ट कुछ आ रहा होगा वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा समझ में आ रहा है क्या तो आप डिविडेंड पे प्रोहिबिशन कब डालोगे अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में क्या दिख रहा है बैलेंसिंग। अगर डिविडेंड बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है समझ भाई, भाई, में आया अगर इन इंडिया है और देना है, क्या उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? है वो रुपीज में वो डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसका चॉइस है मैं तो रुपीज में दे रहा मैं डॉलर में दे रहा हूं क्या मैंने रुपीज दिया वो डॉलर एक्सचेंज कर रहा है वो एक्सचेंज कर रहा नहीं उस पर रोक लगाओ तो लेकिन क्या मेरे को रुपीजे देने में कोई दिक्कत है ओके okay, तो so क्या मुझे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा नहीं ओके okay, क्या ये प्रोहिबिटेड है नहीं नहीं तो जो लिस्ट में नहीं है ओके okay, ओके वो आप फ्रीली कर सकते हो आत्मा क्लियर okay, अब मेरे को बता दीजिए एक बार रिपीट करते कौन सी कौन सी कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शन थे आरबीआई के आरबीआई के आज चार लिस्ट बताइए मैंने लास्ट आधे घंटे में चार पॉइंट की लिस्ट मेरे को चाहिए चार पॉइंट की लिस्ट कौन सी कौन सी है सबसे पहला कंपनी क्या कर रही है अर्न कर रही है किसमें फोनिक चाहिए और वो क्या करना चाहती है डोनेशन कितना कर सकती है वो डोनेशन ऑफ एक्सचेंज अर्न ड्यूरिंग लास्ट और एवर इज लोअर सर इसके ऊपर कर ही नहीं सकती क्या कर सकती है आरबीआई का अप्रूवल आएगा और वो करेगी तो किसमें करेगी तीन चीजें सबसे पहला स्कॉलरशिप्स यानी चेयर्स का पॉइंट दूसरा होगा एजुकेशन और तीसरा होगा आर एनडी लेकिन आर एनडी में एक रेस्ट्रिक्शन क्या था आरएनडी उसी एरिया में होना चाहिए जिसमें कंपनी का बिजनेस है इज दैट पॉइंट क्लियर ओके okay, मैं क्या करना चाहता हूँ okay, या कमर्शियल फ्लैट या प्लॉट हमने बेचे होंगे किसको एनआरआई अब जो बेचे होंगे तो उसके लिए कमीशन दे रहे होंगे वो कमीशन पे रोक लगाई हुई है वो कमीशन पे परसेंटेज कितनी है ओके okay, वो कमीशन होगा ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज मोर विच एवर इज मोर वो लिमिट दी हुई है आत्मा क्लियर ओके okay, जितना आपका इसके ऊपर ये मोर के ऊपर भी लिमिट जा सकती है ये yes. पर क्या करना पड़ेगा आरबीआई आपको कैलकुलेशन मारने पड़ेंगे बताइए okay, अगर मैं कंसल्टिंग ले रहा हूं प्रोजेक्ट के लिए दस किए तो हुए बाहर वाले ने इनकर किए ओके वो प्रिलिमरी एक्सपेंसेस रिमबस करवाना चाहती है कंपनी रिमबर्स करना चाहती है क्या प्रिलिमरी एक्सपेंस क्या वो कर सकती है आंसर इज यस कितना इन रिमबर्समेंट पॉसिबल है ओके okay, जितना उसने अंदर लाया उसका पांच टक्का और

पी आर आई और पी आर आई और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल में कितने पॉइंट देखे दो लेकिन वो खाली दो नहीं याद रखने थे सेक्शन भी थे सेक्शन बाकी सब क्या लेने ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा सिक्स फाइव सिक्स फाइव क्यू क्योंकि सिक्स फोर और सिक्स फाइव अगर याद है पी आर आई उसने जब पी आर आई था उसने कुछ किया था उसको फ्री लिखा सकता है पीआरओ आई जब वो पी आर आई था उसने कुछ किया था वो फ्रीली कर सकता है वो क्या तीन चीज थी सी एस पी करंसी थी सिक्योरिटी थी एंड प्रॉपर्टी करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी अगर उसने तब की हुई है तो उसके लिए जो चाहिए वो कर सकता है आत्मा क्लियर लिएबडी ओके ये याद रखिए यानी इन शॉर्ट वहां पर वो सेक्शन भी याद रखने पड़ेंगे वैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जैसे सेक्शन याद रखने थे करंट में आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है करंट में आपको शेड्यूल याद रखने पड़ेंगे लेकिन क्योंकि शेड्यूल ही इतने कंबरसम है कि आप क्या मतलब सेक्शन ही क्या याद रखोगे ओके okay, तो शेड्यूल में अपने पास कितने शेड्यूल है तीन लेकिन तीसरे के अंदर कितने पॉइंट है दो लेकिन उसमें तो अगर देखा तो इंडिविजुअल बहुत ईजी था और इवन जो दूसरा पोर्शन जो आपने पढ़ा पी आर आई जो है पर परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है ओके okay, वो भी तो ईजी है वो पूरा पूरा पैसा भेज सकता है वापस ओके okay, उसमें वो सिटीजन ऑफ आउटसाइड हो सकता है यस खाली पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो भाई साहब ओके वो डिपोर्ट होना चाहिए इंडिया में काय के लिए ऑफिस के लिए एम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं होना चाहिए अगर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में रहा तो कहानी खत्म है एम्प्लॉयमेंट किधर है यूएस में ओके okay, डिपोर्ट किधर हुआ इंडिया में काम किधर कर रहा इंडिया में ये टेक्निकली कॉन्सेप्ट होता है आत्मा क्लियर ओके okay, आते बारी शेड्यूल टू की कहानी को लगानी पड़ेगी और शेड्यूल टू में आपको याद रखना है किसका अप्रूवल चाहिए सीजी अच्छा मेरे को एक चीज याद करके बताइए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है शेड्यूल जब करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो किसकी डोमिनेंस पोजिशन है आरबीआई लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है किसकी डोमिनेंस पोजिशन है सीजी सीजी के पास ज्यादा डॉमिन के लिए okay, ministry. अलग अलग पॉइंट है सर कई के लिए पहला आंसर तोड़ सी है कल्चरल टूर्स अगर आप कल्चरल टूर्स के लिए जा रहे हो कौन से टूर्स के लिए कल्चरल टूर्स okay, आपको किससे पूछना पड़ेगा सीजी से पूछना पड़ेगा आप सीजी में आपको नाम याद रखना पड़ेंगे मिनिस्ट्री के वो नाम को बाद में याद रखते हैं लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी है वो याद रखना पड़ेगा आपको एडिशनली क्योंकि आपको जब एग्जाम का आंसर लिखना होगा तो आपको लिखना होगा सीजी का अप्रूवल नहीं लिखना है वो कौन सी मिनिस्ट्री है सीजी अप्रूवल एक बेस लिखोगे लेकिन साथ में आपको मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी लिखनी पड़ेगी तो इसमें मिनिस्ट्री भी याद रखनी पड़ेगी आपको तो मिनिस्ट्री को याद रखने का कार्यक्रम बाद में देखते हैं कल्चरल टूल्स का कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री अलग है दूसरा पॉइंट ओके सो पहला पॉइंट यानी कल्चरल कल्चरल टूल्स मतलब क्या होते हैं वैसे कल्चरल टूर्स के लिए जाना ये स्पोर्ट्स के लिए जाना इस कल्चरल टूर्स नहीं क्रिकेट जाएंगे कल्चरल टूर्स है नहीं ओके okay, ये क्या बोलते अपना वो पांच रिंग वाला ओलंपिक उसके लिए जाना कल्चरल टूर्स है नहीं तो फिर कल्चरल टूर्स क्या होता है फिर कल्चरल टूर्स कौन से हो गए मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं कल्चरल टूर हो गया तो कल्चरल टूर क्या हुआ फिर मैंने तो कल्चरल टूर हुआ इसका मतलब प, मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन ही होगा ये तो टेक्निकली दिमाग में आ रहा है कल्चरल टूर्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल ओके कोई जगह डांस का कंपटीशन चल रहा है उधर अपन भरतनाट्यम लेके जा रहे हैं ओके कोई जगह रिलीजियस फंक्शन चल रहा होगा हम रिलीजियस को प्रमोट करने जा रहे हैं कल्चरल टूर में रिलीजियस भी आ सकता है ओके okay, हर जन अपने अपने रिलीजन को बताइए कंट्री का एक एक अग्रता दिखाना है ओके okay, तो अपना रिलीजियस फंक्शन जा रहा है सर एक एग्जांपल साउथ से जा रहा होगा प्रॉब्लम क्या है? इसमें मालूम है कि हारमोनी जो सामने वाला ये क्यों एडमिनिस्ट्री का अप्रोच है इसमें इसमें इसीलिए कि जो कल्चरल टूर के लिए आप जा रहे हो ओके okay, क्या वो इन हारमोनी ऑफ इंडिया है क्योंकि बाहर इंडिया का नजरिया एक स्टेट का नहीं है ना रे उधर जाके तुम यही बोलोगे भाई आ, हम एग्जाम्पल एक एक पर्टिकुलर स्टेट ले लिया और वो बोलेगा मैं ऐसा ही हूं कंट्री ऐसी है ऐसा नहीं माना जाएगा ना इंडिया कंट्री इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए सेंट्र, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करता है ओके okay, कल्चरल टूर्स के लिए मना भी किया जा सकता है अगर वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री को लगा भाई ये सही नहीं है तो और कल्चरल टूर्स, 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 टूर्स के लिए कोई अमाउंट का स्पेसिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है यानी एक रुपए का भी खर्चा करना है आपको फर्न एक्सचेंज कल्चरल टूर्स के लिए जाना तो फर्न एक्सचेंज लगेगा ही उसके लिए आपको किसकी परमिशन लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की आत्मा क्लियर? कल्चरल समझ में आया ना मालिक तो भरतनाट्यम रिलीजियस पर्पस के लिए जा रहे हो okay? कल्चर को प्रमोट करने के लिए जा रहे ओके okay? okay? दूसरा सर एडवर्टाइज घाई मत करना एकदम आराम से जाना वापस मैं बोल रहा हूं इंट नौ में से एक चार पांच पॉइंट आराम से हो जाएंगे पांच पॉइंट में मेहनत लगेगी एकदम आराम से पढ़ना शांति से पढ़ना अच्छा मेरे को आप पढ़ के बताओ सेकंड वाला पॉइंट आप पढ़ो आप पढ़ो एडवर्टाइजमेंट वाला और मेरे को बताओ क्या बोलना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए कब एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया यानी एडवर्टाइजमेंट क्रियर करना है मुझे फॉरेन प्रिंट मीडिया मतलब एग्जाम्पल फॉरिन न्यूज फॉरेन न्यूज चैनल वहां पर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है ठीक है ओके okay. आगे पढ़ के बताओ फॉर पर्पज ऑफ अदर देन प्रमोशन क्या क्या है प्रमोशन टूरिज्म प्रमोट करना है क्या प्रमोट करना है टूरिज्म क्या लाना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या क्या करना है इंटरनेशनल बिडिंग, ओके एक्सीडिंग टेन थाउजेंड डॉलर ओके टेन है मुझे कब अप्रूवल लगेगा कब नहीं लगेगा कौन से केस में लगे, ये मेरे को पहला बैकग्राउंड पहला पहली लाइन क्या एडवर्टाइजमेंट करना है तब लगेगा ये चल रहा? ठीक है एडवर्टाइजमेंट किधर करना है अब मेरे को बताओ फॉरेन टीवी चैनल पे जब ऐड करनी है तो क्या पैसा जाएगा ओके okay, डॉलर जाएगा टूटेगा डॉलर ओके okay, बोलते हैं आप मुझसे पूछिए मैसे मतलब कौन सीजी से पूछिए मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री पूछने का ओके okay, आत्मा क्लियर आगे बढ़ाइए कौन से केस में पूछना चाहिए कौन से केस में नहीं पूछना चाहिए कितने अमाउंट पे पूछना चाहिए क्वेश्चन ये है मेरा हा? अच्छा तो श्रेयस का कहना है कि अगर अपने को फॉरेन टूरिज्म को प्रमोट करना है तो मुझे सी को पूछने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल पधारो मारा देश ओके अगर राजस्थान प्रमोट कर रही है या मध्य प्रदेश प्रमोट कर रहा है या गुजरात प्रमोट कर रहा है है मानो मैं अगर ये ऐड कर रही है, है कहां पर सर ओके भाई दुबई में तुम्हारा दुबई तो ठीक है भाई पधारो मारा देश भी ये देश में बहुत सारी चीजें है ये ऐड कर रही है क्या मुझे सीजी की परमिशन लगेगी पॉसिबल ही नहीं है नहीं लगने वाली है भाई नहीं लगने वाली है दूसरा सीनारियो यानी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो पूछने की जरूरत नहीं है भारत माता की जेपा के मालिक दूसरा सीनारियो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगाने के लिए एड कर रहे हो तो भी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं समझा समझा तो इसके लिए भी पूछने की जरूरत नहीं है और इंटरनेशनल बीडिंग कर रहे हो सर इंटरनेशनल बीडिंग क्या होता है बेटा इंटरनेशनल बीडिंग कुछ ऑप्शन रहेगा सर ये कौन पेट्रोलियम ओ पेट्रोलियम ओएनजीसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी ओके एग्जांपल समुद्र का एरिया जहां पर पेट्रोल निकलता है ऑक्शन करना मतलब बिजनेस करना okay, कोई दुबई में एक ऑप्शन हो रहा होगा भाई यार ये एरिया में भाई यार यहाँ पर ऑयल है पेट्रोल से पेट्रोल निकालने के लिए फैक्ट्री मशीनरीज कौन करेगा तो इंडिया से एल गया एंड गया ओके अब उन्होंने जब वो किया तो इंटरनेशनल बिडिंग के लिए उन्होंने पूछने की तो जरूरत नहीं है तो तीन के तो की नहीं है, है पूछना किसको है कोई प्राइवेट कंपनी को पूछना है क्या आगे पढ़ो पूरा एंड करो प्राइवेट कंपनी को पूछना है नहीं कोई पब्लिक कंपनी को पूछना है नहीं सिर्फ पूछना किसको है दो स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर

ठीक है इसके अलावा ये तीन के अलावा कोई भी ऐड करनी रहेगी पूछना पड़ेगा दस हजार तक रहा तो पूछने की जरूरत नहीं नहीं समझा यानी दस हजार बहुत पैनी अमाउंट है, है दस हजार तक तुमको ऐड करना करो दस हजार के ऊपर गए तो पूछो एवरीडी क्लियर ये ढाई लाख जैसे ही कॉन्सेप्ट है दस हजार का यानी आपने अभी ऐड दिया ये महीने में फिर दो महीने के बाद और एक ऐड दिया टोटल कितना हो गया दस अब पूछो एवरीबडी क्लियर अरे हाँ या ना तो एक्सीडिंग टेन तो दस हजार डॉलर तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से झेपा क्या आंसर तो मेरे को बताओ एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन मीडिया फॉर परपज फॉर परपज लेकिन क्या अदर देन अदर देन कौन कौन टूरिज्म का प्रमोशन दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में मंगा रहे हो आप यार तुम मंगा रहे हो अच्छा काम कर रहे हो यार और दूसरा क्या कर रहे हो तुम इंटरनेशनल बीडिंग अब मेरे को बताओ इंटरनेशनल बीडिंग करना भी तो अच्छा बात है ना क्योंकि आपको काम मिलने वाला है इंटरनेशनल पॉइंट में एवरीबडी क्लियर ओके थाउजेंड डॉलर आत्मा क्लियर और सबसे इंपॉर्टेंट बाय बायर पीएसा क्या मालिक तोड़ झेपा क्या तो पहला पॉइंट किसके लिए पूछने की जरूरत है सीजी को कल्चरल टूर्स दूसरा किसके लिए पूछने की जरूरत है एडवर्टाइजमेंट मैं अभी एक थोड़ा सा टेक्निकली जाऊंगा लेकिन याद रखना एडवर्टाइजमेंट जैसे ही सालीस एस जी एन पी एस इनके अलावा किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है फिर उसके अंदर का पॉइंट तो याद रखना ही है लेकिन टेक्निकली पहले हेड पॉइंट तो याद रख तो पहला पॉइंट कौन सा चलेगा नहीं कल्चरल टूर दूसरा कौन सा नहीं चलेगा एवरीबॉडी क्लियर ओके प्रशांत सर की एज्यूम करो प्रशांत सर का जो प्राइवेट जेट है प्रशांत सर पी आर ओ आए

वो भी इंडिया का छोड़कर बाहर का वो लोग तो साला क्या ईगल जैसा कुछ तो है तो वो वो पालते हुआ कुछ तो नाम बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद है पता मुड़ा नहीं वाला वो हाथ में पकड़ के घूमे हमें पता न काइट ईगल का छोटा फॉर्म वल्चर यह भाई श्रेयास तो एकदम खतरनाक है वल्चर ओके okay, ये वल्चर 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 होता होता है वल्चर गिद होता है टाइगर टाइगर भी पालते हैं हाँ। हो गया टाइगर पालना मतलब तो पीक गरीब मतलब मैं जब गरीब बोल रहा हूं उधर का गरीब मतलब इंडिया के अमीर से ज्यादा गरीब वाला समझ रहा? वो का मतलब प्रशांत सर अमीरी में टाइगर भी पाला है उन्होंने

अगला पॉइंट लेकिन मैं कौन होना चाहिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है ये सिर्फ पीएससी को एप्लीकेबल है किसको एप्लीकेबल है पीएससी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कर रही है तो किसी को डिस्कशन करने की जरूरत देखो मैं क्या बताया था मैंने आपको क्लियर बताया था. अगर ये लिस्ट में नाम नहीं है तो फ्रीली कर सकते हैं यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है तो जब मैं बोल रहा हूं ये सेकंड पॉइंट अब मेरे को पता सेकंड पॉइंट में प्राइवेट कंपनी कंपनी पब्लिक लिखा है क्या तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया करना है कर सकते हैं फ्रीली कर सकते हैं डोनेशन देना है नहीं डोनेशन देना तो आगे आर भी आई है समझ में आया क्या एवरीबडी अरे झेपा गया मालिक आई है मालिक लॉजिक बैठ रहा है तो अगर डोनेशन देना है, डोनेशन आपको अच्छा डोनेशन कब दे सकते हो खाली फॉरेन एक्सचेंज है तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल मेरी कंपनी एक एक्सपर्ट डोनेशन आ, को डोनेशन देना यूएस में को बहुत, बहुत ऐसे मन किया नहीं दे सकते सर अभी इसराइल में जो वॉर हो रहा है वो क्या हमास में वॉर हो रहा है ये सब हो रहेगा मेरा ऐसा मन कर रहा है कि उधर डोनेशन देने का एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड को मन कर रहा है डोनेशन देने का ओके सर फॉरन एक्सचेंज में नहीं आ रहा है तो तुम तो यार ऐसे कर रहे हो तो सर कैसे डोनेशन दे सकते हैं तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो परमिट हो सकती है उनको डोनेशन दे और वो डोनेशन वो आगे देगी दिस इज हाउ स्ट्रक्चर वर्क्स देखो जो प्रोहिबिट समझ में आ रहा है लॉजिक बेटर है ये इस तरह से ऐसा होता है हमेशा तो अगर मैंने ये बोला नहीं कर सकते और नहीं कर सकते का टेक्निक है डोनेशन का लिमिट नहीं है ना लिमिट नहीं है अच्छा ओके एक चीज है अगर डोनेशन फॉरन एक्सचेंज में नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर सकते नहीं बोलता मैं मैं किससे पूछना पड़ता आरबीआई किससे पूछना पड़ता आरबीआई आरबीआई से पूछो कर लो काम खत्म करो तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यानी हमेशा किसे पूछना पड़ेगा आरबीआई अगर फॉरेन एक्सचेंज में कमाया तो किसे पूछने की जरूरत नहीं आरबीआई कुछ पूछो मत अगर आपको लगता है कि आरबीआई को पूछने का मच मच है आप ऐसी कंपनी को डोनेशन दे दो वो कंपनी आगे डोनेशन दे देगी आप देखिए अरे बहुत सारे रूट है मालिक आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन अरे यार कल मैंने आपको ये भी बताया प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन का भी रूट है मेरे को बताओ मेरे को कमीशन देने का मैंने आपको रेमिटेंस देने का तरीका भी तो बताया कैपिटल में कॉस्ट ऐड कर दो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दो तुम्हारा तरीका बस आप ढूंढिए बस लॉजिक ये क्या ये तरीके से नहीं होना चाहिए बस इनका लॉजिक यह जाता है

ओके okay, यानी ये सिर्फ मेरे लिए है देखो अगर वो चार्टर्ड हो रहा है ना इसका मतलब सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए है एक आ रहा है जिसमें मैंने टिकट लिया क्लियर अरे समझ में आ रहा क्या चार्ट, चार्ट ये चार्टर, अपने फीलिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट में आ गया मैं चार्टर्ड एवरीडे क्लियर चार्टर्ड फ्लाइट बोलते हैं ना अपन तो इसका मतलब वो आपकी खुद की फ्लाइट होते पूरी पूरी रेंट पे ले लिया आपने। okay, ये किया है चार्टर्ड को पीएसयू ने अच्छा मेरे को ये कर ही नहीं सकती ऐसा है, क्या? पे वेसल ले नहीं सकती? ले सकती है लेकिन क्या लगेगा अप्रूवल आत्मा क्लियर तो तीसरा पॉइंट क्या करोगे आप और एक पॉइंट रेमिटेंस करना है लेकिन के लिए? फ्रेट वेसल. फ्रेट वेसल. तो पहला क्या हुआ कल्चरल टूल्स दूसरा क्या हुआ एडवर्टाइज मैं बोल रहा हूं ये लास्ट आंसर है अगर ये याद रख लिया आपने आपका काम खत्म बताया बट यही डिफिकल्ट है मैं आपको पहले से लिखा था पहले से बता रहा हूं मैंने पहले भी बताया था आपको मैंने शेड्यूल अकेला है जो बट है बट रटना पड़ता है पर ये रट के हो जाता है बस इसको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है सेटल वे से काम करना पड़ता है तीसरा सिनारे होने के बाद चौथा सिनारे सर वापस क्या हो रहा है पेमेंट कर रहा हो सर पेमेंट किसको कर रहा हूं पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट सर किसको ओशन ट्रांसपोर्ट ओके okay, अच्छा मैंने बताओ ओशन ट्रांसपोर्ट को कौन पेमेंट कर रहा है पढ़ो 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 कौन कर रहा है गवर्नमेंट और पीसीएफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू दोनों ये कर रहे हैं सर क्या कर रहे हैं वापस आते हैं पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ओके okay, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट करना है और वो क्या करना है ओशन ट्रांसपोर्ट बाय किसने गवर्नमेंट और पीएसयू ऑन पी बेसिस फ ओ FOB एंड ये है कंसाइनमेंट वैल्यू जो आपका कंसाइनमेंट वैल्यू सी आई एफ होते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू के ऊपर देते हैं एफ ओ बी ओके मतलब जितना आएगा ऑन बोर्ड उसके हिसाब से सी आई एफ जितना अपन उतारेंगे उसके हिसाब से ओके okay, अब देखो ये जहाज रही है अभी आपका है ना थोड़ा सा जब जीएसटी चालू होगा उसमें ये चीजें मालू पड़ जाएगी एफ ओ बी क्या होता है सी आई एफ क्या होता है जीएसटी में ये सबसे ज्यादा काम करेगा जीएसटी जो फर्स्ट दिसंबर से तुम सुबह मतलब अपने टाइम स्लॉट में जो करने वाले हो ओके okay, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको मानना पड़ेगा ये सब एफ ओ बी क्या वैल्यू क्या होती है सीआईफ वैल्यू क्या होती है तो एग्जांपल मैं अभी जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं सपोज ये जहाज आ रहा है मैंने इंपोर्ट किया यूएसए जहाज आ रहा है तो इसमें गुड्स होंगे गुड्स होंगे गुड्स होंगे इनकी कुछ वैल्यू निकाली जाती है ओके okay, इनके ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है जब ये इंडिया में आते हैं तो क्या फ्री में आते हैं या कस्टम ड्यूटी लग के आती है कस्टम ड्यूटी तो सी वैल्यू एफ वैल्यू इसमें कुछ में कस्टम ड्यूटी निकाली जाती है किसमें कस्टम ड्यूटी रखी जाती है ये क्राइटेरिया होता है कितना कुछ गुड्स अनलोड हुआ है डाउनलोड हुआ है ये कंटेक्ट हो जाता है कंसाइनमेंट वैल्यू तो आप इन शॉर्ट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कंसाइनमेंट वैल्यू एफ ओबी एफ छोड़ दो अभी के लिए ओके okay, तो बाद में डिस्कशन करूंगा लेकिन सीआईफ वैल्यू के सीआई बेसिस पे है अगर आप सी बेसिस पे कर रहे हो तो इस केस में आपको किससे पूछने की जरूरत है किससे पूछने की जरूरत है सीजी से अब क्वेश्चन है ये सर ये क्या पेमेंट ये समझा नहीं मेरे को पेमेंट कौन सा पेमेंट है ये पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट ये पेमेंट किसका है ये पेमेंट किसका कर रहे हैं अच्छा तीसरे में पेमेंट किसका कर रहे चार्टर की वेसल जो किया उसका पेमेंट कर रहे है तो चौथे में किसका पेमेंट कर रहे है रीड मारो और मेरे को बताओ ऑफ इट इम्पोर्ट गुड्स का पेमेंट कर रहे है वेसल यूज का इम्पोर्ट का पेमेंट करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुम समझ रहे जो वेसल यूज कर रहे हैं ना वेसल करने का जो पैसा दिया जा रहा है उसकी बात चल रही है, है। तो आप जब वो देते होके okay, हो, okay, एक बोलेगा वजन के बेसिस देता हो एक बोलेगा उसकी जो वैल्यू होगी जिसके कस्टम ड्यूटी मिला के होगी उसके ऊपर देता हो यह सब प्रोमिशन वैते हैं तो आपको इसमें अप्रूवल लगेगा किसमें अप्रूवल लगेगा CIF में. अगर एफ ओ भी बेसिस है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है आत्मा क्लियर एवरीबडी तो एफ ओ भी मतलब इन शॉर्ट कस्टम ड्यूटी के बिना वाला खाली वैल्यू है नेट वैल्यू ओके okay, तो एक्जाम्पल बता दो छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे भी देता हूँ आपको ओके okay, तो अभी मैं शूज मैक्सिमम मेरे शूज है वो सब इम्पोर्टेट मतलब कोई भी मैं इधर से खरीदता हूँ क्योंकि शूज ही मेरे नंबर के आते ही नहीं है बारह नंबर के ओके okay, तो एक फुट का पैर है तो मेरा जो शूज आता है वो कस्टमाइज आता है कस्टमाइज मंगाता हूँ ये सारा बाहर से आता है अब मैं आपको बताऊँ एक एक एग्जाम्पल बोलता हूँ एक शूज अगर मैंने पेमेंट किया होगा तेरह हजार मैं बताता हूँ जब डब्बा घर पे आता है उसके ऊपर लिखा होता है दस हजार सात सौ जबकि मैंने पेमेंट कितना किया होगा तेरह हजार साढ़े तेरह हजार चौदह हजार ऐसा क्यों होता है कस्टम ड्यूटी तो गुड्स की वैल्यू कितने की है साढ़े दस हजार ओके कस्टम ड्यूटी में ला के कितना और तेरह हजार अब जो फ्रेट वेसल लेके आ रहा है वेसल जो लेके आ रहा है अपने को उसने किस बेसिस पे चार्ज करना चाहिए समझ में कुछ आया तो उसने दस हजार रुपए चार्ज किया अपने को वर्थ है लेकिन तेरह हजार किया कस्टम ड्यूटी पे कैसे चार्ज करेगा तो आने के बाद है ना सीआईफ तो और एफ ओबी में ये येक्ट होता, ये होता है तो अलग वैल्यू के अलग 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 वैल्यू निकालने तरीके कौन से इसमें वैल्यू रहेंगे कौन से इसमें तो अगर पूरा ओवरऑल वैल्यू फ्रेट ऑन बोर्ड फ्रेट ऑन बोर्ड उस वेसल के बेसिस पे काम करता है तो ये पॉइंट आपको मतलब आप वरी नहीं है लेकिन सीआईएफ कंसाइनमेंट उतारा उस टाइम की वैल्यू पे कर रहे हो तो आपको किससे पूछना पड़ेगा

दूसरे वेसल के लिए रुकते हैं। और वापस बोल रहा हूं कौन सी कंपनी चल रही है अगर आप देखोगे सेकंड थर्ड फोर्थ में सब कौन सा चल रहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चल रहा सब में समझ में आ रहा है प्राइवेट पब्लिक के लिए कोई लेना देना नहीं पर ये पैसा किसके लिए दिया, रहा किस लिए दिया रहा जा रहा है ओशन ट्रांसपोर्ट पैसा किसके लिए दिया जा रहा है ओशन ट्रांसपोर्ट भारत माता की जय एवरीडे क्लियर ठीक है पांचवा पॉइंट पढ़ के बताओ किसके लिए पैसा दिया जा रहा है पैसा किसके लिए दिया जा रहा है बताओ कौन किसको दे रहा है क्वेश्चन ये देखो कहीं ना कहीं ये एज्यूम करो ट्रांजेक्शन इंडिया में होना चाहिए और बाहर होना चाहिए तो कौन किसको दे रहा है यार इंडिया कोई तो बाहर दे रहा है किसको दे रहा है एजेंट को अब इंडिया वाला कौन है मल्टी मॉडल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यानी एग्जांपल एक ऐसी कंपनी होगी जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में बिजनेस कर रही होगी एग्जाम्पल ओकेज okay, ये एयर सर्विस भी दे रही होगी एयर सर्विस के साथ भी टाइप होगा वो वे वेसल के साथ भी होगा ये सर्विस दे रही होगी आत्मा क्लियर अब मेरे को बताओ एजेंट अब्रॉड को ये लोग कमीशन क्यों देंगे वहां पर सर्विस प्रोवाइड अच्छा मेरे को बताओ ऐसा कुछ पॉसिबल है उधर यूएस से कुछ इधर अपनी इंडिया में ओके okay, कुछ आ रहा होगा गुड्स अब मेरे को बताओ यूएस वाली जो कंपनी है उसको इंडिया में जब गुड्स भेजना होगा ओके वो वेसल सिलेक्ट करेगी पॉसिबिलिटी ऐसा उधर की सिलेक्ट करे लेकिन आपको लगता है वो कंपनी ऐसा ढूंढेगी वैसल कौन है या एजेंट दिखेगी एजेंट अब वो एजेंट क्या कर सकता है एजेंट उधर की लोकल वैसल बता सकता है या तो इंडिया की वैसल बता सकता है जो सस्ता देगा तो मेरे को बताओ वो किसका सजेशन करेगा सस्ते का नहीं करेगा उसको कमीशन जित मिलेगा उसका करेगा अब मेरे को बताओ क्या वो मेरा सजेशन दे सकता है और मेरे थ्रू काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट

और ये ये किसके लिए प्रॉब्लम है कंपनी के लिए इंडिविजुअल के लिए, लिए किधर प्रॉब्लम है अब क्वेश्चन है नेहा जो ये खर्चा करेगी वो उसकी ढाई लाख की लिमिट होगी लेट नेहा डील अच्छा मेरे को बताओ लाख के ऊपर रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा आरबीआई का अप्रूवल मिनिस्ट्री से आसान आरबीआई का अप्रूवल है मिनिस्ट्री से आसान आरबीआई का अप्रूवल है मिनिस्ट्री का अप्रूवल थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जाता है मैं आपको बता रहा हूं मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट आ जाता रही गवर्नमेंट जिधर आ गया तो गवर्नमेंट का प्रोसेस गवर्नमेंट के प्रोसेस है आरबीआई के प्रोसेस नहीं है लेंदी नहीं, ऐसा ऐसा प्रोसेस एकदम है और वो क्या है इंडिविजुअल की प्रोसेस है ना रे तो मेरे को बताओ इंडिविजुअल को हरेसमेंट ज्यादा होगी क्या किसको ज्यादा कंप्लें होगी किसका डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा कंपनी का तो कंपनी ने क्या करना चाहिए ऐसी दो ये आगे ट्रांजेक्शन करेगी समझ में कुछ आ रहा है लॉजिक अच्छा मेरे को बताओ क्या मैं ये कर नहीं सकता ऐसे मैंने बोला कर सकता हूं लेकिन परमिशन लगेगी किसी की मिनिस्ट्री की मैं खाली बोल रहा हूं कि आसान करने के लिए तरीका क्या हो सकता है लेकिन ये अपने समझा है एग्जाम में मत लिखना आसान करने के लिए ऐसा ऐसा कर सकते नेहा को कमीशन देने का दे। समझा ना तुम आगे ज्ञान मत चेपना समझाते जा रहा हूं ओके यानी मां कसम तुम तो मरवा डालोगे इधर ओके okay, इधर अगर मैंने बोला था ओके okay, यहाँ पर रेमिटेंस कमीशन ये ये भाई साहब भाई साहब सॉब ये दे ही नहीं सकते कमीशन ऐसा क्वेश्चन आया रिलायंस ने इन्वेस्ट किया ओनली ओन सब्सिडरी में

होप यू अंडरस्टूड नहीं अंडरस्टूड तो ठीक है देखेंगे देखो या तो आप किसी और से सीखो समझ रहा है? देखो अगर कोई दूसरा फेल हुआ उससे सीख जाने का फेल क्यों हो रहा है या खुद से सीखने का आप देखो आइदर यू लर्न फ्रॉम अदर्स और यू बिकम एक्सपीरियंस फॉर अदर्स वॉट इज बेस्ट फॉर यू यू डिसाइड तोड़ मैन ओके okay, भाई साहब पांच नाम बताओ मेरे को क्या क्या अगर आप देखोगे ओके okay, आप देखो एक थोड़ा सा आसान चीज क्या होगी ओके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रांसपोर्ट थर्ड ओशन फिफ्थ कौन सा मल्टी मॉडल एवरीडी क्लियर ओके और यहां पर सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर देखे तो पीएसयू गवर्नमेंट यहां पर पीएसयू गवर्नमेंट नहीं है पांचवें में पांचवे में सारी कंपनी को सारी कंपनी को कंपनी कौन सी कंपनी मल्टी मॉडल वाली भारत माधक कीजिए झेपा के मालिक थोड़ी सी और मेहनत मालिक ओके और दो पॉइंट दो तीन पॉइंट तक। थोड़ी सी और मेहनत थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए मतलब किसके लिए आगे देखोगे तो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर बाय टीवी चैनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या होता है हायरिंग चार्जेस रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस मतलब क्या कोई मतलब समझाओ मेरे को अगर आप देखोगे तो इधर इतने सारे मतलब निकले मतलब इतने सारे मतलब समझने पड़े तब जाके शेड्यूल समझेगा रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस किसके ट्रांसपॉन्डर मतलब कौन टीवी और आईएसपी आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या होता है ब्रॉडकास्ट एग्जाम्पल अब मेरे को बताओ आपके अपने इधर इंडिया में सोनी चैनल आ रहा है सोनी अभी सोनी ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा एवरीबडी ओके ये ब्रॉडकास्ट करने का ओके okay, इसके लिए आप जो हायरिंग चार्जेस देते हो दैट इज कॉल्ड ए ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसफॉन्डर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसफॉन्डर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसफॉन्डर क्यों देते हैं मैं बोल रहा हूँ मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात ही नहीं की है तो कोई भी ऐसा इंटरप्रेट मत करना एडवर्टाइज करना है टीवी पे या इंटरनेट पे चोमे वो सेकंड में गया समझा तो सर फिर ये क्या है टीवी सीरियल मूवी इंडियन मूवी वांट टू तो बी ट्रांसपोंडेड इन अ यूएस चैनल और इट नीड टू तो बी ट्रांसपोर्टेड विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच इज आउटसाइड इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन जो गूगल एमेजॉन ये सब अमेजोन वो घर पे आता वो डिलीवरी वाला नहीं उनके खुद के सर्वर के डब्बे है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप उनका स्पेस लेना चाहते हो डब्बे का स्पेस स्पेस मतलब उधर का स्पेस मालूम है ना वो सैटेलाइट के थ्रू होता है ये सब। अगर आप बाहर दे रहे हो तो आपको परमिशन लगेगी किसकी सीजी की भारत माता की जयपा के मालिक अरे ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उनसे पूछिए ना पहले क्योंकि ये ऐसा होगा ये देखो कितना भी रहा उधर देखो ओके पिक्चर को बाहर ये करना है इसका कॉन्टेक्स क्या है इसके ऊपर डिस्कशन आएगा ओके तो याद रखना अगर मैं बोल रहा हूं एडवर्टाइजिंग ओके वो सेकंड में टीवी पे ऐड देनी है ओके अगर टीवी फॉरेन प्रिंट मीडिया के कॉन्टेक्ट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब वो कुछ प्रिंट कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा प्रिंट वाले कुछ एलिमेंट में लेकिन वो प्रिंट नहीं करता खाली ब्रॉडकास्ट करता है तो फिर चीजें चेंज हो जाएगी क्योंकि फिर आप वो टाइम लेते हो मानो मै ना एडवर्टाइज भी आया तो टाइम okay, तो मिलता है मानो मै ना ओकेज वो एडवर्टाइजमेंट के लिए टाइम मिलता है इट डिपेंड्स ऑन द दर्कमस्टें तो आप अगर हायरिंग चार्जेस पे ये कर रहे हो क्लियर कट वर्डिंग हो होगी हायरिंग चार्जेस देखो आ, दो तरीके मैं वापस बता रहा हूं एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ करो ओके okay, और ये चीज दिमाग में क्लियर बढ़ाओ क्योंकि बहुत तोड़ कंफ्यूजन हो जाता okay, है ओके बादजाम्पल लेते हैं ओकेज मैं डायरेक्टली उधर टीवी वाले के साथ कनेक्ट करता हूँ यूएस का कोई तो सोनी होगा मैं उनसे कनेक्ट और मैं बोलता हूं मेरे को एडवर्टाइज करना है अब ये मैंने उनको उन्होंने बोला एडवर्टाइज करने के पैसे नहीं होंगे तो, तो, तो आपको अप्रूवल लगेगा लेकिन आपने उधर एजेंट को पकड़ा और एजेंट को बोला भाई मेरे को एडवर्टाइज करना है और एजेंट सब एडवर्टाइज कर रहा हैं और वो फॉरेन प्रिंट वगैरह में कर रहा है तो अपने कोई दिक्कत नहीं है न्यूज हो गया मैगजीन हो गया कोई दिक्कत नहीं है हायरिंग चार्जेस रहा तो यू नीड टू टेक केयर ओके मूवीज मूवीज जाती है मान सूर्यवंशम आपने देखी होगी ओके नहीं देखी होगी तो सेटमैक्स चालू करो दिख जाएगी तो सूर्यवंशम के लिए हायरिंग चार्जेस कितना गया होगा ओके पर ये ऐसा होता है अपने इंडिया में कैसा होता में है मान राइट्स बेचते हैं और चैनल वो राइट्स खरीद लेता है और वो डिस्प्ले करता है दिस इज ऑल द थिंग्स वर्क बट टेक्निकली हायरिंग चार्जेस का पॉइंट दिया हुआ है तो आप याद रखना हायरिंग चार्जेस में मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री फॉर था क्या बचपन में नहीं रहेगा शायद क्योंकि आप बॉर्न हुए तब तक तो कहानी खत्म हो गई हमारे बचपन में ऐसा था ओके तो जगह थम्स अप मिलती थी या पेप्सी मिलती थी ओके तो पहले प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज होती थी कांच की होती थी तो हम लोग क्या करते थे दुकान से कांच की बॉटल लाने का ओके घर पे खोलने का और कांच की बॉटल वापस देने का अब वो आती थी कुछ सात या आठ रुपए की पेप्सी लेकिन वो लोग दो रुपया

Uh, कॉफी का कौन सा ब्रांड है वो कॉफी uh, uh, हाँ नहीं 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 ब्रू नहीं वो बॉटल मंगातेरेंटियर का, का, कैरेंटियर कैरेंटियर कॉफी आती है ना घर पे वो बॉटल की काच की बॉटल अमीर नहीं है इसलिए मालूम नहीं मेरे को हाँ कॉन्टिनेंटल होगा मेरे को नाम नहीं पता मेरे को कैवेंटियर एक कैवेंटियर करके ब्रांड है कॉफी का जो डिलीवरी देते हैं पी एफ से भी है फ्रोजन फ्रोजन करके कुछ है आप जोमेटो पे देखोगे तो आइडिया आएगा पर देखो मत अमीर लोग के चाहते हैं वो अपन क्या है दुर्गा में ठीक है अपन गए दुर्गा कॉफी ओके अपने लिए बेस्ट है तीस रुपए में कॉफी हो जाती भाई और उससे भी सस्ती चाहिए तो बाहर इधर है भाई दस रुपए में कॉफी ओके किसी ग्लास मिल जाती आ, नशा आ जाता वैसे कॉफी इज नशा ओनली तो अमीर लोग के घर पे जाओगे तो कैवेंडियर की बॉटल फ्रोजन की बॉटल उनकी बॉटल में मनी प्लांट हुआ होगा और अपने वाले लोगों में वो पेप्सी की बोतल या वो छोटा सा कुछ बोतल रहेगा उसमें मनी प्लांट डाला होगा झाड़ के इधर से उग रहा होगा फिर कोई आके बोल रहा हो अरे बहुत पैसे है तेरे पास फिर कुछ आँगे। आँगे। ना आँगे। जितना मनी प्लांट बड़ा उतना पैसे ज्यादा साला है कुछ नहीं एक काम करिए झाड़ ले अपने पैसे लेकिन ठीक है टेक्निकली ऐसा ही है जो भी है तो जो डिटेंशन चार्जेस होते हैं ना मालिक डिटेंशन चार्जेस ये डिटेंशन चार्जेस अपन जब इंपोर्ट करते हैं तो भी होते हैं अब मेरे को बताओ अगर मैंने कुछ इंपोर्ट किया इंपोर्ट किया ओके यूजुअली इंपोर्ट करते भी ऐसे डिटेंशन चार्जेस रखते होंगे वो लोग एग्जांपल अगर मैंने कुछ माल मंगाया तो बॉक्स बॉक्स होगा हम एक्स्ट्रा लगाएंगे मैं बोला मेरे को बॉक्स नहीं चाहिए तो बोले ठीक है बॉक्स लेके जाओ और डिटेंशन चार्जेस दो जिस दिन बॉक्स वापस रिटर्न कर दोगे हम वो डिटेंशन चार्जेस आपको दे देंगे समझ में आया क्या मालिक अगला पढ़ाओ उसके ऊपर सातवा पॉइंट सातवा पॉइंट देखिए रेमिटेंस ऑफ क्या लिखा है कंटेंशन कंटेनर है ना रेम ऑफ कंटेनर कंटेनर डिटेंशन चार्जेस मिला ना मालिक ओके कंटेनर डिटेंशन चार्जेस इफ इट इज एक्सीडिंग रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय कौन डायरेक्ट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ओके ऑफ शिपिंग अभी ये रेट प्रिस्क्राइब आपको दिया नहीं है ना ये क्योंकि ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये भी अगेन अगेन ये है चेंज होते रहता तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। question में दिया जाएगा जाएगा क्वेश्चन में दस रुपया पर बॉक्स था और आपने टोटल तेरह रुपए पर बॉक्स दिए क्या मुझे अप्रूवल लगेगा यस दस रुपए पर बॉक्स था और मैंने तीन रुपए पर बॉक्स दिया नहीं लगेगा पर कर, ये कर सकते हैं ओके यानी एग्जांपल मैंने गुड जो मंगाया उसके तो पैसे दे ही रहा हूं साथ में वो बॉक्स के भी पैसे दे रहे हो तब लॉजिक बेटर है मालिक एवरीबडी क्लियर याद रखना ये कोई बाहर वाला दे रहा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ओके okay, दोनों 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 का लॉजिक लगा देना आत्मा क्लियर एवरीबडी क्लियर पक्का रेमेडेंस ऑफ कंटेन कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पक्का कंटेनर डिटेंशन चार्जेस आठवा पॉइंट पढ़ लो सबसे तोड़े और मुझे कोई आंसर बताओ और इसका सोलूशन भी दो ये कर सकते कि नहीं कर सकते लास्ट है समझ नाइन्थ वाला टेंशन नहीं है नाइन्थ वाला एकदम आराम से हो जाता खत्म है लास्ट क्या बोल रही है क्या रोक लगाई गई है सर रिलायंस है उसको आईपीएल पी स्पॉन्सर करना है ओके दुबई में कर सकती क्या कर सकती क्या आईपीएल के लिए 500 करोड़ डॉलर लगने वाले किसका अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री का कंफर्म अप्रूवल क्योंकि आपने वही पढ़ा भी जो पढ़ा है समझ में आया कितने तक वो बिना पूछे कर वन लाख डॉलर वन लाख के ऊपर रहा तो अप्रूवल गया लेकिन बिना मिनिस्ट्री के अप्रूवल के करोड़ों रुपए कौन खर्चा कर सकता है इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज कौन हुए ये?

बहुत प्रॉब्लम है और बीसी अपना ऐड करेगी रिलायंस का टेंशन मत लो आप बोलोगे सर ऐड नहीं होगा अपन बाहर अरे सब लगाएगी भाई बीसी से आप बोला पैसा लाओ हमको स्पोर्ट्स करवाना है सबसे अमीर और भाई कंट्रोलिंग अभी अमित शाह के पास ही तो है वैसे भी आ, कौन सा क्या अलग के पास है ओके मालूम है ना भाई।, भाई मस्त है भाई क्रिकेट भी खेल रहा वो अच्छा है बेसिक कंट्रोलिंग पर्सन अच्छा है अपने अच्छा है चल रहा है ओके नो कमेंट बट टू बी वेरी प्रिसाइज लॉजिक समझा के लास्ट वाला एवरीबॉडी पक्का जेपा ओके ये याद रखना ओके एवरीबॉडी क्लियर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आर्ट आर्ट बता दो मेंबरशिप ऑफ रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ नाइन्थ 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 सॉरी रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब मतलब ऑफ मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब एन ए क्लब पी एन ए क्लब क्या होता भैया प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस क्लब होता है ये क्या क्लब होता है ओके okay, जब अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ना ओके okay, तो ये क्लब के अगर मेंबर्स रहे अपन तो अपने को इंश्योरेंस थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है इंश्योरेंस इजी मिलता है इजी एक्सेस होता है तो इनकी मेंबरशिप ली जाती है पर ये किसको काम का है आपको और मुझे काम का नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्टर मेनली एक्सपोर्टर और बाइचान्स अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है सामने वाला बोलेगा गुड्स की जिम्मेदारी तेरी तो फिर उस केस में अपने को लेना पड़ता है बट बट रेयर होता है है टू द इसकी मेंबरशिप होती तो ये अगर मेंबरशिप ले रहे हो प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस ओके okay, ये मेंबरशिप के मेंबर बन रहे हो आप तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा ओके इन शॉर्ट ओके ऐसा है कि आप इंडिया से इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते रेदर देन यानी इंश्योरेंस ये क्लब का मतलब ये अदर अदर कैटेगरी में चला जाता है ओके और याद रखना अच्छा पीएनआई क्लब अगर इंडिया का है तो कोई दिक्कत है क्या यही मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है अगर रुपीज में दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है? ये सब जा रहा है इसके लिए तो ये नौ पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर ये नौ पॉइंट में जो नहीं होगा वो फ्रीली वो आगे के चार पॉइंट में नहीं होगा वो फ्रीली तो मेरे को बताओ तो करंट के लिए कितने याद रखना है याद रख करंट के लिए पहले याद रखेगा आठ प्रोहिबिटेड मेरे को नहीं लगता वो याद रखने में दिक्कत है क्योंकि उसका तरीका एकदम क्लियर था पांच दो एक क्लियर रहेगा इसके बाद कहते हैं आरबीआई आरबीआई में RBI में कितने पॉइंट है? चार वो चार बहुत आसान है पैसा गया कमिशन तीसरा, कंसल्टिंग चार्जेस बहुत इजी है इंफ्रा एंड अदर एक करोड़ एंड दस लाख एंड चौथा पॉइंट है चार एकदम आसान थे. जो है दिक्कत किसमें है ये शेड्यूल टू में शेड्यूल टू को थोड़े से आपको शेड्यूल टू में अपने नौ अब मेरे को बताओ नौ में से पहला और दूसरा पहला और लास्ट वाला तो गया पहला कौन सा टूर कल्चरल और लास्ट वाला कौन सा पीएनआई कहानी खत्म का कर दो तो, यानी नौ में से दो तो, दो तो तुम्हें ऐसे ही याद रख सकते हो ओके okay, तो कितने याद रखने हैं सात सात में से अब थोड़ा टेक्निकली ध्यान रखना जो पीएससी के रिलेटेड है वो सेकंड थर्ड फोर्थ है जब मैं पीएससी बोल रहा हूँ हो, हो सकता उसमें है उसमें गवर्नमेंट भी आए हो सकता उसमें है उसमें स्टेट गवर्नमेंट आए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ अगर आप देखोगे सेकंड वॉज विथ एडवर्टाइज पीएसयू के लिए थर्ड वॉज विथ फ्लाई फ्रेट वेसल नेक्स्ट इज ओशन ट्रांसपोर्ट एवरी क्लियर अब अगर ट्रांसपोर्ट के निकाले तो तीन है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो थर्ड कौन सा वाला है 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 ट्रांसपोर्ट फ्रेट उसके बाद है ओशन, और उसके बाद बाद ओशन और मल्टी मॉडल okay, तो इस तरह से वो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा भाई तो अगर कॉम्बिनेशन याद रखने की कोशिश करोगे तो ध्यान रह जाएगा ओके okay, वैसे देखो एक है कि आप नौ के नौ पॉइंट ऐसे रट लो हाँ भाई ये 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 ठीक है ये रटना नॉट ए बिग डील मतलब ऐसा है कि आप दस बार रीड मारोगे ग्यारहवीं बार तो एटलीस्ट उसका सिक्सटी परसेंट तो हो ही जाएगा पर प्रॉब्लम इसका एक ऐसा है, है कि इसका रटना खाली की वर्ड देखो इसमें मैंने रटते वक्त कोई दिक्कत थी क्या अपने को? क्योंकि ना इधर भी इजी इधर भी है, ये ये है, है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम है रट भी लिया ना तुमने आगे की कहानी में दिक्कत आती है तो इसीलिए ओके डेफिनेटली आप एक बार लिखोगे आप करोगे वापस लिखोगे करोगे लेकिन मैं आपको तरीका एक बता रहा हूं अब ये तरीका कैसा है अगर मेरे को आपने पूछा कोई आंसर तो मैं कैसे याद रखता था <coughs> मैं जो याद रखता था मैं वैसे याद रखता था सबसे पहले तो मैं पहला और लास्ट याद रखता था और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है भले एक्सटेंड है भले एक्सटेंड है मैं आपको बता रहा हूँ तीन साल पहले दो दो ढाई साल पहले जो पढ़ाना छोड़ा था अभी भी वही है मतलब नो चेंज इन दिस अभी तक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ मतलब दो में जो पढ़ाया था मैंने अभी भी मैं आपको वही पढ़ा था आपको रिविजन दिखा भी मतलब वो लिंक भेजूंगा तो आपको आइडिया जगा तो यही तो पढ़ा रहे हो आप यही नो चेंज किस में भी चेंज नहीं अभी तक ढाई लाख तब से ही है अभी तक मतलब पर वो रहता. मतलब करंट ओके okay? जैसे मैंने आपको बताया हो सकता है कल वाले इसमें चेंजेस हो पर वो अपना जो स्ट्रक्चर है ओके चेंजेस किसमें आए सर मालूम है क्या ओके okay? फॉरेन अगर आप इसको ईसीबी बीच सुना हो शायद किसी ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स

बाकी तो मैंने देखा भी नहीं था बट ये है पर मैं कैसे याद रखता हूँ सर शेड्यूल टू को एटलीट देखो शेड्यूल वन याद रखने का तरीका क्लियर शेड्यूल थ्री भी इजी है आराम से चार पॉइंट मैंने आपको बता दिया डोनेशन याद रख दूसरा याद रख कमीशन तीसरा याद रख कंसल्टिंग एंड चौथा याद रख एक्सपेंसेस नंबर ही याद जाते हैं अब आता है शेड्यूल टू को कैसे याद रखने सबसे पहले याद रखना पहले और लास्ट वाला उठा दे उसके बाद याद रख पीएसयू के कितने पॉइंट तीन पीएसयू के कौन से तीन पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट करना ओके फ्रेट के चार्जेस जो चार्टेड है उसके बाद है ओशन फिर मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट के कितने पॉइंट है तीन कौन से कौन से अगर देखो को याद है मॉडल के कौन से ट्रांसपोर्ट है पहला पॉइंट है फ्रेट दूसरा है ओशियन ट्रांसपोर्ट और तीसरा पॉइंट है मल्टी मॉडल क्लियर इसके अलावा भी अलग अलग क्या क्या है एक है स्पोर्ट्स वाला मेरे ख्याल से वाला तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए बहुत आसान है साला कंट्री अपनी कंट्री स्पोर्ट्स ही है तो स्पोर्ट्स का कुछ प्रोग्राम मुझे बाहर स्पॉन्सर करना है कर सकता हो क्या एक लाख तक एक लाख के ऊपर करना है तो अप्रूवल ओके लेकिन किसको ही अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है

ओके एक्स्यूम करते हैं थम्सअप की बॉटल एक्सपोर्ट की ओके कितने की बॉटल थी वो आठ रुपए की थम्सअप था लेकिन मैंने दो रुपए एक्स्ट्रा लिया कितना लिया मैंने मतलब दस रुपया लिया तो दस फॉर एक्सचेंज आया गवर्नमेंट खुश उछल रही दस रुपया दो वापस देना पड़ रहा तो उनको फिर वो एप दो कितना आप ले सकते हो वो डायरेक्टर डीजी फाइनेंस जो बताएगा ना वो बता पाएगा आत्मा क्लियर ओके इसके अलावा एक और एक नाम याद रख हायरिंग चार्जेस कौन सा चार्जेस मेरे वापस ये कौन सा चार्जेस बात खत्म सारी चीजें खत्म है तेरे पास तो ये अगर तू देखेगा तो ये पॉइंट तेरे को ध्यान रखना होगा आत्मा क्लियर है कह रहे बस अब मेरे को बता नौ पॉइंट कैसे याद है? सबसे पहले दो पॉइंट बता बता नोट्स में मत देख, दो पॉइंट कंसल्ट कौन सा कल्चरल ट्रूस पीआ क्लियर बाद में रखो फिर मेरे को बताओ तीन पीएसयू के लिए ओकेज पहलाइंट है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट अदर देन अदर देन अदर देन अदर देन तीन चीजें टूरिज्म इन्वेस्टमेंट And और क्या है इंटरनेशनल बिडिंग, ओके लिमिट है एक लाख ओके okay, और ये किसको एप्लीकेबल गवर्नमेंट, दूसरा ओशन ट्रांसपोर्ट ओशन ट्रांसपोर्ट क्या अच्छा सॉरी सॉरी एक लाख नहीं है छोटी लिमिट है एडवर्टाइजमेंट कितना कर सकते हैं लोग दस हजार दस हजार लिमिट दस हजार दूसरा पॉइंट ट्रांसपोर्ट एवरीबडी क्लियर लेकिन ओशन ट्रांसपोर्ट में आपको ध्यान रखना है okay, ये कौन से बेसिस पे सीआईएफ

अब इसमें आप बोलोगे सर दो तो ऑलरेडी कवर हो गया मैं जानता हूं पर लेकिन अपन ट्रांसपोर्ट को ऐसे याद रखेंगे तो तीन लेकिन याद रखना तीन है लेकिन, लेकिन तो गवर्नमेंट मेंल्टी तो मॉडल कौन से -कौन से? है। दूसरा है ओशन और तीसरा है मल्टी मॉडल तो पहले दो किसके थे गवर्नमेंट लेकिन बचा कौन मल्टी मॉडल एवरी क्लियर फिर और एक याद रखो स्पोर्ट्स है कितने तक दे सकते हैं एक लाख ये इधर है, एवरीडी क्लियर एक है की ना okay, उसके नाम याद रखना पड़ेंगे okay, अब ये मिनिस्ट्री के नाम जब आप मैं आपको ये शीट भेजूंगा इसके आगे जब आप लिखोगे इसके आगे उसके नाम लिख देना शॉर्ट फॉर्म में मिनिस्ट्री कौन सी कौन सी है ओके okay, सर ये कहां पर मिल जाएगा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा नोट्स के इसमें आपको मिल जाएगा और इसके बाद जगा लिख लोगे उसके बाद अपन उसको अपडेट करेंगे किधर नोट्स लिखे, ये रहे तो पहले वाले इसमें अगर देखोगे तो मिनिस्ट्री कौन सी कौन सी है पहले इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी क्यू ह्यूमन रिसोर्स कल्चर दूसरा पॉइंट ओके मेरे को बताओ दूसरा पॉइंट में सीजी सीजील्ड ना रहे पीएससीड है मिनिस्ट्री ऑफ कौन है फाइनेंस ओके क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पीएससीड है अब याद रखना सेकंड वाले में एडवर्टाइज था थर्ड और फोर्थ अगर आप देखो ये ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट में क्या मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टर्ड विंग मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस अगला पॉइंट में याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजन है okay, में डाल देना क्योंकि ये एप्लीकेबल सबको है इसीलिए इधर क्या है रजिस्ट्रेन सर्टिफिकेट ऑफ डीजी शिपिंग अभी शिपिंग और एक जगह मिलेगा किधर है ओके okay, so, ये वाला इसमें डीजी शिपिंग जो बताएगा उसका पॉइंट है उधर आया मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ऐसा क्यों आया ओके okay, so, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट बाप या डीजी बाप मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस डीजी उसके नीचे लेवल पे है तो देख अगर मल्टी मॉडल है तो डीजी से पूछ मिनिस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है मल्टी मॉडल है किसे पूछ डीजी से पूछ ले मिनिस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है कंटेंशन डिटेंशन चार्जेस कितना ले सकता है डीजी ने जितना बोला उतना लेकिन उसे ज्यादा है तो मिनिस्ट्री के पास जा कुछ समझ में आया तो बस एक पॉइंट याद रखना मल्टी मॉडल के लिए किसको पूछने का डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और कंटेनर चार्जेस किसको पूछने का मिनिस्ट्री को यानी मिनिस्ट्री ऑफ सर्पेस तीन बार ही है लेकिन तीन बार दो वो पीएसयू वाले और एक कंटेनर डिशेंटर डी क्योंकि डीजी के ऊपर जा रहा ना और याद रखना और एक मल्टी मॉडल है वो किससे पूछ लेने का डीजे से ठीक है हायरिंग चार्जेस ओके ये कुछ भी याद नहीं आया तो टीवी के लिए कौन रे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन क्या ब्रॉडकास्ट यार और एक रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी आगे याद रहता तो ठीक है वर्स्ट केस में समझा रहा हूं भाई मिनिस्ट्री ऑफ पर मिनिस्ट्री लिखना पड़ेगा आपने को कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई और इसके बाद आता है स्पोर्ट्स वाला तो मिनिस्ट्री ऑफ वापस ऊपर वाला ह्यूमन रिसोर्स तो मेरे को ह्यूमन रिसोर्स कितने इसमें दो कल्चरल टूर एंड स्पोर्ट्स ओके एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब मेरे को पता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितने जगह है दो अगर आप देखोगे एडवर्टाइज एंड पीआई तो अब मेरे को पता मिनिस्ट्री ऑफ अब फटाफट बता देख मत तू नोट्स में देख मत ओके okay, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ ओके मिनिस्ट्री ऑफ ओके ह्यूमन रिसोर्स किधर किधर है पहला आखिर पहला और सेकंड लास्ट स्पोर्ट्स वाला अथवा क्लियर ओके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किधर है सेकंड एडवर्टाइज करना और पीआई क्लियर है बाकी बीच में तो सब मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाला बंदा और एक रहेगा एडवर्टाइज वाला ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकमिक टेक्नोलॉजी तो ये दो तो क्लियर है अब खाली बस फर्क इतना है कि मल्टी मॉडल रहा तो उधर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस मत लिखना ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ उधर लिखना हो डीजी जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ uh, शिपिंग आत्मा क्लियर और कंटेनर डिटेंशन है उधर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा क्यों हो रहा है नहीं उधर क्या है उधर क्या है डीजी का अप्रूवल हो ही ना पर डीजी के ऊपर अमाउंट गया तो मिनिस्ट्री है आत्मा क्लियर एवरीबडी तो आपका एक होमवर्क क्या रहेगा एक तो आप नोट्स बनाओगे आज शाम को कोई भी हालत है मेरे को कल चाहिए कोई भी हालत okay, तो ओके कल चाहिए आपका मेरे को तीन मतलब आप समझने का शुक्र हो मेरे को बाकी क्या नोट नहीं है मेरे को पी आर आई पी आर आई में इंटरेस्ट नहीं है अभी वो तो क्लियर है सबको ओके okay, मेरा इंटरेस्ट है शेड्यूल्स में मेरे को क्या चाहिए ओके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के कितने शेड्यूल दो उसके बाद एक लिस्ट चाहिए जो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए और एक लिस्ट चाहिए जो किसके ऊपर प्रोहिबिशन डाल ही नहीं सकते यानी कैपिटल की कितनी लिस्ट याद याद चार करन चार करंट की कितनी लेकिन लिखोगे कि कैसे शेड्यूल 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 फॉर इंडिविजुअल शेड्यूल थ्री फॉर नॉन ये मेरे को लिखा होना चाहिए आत्मा क्लियर अरे हा या ना कोई दिक्कत है क्या मालिक पक्का एक छोटा सा पॉइंट अभी दो तीन चीजें जो बची हुई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं सर आपने पता किया कि मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा कौन सी मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा अपने को अच्छा शेड्यूल टू में किससे पूछना पड़ेगा शेड्यूल टू में सीजी से सीजी मतलब मिनिस्ट्री हो गया ओके okay. और और शेड्यूल में किससे पूछना पड़ेगा आरबीआई अदर अदर देन देन इंडिविजुअल 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 की बात कर रहा individual, individual का छोड़ दो एक बार के लिए किसकी बात कर रहे हैं अपन अदर देन इंडिविजुअल सारी आत्मा मेरे साथ एवरीबडी ओके okay. बस आपको एक कुछ याद रखना है जो एग्जम्पन है पहला पॉइंट ओके एग्जाम्शन क्या है एग्जाम्शन क्या है किधर मैंने नोट बनाए रहे इधर नीचे सारी इधर देख लीजिए एक दो पॉइंट दो तीन पॉइंट आप याद रख लीजिए बस खत्म okay, सर अगर यहाँ पर जो आप ऊपर पैसा दे रहे हो अगर ये आपके आर एफ सी से दे रहे हो आर एफ सी का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन सा अकाउंट रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओके okay, आपके सारे ट्रांजेक्शन एग्जाम है करेंसी अकाउंट इसका इंटरप्रेशन क्या जाएगा आप, आपको क्या लगता है या नॉन रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट का रेसिडेंट का रेसिडेंट ना वर्ड किसका है, किसका है? और कौन से करेंसी में फॉरन करेंसी यानी ऑलरेडी एक्सचेंज करा के बैठा ना या तो उसने बाहर से कमाया होगा या तो एक्सचेंज करा के बैठा है तो मेरे को जब एक्सचेंज करा के बैठा है तो अप्रूवल की क्या जरूरत है ना शेड्यूल टू का अप्रूवल ना शेड्यूल थ्री का अप्रूवल कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए भारत माता की जय समझ में आया क्या तो कौन से इसे पैसा दिया अगर आपको क्वेश्चन आया कि कंपनी है उसका रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है और उसमें पैसा पड़ा था और उसने वो पैसा उसके लिए दिया और आपको लगता है अप्रूवल लेना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है अच्छा मैं पहले बता दू एक चीज लिमिट के नीचे तो अप्रूवल की जरूरत वैसे भी नहीं है तो ये फिर कब आएगा लिमिट के ऊपर रहा तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है समझ में लेकिन पैसा कहां से जाना चाहिए ऐसी अच्छा आत्मा क्लियर पक्का ओके और दूसरा नाम और एक है ई ई एफ सी नाम बोलो उसका पूरा एक्सचेंज अर्नर्स एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑल एग्जाम एक्सेप्ट ऑल एक्ज एक्सेप्ट ओके दो चीज एंड आई ये एग्जाम नहीं है एंड कमीशन ऑन फ्लैट मालूम है ना कितना था कमीशन ऑन फ्लैट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मालूम है ना ये एग्जाम नहीं है सर इसका मतलब अगर इस अकाउंट से मैं पैसा दे रहा हूं इस अकाउंट से अगर मैं पैसा दे रहा हूं और मैं पी एन आई क्लब की मेंबरशिप फी भर रहा हूं मुझे परमिशन लगेगी किसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझ में आ रहा है ओके okay, अगर इस अकाउंट इस में पैसा पड़ा है और मैं बाई चांस एग्जाम्पल बोल रहा हूं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी हूं और मैं एजेंट फीस दे रहा हूं मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है समझ में आया सर इसमें पैसा पड़ा है और मैं कंसल्टिंग फीस दे रहा हूं इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए पांच करोड़ मैं वैसे कितना दे सकता था एक करोड़ इसमें कितना पड़ा है पांच करोड़ डॉलर और मैंने पांच करोड़ देने हैं मैं इसमें से दे रहा हूं कोई पूछने की जरूरत है क्या नहीं लेकिन अगर मैंने फ्लैट बेचे मैं एक एस्टेट कंपनी रियल एस्टेट कंपनी ये अकाउंट है मेरे पास इसमें पैसा पड़ा हुआ पैसा पड़ा हुआ है लेकिन मैं पांच टक्का और पच्चीस हजार के ऊपर देना है तो पूछना पड़ेगा एवरीडे क्लियर पर पहले वाले इसमें पहले वाले इसमें अगर मेरे को पीएनआई भी देना है तो जरूरत नहीं है भारत माता जेप आ गया मालिक एवरीबडी हा या ना पक्का पक्का क्लियर है ओके okay, और अगर एक और एक कॉन्सेप्ट है एक आपको आता है इंटरनेशनल कार्ड आते हैं कौन से कार्ड आते हैं सर इंटरनेशनल कार्ड कौन से होते हैं इंटरनेशनल कार्ड मतलब जो इंटरनेशनल बैंक वगैरह ये है मैं वापस बोल रहा हूं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कौन से कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है मैं लिखी देता हूं क्रेडिट कार्ड है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है ओके okay, अगर इसमें से खर्चा किया है शेड्यूल थ्री वाली चीज के लिए कौन से चीज के लिए शेड्यूल थ्री मतलब कौन सा वाला आरबीआई RBI शेड्यूल okay, three no के लिए यूजरनेशनल कार्ड ज़्यादा ना कंपनी के नाम पर नहीं रहेगा ये किसके नाम पर रहेगा इंडिविजुअल अगर मैं जाता हूं और ढाई लाख के ऊपर खर्चा करता हूं किसमें से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड मेरे को किसे पूछने की जरूरत नहीं है आरबीआई आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है Is that point clear? अगर मैं इसमें से खर्चा कर रहा हूं शेड्यूल टू की चीजें मुझे मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा यस yes. आप इसमें एग्जाम नहीं एग्जाम खाली किसमें दिया हुआ है क्रेडिट के लिए कौन से वाले शेड्यूल चार कर सकता हूं खाली कौन सा ट्रांजेक्शन के लिए करंट लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रहा तो ओनर रहा तो ही उसकी लिमिट ले सकता हूं अच्छा मेरे को बताओ फॉरेन सिक्योरिटी की लिमिट कितनी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फॉर इनमेंट थ्री लैक्स मैंने इन्वेस्ट करना है अब मैं बोलू मेरा और आदित्य का मिलकर मैंने इन्वेस्टमेंट पांच लाख किया चलेगा क्या नहीं मुझे आ, आ, समझ में आ, रहा है एवरीबडी तो लिमिट के ऊपर तो किसे पूछना पड़ेगा आरबीआई ओके okay, याद रखिए आरबीआई का मालिक तो कंसोलिडेशन एक याद रखना कंसोलिडेशन इज वेरी इजी बस याद रखिए टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कुछ कंसोलिडेशन के टर्म्स एंड कंडीशन देंगे लेकिन कैट में कैट मैं जब करंट लिखता हूं तो यू आर आर लिखता हूं ओके कैट में कंसोलिडेशन ओके पॉसिबल ओनली इफ ओनली इफ पर्सन इज को ओनर और को पार्टनर समझ में कुछ आया को ओनर नहीं तो को पार्टनर होना चाहिए तो ही आप कंसोलिडेशन कर सकते हो भारत माता की जय। है जेपा मालिक कोई दिक्कत इधर तक पक्का ना क्लोज कर सकते हैं अपन तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक रेसिडेंट स्टेटस क्लोज हो गया कैपिटल क्लोज हो गया करंट क्लोज हो गया आत्मा क्लियर इसके अलावा दो छोटे छोटे सेक्शन है ओके, उसको अपन एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद क्लोज करते हैं ओके सर कौन सा सेक्शन बचा अच्छा मैंने कौन सा सेक्शन कवर किया फाइव और सिक्स कवर हो गया बचा कौन सा थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर क्या बोलता है ओके एकदम क्लियर कट रहेगा आप ट्रांजेक्शन बिना ऑथोराइज पर्सन के कर ही नहीं सकते वो एक ट्रांजेक्शन रहेगा और आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे वो अपन देखते हैं एक ब्रेक के बाद एवरीडेडी क्लियर एंड डेरेक्टली क्या है ना सेक्शन 128, 128 उसकी शुरुआत आज कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू करते हैं गलत है यार मैं तेरे खाने के लिए तो मेरे भाई और बहनों कहानी को छोटा सा पॉइंट ए बंद हुआ क्या नहीं नहीं चालू नहीं था चालू था मैं इधर का ही लगा था अभी जो देख अभी अभी तेरी वजह से अभी यही लगेगा तो जो बाकी सबको प्रॉब्लम आएगी ना वो सिर्फ की वजह श्रेया की वजह से ठोको किसको फीवर है, ये है। सर नॉट वेल फीवर सर मैं जब वो सही नहीं लग रहा है नहीं सर नॉट वेल ओके लेट आया कोई अरे क्यों लेट आया सर नॉट वेल well, सर एक, इधर से क्या आवाने वाली है मैं ओके तो भाई और बहनों ओके फेमा का एक छोटा सा पार्ट जो बचा है वो दैट इज योर सेक्शन थ्री एंड फोर सेक्शन थ्री एंड फोर पर्सन के साथ कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो बताया हुआ है ओके okay, अच्छा मेरे को एक चीज बता दो अगर मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर बेवड़े लोग अगर मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है मुझे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करना है तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं या मुझे ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही करना पड़ेगा ये तो अपन ने पढ़ा दोनों के केस में याद रखना इधर पॉइंट क्लियर ओके तो अब सवाल उठता है ये ऑथोराइज पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन जो करना है वो कैसे किस कर, गवन में रखता है दे दो ना दे दो ओके okay. सर so, याद ही नहीं रहता मेरे यार एक दिन मर जाएगा सर इसमें बिना कुछ किए अरे इधर रहता है पर वो पौने बजे आता है ना और यूजुअली ब्रेक का टाइमिंग बराबर मैंने वैसे ही रखा था लेकिन वो आगे पीछे ही हो रहा है अपना आ, होता है समय समय की बात अभी अपने क्लास में श्रेया, श्रेयस ऐसे लोग मतलब आप, आप नहीं ये वाले आप नहीं ये वाले ऐसा <laughs> 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 आगे है ना आगे क्या क्या? आगे नहीं मिल रही है क्या मजाक कर रहे हो प्रेम को फोन मारो प्रेम को फटाफट फोन मार दो हाँ वो भूल उसके बाद में हो ओके <coughs> तो सेक्शन एक क्या बोलते हैं सेक्शन थ्री पेज नंबर तीन पॉइंट बारह पे आ जाइए थ्री पॉइंट ट्वेल्व पे आ जाइए डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा ओके तो पहला पढ़ाओ पहला पढ़ाओ मतलब पहला बेसिक पॉइंट नो पर्सन शेल तू और मैं की बात चल रही है ओके, किसी की भी नो पर्सन शेल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बिंग एन यानी मेरे को बताओ अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को डील करना है ट्रांसफर करना है किसको कर सकते हो ऑथराइज पर्सन फॉरेन सिक्योरिटी भी रही तो ऑथराइज पर्सन अब ये फॉरेन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत देखना ये फॉरेन सिक्योरिटी क्या है इसका डेफिनेशन बाकी है पर ठीक है पांच हजार पॉइंट क्लियर फॉरेन सिक्योरिटी थोड़ा सा पॉइंट रहेगा इसके पर. आत्मा क्लियर तो मतलब तो कुछ भी ट्रांसेक्शन करना किसके थ्रू करने का मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर यानी कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का उसका कोई भी पेमेंट आप नहीं करोगे क्रेडिट का मेक एनी मैं वापस बोल रहा हूं नो पर्सन शेल पहला पॉइंट है आप कुछ भी डील नहीं करोगे फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन सिक्योरिटी का ऑथराइज पर्सन के अलावा समझा दूसरा पॉइंट ओके मेक एनी पेमेंट एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर यानी पीआरओआई का कोई भी पेमेंट आप नहीं करोगे पीआरओ का कोई भी पेमेंट आप नहीं करोगे इज दैट पॉइंट क्लियर अरे भारत माता की जय जय ठीक है आगे देखेंगे आगे देखेंगे रिसीव अदरवाइज देन थ्रू ऑथराइज पर्सन यानी कैन आई रिसीव थ्रू ऑथोराइज पर्सन येस एनी पेमेंट और बाईर इंडिया यानी अगर आपको पी आर वाई से पैसा मिलने वाला हो तो आपने किसके थ्रू लेना चाहिए ऑथोराइज पर्सन के थ्रू सेकेंड तो और थर्ड में क्या डिफरेंस है सेकेंड बोलता है उसके भी यहाँ पे आप कोई पेमेंट नहीं करोगे इंडिया में उसके भी यहाँ पे आप कोई पेमेंट इंडिया में

यानी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है okay, know, साल का एक बीस के करीब आ जाता है छोटा छोटा ऐसे ही आता है okay, कल का ही एक सौ डॉलर सौ डॉलर तीन तीन महीने के एक सौ सौ डॉलर निकल हैं यानी साल के चार सौ डॉलर के करीब आ जाता है पैसा एक अप्रोक्सीमेट चार सौ नहीं आता है एटी फाइव एटीफ एटी फाइव और टैक्स कट के वो आ जाता है क्योंकि उधर का टैक्स रेट इज फोर्टी तो फट्टी कटने के बाद जितना आता है तो 85 फाइव बोल रहा है तो अपने को बैंक अकाउंट देना पड़ता है ओके डायरेक्टली मुझे कोई देता नहीं है तो मैंने बैंक दिया बैंक के पास है न, एक रेमिटेंस यूट्यूब और मेरी बैंक है ना मुझे वो परमिशन करती है रेमिटेंस ऑर्डर अगर वो रेमिटेंस ऑर्डर के बिना अगर पैसा आया तो ये अदरवाइज ऑथोराइज पर्सन के थ्रू आया ऐसा माना जाएगा यानी वो नॉन कम्प्लायस माना जाएगा तो ये लोग क्या बोलते हैं जो भी पैसा आना चाहिए तो

क्या बोल रहे हैं बताओ मेरे को लास्ट वाला लाइन एंटर इंटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया यानी इंडिया में आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर किया किसने पीआरआई ने ओके कंसीडरेशन दिया किसके लिए करने 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 के 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 लिए, transfer करने के लिए, लिए यानी आउटसाइड इंडिया किसी का होगा और मैंने उसको इंडिया में रुपीज दिए, पर एसेट है? आउटसाइड इंडिया समझ में आया नहीं कर सकते नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट कैसे चालू हुआ है नो पर्सन शेल ओके वाला पॉइंट है आप कर ही नहीं सकते तो चार चीजें जो बताई गई है और इसके एग्जाम्पल इन्होंने बकायदा बहुत अच्छे से दिए हुए आराम से आप पढ़ लोगे और ये सारी चीजें लिंक है के कर, रहे हैं, किसके कर सकते हो पीआर आए उसके भी आप कुछ पेमेंट कर सकते हो नहीं तीसरा ओके okay, आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे आपको जो भी फॉरेन करेंसी मिलने वाली होगी उसमें इन्वर्ट रेमिटेंस होना चाहिए कौन सा इन्वर्ट रेमिटेंस स्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस तो ही ऑथराइज पर्सन के थ्रू ट्रांजेक्शन माना जाएगा वैसे ऑथराइज पर्सन के अलावा आप ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते आत्मा क्लियर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडिया में नहीं कर सकते फॉर एसेट एसेट आउटसाइड इंडिया यानी किधर है इंडिया में या बाहर बाहर है और आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप सेक्शन थ्री के हिसाब से नहीं कर सकते इसका इन्होंने एक समझाया है बट तो ठीक है लेकिन देखो अबाउट ट्रांजेक्शन मे बी कैरिड ऑन बाउट ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन चार बताया कर सकते हो आप जनरल और स्पेशल ऑफ रिजर्व बैंक अगर प्रोहिबिटेड है तो आपको तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है।, okay, so ये अपन पढ़ चुके है ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं यानी कोई भी ट्रांजेक्शन करने तो आपको दो इसमें डिवाइड करना है कौन सा वाला कैपिटल एंड करंट

किसमें करंट में तीन शेड्यूल पड़े करंट में पक्का कहीं पर भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा था क्या नहीं लेकिन उस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर मुझे कमीशन देना है तो प्रोहिबिटेड देख तो गड़बड़ कर रही है वो प्रोहिबिटेड कब होगा अगर आपको एक्सपोर्ट करने वक्त वापस रुपीज ही मिल रहा है नहीं समझा अगर एक्सपोर्ट करते वक्त अगर डॉलर मिल रहे हैं क्या कमीशन दे सकता हूं ये

डेटर एज ए डेटर और क्रेडिटर कोई भी अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अब इस इस कॉन्सेप्ट को समझना रहा ये वैसे आपके कवर में आ जाता है ओके okay, जी नीचे देखो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स इसको पढ़ो ओके okay, अब चार चार कॉन्सेप्ट ना मैंने आपको चार के एग्जांपल पढ़ो एकदम आराम से और चार के एग्जांपल गो थ्रू करो और मैं वापस बोल रहा हूँ इसमें कैपिटल करंट मिक्स मत करना क्योंकि कैपिटल करंट इसके ऊपर लगने वाले हैं चार एग्जाम्पल पढ़ो एग्जाम्पल पर्टेनिंग टू क्लॉज ए डीलिंग फॉरन एक्सचेंज ए पी कम्स टू इंडिया

सपोज आपने सौ डॉलर ले लिए और सामने सौ हजार रुपए दे दिए सपोज ओके मेरे को बताओ क्या होगा आपका वो सौ डॉलर ओके डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट छीन लेगा और आपको जेल की सजा होगी अगर आपने ये जानबूझ कर किया है समझ में आ रहा है ये याद रखना मैं आपको बता रहा हूं जो भी वायलेशन में कुछ किया होगा ओके okay, पेनल्टी वही अमाउंट है और वो मल्टीप्लाई बाय थ्री तक हो सकती है आपको बोला गया था मेरे से परमिशन लेना अच्छा डोनेशन का आज का सुबह का एग्जाम्पल याद है कितना डोनेशन दे सकता हूँ याद करके बताओ नोट्स में नहीं देखने का एक रुपया साल का पचास मैं क्या था फिफ्टी लैक्स हाँ वन परसेंट कितना वन परसेंट किसका लास्ट तीन साल का और पचास लाख विच एवर इज लोअर इज एवरीबडी इसके ऊपर नहीं कर सकता क्या लगेगा अप्रूवल बिना अप्रूवल के कर दिया मैंने सपोज मैंने एक करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया बिना अप्रूवल के ओके कर नहीं सकते थे लेकिन कर दिया एज्यूम करो कर दिया मैंने कर दिया ओके जो पचास लाख एक्स्ट्रा किया ना वो पेनल्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट उसका ले लेगा वो पेनल्टी चार्ज करेगा और वो मल्टीप्लाई बाय थ्री तक भी जा सकती है ओके और जेल की सजा अलग अगर ये जानबूच कर हुआ है तो ये याद रख ओके okay, यानी फेमा का कॉन्टेक्ट ऐसा है फेमा का कॉन्टेक्स ऐसा है इवन आप लोग मैं बोल रहा हूँ फॉरेन फा, करेंसी ऐसे रख नहीं सकते तुम्हारे पास मर्जी में अभी मेरे पर्स में फॉरेन करेंसी पड़ी हुई ओके okay, एनफोर्समेंट कभी आ गया पता किया गया वैसे कोई ज्यादा नहीं होगी एक हाथ कुछ होगा तो हो गया एक हाथ डॉट डॉलर हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर होंगे तो होंगे वो भी नहीं कि अपनी इंपॉर्टेंट नोट आती है एक नंबर की नोट वैसा कुछ भारत माता की झेपा के मालिक ये लॉजिक बताया हुआ है ठीक है तो पहला पॉइंट पहला का एग्जाम्पल तो क्लियर है सबको बी पढ़ो बी बी बहुत तोड़ समझने वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया इधर उधर ध्यान देने से अच्छा पढ़ो ए पी आर ओ आई है इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया ही रिक्वेस्ट इज ब्रदर इन इंडिया टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम कर सकता है कि वो नहीं एवरीबडी क्लियर दिस इज नॉट परमिटेड छेपा क्या मालिक परमिटेड ही नहीं है बात खत्म इसमें तो मैं आपको बता रहा हूं अप्रूवल भी नहीं है परमिटेड ही नहीं है तीसरा सी वाला अ फॉरेन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया एंड ही टेक्स फूड एट रेस्टोरेंट ही वुड लाइक टू पे यूएस डॉलर ट्वेंटी इन कैश टू रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट कैनोट एक्सेप्ट द कैश एज इट विल बी रिसीट अदरवाइज देन थ्रू ऑथराइज पर्सन द रेस्टोरेंट हैनी चेंजर्स लाइसेंस टू एक्सेप्ट द

के जा, और अगर विनोद सर ने ले लिया तो जब्त कर लिया जाएगा यह याद रखना एंड लास्ट वाला क्लॉज जो मैंने आपको बताया का इंडियन रेसिडेंट गिव्स सेवेंटी थाउजेंड इन कैश टू एन इंडियन डीलर सत्रह हजार कैश देता है ओके फॉर दिस ट्रांजेक्शन द ब्रदर इन दुबई विल गेट डॉलर वन लाख वन लाख नहीं सॉरी वन थाउजेंड from a dubai dealer the two dealer may settle the transaction later however transaction is not permitted hawala transaction yani example okay the, main uske uske udar ke kuch property ke liye main the transaction nahi kar sakta to financial transaction ke इन्होंने चार दिए हुए पर सर क्या ये चीजें क्या ये चीजें परमिटेड है ओके okay, मैंने आपको क्या बताया कुछ अगर परमिशन मिल रही है तो आपको ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है तो आपके पास लिस्ट कंप्लीट है परमिशन है कि नहीं है तो मेरे को बताओ करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में ये लिस्ट है वो क्या है परमिटेड या परमिटेड विद अप्रूवल परमिटेड विद अप्रूवल और कैपिटल की फुल्ली परमिसेबल यानी इस लिस्ट के बाहर जो भी है वो अप्रूवल लगेगा और करंट में इस लिस्ट में जो है वो अप्रूवल लगेगा लिस्ट के बाहर है बिना अप्रूवल आत्मा क्लियर एवरीबॉडी कल या परसों में मैं आपको तो 37 क्वेश्चन की लिस्ट भेजूंगा ओके okay, so आप वो सैटरडे मतलब जब अभी वैसे छुट्टी का सवाल उठता नहीं है अभी कुछ कर नहीं सकते लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे अपन ओके okay, so एक हाथ पॉइंट का तो उस दिन मेहनत कर लोगे मेहनत करने के बाद थोड़ा सा देख लेना उस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा हर चीज़ का परमिशन कॉम्बिनेशन बैठ जाना चाहिए एवरीडे क्लियर और वापस बोल रहा हूँ फॉरन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट याद रखना जब भी लिखने का आएगा मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में क्या लिखने को बोला तुम्हें करंट और कैपिटल सर क्या सेक्शन थ्री पे क्वेश्चन आ सकता है पता नहीं आज तक फाइनल पे तो कभी नहीं आया पर इंटर का सिलेबस इतना कम है इसीलिए सेक्शन थ्री और फाइनल में तो सेक्शन पढ़ता भी नहीं यहाँ okay, के पर इंटर में क्योंकि सिलेबस ही छोटा है ना इसलिए अपन सेक्शन को देखते हैं क्योंकि ये सेक्शन का लॉजिक आगे ही तो जा रहा है सेक्शन थ्री आपको लेके जा रहा है कहाँ पर करंट और कैपिटल में और सेक्शन फोर ये तो आपको मैंने अभी बताया भाई लॉजिक एकदम सिंपल रखना एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर होल्ड ओन पोजेज और ट्रांसफर एनी

खत्म था फिर आपने मतलब छह सात सात आठ लेक्चर का, का काम होता लेकिन समझा ना okay, हो गया ये वाला पढ़ना है तो तुम पे जाके पढ़ लेना। कोई टेंशन नहीं है आगे वाला पॉइंट ऑलरेडी तो आता है दिस इज वॉट योर सेक्शन थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया तुम्हारे फेमा के चार सेक्शन एवरीबडी क्लियर वैसे फेमा की चार सेक्शन की कहानी अपन ने देख ली ओके अभी पंद्रह मिनट का स्ट्रक्चर है तो ये एक दस मिनट का स्ट्रक्चर है इसमें अपन एक काम कर लेते हैं डेफिनेशन को क्लोज कर लेते हैं डेफिनेशन खत्म कर लेते हैं वैसे डेफिनेशन का कुछ पॉइंट हंड्रेड परसेंट चांसे मुश्किल है आना लेकिन डेफिनेशन एक बार रह जाइए पी आर आई का, का कैपिटल करंट एवरीबडी ओके अब देखो ना बहुत सारे डेफिनेशन पंचायती डेफिनेशन चलेंगे सबसे पहले जाओ सबसे पहले नाम की तरफ जाओ जिसका नाम है

आधा तो धंधा ही गया वो लाइसेंस लेगा लेकिन वो कौन सा लाइसेंस लेगा मन में ये एक्सचेंजर ही बोलते बोलते हैं मनी मनी चेंजर, मनी चेंजर लेकिन उसमें दो तरह के लाइसेंस आते हैं जिसमें ये खाली क्या कर सकते ले सकते सकते हैं हैं ले दे नहीं सकते सर इसका मतलब अगर तू उधर उस होटल में गया और तू होटल में बोला और बोला मैं मेरे पास दस लाख दस लाख रुपए मेरे को फॉरन एक्सचेंज दे दो वो देंगे नहीं ये इस तरह से होता है और दूसरे मनी चेंजर होते हैं जो बाहर होते हैं जो लेते भी है देते भी है फॉरन एक्सचेंज मतलब बाय एंड सेल एक खाली क्या कर सकता है buy. Okay, एक क्या कर सकता है बाय एंड सेल खाली कोई सेल वाला नहीं मिलेगा जो सेल करेगा वो बाय भी करेगा पर ऐसा भी हो सकता है जो बाय करता है वो सेल नहीं करता होटल्स होटल्स ओके तो सर फिर वो वो फॉरिन को देते हैं और डिपॉजिट करवाते हैं। ऑफशोर बैंकिंग ओके यूनिट ये तो आपको बताइए बैंकिंग यूनिट ओके जो यूनिट्स होती, होती है जो परमिटेड है तो सारे के सारे ऑथोराइज पर्सन की कैटेगरी में आते हैं और एनी अदर पर्सन जिसको लाइसेंस मिला होगा भारत मतलब क्लियर फर्स्ट गया सेकंड भी गया आत्मा डन थर्ड करेंसी अ करेंसी मतलब क्या करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स पोस्टल नोट्स पोस्टल ऑर्डर्स मनी ऑर्डर्स चेक्स ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट क्रेडिट कार्ड एंड अदर सिमिलर ट्रांजेक्शन करेंसी नोट करेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें है एवरीबडी क्लियर तो करेंसी के अंदर मेरा क्वेश्चन है क्या करेंसी के अंदर यस yes. क्या प्रोमिसरी नोट भी आता है क्या डिमांड ड्राफ भी आता है यानी जब मैं बोलूंगा करेंसी तो उसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट भी आ जाएगा लेकिन आगे और एक बड़ा रहा है करंसी नोट मीन एंड इंक्लूड कैश इन फॉर्म ऑफ पॉइंस एंड बैंक नोट्स तुम्हारा so, क्वेश्चन है करेंसी नोट और बैंक नोट में डिफरेंस क्या होता है ये क्या है पक्का करेंसी है ये बैंक नोट है. है ये करेंसी नोट है या बैंक नोट है एक रुपया करेंसी नोट है फ्री ये क्या है दोनों भी सेम है नहीं मैं बता रहा हूं ओके okay, आपको मैं जितने रुपए मेरे पास जितना अवेलेबल होगा मैं दिखाता ओके okay, एक सौ रुपए दो सौ रुपए की आज खत्म हो गई है दस रुपए की भी दिखाता मैं आपको आप दस रुपए में देखो ओके okay, जो भी साइन मिलेगी वो आरबीआई गवर्नर की मिलेगी सौ में देखोगे गवर्नर की मिलेगी पांच सौ में देखोगे गवर्नर की मिलेगी एक रुपए में गवर्नर नहीं होता रुपए में कौन है मालूम तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझ में और ये सब अलग अलग है हम अलग अलग है समझ में आ रहा है तो यूजुअली हम हम क्या बोलते हैं ओके okay, इसको इसको क्या बोलते हैं करेंसी या बैंक नोट बैंक नोट बोल रहे हो क्यों बैंक नोट बोल रहे हो इसको क्यों बैंक साइन कर रहा है और, और उसको करेंसी नोट बोल रहे हो बताना मेरे को गूगल पे सच नहीं मारोगे टेक्निकल बताओ पांच मिनट के बाद अपन खत्म करेंगे तो आप बताओ पांच मिनट सोचो उसका कुछ लॉजिक रहेगा लॉजिक मेरे को बताने का okay, टेक्निकली समझा डिफरेंस समझाना तो अगर इंडिया ये इंडिया में बाहर वाला लॉजिक अलग है बाहर का लॉजिक अलग है इंडिया का लॉजिक पर टेक्निकली सब जगह एक लॉजिक एकदम सिंपल जाता है तो इन शॉर्ट शौ, अगर एक एक नोट है जो गवर्नमेंट ने इशू किया होगा उसको कुछ नाम दिया है एक नोट है जो आरबीआई ने इशू किया होगा उसको एक नाम दिया होगा तो okay, so एक जो नोट है हाँ तो उसको यही है बराबर है में भी वो कुछ बोलते हैं तो ऐसा है तो, तो कॉइन्स इशू करने का पावर और ये इशू करने का पावर ये आरबीआई के पास नहीं रहता है आरबीआई के पास नहीं रहता गवर्नमेंट के पास रहता है एक रुपए का नोट कौन प्रिंट करता गवर्नमेंट इट इज नॉट प्रिंटेड बाय आरबीआई पावर ही नहीं है आरबीआई के पास तो इसका पॉइंट है देखेंगे तो मुझे बताओ तो दो इसमें अपने को डिफरेंस बताना बाकी तो और क्या है करेंसी नोट इंक्लूड्स कैश इन फॉर्म ऑफ बैंक नोट आत्मा क्लियर ठीक है समझा नहीं अभी तक डेफिनेशन कुछ मैं तो फिर बताओ आंसर नहीं दे रहा तुम नोट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड बैंक नोट्स तो मेरा क्वेश्चन है पांच सौ रुपए का क्या है बैंक नोट है, currency note है? एक रुपए का नोट क्या है तो जानते हो तुम मेरे को बताओगे इसका मेरे को एकदम इसके डेफिनेशन से मेरे को आंसर चाहिए जो भी तुम बताओगे चलो गूगल पे सर्च मार के बाद में बताना पर पहले ये क्लोज कर लो ठीक है चलो एक दो मिनट दूंगा गूगल पे पर, पर मेरे को आंसर डेफिनेशन से लिंक करके दो इसलिए मैं डेफिनेशन चाहिए ठीक है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करने का ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नोट एक्सप्रेशन मीन टेकिंग आउटसाइड इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स समझ में okay, गुड्स को बाहर लेके जाने का और बाहर रखने का प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया यानी सर्विसेज तो एक्सपोर्ट क्या क्या एक्सपोर्ट में दो चीज इंक्लूड होती है गुड्स बाहर लेके जाना सर्विसेज बाहर वालों को देना बाहर वालों को सर्विसेज देने के लिए मैं बाहर जाना जरूरी नहीं है मैं अगर इधर भी बैठ के कोचिंग दे रहा हूं यूएस में तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा

मैं रुपीज दे रहा हूं करंसी करंसी ना करेंसी नोट्स, करेंसी माना जाएगा ना मालिक ओके मैं डॉलर दे रहा हूं फॉरेन करेंसी, एवरीबडी क्लियर ओके अब आ, मैं आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे रहा हूं यूरोउंड रुपीस रुपीज है करंसी इंडियन नहीं बोलते इधर फेमा में करंसी

एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन तब जाके आप इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलोगे नहीं समझा समझा मेरे को बताओ अगर मैंने किरण को देने के लिए मैंने बनाया ड्रॉ किया था दस हजार रुपए में और पेबल किस में है डॉलर्स ओके okay, समझ में आया तब इसको क्या माना जाएगा फॉरेन करेंसी मत बोलना फॉरेन एक्सचेंज क्या माना जाएगा फॉरेन एक्सचेंज आत्मा क्लियर अगला पॉइंट पढ़ अगला पॉइंट उल्टा कर ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ चेंज ड्रॉन पर्सन आउटसाइड इंडिया बट इन मतलब क्या हुआ उल्टा ओके यानी बाहर बनाया कौन से करेंसी में फॉरेन करेंसी में लेकिन पेबल इन इंडियन करेंसी लॉजिक समझ में आया ओके पेबल इन इंडिया मत बोलो पेबल इन इंडिया क्योंकि अभी आपका निगोशियबल नहीं है ना तो मैं कुछ करने ये जब निगोशियबल होता ना तो और अच्छे से समझता मतलब दिस हाउ इट वुड वर्क निगोशियबल इंटर में होता था और फाइनल में जाके ये ये में बहुत मैटर करता है ओके okay, तो ड्रॉन वन का कुछ लॉजिकेमेंगे पेबल किसमें इंडियन करेंसी बनाया किसमें इंडियन करेंसी में पेबल किसमें किस किस तब जाके फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा क्या माना जाएगा फॉरेन एक्सचेंज बाकी इंडिया पेबल इन ऑस्ट्रेलिया ड्रॉन इन ऑस्ट्रेलिया पेबल इन इंडिया यह डिस्कशन नहीं कर रहे इफ ड्रॉन इन ऑस्ट्रेलिया ड्रॉन इन ऑस्ट्रेलिया बट इट वॉज इन रुपीज ओनली एंड पे इंडिया बट इन रुपीज ऑनलीज नॉट फॉर एक्सचेंज अगर ऑस्ट्रेलिया में बना है रुपीज में बनाए इंडिया में पेबल है रुपीज में है फॉरन एक्सचेंज आप बोलोगे सर ऑस्ट्रेलिया में बना अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना फॉरन एक्सचेंज क्यों होगा जब रुपीज में बन रहा है अगला पॉइंट फॉरेन सिक्योरिटी अपन थोड़ा सा पढ़ रहे थे लास्ट डेफिनेशन एनी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ शेयर स्टॉक्स बॉन्डेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी मतलब क्या ओके okay, अगर ये डॉलर है ये डॉलर है क्या इसको फॉरेन करेंसी बोलोगे डॉलर है डॉलर है सपोज डॉलर है अमीर आदमी पांच सौ डॉलर पांच सौ डॉलर समझो इमेजिन करो मैं भी ऐसे इमेजिन करता हूं तब मेरे को अमेरिकी फिल्म डॉलर है या फॉरन करेंसी को फॉरन सिक्योरिटी मेरे को बताओ, है? है okay, yes. okay, बताओ इंडियन करेंसी को क्या बोलोगे इंडियन करेंसी नहीं बोलते करेंसी भार वाली करेंसी को क्या भार वाली करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मानी जाती है यस yes. क्या भार वाली करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी मानी जाती है ये yes. दोनों डेफिनेशन में आती है

अच्छा बिल्स ड्रॉन इन इंडिया इंडियन रुपीज पेबल इन फॉरेन रुपीज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज तीन शब्द याद रख रहे फॉरेन के तीन लगातार शब्द है एक है फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी समझ में आया इसके अलावा कोई फॉरेन की चीज नहीं है बाकी सब फिर इंडिया की चीजें तो तीन चीजें क्या है फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी सर ये मैं क्यों मायने रख रहा हूं अबे एमसीक्यू बाकी और कोई रीजन ही नहीं है ओके बिल्स पेएबल इन रुपीस, बिल ड्रॉन इन रुपीस, पेबल इन डॉलर फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी और करेंसी फॉरेन एक्सचेंज एवरीडी क्लियर ओके इन्वेस्टमेंट डन इन इन्वेस्टमेंट डन इन डॉलर बट पेबल इन रुपीस, इंटरेस्ट इज डिविडेंड इन पेबल इन रूपीज इज फॉरेन सिक्योरिटी ओके आत्मा क्लियर फॉरेन करेंसी तीन में आ सकती है कैसे आएगा ओके फॉरेन करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी एग्जाम्पल डॉलर इज सुन सुन डॉलर इज फर्स्ट फॉरेन करेंसी सेकेंड फॉरेन एक्सचेंज थर्ड फॉरेन सिक्योरिटी ऐसा तीन पॉइंट दिया है उसमें ए वन ओनली बी वन एंड टू ओनली सी वन टू थ्री एंड डी टू एंड थ्री किसमें जाएगा तीनों इसमें वन टू थ्री समझ में आ रहा है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी भी है एक्सचेंज भी है, है।, है। okay, पंचायती खत्म है आपके लिए सारा चीज खत्म है खाली एक ट्रांसफर का वर्ड पढ़ लो ट्रांसफर काल करना परचेस करना एक्सचेंज करना मॉडगेज गिफ्ट लोन ये जो भी चीज है ओके इन राइट आपको दे दिया टाइटल आपको दे दिया पोजिशन आपको दे दिया लियन आपको दे दिया ई कैन ट्रांसफर राइट आई कैन ट्रांसफर टाइटल आई कैन ट्रांसफर पोजेशन आई कैन ट्रांसफर लियन लियन क्या होता है अच्छा राइट right मतलब नाउ यू कैन यूज इट टाइटल मतलब पेपर ही तुम्हारे नाम पे पोजेशन मतलब पेपर हो गए मेरे नाम पे तू लेके चला गया फिर को दे दिया लियन मतलब क्या होता है क्या बात कर रहे हो यार इंडियन कॉन्ट्रेक्ट्रिक्ट में पढ़ा होना चाहिए यार क्या मजाक कर रहे हो यार फाइंडर ऑफ गुड्स अच्छा लियन नहीं सुना है कभी सुना है कि नहीं सुने? सुना है सुना है ऐसा अच्छा मेरा पहला पॉइंट राइट दिया मतलब क्या दिया ये है मेरा इसको इस्तेमाल फोन मेरा है बुक पेपर में भी मेरा ही नाम है इस्तेमाल तू कर रहा है ठीक है ओके टाइटल दिया मतलब क्या दे दिया पेपर में नाम दे रहा भले मैं इस्तेमाल कर रहा ओके पोजीशन मतलब ये तेरा पेपर में नाम मेरा एंड लास्ट लियन मतलब लियन मतलब सपोज 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 मैंने तेरे को लोन दिया और उस लोन से तूने ये खरीदा पैसे मैंने तेरे को दिए थे इसके ऊपर मेरा लियन है यानी अगर तू ईएमआई नहीं भरेगा मैं लेके जा सकता अदरवाइज मैं लेके नहीं जा सकता समझ में आया ये पॉइंट है पर आई डाउट इसका कुछ पॉइंट है बट ये था आपके लिए फेमा एक बार फेमा पूरा पढ़ लेना मालिक एवरीबडी क्लियर ओके सी मालिक असल टेक केयर मालिक कल मिलते हैं टेक केयर कल का